Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanchi and welcome to Let's Learn. Sabhi good evening. Namaskar. Ram Ram. Sat Shri Akal. Alaikum. What are you feel connected with? Aaj marathon session hai aur probably ye last marathon rahega YouTube pe. और इसके बाद अगर सिलेबस भी change होता है तो जो change होगा उसको थोड़ा बहुत add करके अलग से एक session में करा देंगे But marathon uh, मतलब uh, सच में मैराथन है मतलब कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट सीडीपी हम इसमें कर लेंगे जो भी देश भर में टेट एग्जाम्स होते हैं चाहे वो लेवल वन हो लेवल टू हो आगे आने वाले साल भर जो भी एग्जाम्स चलेंगे पिछली मैराथन आप लोगों ने जो है वो आ, करोड़ों लोगों ने देखी मतलब करोड़ों में देख ली है एक करोड़ बीस लाख वगैरह इस तरह का कुछ नंबर है तो बहुत सारा डिस्कशन है जो हमें करना है ये मैराथन सेशन बेहतर भी होगा ऑफकोर्स पहले से चीज़ें अपडेट हुई हैं और थोड़ा सा हम स्पीड में भी चलेंगे कोशिश रही कि मेरी समय आपका कम से कम लगाऊं और बातें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो टॉपिक्स हैं वो कवर हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तीस में से तीस आप एक इस वीडियो से ला पाएंगे एकदम नए पैटर्न पे भी किसी भी स्टेट में भी इवन जो टैट होते हैं सारे लोग देखते हैं उसको वैसे सी टेट के सिलेबस को ध्यान में रख करके ये आ, बनाया गया है पूरा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे बिना कहे आपको सेशन पसंद आएगा ही बहुत एफर्ट्स इसमें लगे हैं है ना कई दिनों की मेहनत है या काफ़ी दिनों की मेहनत है जो क्लासेज चालीस घंटे में साठ घंटे में जो क्लास होती है कम से कम भी वो आपको एक सेशन में मिलेगा तो आप खुद सोचेगा निचोड़ है है ना ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं है ना तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को और एक छोटी सी बात ये मैं सोशल मीडिया पे कहीं देख रही थी आज बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी लिए हैं जो आर, रील से लेके और जो भी आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं उससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे देखिएगा तो ये सारी दुनिया की ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दी वर्ल्ड ये क्या है एक वेन डायग्राम है किस समय हो सकता है आपके जीवन में है ना दुख दर्द पीड़ा परेशानी कुछ भी चल रहा हो आसपास सारी दुनिया की चीजें जरूरी हो लेकिन आपका फोकस कहाँ रहेगा आपकी प्रायोरिटीज ये हैं और इस पर आपका फोकस होना चाहिए इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है है ना घर में शादी है फलाना है ये मैं अपनी बात कर रही हूँ है ना मेरे सिस्टर की एंगेजमेंट है कुछ ही दिनों में तो क्या चल रहा है सब बाद में इंपॉर्टेंट है सारी चीजें है ना आपके जीवन में कोई समस्या चल रही होगी घर में ये चल रहा है बाहर ये है नहीं अभी एग्जाम है तो उसी पे फोकस करेंगे ये मैराथन देखते समय भी इसी रूल को फॉलो करना है कि जो प्रायोरिटी है समय यही रहनी चाहिए एक आध वर्ड आपका मन करे देखते हुए लिखने का लिख लीजिएगा बहुत कम शब्दों में अदरवाइज ये आपको ऑलरेडी फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं आपको समझ में आनी चाहिए चीजें तो प्रायोरिटी क्या है कि ये सेशन कंप्लीट समझ के साथ देखेंगे समझ डेवलप करेंगे ठीक है ना और जो जरूरी है उस पर फोकस करेंगे जरूरी मतलब जरूरी में भी जरूरी जिसको हम प्रायोरिटी कह रहे हैं इंपॉर्टेंट तो आजकल सब कुछ ही है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट तो समय की जो आवश्यकता है वो इस समय पे ये सेशन है जिसमें हम सारी चीजें कवर करें पढ़ाई पे ध्यान दें नौकरी लें खत्म करें बात ठीक बाकी सारी चीजें तब भी हो जाएंगी चलिए आते हैं खैर और इसमें तीन यूनिट्स रहेंगी ये सिलेबस आप इंडेक्स चाहें तो देख सकते हैं एक वार्म अप से मैं शुरू करूंगी एक छोटा सा टॉपिक से अदरवाइज अपना वही पूरा डेवलपमेंट से लेके एकदम सीक्वेंस में हम चैप्टर्स uh, आपके करने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हुए हैं एक आध एक आद क्वेश्चन अभी बीच में मैं लूंगी अदरवाइज पूरा कंटेंट आपको तरीके से पढ़ने को मिलेगा ठीक है जी तो ये आपको पता है कि ये आपका सिलेबस है मैच कर लीजिएगा इसके बाद भी जो लोग तैयारी करें बिल्कुल डे टू पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ऐसे ही कवर करेंगे है ना ये सब आप मैच कर सकते हैं वीडियो रोक करके जब भी कभी आप बाद में देख रहे हैं तो ज्यादातर तो टॉपिक्स जो है आपके इसमें कवर हो जाएंगे किसी भी स्टेट टेट के सीडीपी के तो मतलब सी के तो इसमें हम ये कहेंगे हंड्रेड टॉपिक्स इंक्लूडेड है चलिए खैर आते हैं पहली यूनिट तीन यूनिट में हमने इसको डिवाइड किया पहली यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट की जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है बारह टॉपिक है पंद्रह नंबर है ठीक ये सबसे भारी यूनिट होने वाली है यानी इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा थर्ड यूनिट जो दस नंबर है उसमें सबसे कम समय लगेगा है ना जो बीच वाली यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा बट उतना नहीं इस सेशन को शेयर आप लोग करते रहें साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा बैठ करके एक सेटिंग में समझते जाओ मजा आएगा बहुत ठीक है ना नींद कई दिनों से पूरी नहीं हुई है बट मजा आएगा आज देखिए अचीवमेंट ओरिएंटेशन अब अचीवमेंट ओरिएंटेशन ये क्वेश्चन आजकल आते हैं ये मोटिवेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है लास्ट में मोटिवेशन आएगा तब भी मैं इसको बताऊंगी अचीवमेंट ओरिए गोल ये कई बार आपसे लर्निंग गोल ओरिएंटेशन के सेंस में भी पूछ लेगा पेपर में है ना उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण तो तीन प्रकार के ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है सेंटर लोकस ऑफ कंट्रोल एक तरह से तो सेंटर क्या है केंद्र क्या है किसका गोल को अचीव करने का या सीखने का या मोटिवेशन का तो ये तीन प्रकार के सेंटर होते हैं इनको लर्निंग गोल्स कह देंगे कई लोग पेपर पे डिपेंड करता है कैसे पूछ ले। के पूछ लेता है। लेकिन एक का इस बार भी आया था सिंपल थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल लेंगे हम थ्री इडियट्स से बहुत सारी इवन जब ये सिलेबस में पढ़ रही थी तो लास्ट टाइम मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है ना आप लोगों ने देखी होगी शायद रणवीर सिंह आलिया भट्ट ठीक तो जो आपका सिलेबस है ये जो सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया वो मूवी मैंने चार बार देखी आज तक मैंने कोई और मूवी से पहले नहीं देखी थी थिएटर में जाके दूसरी बार भी वो मैंने चार बार देखी थिएटर में देखी अब थोड़ा सा समय भी था उस समय थोड़ा पुरानी बात हो गई अब तो छः महीने और आ, वैसे भी चीज़ें ठीक है मैंने आराम से जाके चार पांच अलग अलग लोगों के साथ देखी वो मूवी जिसमें मेरी फ्रेंड्स थी और कई सारे लोग थे तो अगर हम बात करें तो वो मूवी पूरा सिलेबस है आपका अगर देखें आप कभी पेपर के बाद देखिएगा कभी बैठ के देखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके लैंग्वेज डाइवर्सिटी से लेके इंक्लूसिविटी से लेके है ना डेवलपमेंट या कैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट हम पे प्रभाव डालता है सारी चीजें हैं मतलब वो मूवी अपने आप में तीस नंबर है आपके अगर आप थोड़ा सा ये सिलेबस पढ़ के एक बार मूवी देख लेंगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ठीक है ना चलिए खैर ये तो मैं मजाक की बात कर रही थी आ जाते हैं अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन ये क्या है थ्री इडियट्स मूवी हम सबने देखी है अपने आप में एक आइकॉनिक एक बड़ी अच्छी मूवी है है ना छोटे थे हम लोग तब आई थी तो मास्टरी ओरिएंटेशन इसमें ये तीनों प्रकार को बांट सकते हैं ये रेंचो है है ना सोनम वांगचोक आई थिंक इनका नाम है तो मास्टरी ओरिएंटेशन इनका ध्यान किसपे था एक्सेलेंस के पीछे भागो क्या होगा सक्सेस अपने आप पीछे आएगी मतलब मास्टरी ओरिएंटेशन में जो लर्निंग का गोल है मास्टरी ओरिएंटेशन जिसको हम क्या कहते हैं महारत या निपुणता उन्मुखीकरण बाइलिंगुअल भी रहेगा आज सेशन लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो मास्टरी ओरिएंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मास्टर बनने पर फोकस होता है कि मेरे को कोई चीज बहुत अच्छे से आती हो मैं उसमें महारत हासिल कर लूँ

वो बाद की बात होगी जब मैं तीस में से तीस कह रही हूं क्योंकि मास्टरी ओरिएंटेशन है तो वो परफॉर्मेंस अप्रोच हो जाएगा जब मैं कह रही हूं कि तीस में तीस अपने आप आ जाएंगे लेकिन फोकस किस पे सीखने पर तो यहां लर्निंग पे या महारत हासिल करने पे फोकस होता है जॉय ऑफ लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि सीखने में इंटरेस्ट है तो निपुणता उन्मुखी यह वार्म अप के लिए है अदरवाइज अपना डेवलपमेंट से शुरू करेंगे बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट में जानने को ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई मास्टरी ओरिएंटेशन यानी पे आपका नंबर पे फोकस नहीं रहता फेलियर और पास होने पे फोकस नहीं रहता आपका फोकस रहता है सीखने पे। दूसरा है इनका दोस्त था राजू रस्तोगी बहती हवा सा था वो नहीं कौन सा गाना है वो जाने नहीं देंगे तुझे है ना याद है ना राजू रस्तोगी जिसको ये लोग बांध के ले जा रहे होते हैं स्कूटी पे मतलब बीच में रख करके तो राजू रस्तोगी क्या है यहाँ पे फेलियर अवॉइडेंस की कैटेगरी में आएगा विफलता परिहार उन्मुखीकरण की इसको बस पास होना है किसी तरह से फेल ना हो जाऊं वो वाली स्थिति है उसकी है ना तो फेलियर अवॉइडेंस वाले कौन से लोग नब्बे क्या है? ये आपको है क्या चतुर याद होगा जो चमत्कार को पता नहीं कह रहे थे स्पीच में तो ये रटन तो विद्या मतलब परफॉर्मेंस अप्रोच में रट के समझ के जैसे भी हो बस नंबर आने चाहिए फर्स्ट आना है मुझको है ना प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिविन्यास तो यहां पे तीन अप्रोचेस हुई सिंपल पहला है मास्टरी ओरिएंटेशन जहां पे ध्यान सीखने पे है लर्निंग पे है बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं फेलियर अवॉइडेंस में आप बस फेलियर से बचना चाहते हैं किसी तरह तेतीस परसेंट आ जाए पापा पीटे ना पुराने जमाने में ऐसे होता था ना कि पास हो जाऊं बस परफॉर्मेंस अप्रोच यानी फर्स्ट आना है परफॉर्म करना है है ना फर्स्ट आना है रिवॉर्ड पे फोकस है परफॉर्मेंस पे फोकस है चाहे रटके हो चाहे सीख के हो कैसे भी हो तो ये बेसिकली तीन ओरिएंटेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है और मास्टर तो आपको बन के रहना है इसलिए मास्टरी ओरिएंटेशन हम पढ़ रहे हैं इतना तो तय है देखिए 2024 में आपको नौकरी लेनी है ठीक तो मास्टरी ओरिएंटेशन यहाँ पे बेटर है अगर हम कहें तीनों में बेस्ट कौन सा है तो ऑफकोर्स मास्टरी ओरिएंटेशन क्योंकि यहाँ पे बच्चे का ध्यान सीखने पे है नंबर अपने आप आ जाएंगे जब ध्यान सीखने पे हो, होगा तो मास्ट्री लर्निंग गोल्स या मास्टरी ओरिएंटेशन या मास्टरी मोटिवेशन बेटर है बेस्ट है बाकी दोनों से ठीक अभी एक क्वेश्चन इस बार आया था बस इसको सॉल्व कर लो फिर हम अपना आएंगे डेवलपमेंट पे बहुत तरीके से डेवलपमेंट पढ़ेंगे मजा ही आएगा एकदम चलो भाई अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो आप बस जवाब दे दीजिए पोल नहीं दूंगी समय व्यर्थ नहीं करूंगी क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए है हुए हैं आगे भी बहुत करा दूंगी यहाँ पे कंटेंट पे फोकस है कि आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाए क्वेश्चंस इंटरप्ट करते हैं अगर हम इस तरह से करते हैं चीजें ठीक है ना आते हैं समझते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल देखने को मिलेगा निपुणता महारत वाले लक्ष्य और प्रदर्शन प्रदर्शन में तो फर्स्ट आना है

सारा ध्यान परफॉर्मेंस में बाहर है जबकि मास्टरी में जो है आपकी स्किल आपको कितना बेहतर समझ सकते हैं आपको कितना अच्छे से आता है इस पे होता है ठीक है ना मास्टरी गोल्स अप्रूवल फ्रॉम अदर्स नहीं मास्टरी में आपको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको पैसे मिल रहे हैं आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपको नंबर मिल रहे हैं सब सेकेंडरी है आपका ध्यान है सीखने पर आपको सीखने में मजा आता है वो काम करने में गिटार बजाने में मजा आ रहा है इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं इंटरनल मोटिवेशन से चलता है मास्टरी ओरियंटेशन ठीक है ना सर्टिन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं वो परफॉर्मेंस ओरियंटेशन हो गया तो सिंपल बात है अब आते हैं फटाफट से समझते हैं अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं स्पीड बढ़ा करके रखेंगे क्योंकि समय कम काम ज्यादा ठीक है और जहां आपको साठ घंटे का सिलेबस चालीस घंटे का सिलेबस कम से कम में भी कराएं अगर वो चीज अगर आपको चार पांच घंटे में मुझे करानी है तो स्पीड में चलना पड़ेगा लेकिन समझ में पक्का आएंगी चीजें इतनी बात पक्की है इतना तो तय है ठीक है ना चलिए आते हैं डेवलपमेंट पे क्या है ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग टू द पॉइंट चलेंगे फटाफट अगर हम बात करें यहां पे तो ऑफ डेवलपमेंट क्या है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध ये पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा यानी क्या है डेवलपमेंट का और इसका लर्निंग के साथ नाता क्या है ये है है आपका पहला टॉपिक सबसे पहले समझेंगे विकास क्या है? तो प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस हिंदी में बताऊंगी डोंट वरी यानी प्रगतिशील क्रमिक व जिनका अंदाजा लगाया जा सके अनुमानिक परिवर्तन इसको मैंने पॉप बना दिया पहले मैं पीओ एस बताती थी अभी पीओ P बना दिया एस का मतलब सिक्वेंशियल होता है और सिक्वेंशियल जो है ऑर्डरली में ही आ जाता है इसलिए मैंने एस हटा दिया है ऑर्डरली का मतलब है पहले आप बचपन होता है पहले आपका यानी पहले शैशवावस्था होती है इन्फेंसी फिर चाइल्डहुड आएगा उसमें भी दो प्रकार हैं अर्ली और लेटर चाइल्डहुड फिर आपका एडोलेसेंस फिर आपका अडल्टुड फिर आपका बुढ़ापा आएगा ओल्ड एज ऐसा थोड़ी होता है पहले ओल्ड एज आ गई बाद में बचपन आ गया बीच में जवानी आ गई कुछ भी चल रहा है ऐसा नहीं होता ना ऑर्डर में होती है विकास की प्रक्रिया एक क्रम में होती है क्रमिक होती है यानी सिक्वेंशियल ऑर्डरली प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते क्रम में बेहतरी के लिए होने वाले क्रम में हालांकि इसमें चयन भी शामिल है यानी इसमें ह्रास भी शामिल है यानी कम भी होता है जैसे आपकी बहुत बार क्या होता है दूध के दांत भी जाते हैं वो सारी चीजें होती हैं बुढ़ापे में आपकी जो मेमोरी है आपकी भागने तोड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है तो गिरावट भी इसमें शामिल होती है लेकिन वो बाद की स्टेजेस में जाकर तो प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए रिवर्सिबल नहीं है इन चेंजेस को हम वापस ऐसा नहीं हो सकते आज आप जवान हैं कल आप बच्चे बन जाएंगे हरकतों से बन सकते हैं एज में वापस नहीं जाएंगे तो रिवर्सिबल नहीं होती अनुमान लगाया जा सकता है है ना अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे की एक्टिविटीज को देखते हुए कि वो किस दिशा में उसका इंटरेस्ट है किस तरफ वो बेहतर कर सकता है यदि हम उसको अच्छा इन्वायरमेंट दें तो ये पीओएस इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस या पीओएस को हमने क्या बना दिया, pop बना दिया दिया पॉप प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी विकास की जो प्रक्रिया है इसमें अनुमान लगाना संभव है कि कौन बच्चा किस दिशा में कब बेहतर करेगा या किस उम्र में बच्चे के दांत निकलेंगे ये सब अनुमान हम लगा पाते हैं ठीक अब आते हैं ये लाइफ स्पेन थियरी है एक जो कहती है वो टू टूंब जाता है यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास जब से आप मां के गर्भ में होते हैं प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर, पूर्व अवस्था तब से और जब तक आप कब्र या फिर आप चिता कहेंगे कई लोग धर्म की बात नहीं है यहां पर सिंपल बात है वूम टू डेथ यानी गर्भ से कब्र तक यानी जब तक आप जीवित हैं विकास की प्रक्रिया आप में चलती रहेगी इसको लाइफ स्पेन थियरी कहते हैं ठीक है अगर हम बात करें यहां पे मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास क्या है बहुआयामी है मल्टीपल डायरेक्शन में होगा है ना आपका शरीर में अनुपात भी बढ़ रहा है आपकी बुद्धि भी बढ़ रही है आपके सामाजिक जो लक्षण है वो भी बढ़ है, भी बढ़ रहे हैं हैं उसमें कई सारे डायरेक्शन सर से पैर के मल्टी डायमेंशनल होता है 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 एक आयाम में नहीं बहु आयामी है विकास है ना सभी प्रकार के परिवर्तन हमारे दिमाग में शरीर में हो रहे होते हैं हाईली प्लास्टिक ये बहुत पूछा जाने लगा है हाईली प्लास्टिक यानी नमनीयता बहुत होती है नमनीयता मतलब इसमें चेंजेस होते रह सकते हैं जीवन पर्यंत हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो Uh, करते रहते हैं क्या कहते हैं फायरिंग और ये क्या है जीवन भर हमारे अंदर सीखने की क्षमता बनी रह रिवर्स में नहीं जा सकते प्रतिवर्ती नहीं होती लेकिन हाईली प्लास्टिक है मॉडिफिएबल है यानी, तो संभव है कल आपको कोई गलत आदत थी आज आज आप ठीक कर लीजिए उसको है ना तो मॉडिफिएबिलिटी तो है आदत तो जस्ट एक उदाहरण है मॉडिफिएबिलिटी है एमेंडेबिलिटी है अगर मैं कहूं एमेंडेबल है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे संविधान में परिवर्तन जो है वो संभव है हम अमेंडमेंट्स लाते हैं संशोधन लाते हैं समय समय पे तो विकास में भी संशोधन जो है वो संभव है हाईली प्लास्टिक है यानी एनवायरमेंट का इसमें रोल है कि जीवन पर्यंत जो है हम चीजें सीखते रह सकते हैं किसी भी एज में कुछ भी हम सीख सकते हैं प्लास्टिसिटी इसमें होती है मॉडिफिकेशन संभव है अमेंडेबल होता है तीन प्रकार हैं विकास के बायोलॉजिकल बायोलॉजिकलग्नेटिव एंड सोशियो इमोशनल इसीलिए बिल्कुल आज पिंक कलर का भरपूर इस्तेमाल किया है जेंडर के समय बताएंगे क्यों बायोलॉजिकल यानी फिजिकल डेवलपमेंट है ना आपकी एनसीआर सिर्फ तीन में इनको विभाजित करती है वैसे हम पीसीएसई ये तो अब बहुत सारी किताबें भी पब्लिश करने लग गई हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अगर आप पुराने से पुराना वीडियो लेट्स वन पे देख लें और बुक की पब्लिशिंग की डेट भी ढूंढें तो आपको पता लगेगा लेट्स पे पहले बताया गया था ये पीसीएससी है ना तो पीसीएसई क्या है फिजिकल कॉगनेटिव सोशल इमोशनल चार प्रकार होते हैं विकास के शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और सांवेगिक ठीक यानी हम इन चारों दिशाओं में बढ़ते हैं अगर सिर्फ पूछ लिया जाए कितने प्रकार होते हैं तो आपको तीन जवाब देना है क्यों क्योंकि एनसीआरटी को हम रेफर करेंगे हर बार है ना अगर हमें कल को चैलेंज करना पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं तो बायोलॉजिकल चेंजेस जिसको हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं जो हमारी बायोलॉजी से हमारी हाइट बढ़ रही है है ना हमारे अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं कॉग्नेटिव यानी दिमाग का विकास और इमोशनल यानी समाज में में रहने का का इमोशंस पे कंट्रोल करने ये ये सारा प्रकार तो ये तीन प्रकार तो तीन आपका डेवलपमेंट के टाइप खत्म हो जाते हैं यानी विकास मल्टी डायमेंशनल क्यों है क्योंकि ये कई आयाम में होता है यानी शारीरिक पक्ष में भी हो रहा है, है ना यानी हम शरीर से भी बढ़ रहे हैं दांत निकल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है दुनिया भर की क्षमताएं आ रही है संज्ञान हमारी बुद्धि भी समय के साथ विकसित होती है सामाजिक रूप से आप कैसे समाज में रहना है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है तो सोशो इमोशनल वैसे तो ये चारों ही इंटर रिलेटेड होते हैं अंत है संबंधित होते हैं बट सोश इमोशनल को हम एक ही में काउंट कर लेते हैं तो अगर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग नाम के तो आप चारों चूज कीजिए अदरवाइज सिंपल अगर कभी पूछ ले कितने प्रकार तो तीन प्रकार तो बायोलॉजिकल कॉग्नेटिव सोशो इमोशनल पीसीएस को हम कह देते थे इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस यानी विकास पे हिस्ट्री और कल्चर दोनों का प्रभाव पड़ता है ये बात हमें माननी पड़ेगी यानी जो हमारी हिस्ट्री है यानी इतिहास है भाई अगर आप हिरो नागासाकी में रह रहे हैं तो वहाँ आप कहते हैं कि भाई सालों मतलब कई जनरेशंस तक जो डैमेज हुआ वो परमाणु बम के कारण या जो भी जो हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं उनका प्रभाव आपके विकास पे पड़ता है आपके कल्चर का हमारे यहाँ कौन सी संस्कृति है किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं खाना खा रहे हैं क्या त्यौहार मना रहे हैं इन सबका प्रभाव पड़ता है संस्कृति और ऐतिहासिक जो कंडीशंस हैं उनका प्रभाव विकास में पड़ता है हम कहते हैं आज के बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है बेहतर हैं जल्दी सीख जाते हैं कंप्यूटर के जैसे हैं ये है वो है क्यों क्योंकि समय बदल चुका है तो हिस्टोरिकल कंडीशंस का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है चलिए खैर तो ये विकास के कुछ लक्षण हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो डेवलपमेंट के बारे में है ये वूम टू टूम गर्भ से कब्र तक चलेगा कुछ लोग कहते हैं कि ये वूम टू टूम यानी लाइफ स्पेन परस्पेक्टिव ये कहता है वूम टू टूम यानी कॉन्टिन्यूस है सतत है कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है जैसे कि प्याजे असतत है वो ये मानते हैं कॉन्टिन्यूस कौन मारेगा वाइगॉस और ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूस मानते हैं ये अपने आप में एक बहस है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की यानी निरंतरता और अनिरंतरता की इस पर बाद में वापस आएंगे अभी ठीक है ना ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट प्याजे वाइगॉस की पता नहीं क्या क्या तो आज नहीं कराना है मुझे आपको स्पीड के साथ लेकिन अब हम देखें ग्रोथ ग्रोथ क्या है हिस्सा है ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है लेकिन ग्रोथ कंडीशन नहीं है डेवलपमेंट की मतलब क्या हुआ यानी वृद्धि वृद्धि क्या है आपके आकार का बढ़ना जो भी चीजें मेजर की जा सकती हैं जिनका मापन संभव है जैसे आपका वजन जैसे आपकी हाइट जैसे आपका आ, कितना कितने आप मोटे पतले हो गए वो सब मेजर किया जा सकता है तो जो जि, जिन भी चीजों का मापन संभव है वो सब वृद्धि का हिस्सा है जो भी चीजें मेजरेबल हैं वो ग्रोथ है या क्वांटिटेटिव भी कह देते हैं इनको हम मात्रात्मक जो पहलू है हमारे विकास के वो वृद्धि कहलाते हैं क्वांटिटेटिव यानी वृद्धि से विकास होता है हम ये कहते हैं कैसे हमारी हाइट बढ़ी तो हमारी हम कह रहे हैं कि हमारी हाइट बढ़ी ब्रेन डेवलप हुआ हमारी समझ बढ़ेगी ठीक लेकिन अगर हमारी हाइट नहीं बढ़ी क्या हमारा विकास नहीं होगा किसी भी एस्पेक्ट में बिल्कुल हो सकता है।, है ना अगर हम देखें स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो चल फिर नहीं सकते थे तो क्या विकास के सारे पहलू रुक गए थे नहीं रुके थे ना अगर किसी को मान लीजिए फिजिकली उसको हाथ में कोई दिक्कत हो गई है ना डैमेज है कुछ भी है तो अगर वृद्धि नहीं हुई उस एरिया में तो क्या विकास नहीं होगा बिल्कुल होगा तो वृद्धि के ना होने पर भी विकास हो सकता है प्री कंडीशन नहीं है वृद्धि है ना ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि के बिना विकास नहीं होगा लेकिन वृद्धि विकास लेकर के आती है है यानी पहले ग्रोथ होती है, आपकी हाइट बढ़ रही है आपके शरीर की सारे जो भी मेजरिंग एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और फिर उससे डेवलपमेंट भी होता है तो ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है ग्रोथ पहले होती है अगर देखा जाए लेकिन अगर ग्रोथ नहीं भी है तब भी डेवलपमेंट होगा ये एक प्री कंडीशन नहीं है ठीक तो डेवलपमेंट क्या है विकास जिसमें मापने योग्य तो चेंजेस हैं ही ये जो मेजरेबल जो भी कुछ ग्रोथ में है आपकी हाइट का बढ़ना आपकी वेट का बढ़ना आपकी शेप और साइज का बढ़ना है ना कि आपका जैसे अभी आजकल मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, है ना आप में से कई लोग हैं सर्दियों में हो ही जाता है कई बार ठीक तो अगर हम देखें यहां पर तो वृद्धि क्या है जिसका मापन संभव है जिसका मापन संभव है जिसको मेजरिंग यूनिट में सेंटीमीटर में इंचज में किलोग्राम में जिसको भी आप माप सकते हैं वो वृद्धि है ठीक है डेवलपमेंट का सही सही मापन संभव नहीं है सारे पहलू नहीं मापेंगे मेरी समझ कितनी बढ़ गई कल से आज तक है ना मैं कितने अच्छे जोक्स क्रैक करने लग गई ये आप माप नहीं पाएंगे कि ढाई ग्राम समझ हिमांशु की कल से आज तक बढ़ गई है या बच्चे की बढ़ गई है ऐसे नहीं हो सकता तो आप इसको ऑब्जर्व करते हैं आप इसका आकलन करते हैं असेस करते हैं पूरी तरह से मापना डेवलपमेंट को संभव नहीं है क्योंकि वृद्धि क्या शारीरिक पहलुओं से संबंधित है फिजिकल चेंजेस से संबंधित है तो जो शारीरिक परिवर्तन है वो तो विजिबल होते हैं उनको मापा जा सकता है है ना लेकिन डेवलपमेंट कई प्रकार का होता है कई पहलुओं में होता है पीसीएस अभी हमने बात की बायोलॉजिकल यानी शारीरिक पक्ष में भी आपकी हाइट भी संज्ञान यानी दिमाग भी सोशल इमोशनल तो कई प्रकार है इसका सही सही मापन संभव नहीं है यानी ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक है या स्ट्रक्चरल आपकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आपके शारीरिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है वृद्धि है लेकिन स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल फंक्शनल क्या है आप किसी काम को पहले से बेहतर करने लग गए

मात्रात्मक जिनको मापन संभव है वो वृद्धि का पार्ट है तो वृद्धि में क्वांटिटेटिव आते हैं सिर्फ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन नहीं आते कि मेरी समझ कितनी अच्छी हो गई ये वृद्धि में नहीं आएगा विकास में आएगा लेकिन जो भी वृद्धि में आता है वो विकास में अपने आप आ जाएगा इसीलिए वेन डायग्राम है कि वृद्धि क्या है जस्ट पार्ट है एक डेवलपमेंट का तो जो भी ग्रोथ के अंदर है वो डिवेलपमेंट में तो आ ही जाएगा डिवेलपमेंट में तो आएगा ही तो डेवलपमेंट में शारीरिक पक्ष तो है ही क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है अगर पेपर में सिर्फ एक ऑप्शन हो तो डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव लगाइए अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का ऑप्शन है तो दोनों लगाइए सिंपल बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर है सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई ये जो छोटा सा मग है इतना सा हर बार मैं आपको दिखाती हूं इसको इस बड़े मग के अंदर लाइट वाले डाला जा सकता है यानी ये वृद्धि है ठीक लेकिन क्या इस मग के अंदर ये पूरा समाज आएगा इसका पानी भी इसमें से मुश्किल से बीस एम आ पाएगा अगर इससे भी तो तो ये डेवलपमेंट है जो बड़ी प्रक्रिया है तो जो कुछ भी इस छोटे मग में वो सब तो इसमें आ ही जाएगा सिंपल बात चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो वृद्धि क्या है एक हिस्सा हुआ किसका डेवलपमेंट का विकास का अब और भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो विकास से जुड़ी हुई हैं फटाफट से समझते हैं ठीक शांति से बैठिए अपना समझते जाइए चीजें अगर हम देखें ग्रोथ वृद्धि चाय पानी बिस्किट जो लेके बैठना बैठिए ग्रोथ हमने समझ लिया शारीरिक परिवर्तनों से या फिजिकल चेंजेस से संबंधित है जिनका मापन संभव है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक हमारी संरचना हमारी बनावट से संबंधित परिवर्तन वृद्धि में आते हैं मैचुरेशन की अगर हम बात करें ये सारी क्या डेवलपमेंटल है? प्रोसेस हैं विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं चाहे वो वृद्धि हो परिपक्वता हो अधिगम हो यानी ग्रोथ मैचुरेशन लर्निंग ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं विकास से जुड़ी हुई है विकास का हिस्सा है अगर मैं कहूं तो ठीक तो मैचुरेशन यानी परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी आपके जेनेटिक कोडिंग से समय के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्षमताएं जो समय के साथ प्रकट हो रही हैं समय के साथ कैसे बच्चा हुआ पंद्रह साल का मान लीजिए मेरा भाई है आजकल उसको दाढ़ी मूछ आ रही है तो हम कहेंगे भाई के कारण यानी जो कैरेक्ट अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरस्टिक्स हैं यानी जो हमारी आनुवांशिक क्षमताएं हैं आनुवांशिक यानी हमारे जेनेटिक्स में तो कोडेड था ना जैसे इस फोन में कुछ कोडेड होगा तभी हम फोन मिला पाते हैं ठीक तो हमारे अंदर वो क्षमता तो थी जब हमने जन्म लिया था हमारे डीएनए में थी चीजें ठीक है ना या हमारे जेनेटिक मेकअप में है कि अनफोल्ड होगी समय के साथ लेकिन वो समय के साथ होगी ऐसा नहीं कर सकते आप किसी बच्चे को कहें कि उसकी दाढ़ी मुझ आ जाए तीन साल की उम्र में क्योंकि आपने उसको अच्छा खाना खिलाया है इसका मतलब क्या हुआ मैचुरेशन पे परिपक्वता पे ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता आप किसी बच्चे छह महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि आपने उसे बहुत अच्छा खाना खिला दिया है ना उस टाइम पे तो खैर खाना भी क्या ही खिला पाएंगे तो हेरिडिटी से जो क्षमताएं जो एबिलिटीज हमें मिली हैं जब वो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं जब वो बाहर निकल करके आती हैं तो उसको मेच्योरिटी कहते हैं तो मेच्योरिटी किससे संबंधित हो गया हेरिडिटी से आपकी अनुवांशिकता से अनुवांशिकता क्या है अभी समझेंगे जेनेटिक्स आपके बेसिकली तो मैच्योरेशन समय के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं आपकी जो अक्कल बोलते हैं यानी जो विजडम टूथ है जो हमारे आ, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मैच्यशन या प्यूबर्टी हिट होने पर जो परिवर्तन आते हैं कि आवाज में चेंजेस हैं लड़कों के लड़कियों के है ना या बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकल करके आते हैं है ना जैसे लड़कों में दाढ़ीमोच लड़कियों में मैंस्टुरेशन और भी सत्तर तरह की चीज़ें इस तरह की हैं जो मैचुरेशन से आती हैं यानी हम तीन साल के बच्चे को दस साल के बच्चे का सिलेबस नहीं पढ़ाते स्कूल में हम टेंथ क्लास का सिलेबस एक छः साल के बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाते क्यों क्योंकि अभी वो उसके लिए मेच्योर नहीं है तो मेच्योरिटी में आप जबरदस्ती ट्रेनिंग से मेच्योर नहीं कर सकते किसी को ये समय के साथ अनफोल्ड होती है ये बात ध्यान रखनी है क्या है Learning है लर्निंग लर्निंग क्या जब हम एफर्ट और प्रैक्टिस से कोई चीज सीखते हैं जब हमने प्रयास किया लिखना प्रयास किया लिखने का सीख गए है ना एफर्ट की प्रैक्टिस की तो हम कहते हैं कई बार इसको एक बिहेवरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यानी लगभग अस्थायी परिवर्तन है व्यवहार में अधिगम वो स्थाई परिवर्तन साइकिल चलाना सीख ले स्थाई परिवर्तन है थोड़ा बहुत भूलोगे फिर से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा ठीक लेकिन लर्निंग भी हो नहीं सकती यदि मेच्योर नहीं है बच्चा आप कहां से लिखना सिखा दोगे बच्चे को यदि वो उसके हाथ उतने अभी उसकी टांगों में उतनी जान ही नहीं आई उसके हाथों में उतनी जान ही नहीं आई कि वो पेन पकड़ पाए तो मेच्योरिटी जरूरी होती है हेरिडेटरी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है डेवलपमेंट इन सबके क्या फादर मदर जो आपका मन करे कह लीजिए यानी विकास के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जैसे कि अगर हम देखें ग्रोथ अगर हम देखें मैचोरेशन अगर हम देखें लर्निंग ये सब किस में आ गए डेवलपमेंट में जो कि एक बड़ा सर्कल है इसका मतलब ये नहीं है ग्रोथ के अंदर मैचोरेशन है मैचोरेशन के अंदर लर्निंग है ये क्योंकि ये क्योंकि डायग्राम ऐसा ही पॉसिबल था उस समय पे तो मैंने बनाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ के अंदर मैचुरेशन मैचोरेशन के अंदर लर्निंग और लर्निंग के अंदर डेवलपमेंट नहीं ये सब अपनी अलग अलग, अलग प्रक्रियाएं लेकिन ये सब किसके अंदर है डेवलपमेंट के ये बात याद रखनी है तो ये सारी ही डेवलपमेंटल विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं जो विकास से संबंधित और विकास का हिस्सा है इंक्लूड करता है डेवलपमेंट अपने अंदर वृद्धि हो चाहे वो चाहे वो परिपक्वता हो चाहे वो लर्निंग हो ये सब विकास का ही हिस्सा है ठीक तो विकास के पहलू कितने है? प्रकार कितने हैं ये आपको पता ही है चार प्रकार हैं पीसीएसई लेकिन अगर नंबर में पूछ ले तो आप कहेंगे तीन प्रकार हैं ठीक है, है ना बहुत सारी चीजें बहुत मजा आएगा मतलब मैं खुद आज एक्साइटेड हूं इस सेशन के लिए क्योंकि अगले कम से कम भी मतलब पता नहीं अब मैराथन होगा इसके बाद क्या रहेगा तो ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यानी विकास के मुख्य प्रकार वैसे तो कई सारे प्रकार हैं है ना वैसे तो कई सारे प्रकार हैं लेकिन जो मुख्य प्रकार है है ना जो मुख्य प्रकार है बहुत कुछ है जिसको हमें आज सीखना है मुख्य प्रकार जो है विकास के वो हम तीन कहते हैं नंबर में और वैसे पीसीएसई पीसीएस PCS से याद रहे इसलिए मैंने आपको ये याद कराया था कई साल पहले पीसीएसई अगर हम बात करते हैं पीसीएसई की तो ये ब्रॉड यानी मुख्य डोमेन्स हैं किसके डेवलपमेंट के ठीक मेरी कोशिश रहेगी 12 बजे तक नहीं तो हद से हद बारह बजे तक 12 बजे तक फ्री कर दूं स्पीड में पढ़ा करके क्योंकि चीजें जो है डिस्कस होनी चाहिए दिमाग में जानी चाहिए समय व्यर्थ नहीं करना पीसीएसई हालांकि डेढ़ सौ पेज की जो है ये पीपीटी है आज ठीक है ना तो पीसीएसई यानी फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल ये चारों लिखे हुए हैं इसको फिजिकल को हम बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं है ना क्योंकि बायोलॉजी से हो रहे होते हैं चेंजेस जैविक परिवर्तन है तो इसको बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं जिसमें हमारा शरीर हमारी हाइट वेट ये सारी चीजें बढ़ रही हैं हैं हमारे शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, बच्चा चलना सीख जाएगा ये सब तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास ये है पहला प्रकार इससे ही जुड़ा हुआ है मोटर डेवलपमेंट जिसको अभी हम समझेंगे ठीक तो पहले शारीरिक विकास है यानी शरीर का विकास बच्चे के आप देख रहे होते हैं वो छोटा सा होता है जब उसका जन्म होता है या गर्भ में भी वो इतना सा होगा और वो एक जागॉट है जो कि एक सिंगल सेल Uh, क्या है जीव है एक तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग इन सब में नहीं पढ़ेंगे मैं काम की चीजें पढ़ाऊंगी अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करूंगी जो जरूरी है पेपर के लिए वो पढ़ेंगे है ना तो अगर हम देखें नहीं तो प्रॉपर पढ़ने में तो डेढ़ डेढ़ सौ घंटे की क्लासेस होती हैं फिर डी टू प्लस भी वगैरह की तो तो बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो यानी जो शारीरिक परिवर्तन है जो शरीर में आने वाले परिवर्तन है आपकी हाइट का वेट का शेप का साइज का दौड़ना भागना ये सब आ जाएगा तो शारीरिक डेवलपमेंट से एक चीज जुड़ी हुई है मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास यानी गति करने की जो क्षमता है बच्चे में वो डेवलप होती है दौड़ना भागना उछलना कूदना मोटर डेवलपमेंट में भी दो चीजें जो पे हमेशा क्वेश्चन आता है गर्लफ्रेंड नहीं है 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 ये ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं ठीक गत्यात्मक विकास किससे जुड़ा हुआ फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है और इसमें भी मोटर डेवलपमेंट में कौन से प्रकार है जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर यही इसकी सीक्वेंस भी यही रहता है पेपर में क्वेश्चन आता है बाकी के तीनों को अभी पढ़ेंगे पहले ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को जान लेते हैं कि आप चलना बैठना ये सारी सीक्वेंस में चीजें शुरू करते हैं है ना दौड़ना पहले आप क्रॉल करके चलते हैं तो ये शारीरिक विकास है दिमाग आपका कॉग्नेटिव में आएगा ये शरीर का विकास हो रहा है आपका चलना फिरना दौड़ना भागना आप सीख रहे हैं ठीक अब इस शारीरिक विकास में भी जो गति वाले कौशल हैं वो आते हैं मोटर डेवलपमेंट में आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है फटाफट से बताएंगे कि ये जो पिक्चर वन है ये ग्रॉस मोटर का उदाहरण है या फाइन मोटर का फटाफट से लिखो जी ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर बताइए गर्लफ्रेंड नहीं है भाई फटाफट से बताओ ये जो पिक्चर वन है पिक्चर टू है अपने मन में सोच लो लेकिन आंसर आपको सिर्फ पिक्चर वन का देना है कि जब नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने देश को बहुत गौरवान्वित महसूस कराया है, है ना तो वो गोल्ड लेके आने से पहले जब जेवलिन थ्रो कर रहे हैं अपना तो वो ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर का तो इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट हो गया लेकिन मोटर डेवलपमेंट है फिजिकल के भी। तो वो, जो गत्यात्मक विकास है, वो कौन सा प्रकार है यानी स्थूल गतिक कौशल है या सूक्ष्म गतिक कौशल है जीएम ग्रॉस मोटर सभी लिख रहे हैं कोई फाइन भी लिख रहा है आपको दंडवत प्रणाम है कि आप कैसे लिख पा रहे हैं फाइन मोटर है ऐसे काम नहीं करने हैं कि मेरे आंसू आ जाएं पिक्चर वन है ग्रॉस मोटर पिक्चर टू ग्रॉस मोटर नहीं है ये फाइन मोटर है 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 ना इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं कई लोग ये क्या फाइन मोटर है फाइन मोटर स्किल्स है, है. चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगर इन्हीं की अगर हम बात करें यहां पे जब नीरज चोपड़ा जी की कोई ड्राइंग या स्केच बनाता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी वो फाइन मोटर हो जाएगा लेकिन ये ग्रॉस मोटर है ठीक है ना तो अगर हम देखें यहाँ पे एक फादर है ये भी कोई सोशल मीडिया से मैंने कोई रील देखते हुए निकाली थी इमेज मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत यूज करती हूँ है ना और आपको आज मिलेंगे भी आज सुबह भी मैं ऐसे ब्रेकफास्ट करने गई हुई थी क्योंकि रात भर से के भूख लग जाती है सुबह तक आते आते और आज घर वालों की भी छुट्टी थी तो ये क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने सोचा क्या आज मतलब तो मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने गई थी वहां से भी मुझे एक गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ था वो एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है हमारे आसपास मौजूद है उनको हम भूलते नहीं है ये एनसीएफ भी कहता है ये एनईपी भी कहती है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है है ना तो ये फादर है या जो भी अडल्ट है इसके साथ और एक बच्चा है या बच्ची है बेसिकली और ये कुछ खेल रहे हैं ये यहाँ पे होल्स हैं इन बॉल्स को इस होल से पास कराना है एक स्टिक लेकर के ठीक है ना अब इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी मसल्स का है सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो है किस मसल का फाइन मोटर स्किल्स का मतलब फाइन मोटर स्किल्स में कौन सी मसल्स आती हैं और आंखों का और हाथ के मसल्स का आपकी उंगलियों के मसल्स का आपके हैंड और आय का कोऑर्डिनेशन चाहिए है ना सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इस्तेमाल में आ रही है वो बच्चे की आंखें और उसका हैंड आय कोऑर्डिनेशन ये हम बच्चे को क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करने को कहते हैं कि क्ले से वो छोटे छोटे बर्तन बनाते थे पहले बचपन में हम चिकनी मिट्टी का यूज करते थे है ना तो ये क्या है क्ले का यूज करने के लिए करने से या इस तरह के गेम्स अगर हम खिला रहे हैं बच्चे को या हम थोड़ी ड्रॉइंग वगैरह की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो क्या फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की अच्छी हो रही हैं क्योंकि लिखना पढ़ना ये सब जो है फाइन मोटर का ही उदाहरण है कि आपकी आंख और आपके हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो तो इसमें फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है जब आप आंख में काजल लगाते हैं आईलाइनर लगाते हैं है ना जब आपको अगर हम बात करें किस चीज की सुई में धागा परो रहे हैं कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब में फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म कौशल यानी सूक्ष्म मतलब जो फाइन मोटर स्किल्स हैं छोटी मसल्स यानी आपकी आंखें और आपके हैंड्स या फिंगर्स की जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन लिखने में ड्राइंग में पेंटिंग में ये जरूर आता है एक नंबर में क्वेश्चन अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा जी के भाला फेंकने की या जेवलिन थ्रो की तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बड़ी मसल्स का प्रयोग ज्यादा है

तो हम ये कहेंगे कि दौड़ना भागना स्विमिंग में भी क्या है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स आप ये देख लीजिए कि ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग देखने में लगेगा यार ध्यान भी लग रहा है आपका आपकी हाथों की मसल्स भी यूज हो रही हैं लेकिन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं उसमें ज्यादा मसल्स का इस्तेमाल यानी आर्म्स की लेग्स की मसल्स क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स में मुख्य रूप से आपकी आंखों की मसल और आपके हाथ की मसल यही दो का कोऑर्डिनेशन बनता है लेकिन जब हम बॉडी का पूरी बॉडी का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आर्म्स और लेग्स की मसल्स हैं तो हम कहेंगे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है जैसे ड्राइविंग हुआ भाई बिना पैरों के कैसे चलेगा है ना और आर्म्स का भी तो यूज है सिर्फ ये उंगलियों का और आंखों का थोड़ी है ठीक है ना तो स्विमिंग हुआ उछलना कूदना दौड़ना भागना रनिंग वॉकिंग जंपिंग ये सब में ग्रॉस मोटर स्किल्स तो अगर हम देखें यहां पे तो एक तरफ है जब नीरज चोपड़ा जी क्या कर रहे हैं भाला फेंक रहे हैं ठीक तो ये भाला फेंक रहे हैं आपने वीडियो देखा आपने लाइव देखा जैसे भी देखा और क्या किया आपको पता लग गया ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है स्थूल गतिक कौशल है लेकिन अगर बात करूं जब किसी ने इनकी ये लिखा हुआ है उन्होंने नाम ट्विटर पे आई थिंक ये किसी ने डाला हुआ था चिराग पटेल जी ने अगर इनकी स्केच बनाया एक है ना हमारे पास भी स्केच है बहुत सारे लर्नर्स देते हैं तो स्केच अगर कोई भी बना रहा है तो वो क्या है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है तो ये पिक्चर ए क्या है ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो गई और पिक्चर बी जो है वो हो गई फाइन मोटर स्थूल नहीं सूक्ष्म कौशल जब इन्होंने चिराग जी ने अगर वो बनाई होगी स्केच तो चिराग ने स्केच बनाई अगर तो वो स्केच कैसे बनती है आंखों के और हाथों के कोऑर्डिनेशन से तो स्केच बनाना किसमें चला गया फाइन मोटर में लेकिन जब ये एक्टिविटी हुई थी तो वो ग्रॉस मोटर में हो गई सिंपल बात है आगे बढ़ते हैं फटाफट से दूसरा प्रकार है विकास का तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ग्रॉस और फाइन में आप यूज कर सकते हैं आते हैं वापस से अपने फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर ली जिससे जुड़ा हुआ है कौन सा मोटर डेवलपमेंट मोटर में क्या है फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे जी से एफ जाते हैं यहां पे एफ से जी नहीं जाएंगे पर पहले ग्रॉस मोटर बाद में फाइन आते हैं फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं अपनी कॉगलेटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास हमारे दिमाग का विकास है ना सोचना समझना तर्क करना जो भी काम दिमाग से होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं जो दूसरा प्रकार है विकास का तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी जो बौद्धिक विकास है हमारा बुद्धि का विकास मेंटल डेवलपमेंट ये सब इसी में आ जाएगा ठीक तो मानसिक विकास बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास इसका कोई भी नाम आप दे सकते हो जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो इसी के अंदर आएंगे इतनी बात क्लियर है बहुत बढ़िया आप लोग जुड़े हुए हैं अभी तो सही समय पर हम थोड़ा सा

कर रहे होते हैं बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो थिंकिंग है रीजनिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है समस्या समाधान तर्क इमेजिनेशन मेमोरी परसेप्शन ये सारे काम दिमाग के हैं तो डेवलपमेंट में चला जाएगा लैंग्वेज किस हिस्से में होगी ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन में होगी क्योंकि लॉजिक है लेफ्ट ब्रेन में होता है राइट right हमोस्फेयर में क्रिएटिविटी होती है आएंगे सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है मॉरल तो 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 हैं लेकिन मनुष्य क्या है सोशल डेवलपमेंट में ये सीखता है कि समाज में कैसे रहते हैं सही और गलत क्या है समाज किसको सही गलत मानता है फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट हालांकि इन दोनों को एक में काउंट कर लेते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट है आप भाई मनुष्य रोबोट बन जाएगा अगर उसमें रंग ना हो और रंग कहां से भरते हैं मैंने इसको बेरंगा बनाया इसीलिए ताकि ऑपोजिट आपके दिमाग में सेट रहे रंग भरते हैं इमोशंस से है ना कभी आप बहुत खुश हैं कभी आप बहुत दुखी हैं हालांकि एक्सट्रीम्स हैं बट अगर हम माने जेबी वॉटसन की आपके 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ था फियर एंगर लव ये क्या है तीन इमोशंस हैं फॉल जेबी वॉटसन

अब हमने यहां पे देख लिया ये चारों प्रकार हैं पीसीएसई कह लीजिए आप इसको पी या बी भी कह सकते हो यानी बायोलॉजिकल या जैविक नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट तो ये ही शरीर का विकास जिसमें मोटर डेवलपमेंट अगर हम बात करें किसकी कॉग्नेटिव यानी संज्ञान की दिमाग की तो ये थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आ जाएगा बच्चे जब साथ में ग्रुप में खेल रहे हैं समाज में कैसे रहते हैं क्या कायदे कानून नियम सब होते हैं कोई आए तो घर पे नमस्ते करते हैं ये सब सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाए जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ही रहना है तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है समय के साथ हमारा इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है पहले बच्चा इमोशंस पे कंट्रोल ऐसा सच नहीं होता वो बाजार भी जाएगा वहां भी फैल जाएगा लेट लेट कर रोएगा पापा मुझे चाहिए खिलौना मम्मी मुझे चाहिए खिलौना पैसे हैं नहीं है हमें नहीं पता है ना तो ये बेसिक सी बातें ये हम कर चुके हैं ग्रॉस टू फाइन जाता है जब स्केचिंग कर रहे हैं कोई भी काम जिसमें आंख और उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा है तो फाइन मोटर स्किल जो काम दौड़ने भागने जिसमें आपकी लेग्स और आर्म्स की मसल्स का इस्तेमाल ज्यादा है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स अब आते हैं cognition में. संज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिक सी कई सारी चीजें हैं ये अलग से भी है जो लास्ट में थिंकिंग रीजनिंग से अच्छा एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किससे संबंधित है यानी संप्रतियों का निर्माण कहा होता है ये जो प्याजे का कॉन्सेप्ट है ये कहा है आपके हाथों में लेके घूमते हैं नहीं दिमाग में है तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है दिमाग से ठीक डेवलपमेंट बोले तो कॉन्सेप्ट का बनना संप्रतियों का निर्माण निर्माणत्मक विकास कॉग्निशन का हिस्सा है डेवलपमेंट का रीज़निंग यानी तर्क करना इमेजिनेशन जब आप कल्पना कर रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने है ना कि नौकरी लगेगी मैं आठ घंटे पढ़ूंगी पढ़ूंगा लाइब्रेरी जाऊंगा बहुत मेहनत करूंगा इस साल नौकरी ले लूंगा तो इमेजिनेशन है हसीन सपने ये नहीं रहेंगे वो डे ड्रीमिंग हो जाएगी अगर आप उस पर काम ना करें सिर्फ इमेजिन करते रहें तो ठीक है ना थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग से होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लास्ट में आये, आपका आएगा इसके स्टेप्स वगैरह समझेंगे समस्या समाधान है ना समस्या समाधान थिंकिंग जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग ये सब हम पढ़ेंगे लास्ट में जाकर के तो ये सारे जो भी काम दिमाग से होता हो वो सब

रीजनिंग ये सब लेफ्ट ब्रेन में या लैंग्वेज भी हमारे लेफ्ट ब्रेन में है जैसा कि नॉम चॉम्स कह रहे हैं लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस होता है तो वो भी अगर कहीं होता होगा हाइपोथेटिकल है वो तो लेफ्ट ब्रेन में होगा राइट right ब्रेन में क्या होता है हमारे क्रिएटिविटी यानी ड्राॅइंग पेंटिंग म्यूजिक डांस ये सब क्या है हमारे क्रिएटिव आस्पेक्ट्स हैं तो राइट right ब्रेन हमारा अगर ज्यादा एक्टिव है तो हम क्रिएटिव ज्यादा हैं अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो हम क्या है लॉजिकल ज्यादा हैं और दोनों का बैलेंस है तो ठीक ही है अच्छा एक क्वेश्चन आता था, था बहुत पुराने समय में कि एक बच्चा है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है राइट की जगह तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका ब्रेन का राइट साइड यूज हो रहा है और अगर आप राइट uh, हैंड right से लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड यानी लॉजिकल पार्ट आपका यूज हो रहा है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है मतलब लिख सकता है बच्चा ये इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप सभी का फेवरेट टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत सारी बातें जो मुझे फटाफट से बता के निकलनी है समय कम काम ज्यादा सिंपल बात नो बकवास ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक मानक और मानदंड आकलन बताओ बताऊंगी सब ले करके आई हो पेशेंस रखो समझो एक बार है ना क्राइटेरियन सीआरटी और एनआरटी की बात करो नॉम रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस सब बताया जाएगा पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट ठीक है ना देखो एक बार स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण तो आपको सिंपल चार चरण याद रखने हैं कितने चार चरण याद रखने हैं रॉस तो आई थिंक तीन में निपटा देते हैं तो चार चरण आपको याद रखने हैं वो चार चरण कौन से हैं जन्म से दो वर्ष शैशवावस्था ठीक इनफेंसी जिसको हम कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था दो से छ वर्ष जिसको हम टॉय एज भी कह देते हैं प्ले एज भी कह देते हैं और भी बहुत सिम्बॉलिक स्टेज है सिम, सिम्योटिक फंक्शंस जिसमें आते हैं इस बार क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है ना इसमें बहुत सारी बातें विशेषताएं अभी बताऊंगी लेटर चाइल्डहुड छह से बारह वर्ष जिसको सूडो मेच्योरिटी कह रहे हैं गैंग एज कह रहे हैं है ना ये एक बेसिक सी बात हो गई यही स्कूल एज भी है जब पहली क्लास में एडमिशन होता है छह साल में बच्चे का अडोलसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बारह से अट्ठारह तूफान वाली अवस्था है या डब्ल्यू एच ओ की माने तो दस से उन्नीस वर्ष ठीक तो ये चार स्टेजेस हैं इन्फेंसी की अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पे जन्म से दो वर्ष देखिए यूपी टेट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगाना है जन्म से पांच वर्ष लेकिन अभी हम इन जनरल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में से दो वर्ष आपको लेकर के चलना है क्योंकि बहुत सारे जब मैं पैडोलॉजी स्पेशल बैच में पढ़ाती हूँ कैरियर ऐप पे तो हम डिस्कस करते हैं पता नहीं कितने लोगों के अकॉर्डिंग मैं स्टेजेस बताती हूं किसी ने तेरह दिए किसी ने आठ दिए किसी ने पांच दिए किसी ने तीन दिए हैं तो रॉस ने तीन में निपा दिया जिसमें अगर हम देखें तो इन्फेंसी चाइल्डहुड और अडोलसेंस अगर आपने इसको समझ लिया आपका काम हो गया क्योंकि एडोलेसेंस के बाद बच्चा स्कूल में नहीं रहता स्कूल से पढ़ना है जो टीचर्स को जरूरी है तो उनको सिर्फ एडोलेसेंस तक काम उनका चल जाता है स्कूल से क्योंकि बच्चा उस उम्र के बाद निकल जाएगा देखिए चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की जो पूरी स्टेज है वो कितने साल की है दो से बारह वर्ष इसमें अर्ली यानी पूर्व बाल्यावस्था चाइल्डहुड को दो भागों में विभाजित कर दिया और लेटर यानी छह से बारह इन दोनों से सबसे ज्यादा आते हैं से है ही फटाफट से एक एक स्टेज को करते हुए चलते हैं नहीं तो रात पूरी भी निकल जाएगी तब भी डिस्कस ही करते रह जाएंगे क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं चलिए आते हैं फटाफट से इन्फेंसी की बात करते हैं जन्म से दो वर्ष की अवस्था है देखते हैं अब ये जन्म से दो वर्ष की अवस्था जन्म हुआ है बच्चे का भाषा भी यहीं से सीखना शुरू करेगा सामाजिक रूप में कैसे रहते हैं वो भी यहीं से सीखना शुरू करेगा हर चीज़ वो यहीं से सीखना शुरू करता है क्योंकि हर चीज़ का मतलब जो गर्भ में सीख लिया सीख लिया वो हमें पढ़ना आवश्यक नहीं है वो बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है और अभी हमारे पास समय भी लिमिटेड है आवश्यकता उसकी नहीं है बहुत रेयरेस्ट कहीं एंटिटी वगैरह के एग्जाम में आता है कभी आता है तो इन्फेंसी शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चे का भाषा विकास क्राइंग से ही शुरू हो जाता है जब वो दुनिया में आता है रोना शुरू करता है वो पहली स्टेज मानी जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की कि भाषा विकास की शुरुआत उसकी हो गई जो भी आस पास से सुनेगा फिर अभी मैं स्टेजेस भी कराऊंगी कैसे होता है छह हफ्ते में क्या है छह महीने में क्या है छह हफ्ते में वो कुइंग शुरू करेगा फिर कूंगा महीने में बैबलिंग शुरू करेगा वो सब पे आएंगे तो भाषा विकास की शुरुआत हो गई स्टार्ट टू वॉक एंड टॉक पहला शब्द जो बोलता है वो एक साल के आसपास आकर के दो साल की उम्र में दो शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बोलना शुरू कर है यानी बात करना और चलना भी इसी उम्र में सीखता है ठीक है जी फास्टेस्ट ग्रोथ है ये जन्म के बाद यानी जन्म से पहले गर्भ का अगर हम बात करें तो वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तब तो वो एक सेल से एक बड़ा पूरा जिसमें हार्ट भी डेवलप हो गया सारे अंग हो गए लेकिन जन्म के बाद बाद अगर हम देखें तो बहुत बहुत तेजी से ग्रोथ पे होती है ठीक या फिर इसके बाद बहुत तेज होगी कब में है ना वो कई बार इसको भी एक्सीड कर जाती है तो सर्वाधिक तीव्र जन्म के बाद ठीक फास्टेस्ट ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है यहाँ पे शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है ये बेसिक सी बातें अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेगा बच्चा चलना फिरना बात करना ये सब सीखेगा और कुछ काम का ज्यादा है नहीं अब दो से छ में आते हैं दो से छ वर्ष अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कह रहे हैं अब पूर्व बाल्यावस्था में क्या है यानी बाल्यावस्था का पहला पार्ट इसमें यही वो वो स्टेज है जहां पे वो प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट हैंड और हैंड राइट हैंड यानी कुछ बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं तो हम आपको याद होगा मेरे को बचपन में कड़ा बना दिया गया था कुछ बच्चों को कलावा बांध सकते हैं किसी और को कुछ और कर सकते हैं ताकि याद रहे आपको कि आपको राइट हैंड से लिखना है है ना तो प्रेफरेंस कुछ लोग होते हैं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रेफरेंस उनका प्रेफर्ड हैंड लेफ्ट हो सकता है तो वो राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ जो प्रेफरेंस है वो चॉइस जो है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है दो से छह वर्ष में तो ये एक बेसिक सी बात है इस बार क्वेश्चन आया था वो मजाक यानी जोक्स को कब समझने लगेगा तो छह से सात वर्ष इस के अंत तक टॉय एज इसको कहते हैं तीन से छह वर्ष जनरली अगर आप देखिए देखिए टॉय एज पे भी कलेश रहता है उसका रीजन है क्योंकि कुछ लोग इन्फेंसी को पांच वर्ष तक मानते हैं अगर हम पांच वर्ष तक इन्फेंसी मानेंगे तो फिर टॉय एज वो हो जाएगा लेकिन आपको नॉर्मली अगर आप देखेंगे ऑफ़ द एग्जाम्स में एज सिंपल क्योंकि इसी को अर्ली चाइल्डहुड हुड हम दो छह वर्ष को ही लेकर चलते हैं ये स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं जो सब जगह लागू, लागू होती है अंटरलेस किसी का नाम ना लिखा हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है टॉय एज इसी को कह रहे हैं खिलौना अवस्था बहुत सारे खिलौनों को तोड़ने में फोड़ने में लगा रहेगा बच्चा अपना खिलौनों से खेलता है ना डॉक्टर डॉक्टर फलाना ढमकाना वो सब यही खेलने की उम्र है ठीक है ना किचन सेट डॉक्टर डॉक्टर ये सब यही आता है प्री स्कूल एज प्री स्कूल एज की अगर हम बात करें तो ये विद्यालय पूर्व आयु है यानी प्ले वे में आप उसको भेज देंगे ना कि आप उसको पहली कक्षा में थोड़ी बिठाते हैं भाई दो से छह वर्ष के बच्चे को आप प्ले वे में आसपास का कोई जो प्ले वे होता है वहां भेज देंगे थोड़ा खेलकूद के उसकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है यहाँ पे इसलिए क्ले मिट्टी का इस्तेमाल कराएंगे ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे उसकी हाथ और आंखों की मसल पेन पकड़ना क्योंकि यहीं पर सीख रहा है ठीक है ना क्लियर बात है वो हो जाएगा ठीक सरस्वती अगर हम बात करें क्वेश्चनिंग एज की बच्चा इतने सवाल पूछता है पहले तो वो कार्टून वगैरह देखना शुरू करता है थोड़ा पेरेंट्स के अलावा बाकी लोग भी आसपास हैं कभी टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप्स की एज है ये के गए कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर मजबूरी में जाना पड़ गया किसी काम से गए बच्चों को दिखाने या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मंदिर में गए अगर होटल में गए खाना खाने किसी दिन या कुछ और करने ट्रेवल पे गए तो कोई बच्चों को दोस्त मिला बस में मिल गया मान लीजिए ऑटो में मिल गया रोड पे मिल गया वो अपने माँ बाप के साथ है कोई दोस्त मिला मतलब कोई बच्चा मिला उससे बड़ा खुश होकर बात करेगा और दो मिनट बाद भूल भी जाएगा जब वो चला जाएगा तो ये टेम्परे अस्थाई फ्रेंडशिप्स यहां पे होती हैं और क्वेश्चनिंग एज अगर वो या कार्टून देख रहा है मान भी देखेगा, तो वही तो चीजें रिपीट करेगा क्योंकि भाषा का विकास सर्वाधिक तेज होता है, से में। बहुत तेजी से होता है। तो क्वेश्चनिंग स्टेज है बहुत प्रश्न पूछता है अंतहीन प्रश्न पूछेगा इंट्यूटिव एज है सहज अवस्था कहेंगे इसको कि लॉजिक की तो कमी है जो इंट्यूशन उसके अंदर से आ रही है जो सहज उसको सहजता से पता है वो अपनी बात को कहता जाएगा कहता जाएगा कुछ भी चीजें जोड़ता रहता है कि अच्छा चंदा मामा होते हैं अच्छा मम्मी मैं कहां से आया था बेटा तुम्हें यहां से लाए थे अच्छा फिर मम्मी कैसे लाए थे है ना ये सारे एग्जाम्पस होते हैं ना कि तुमको तो हमने घर वाले देते हैं एग्जाम्पल हमें काम वाली से लिया था भाई तुमको तो है ना ये हमने तो कूड़े वाली दीदी से लिया था तुमको तो ये सब क्या है इंट्यूटिव एज है तो बहुत सारे इंट्यूटिव क्वेश्चन वो पूछता है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और वो जरूरी नहीं है कि उनका जवाब वो लॉजिकल दे लॉजिक अभी नहीं आया तर्क नहीं आया अभी ये प्याजे में पढ़ेंगे सेल्फ सेंट्रिक होता है बच्चा यानी स्व केंद्रित उसको लगता है जैसा मैं महसूस करता हूं वही सब महसूस करते हैं जो मेरी फेवरेट चॉकलेट वो सबकी फेवरेट है है ना ये खैर एग्जांपल मैं एडोलेसेंस में बताऊंगी वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा ये वो वाली स्टेज है हालांकि वो पू जो है एडोलेसेंस की बात हो गई कि मतलब सारा सेंटर दुनिया का वो खुद को मानेगा ठीक है ना दूसरे के परस्पेक्टिव को नहीं समझ पाएगा सिंबॉलिक एज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था यानी प्रतीकों के माध्यम से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल क्या है प्रतीक है लैंग्वेज क्या है प्रतीक है अगर हम बात करें यहां पर वो शकलक बुमु वाली जो पेंसिल आती थी प्रतीक है सिंबॉलिक है ठीक है ना तो सिंबॉलिक स्टेज है सिंबल्स के माध्यम से सीखना वो शुरू करेगा मम्मी आंखें दिखा रही है ये भी सिंबल है कि चुप हो जाना है है ना तो सिंबल्स को समझना वो शुरू करेगा इस स्टेज में पहली बार तो अगर हम बात करें सिंबॉलिक स्टेज की इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं यही कहीं लिख देती हूँ नहीं तो अलग से लिख देती हूँ सिंबॉलिक स्टेज की जब हम बात करें तो सीमियॉटिक फंक्शन की स्टेज भी पूछे अगर क्योंकि ये शब्द बदल के पूछेगा बस सीमियोटिक स्टेज <coughs> यानी सिंबॉलिक सिंबल्स के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से या सिंबॉलिक स्टेज जब वो पहली बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीख रहा है तो ये सिंबॉलिक सिमियोटिक फंक्शन की एज यही है दो से छह वर्ष अर्ली चाइल्डहुड सिंपल बात क्लियर है

आ, मतलब पूजा कर रहे हैं देखना ये आवाज बहुत ज़्यादा आ रही बाहर से ये पता नहीं किसकी शादी आज ही होनी थी हमें पता ही नहीं है कहां से विकास के लिए है। विकास के लिए है। सबसे तेजी से जो है भाषा अच्छा लोहड़ी है ओके okay, मैं भूल गई थी यार तो भाषा विका, विकास भाषा विकास भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल है ये बहुत तेजी से भाषा विकास होता है भाषा विकास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और क्रिटिकल पीरियड क्या होता है एक क्वेश्चन आया हुआ था ना कि बचपन के जो आ, कुछ भी अगर बच्चे के साथ घट गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता हाँ भाई हैप्पी लोड़ी आप सभी को भी है ना तो अगर हम बात करें किस चीज की बजा लो यार ढोली बजा लो आप लोग को आवाज आ रही है नहीं ये बताओ मेरे को मतलब पढ़ पाओगे या नहीं ये बता दो इतनी ये कोई कह रहा शादी में बिन बुलाए मेहमान है हम अच्छा कोई नहीं ये बताओ फटाफट से आ, ओके 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 नहीं आ रही ना आवाज आवाज नहीं आ रही है बस फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे को आती रहेगी चलेगा आपको नहीं आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी आ रही है चलो कोई नहीं यार मैनेज कर लो है ना अब मुझे पहले से दिमाग में होता ना ये तो मैं ये सोच के रखती ठीक अगर हम बात करते अगर हम बात करते हैं किस चीज की थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे तो अगर हम बात करते हैं किसकी अर्ली चाइल्डहुड की तो ये क्रिटिकल पीरियड है क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील फास्टेस्ट भी सबसे तेजी से भाषा का जो विकास होता है इसी स्टेज में बच्चा बहुत सारे शब्द नए सीखता है फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड है यानी अपने आसपास जो भी वो शब्द देखेगा सुनेगा सबको रिपीट करेगा चाहे वो गाली ही क्यों ना हो उसको नहीं पता क्या शब्द है वो सीख रहा है बहुत तेजी से है ना तो संवेदनशील काल है क्रिटिकल पीरियड है फास्टेस्ट डेवलपमेंट कई बात अगर हम करें तो लैंग्वेज सबसे तेजी से वो सीखता है इवन उसका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होता है सामाजिक विकास भी अगर मैं कहूं ठीक है ना सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है ठीक वो ट्रांसलेक्टिव स्टेज पे बाद में आएंगे तो क्रिटिकल पीरियड की अगर हम बात करें या फास्टेस्ट पीरियड की बात करें सेंसिटिव पीरियड की बात करें अच्छा ये क्रिटिकल इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई बात मतलब कोई भी घटना बच्चे के साथ अगर बचपन में घटी है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम अगर उसको ठीक से खाना नहीं मिला और माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो गया बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया कोई और ट्रोमेटाइजिंग घटना हो गई पिताजी या माताजी की डेथ या कुछ भी ऐसा हो गया वो जीवन भर उसके जीवन पे जो प्रभाव डालता है तो क्रिटिकल पीरियड वो है जहां पे चीजें बिगड़ भी सकती हैं और बन भी सकती हैं यानी महत्वपूर्ण पीरियड है सेंसिटिव है वो पीरियड ठीक है ना तो इतनी बात यहां पे जरूरी है बाकी इससे ज्यादा की आवश्यकता हमको नहीं है अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे फिर इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद हम लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें इस बार जो क्वेश्चन आया था ना स्पीड वाला कि किस स्टेज में कौन सी स्पीड कम ज्यादा इसको जरूर करेंगे नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी अगर हम देखें लेटर चाइल्डहुड की यानी उत्तर बाल्यावस्था यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं छे से बारह वर्ष की ये अवस्था है अगर हम देखें छे से बारह वर्ष की अवस्था की अगर हम देखें छ से बारह वर्ष की अवस्था की आवाज तो आ रही है दूसरा माइक है अपने पास अगर वो लगा देंगे तो मुझे लगता है आवाज फिर नहीं आ पाएगी बट वो मेरे सर में दर्द कर देता है देखना एक बार ब्लर हो गई पीपीटी ऐसे कैसे ब्लर हो जाएगी है, पूरा माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने पहले से पता होता तो ये कर लेते यार हम कोई कह रहा है मैम मैं आई एम नॉट वेरिफिकेशन फोटो नहीं दिखा रहा अच्छा तो उसके लिए बहुत बढ़िया आवाज साफ नहीं है आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही यार एक काम करो एक मिनट रुको ठीक है आप पढ़ो एक मिनट रुको दूसरा माइक लगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ऑल गुड बहुत बढ़िया भाई देखिएगा अगर हम बात करते हैं मैं सोच रही हूँ ये लोग बंद ही कर देंगे थोड़ी देर में कितना ही डांस करेंगे काफी हो गया अब तो है ये आइडिया ही नहीं था मेरे को और ये पूरे घर में कहीं आवाज नहीं होगी इस साइड आवाज है क्योंकि पीछे जो लोग रहते हैं वो देखिए ये डाइवर्सिटी की बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखो ये वाला माइक यूज करते हैं आवाज आ रही है आवाज आ रही है नो इशू अगर इशू नहीं है तो चला लो यार काम फिर अगर इशू नहीं है तो चला लो क्योंकि ये वाला माइक से आवाज तो नहीं आएगी बाहर की बट मेरे सर में जो है दर्द जरूर कर देगा ये है ना देखो एक बार देखो क्लास तो आज होके रहेगी इतना तो तय है चाहे ढोल बजे सतार आए कुछ भी हो क्लास तो आज होके रहेगी ठीक है देखेगा एक बार अगर हम बात करें यहाँ पे नो प्रॉब्लम वॉइस ओके है चलो तो यार फिर मैनेज कर लो है ना अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी देर में जो है काम बन जाएगा नो इशू चलिए ठीक है अगर हम <laughs> सॉरी अगर हम बात करें ट्रबल सम एज कहते हैं उपद्रवी उपद्रवी अवस्था है लड़ाई झगड़े गंदगी मतलब वो खेलने कूदने में पूरा माहिर बच्चा है ट्रबल सम एज इसको हम कह रहे हैं हालांकि इससे पहले भी वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है अपने खिलौन में और इन सब चीजों में एलिमेंट्री स्कूल एज है यानी स्कूल पहली बार पहली कक्षा में छह साल के बच्चे को ही भेजते हैं गैंग एज टोली अवस्था वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है फैमिली से भी मतलब ज्यादा समय बिताएगा अपने ग्रुप में स्कूल में जाकर के और इस टाइम पे जो है जो ग्रुप्स होते हैं वो देखा जाता है कि होमोजीनियस ग्रुप होते हैं यानी सेम सेक्स वाले अगर लड़कों का ग्रुप है तो लड़कों का लड़कियों का है तो लड़कियों का इससे पहले वाली स्टेज में उसको फर्क नहीं पड़ता मिक्स होती है चीजें पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं ना पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक के भी वो आपके साथ जो है जीवन भर कई बार चलते हैं तो ये दोस्ती जो है इससे पहले टेंपररी थी यहां पे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनती हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल यानी रचनात्मक क्षमता की खोज यानी रचनात्मक क्षमता की खोज यानी वो पेंटिंग ड्राइंग इस उम्र में सीखना शुरू करता है बच्चा हम ये कह सकते हैं फिर आते हैं सूडो मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रॉस ने कहा है इसको सूडो मेचोरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता यानी बच्चों को लग रहा है वो बड़ा हो गया है है ना कि अरे पापा अरे मम्मी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ बड़ा हो गया हूँ अब क्या है अब मैं अंधेरे से मेरे को डर नहीं लगता मैं अभी जाती हूँ लेकर के आती हूँ आपका फोन अंधेरे में रखा हुआ है तो अब वो जाएगी अंदर या जाएगा बच्चा अंदर और अंधेरे में डर भी लग रहा है और वो अपने आपको दिखा भी नहीं रहा क्योंकि उसको ये दिखाना है कि वो मिच्योर हो गया है तो फेक मेच्योरिटी है सच में अभी परिपक्वता आई नहीं है लेकिन उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया है तो ये मिथ्या परिपक्वता है सूडो मेच्योरिटी का काल है तो ये बेसिक बेसिक सी बातें इतनी ही जरूरी है आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें अच्छा अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड और इन तीनों ही अवस्थाओं में अब मैं बात करूं शारीरिक वृद्धि की तो वो जानना यहां पे बहुत जरूरी हो जाएगा वो जानना यहाँ पे वॉट इज मिडल चाइल्डहुड मिडल चाइल्डहुड इसी के इसी से दो साल निकाल करके मिडल चाइल्डहुड ये लोग बना देते हैं यानी पांच से ग्यारह साल पांच से दस साल पांच से आठ साल ऐसे बना देंगे मिडल चाइल्डहुड ठीक है ना क्लियर बात नहीं है आई I मीन mean, क्लियर है ना बात कोई दिक्कत नहीं है एक बार मैं आवाज सुनू अपनी अगर आप लोग कहें तो क्योंकि अगर ये आवाज बाद में भी दिक्कत देती रहेगी तो दिक्कत आएगी ही है ना मैं एक बार माइक चेंज कर लेती हूँ एक मिनट का काम है आवाज आ रही है आपकी साफ आवाज आ रही है आपकी अच्छा चलो यार एक मिनट दो मेरे को एक मिनट दो बस है ना अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया देखो एक बार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की आ, ग्रोथ की यानी फिजिकल डेवलपमेंट की या फिजिकल ग्रोथ की सबसे तेजी से हाइट वगैरह किस स्टेज में बढ़ रही होगी तो फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इन्फेंसी की जन्म से दो वर्ष है इन्फेंसी भाई इन्फेंसी क्या है जन्म से दो वर्ष फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड है ना अर्ली चाइल्डहुड फिर आएगा लेटर चाइल्डहुड फिर आएगा अडोलसेंस यही चार अवस्थाएं जो हमारे काम की है अब किसमें कितनी हाइट वगैरह कितनी तेजी से बढ़ेगी उस पर बात करते हैं इन्फेंसी में फास्ट होती है इन्फेंसी से थोड़ी कम हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड में यानी इससे कम हुई है लेकिन फास्ट अभी भी है हल किसी स्लो हुई है लेकिन स्टिल फास्ट है स्लो फास्ट दोनों इसलिए लिख दिया क्योंकि जन्म से दो वर्ष में जितनी थी उससे हल्की कम है लेकिन है अभी भी तेज अर्ली चाइल्डहुड में दो से छह में लेटर में थोड़ी सी स्लो या स्टडी हो जाती है अगर मैं कहूं इससे और कम हो जाएगी चलो भाई ढोल का काम हो गया थैंक गॉड धन्यवाद नहीं तो मेरे सर में जो है ढोली बजने लग गया था इतनी मेहनत मेरी कई दिनों की बैंड बज जाती ठीक है ना चलिए खैर आते हैं अगर हम देखें स्टडी यानी स्थिर हो जाती है कुछ हद तक यानी बच्चे में मोटर डेवलपमेंट तो होता है अब उसका उछलना कूदना साइकिल चलाना गेम्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ये सब चीजें उसकी यहाँ पे रहती है नहीं बंद हुआ भाई है ना तो अगर हम बात करें स्थिर होती है यहाँ पे जो हाइट वगैरह है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी लेकिन बच्चे की जो अः मोटर स्किल्स हैं उसकी हड्डियों में वजन ये सब चीजें बेहतर हो जाती हैं ठीक है ना फिर आते हैं यहाँ पे एडोलेसेंस में 12 से 18 में अब यहां पे भी अगेन ग्रोथ स्पर्ट होता है यहां पे तो प्रॉपर यानी बहुत तेजी से जो है हाइट वगैरह बच्चे की बढ़ती है 12 से 18 में आपको अचानक से दिखेगा अरे दो साल में बच्चा था अभी अचानक से इतना बड़ा हो गया है ना तो यहां पे भी बहुत तेज होती है जो ग्रोथ है तो हम ये कहेंगे इन्फेंसी में फास्ट है फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ी कम है लेकिन हां इससे स्लो हो गई लेकिन है तेजी तो अब इसके कंपेरिजन में देखेंगे तो हम कहेंगे स्लो है लेकिन अगर हम वैसे देखें तो फास्ट ही अर्ली चाइल्डहुड में अभी भी ठीक है ना तो इन्फेंसी में तेज इन्फेंसी में फास्ट अर्ली चाइल्डहुड में इससे थोड़ी कम और अगर लेटर की बात करें तो बहुत कम हो जाती है यानी बहुत ज्यादा हाइट वगैरह नहीं बढ़ती और कम अडल्टेंस में अगेन फिर बहुत तेजी से बढ़ेगी हाइट वगैरह तो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाइएगा इन अर्ली चाइल्डहुड यानी दो से छह वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश थिंकिंग हमें पता है सेल्फ सेंट्रिक होती है अभी हमने पढ़ा था बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होती है कोई आवाज नहीं है मैम चलिए बहुत बढ़िया बात है बच्चे की thinking क्या होती है? Self -centric होती है है like है करना भूल जा रहे हैं आप आप लोग फटाफट से कर दीजिए आ जाइए होगी को आप ego -centric भी कह सकते हो जो ने कहा है। अगर मैं देखूं तो ये तो हट जाएगा तो हमको सेकंड में चाहिए थिंकिंग थिंकिंग सेकंड नंबर पे आपका इगोसेंट्रिक होनी चाहिए जो इन दोनों ऑप्शन में है ठीक तो इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेलोज एंड थिंकिंग इज सम वॉट इगो सेंट्रिक वाइल इन मिडिल चाइल्ड हुड अब इस मिडिल चाइल्ड हुड को आपके चलिए लेटर चाइल्ड हुड की ही बात कर रहे हैं जब मिडिल चाइल्ड हुड लिखाओ आपका काम चल जाएगा अगर आप इसको लेटर मान लेंगे छह से बारह ही मान के चलेंगे भाई ग्रोथ कैसी होती है अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ी सी स्पीड में ही होती है लेकिन इन्फेंसी से कम है अब इन्होंने फास्ट तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया तो हम स्टडी के साथ जाएंगे स्लो से तो बेटर स्टडी यानी थोड़ी सी कम हुई है धीमी हुई है स्थिर हुई है समबॉट ईगोसेंट्रिक है थिंकिंग बट ग्रोथ स्लोस डाउन एंड थिंकिंग इज लॉजिकल नहीं यार ये नहीं होगा लॉजिकल थिंकिंग कहां से हो गई प्रारंभिक बाल्यावस्था में इज अ स्टडी लॉजिकल स्लोस डाउन ईगोसेंट्रिक फिर से करते हैं यार इन्होंने पूरा दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया अब ढोल जो है बंद हो गया है है ना पूरा डिस्ट्रक्शन अच्छे खासे फ्लो में हम चल रहे थे फिर से शुरू करते हैं ए और बी आप लोग ग्रोथ डैश एंड अर्ली चाइल्डहुड में आ तो 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 अच्छा, गया था ना फिर तो ठीक तो था ये थोड़ी सी यहाँ पे स्लो डाउन होगी मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है स्टडी और थिंकिंग क्या है आपकी लॉजिकल हाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है लॉजिक आ जाता है तो ये लॉजिकल है क्लियर है चिंतन क्या है लॉजिकल है क्लियर बात है अब अर्ली चाइल्डहुड में स्टडी यानी स्थिर कहा है इन्होंने ग्रोथ को यानी थोड़ी कम हो जाती है और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या है स्लो डाउन हो जाती है तो हम कह सकते हैं हालांकि ये कंपैरिजन में बात हो रही है अदरवाइज देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट ही है मिडिल चाइल्डहुड में जाके थोड़ी स्टडी होती है लेकिन ये कंपैरिजन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना फास्ट चूज करने का तो हम यहां पे स्टडी के साथ ही जाएंगे कि हाँ थोड़ी स्थिर हुई है इन्फेंसी से थोड़ी कम हुई अर्ली चाइल्डहुड में इसलिए स्टडी कह दिया और अर्ली चाइल्डहुड से भी और कम हो जाती है इसलिए हम स्लो कह रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड में पांच से आठ वर्ष ठीक है ना तो इसको इस तरह से लेकर के चलना है इतनी बात क्लियर है या नहीं तो हमें पता है कि फास्ट होती है इन्फेंसी में उससे थोड़ी कम जिसको इन्होंने स्टडी कह दिया है अर्ली चाइल्डहुड में उससे बहुत कम या स्लो डाउन हो जाती है लेटर चाइल्डहुड में अडोल्टेंस में फिर से बढ़ेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं सीधा अडोल्टसेंस पे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आते हैं और एक क्वेश्चन तो हर बार आना तय ही है है ना तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अब अडोल्टसेंस क्या है बारह से अट्ठारह वर्ष फटाफट से समझते हैं बारह से वर्ष किशोरावस्था टीन एज जिसको हम कह रहे हैं प्यूबर्टी की एज कह रहे हैं और लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आती है लड़कों के मुकाबले यानी गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज लड़कियां जो हैं वो ज्यादा जल्दी परिपक्व होती हैं इवन जन्म के समय भी वो कुछ हफ्ते के अंतर के साथ पैदा होते हैं कि यानी लड़की ज्यादा मेच्योर होगी जो गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादा मच्योर होगा बॉय चाइल्ड के मुकाबले जन्म के समय भी तो लड़कियों में मेच्योरिटी पहले आएगी यानी गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज ये एक नंबर का क्वेश्चन है केवीएस से लेके कहीं भी पूछ लेता है 12 से 18 अट्ठारह और डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हु ने भी कहा है याद आ गई ना मूवी अभी मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले रॉकी और रानी ठीक तो दस से उन्नीस वर्ष हु के अकॉर्डिंग आई मीन डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग ठीक है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दस से उन्नीस वर्ष इसमें भी अर्ली एडोलेसेंस फलाना ये सब आपको अभी नहीं जानना मैराथन में ये क्रैश कोर्स के जैसा स्पीड में चलना है चाइल्डहुड आपको पता है दो से बारह वर्ष जिसमें अर्ली चाइल्डहुड दो से छे और लेटर चाइल्डहुड छे से बारह था ठीक है ना अब ये ब्रिज है पुल है ट्रांजिशन है किस एक बच्चे से एक अडल्ट के बीच का ट्रांजिशन है एक ब्रिज पीरियड है ये पुल है यानी आप पुल का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक एक सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए तो यहां पे ब्रिज है चाइल्डहुड से अडल्टुड की तरफ जाने के लिए बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर जाने के लिए आप एडोलेसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप किशोरावस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं ट्रांजिशनल कैसा ट्रांजिशन एक बच्चे से जब वो इससे पहली स्टेज में था तो बच्चा था चाइल्ड था बारह साल तक अब बारह से अठारह के बीच से जब के बाद वो क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा जाएगा वोट दे पाएगा तो बीच का जो पुल है ब्रिज है ट्रांजिशनल है ट्रांजिशनल पीरियड वो है आपका चलिए खैर आगे बढ़ते हैं समझते हैं कहानी क्या है अडोलसेंस यानी किशोरावस्था फटाफट से समझते हैं एक करके चीजें हाँ एबीसीडी अभी नहीं देना है आ जाओ फटाफट से ये समझते हैं एक घूट पानी पींगी फिर आगे बढ़ेंगे यार कई दिनों से नींद भी ठीक से पूरी हुई नहीं है देखना समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें यहां पे, अगर हम देखें अडोलसेंस यानी किशोरावस्था किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष का काल है कितना 12 से 18 वर्ष का काल है अगर हम देखें 12 से 18 वर्ष मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण इसको आप कह सकते हैं एक तरह से या बहुत ही महत्वपूर्ण ना के आप ये कह सकते हैं मुश्किल भी है ना? है ना क्रिटिकल है सेंसिटिव है अगर मैं संवेदनशील भी है तो क्रिटिकल स्टेज है क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हार्मोनल पता नहीं दुनिया भर के परिवर्तन हो रहे होते हैं इस स्टेज में प्यूबर्टी हिट कर रही होती है बच्चे में इतने सारे बदलाव हो रहे होते हैं तो क्रिटिकल है ये पीसीएसई चेंजेस यानी फिजिकल फिजिकलिव सोशल इमोशनल विकास के सभी डायमेंशन में पहलुओं में परिवर्तन हो रहे होते हैं यहाँ पे ठीक स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम ये जी स्टैनली हॉल ने कहा है उन्होंने एक बुक भी लिखी थी एडोलेसेंस नाम की है ना तनाव एवं तूफान का काल स्टैनली हॉल कहते हैं यानी बच्चे में क्योंकि उसके शारीरिक मानसिक और बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं हार्मोनल चेंजेस हैं इतने तेजी से हो रहे हैं आप देख रहे हैं बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है उसमें इतनी एनर्जी है है ना और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो गाड़ी मुश्न आ रही है लड़कों की लड़कियों को मेन्स्ट्रेशन की बात है आवाज में चेंजेस दुनिया भर के जो है आपकी चीजें हो रही होती हैं इस स्टेज में ठीक तो स्टेज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बच्चा बहुत चिड़चिड़ा कई बार आपको मिलेगा तो तनाव एवं तूफान क्योंकि इतने सारे परिवर्तन तनाव और तूफान का जैसा काम करते हैं ठीक है ना बार बार एक दो नंबर से रुक जाता है क्या करें कुछ समझ नहीं आता है नहीं लक वक्त का कोई चक्कर नहीं है देखिए सी टेट में लक से नहीं होता कुछ यहां पे सीधा सिंपल मतलब सी टेट की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि ना तो कोई मेरिट है आपने सिलेबस ठीक से पढ़ाया कि नहीं प्रीवियस ईयर में अगर आप पास होने लग गए तो आप पेपर में पास हो जाएंगे सिंपल बात ठीक है ना तो प्रीवियस ईयर में पास होने लग जाएंगे पेपर में भी होने लग जाएंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ट्रांजिशनल स्टेज संक्रमण काल यानी ये संक्रमण काल है किससे चाइल्ड से अडल्ट बनेगा बच्चा ब्रिज पीरियड है ये हम कर चुके हैं आइडेंटिटी क्राइसिस जो एरिक Eric एरिक्सन ने कहा है पहचान का संकट मैं हूं कौन मैं बड़ा हूं कि बच्चा हूं यहीं पे उसको डिसीजंस लेने होते हैं कि टेंथ के बाद क्या चूज करे तो वो अपने आप में मुश्किल हो जाती है चीज है ना तो identity crisis, अगर उसको नहीं समझ आया कि मैं कौन हूं मैं क्या करूंगा जीवन में मैं किस तरफ जाओंगा? तो वो identity confusion में चला जाएगा तो आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान का संकट एरिक्सन नाम के व्यक्ति है एरिक एरिक्सन उनका नाम ही उन्होंने ऐसे रखा था खुद से ही एरिक उनका नाम था एरिक फ्रॉन होम बर्गर करके और उन्होंने एरिक एरिक्सन रख लिया कि मतलब एरिक एरिक का बच्चा है या बेटा है तो एरिक सन उनका सरनेम उन्होंने खुद से रख लिया हुए निकल, निकल वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा घर वाले कह रहे हैं हर टाइम दोस्तों में रहते हो भाई, क्या सीन है तुम्हारा क्या करने वाले हो आगे जीवन में और इतने सारे चेंजेस उसको आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं समाज कई बार गलत लगने लगता है बहुत सारी चीजें होती हैं तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम समायोजन की समस्याएं यहां डेवलप होती हैं एडजस्ट कर पाना एडजस्ट कर पाने में समस्या होती है बच्चों को आप देखते हैं स्टेज में बच्चा बहुत चुण चुण रहता है है तुरंत तुरंत उल्टा जवाब गुस्सा ना तो बहुत सारी चीजें होती है। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म अवास्तविकता का चरण है अपनी ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपनी ही दुनिया में रहता है वो उसको लगता है कि उससे ऊपर कुछ और है नहीं वो पहला व्यक्ति है जिसको इतनी एनर्जी मिली है, है ना? तो वो अनरियलिज्म कई बार वो ऐसी कल्पनाओं में जीता है जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होती हैं कि जब मैं आसमान में जाऊंगा उड़ता हुआ तो सूरज तोड़ के लाऊंगा है ना चांद तारे आऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो ये अनरियलिस्टिक है मतलब अवास्तविकता का चरण है इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी भावनात्मक स्थिरता की कमी होती है भावनात्मक अस्थिरता लिख लेना इसको या भावनात्मक स्थिरता की कमी होती है यानी इमोशंस में बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अचानक से बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाएगा एकदम से फ्रस्ट्रेशन एकदम से गुस्सा तो बहुत ज्यादा उथल पुथल है इसीलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम कह रहे हैं क्योंकि इमोशंस पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है नहीं वोकेशनल एंग्जाइटी मैं आगे जीवन में करूंगा क्या इसलिए काउंसलिंग वगैरह का ऑप्शन भी आज के समय में उपलब्ध होता है स्कूल्स में अच्छे तो वोकेशनल एंग्जाइटी मैं जीवन में क्या करने वाला हूं है ना मैं साइंस लूँ के कॉमर्स लूँ के मैं क्या लू तो ये वोकेशनल एंग्जाइटी भी इसी स्टेज में आपकी होती है ठीक है इतनी स्क्रीन देख लिया मैंने पिछले कुछ दिनों में कि थोड़ा थोड़ा ब्लर नजर आना शुरू हो गया ठीक चलिए खैर आगे आते हैं फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना यानी अगर घर वालों ने कुछ कुछ कहा तो विद्रोह भी भी जो भी, मतलब अगेंस्ट जा सकता है वो चीजों के विद्रोह की भावना उसमें काफी होती है तो कई बार अगर चीजें ठीक से नहीं संभले तो लड़ाई मारधाड़ इन सब में भी चीजें बिगड़ सकती हैं एलिनेशन अलगाव की भावना अपनी ही दुनिया में रहेगा है ना अगर वो ठीक से

मतलब आप किसको देख रहे हैं आप हीरो मान किसको रहे हैं वो बहुत जरूरी है इस उम्र में अगर आपके हीरो हैं बस मैं कहना नहीं चाहती कंट्रोवर्सी हो जाएगी है ना तो अगर अगर आपके हीरो हैं ऐसे लोग जो आ, जेंडर के प्रति सेंसिटिव नहीं है है ना जो आ, कुछ बदलाव की बात नहीं करते जो सिर्फ दिखावे में विश्वास रखते हैं तो अगर ऐसे हमारे हीरो हैं है पूरा तो वो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगी उससे हीरो वर्शिप अगर सही दिशा में है तो वो वैसा बच्चा करेगा और अगर सही दिशा में नहीं है तो गड़बड़ जाएगी फिर तो वीर पूजा की प्रवृत्ति यानी उसको लगता है जो उसके आइडियल्स हैं चाहे वो उसने मूवी में देखा हो चाहे उसने यूट्यूब के लोग हैं तो क्या होगा हीरो वर्शिप का मतलब उसको लगता है मेरे हीरो के बारे में मेरे फेवरेट एक्टर के बारे में मैंने किसी को आइडियल मान रखा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा ठीक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के मामले भी सामने आते हैं इस स्टेज में अगर ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो बाल अपराध कुछ साल पहले आता किसी टीचर को आ, के साथ कुछ घटना घट गई थी बच्चे के द्वारा ये आप देखते हैं एडोल्ट में बहुत होता है है ना आप आ, कई जगहों पे ये भी देखेंगे पीट दिया टीचर को टीचर ही मिलते हैं इन लोगों को है ना तो जहां पे रिस्पेक्ट की एडजस्टमेंट की कमी है तो इस तरह की चीजें भी आएंगी चोरी में यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या कहते हैं हम जो निर्भया वाला मामला था वहां पर भी कोई तो एक जुवेनाइल था ना अठारह साल से कम उम्र का व्यक्ति है लेकिन क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ रुझान है तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हम कहते हैं कि बाल आपराधिक प्रवृत्तियां हैं ठीक तो अगर सही दिशा नहीं मिली तो ये सब भी यहां पे डेवलप हो सकती हैं ग्रोथ स्पर्ट यानी बच, बच्चे का जो जीवन है वो बन और बिगड़ सकता है इस स्टेज में ग्रोथ स्पर्ट यानी वृद्धि स्फूरण बहुत तेजी से हाइट वगैरह का एकदम फटती है मतलब फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है पर्सनल फेबल ये इस बार भी शायद इन्होंने पूछा था नहीं तो पूछ लेंगे कोई बात नहीं पर्सनल फेबल होती है व्यक्तिगत कल्पित कहानियां व्यक्तिगत कल्पित कहानियां क्या है अपनी दुनिया में रहना अरे मैं बाइक 200 पे भी चलाऊ ना तब भी मुझे कुछ नहीं होगा कोरोना मुझे थोड़ी होता है किसी और को होगा है ना तो वो अपने ही उसको लगता है मैं इतना यूनिक हूं कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता आग मुझे छू नहीं सकती जला नहीं सकती हवा मुझे उड़ा नहीं सकती वो कौन सी वो अमरीशपुरी की मूवी है पुरानी तो वो उस वैसे से कल्पना में रहता है अपनी पर्सनल फेबल यानी व्यक्तिगत कल्पित कहानियों में रहता है अडोलसेंट ईगो सेंटरज्म का पार्ट है ठीक अडोलसेंट ईगो इसी की अभी बात कर रहे थे किशोर अहम केंद्रतावाद एक तो होता है अहम केंद्रतावाद दो से छह वर्ष में जब वो सेल्फ सेंटर्ड है ये और खतरनाक है ये अडोलसेंट एगो क्या है उसको लगता है ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा कभी खुशी कभी कम देखिए ना तो वो वही वाली बात है उसको लगता है दुनिया तो मेरे अराउंड घूम रही है मैं ही हूं जो हूं है ना सबका ध्यान मेरे ऊपर है अगर मैं किसी पार्टी में गया हूं या गई हूं है ना हर टाइम अपने बाल सही करेगा हर टाइम जो है आपको शीशे के सामने खड़ा खड़े हुए मिलेगा मेरा तो भाई है अभी टीन में है ना तो उस तरह की चीजें देखने में मिलती है बड़ा मन लगता है लेकिन है ना अडोलसेंट ईगो सेंटर्स में यानी किशोर अहम केंद्रतावाद यानी उसको लगता है दुनिया का सेंटर में हूँ है? आते हैं एमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज कुछ अच्छी चीजें भी है भाई नेतृत्व क्षमता का विकास होता है यानी आप देखते हैं कि वो हेड बॉय हेड गर्ल स्कूल में बनाते हैं तो नेतृत्व यानी लीड करने की क्षमता भी इस उम्र में होती है तो अगर बच्चे के आप दोस्त बनेंगे डिस्कशन करेंगे उसके साथ उसको थोड़ी फ्रीडम भी मिलेगी और बातचीत भी होगी तो बात सही यानी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी पेरेंटिंग या टीचिंग स्टाइल है ना जिसको हम कहते हैं एक तो डेमोक्रेटिक होना है आपको टीचिंग में अपने लोकतांत्रिक होना है और दूसरा क्या है दूसरी है आपको, आ, जिसको हम कहते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बताना अगर याद आए तो पेरेंटिंग स्टाइल होती है टीचर तो डेमोक्रेटिक हो तो चलेगा अच्छा आइडेंटिटी कंफ्यूजन के भी रोल कंफ्यूजन अगर वो आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान का संकट में हूं कौन मैं करूंगा क्या ये इसके भी कई प्रकार होते हैं आपके पेपर के लिए काम कर रहे ये ज्यादा डिटेल हो जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के कुछ सिद्धांत फटाफट से पढ़ते हैं एक नंबर तो exactly. अथॉरिटेटिव तो होता है जिसमें आपका कंट्रोल भी है केयर भी है तो पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव बेस्ट है टीचिंग में डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव दोनों को मिक्स करके कर सकते हुँ. देखना फटाफट से <coughs> देखिएगा अगर हम देखें यहां पे तो हम यहां देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत विकास के सिद्धांत क्या है भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम ये हमें पता है टू टूम गर्भ से कब्र तक चलता है जीवन पर्यंत चलता है ज्यादातर लोग यही मानते हैं की भी कॉन्टिन्यूटी की ही बात करेंगे ठीक है जी अगर हम बात करें रेट ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर हर साल क्वेश्चन आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्या होता है सबके लिए सेम देखिए स्टेजेस सेम है विकास की स्टेजेस सेम है चाइल्डहुड की स्टेजेस सेम है लेकिन वो कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम नहीं है मतलब क्या हुआ वृद्धि की दर वृद्धि और विकास की दर में यानी गति की दर में विभिन्नता पाई जाती है जरूरी नहीं है दो साल के बच्चे दोनों के दांत एक दिन सेम दिन निकल जाएंगे दोनों बराबर जो है शब्द बोल पाएंगे कोई बच्चा थोड़ा पहले चलना सीख लेता है कोई बच्चा थोड़ा सा समय लगाता है कोई बच्चा ज्यादा जल्दी बोलना सीख लेता है दूसरे को समय लगता है तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेट यानी दर दर भिन्नता दर में भिन्नता होती है दर यूनिफॉर्म नहीं होती सेम नहीं होती अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है फटाफट समझते हैं अगर हम देखें क्या चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सेम है तो जो आपकी स्टेज थियरिस्ट होंगे जो स्टेज की बात करेंगे एज की बात करेंगे वो तो कह देंगे हाँ होते हैं जी है ना वही दो से बारह वर्ष की अवस्था है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है पूरी दुनिया के लिए यूनिफॉर्म है देखिए स्टेज सेम है स्टेज जो है वो सेम है बाल्यावस्था सबके लिए स्टेज सेम है कि दो से बारह वर्ष में होती है पूरी दुनिया में यूनिवर्सल स्टेज है ठीक लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की संप्रत्य कॉन्सेप्ट किसका बचपन का वो सब के लिए अलग अलग होगा वो डिफरेंट होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं वाइगॉस्की जैसे वो ये बात कहेंगे कि भाई बचपन की अवधारणा सबके लिए सेम नहीं होती जो कॉन्ट्रे कॉन्टेम्प्रेरी लोग हैं आज के समय के वो ये मानते हैं कि विकास जो बचपन है वो डिफरेंट है फॉर एवरीबडी जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था हर बार आ रहा है कि अमीर परिवार के बच्चों का दिन अलग तरह से गुजरता है गरीब परिवार के बच्चों के दिन अलग से गुजरता है उनके लिए बचपन कुछ और है आपके लिए बचपन कुछ और है वो बचपन में भी उस उम्र में काम करते हुए आपको मिल जाएगा जिस उम्र में आपके घर का बच्चा एक ग्लास पानी खुद से लेके ना पीता होगा ठीक तो चाइल्डहुड की एज तो सेम होती है स्टेज तो सेम है यूनिफॉर्म है स्टेज यूनिवर्सल है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है है ना तो डिफरेंट है दूसरा रेट में अंतर होता है जो सारी स्टेजेस ऑफ स्टेजेसमेंट है वो तो लिए सेम है, है, लेकिन दर में भिन्नता पाई जाती है सारे दो साल के बच्चे सेम सेंटेंस बोल लेते होंगे जरूरी नहीं है स्टेज वो जन्म से दो वर्ष में आ जाएगा कोई चीज मान लीजिए चलना सीखना है लेकिन जरूरी नहीं है सारे दो साल के बच्चे दुनिया के बच्चा ए और बच्चा बी दोनों जो है वो एक साल आठ महीने पे ही चलना सीखे एक बच्चा नौ महीने में भी सीख सकता है दूसरे बच्चे को डेढ़ साल की तो मैं लग सकता है तो स्टेज तो सेम है दर भिन्न होती है विकास की स्पीड या पेस अलग होता है दर कभी सेम नहीं होगी याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्ति अपनी रुचियों में अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एटीट्यूड एज

रेट सबके लिए सेम नहीं किसी में जल्दी किसी में कम स्पीड सबकी सेम नहीं होती पैटर्न सबके लिए सेम है यह बात समझना बहुत जरूरी है पैटर्न इज सेम बट पैटर्न इज यूनिफॉर्म बट स्पीड या रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरी वन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्मिटी खराब है काफी मामलों में अभी समझेंगे उसको डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है जैसे रोएगा भी तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा बाद में क्या है स्पेसिफिक दो उंगलियों से आंसू पूछ लेगा पैन को उठा लोगे आप ये ग्रॉस टू फाइन मोटर का भी उदाहरण है कि पहले आपको या अगर हम बात करें जो अभी हम पढ़ेंगे जो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल है कि आपको पूरा हाथ पैर सब लगते हैं कोई काम करने में बाद में बच्चा सिर्फ दो उंगलियों से स्पेसिफिक तो सरल से जटिल की ओर या सामान्य से विशिष्ट ओर बच्चा जा पाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन क्या है परस्पर संबंध का नियम यानी विकास के जो पहलू हैं पीसीएसी फिजिकल फिजिकलिव सोशल इमोशनल ये सब आपस में जुड़े हुए हैं अगर आ, शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा और दिमाग ठीक से नहीं चल रहा तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा बुखार है यदि तो मानिए आप कि आपके इमोशन भी ठीक से काम नहीं करेंगे तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जब विकास के दो या दो से अधिक पहलू एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें जब आप आप ये कहें कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा जो सामाजिक विकास भी जुड़ा हुआ है ठीक है सोशल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है ठीक है या बाकी सारे आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है ये है इंटर रिलेशन इंटीग्रेशन क्या है जब ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका दिमाग भी आपकी आंखें भी आपके हाथ भी सब एक एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो ये है इंटीग्रेशन का उदाहरण जब आप साइकिल चला रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन एक हीकरण है परस्पर संबंध आपस में जुड़े हुए हैं हाँ, एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं ये है परस्पर संबंध लेकिन जब एक होकर के काम करें तो एक हीकरण है इंटीग्रेशन जो कोई भी एक्टिविटी जिसमें विकास के कई पहलू एक साथ यूज हो रहे हैं आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपकी आंखें भी आपका दिमाग भी आपके हाथ भी सब एक साथ मिलकर एक सिंगल काम कर रहे हैं तो वो एक हीकरण है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल विकास का अनुमान लगाना संभव है देखिए इसमें करेक्ट अनुमान मत लिख दे अगर सटीक लिखा हो कि सटीक अनुमान एकदम सटीक सही सही अनुमान लगा देंगे नहीं लगा सकते है ना पूरी तरह से हम नहीं लगा सकते अनुमान लेकिन हाँ कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्टेज में ये होगा अगर चलना सीख ले आप जल्दी ही बच्चा बोलना भी सीख लेगा ये भी कर लेगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चे की एक्टिविटीज को देखते हुए लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट अनुमान कोई नहीं लगा सकता एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहां से क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा इवन हर एक पेपर में पूरे देश में ये जरूर आता है अगर जहां पर भी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है

डेवलपमेंटल डायरेक्शन में दो आपके डायरेक्शन है एक है सेफेलोकॉर्डल जिसको मुखी कह देते हैं मुखी, मुखी, ठीक है जी यानी मस्तक से धड़ की तरफ यह है सेफेलोकॉर्डल ठीक है अगर हम बात करें प्रोक्सीमो डिस्टल की इसको हम कहते हैं केंद्राभिमुख कह देते हैं केंद्र से बाहर की ओर केंद्राभिमुख केंद्राभिमुख ठीक है अगर हम देखें यहां पे सेफेलोकॉर्डल और आ, इसकी बात करें जब हम किसकी प्रोक्सीमोडिस्टल की देखो सेफेलो सेफेल का मतलब ही होता है ब्रेन या खोपड़ी ठीक है तो ब्रेन से ये लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी कह देते हैं इसको कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या लंबवत है यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे सर से पैर टॉप टू बॉटम जाती है या मैं कहूं हेड टू टो तो, हेड टू टो तो, सर से पैर की ओर टो तो मतलब पैर का अंगूठा तो पहले बच्चा अपने आप देखते हैं बच्चा उसके सर पे कंट्रोल आता है हम जब छोटे बच्चे को लेते हैं उसकी गर्दन भी संभाल के पकड़ते हैं कि अभी गर्दन पर कंट्रोल नहीं है भाई है ना कहीं इधर उधर ना हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे गर्दन संभालना सीखता है फिर वो बैठना सीखता है फिर वो खड़े होना सीखता है उससे भी पहले वो क्रॉलिंग करना सीखेगा फिर चलना सीखता है यानी सर से पैर की ओर विकास की दिशा जाती है ये है सेफेलोकॉर्डल सेफेल का मतलब ये ब्रेन खोपड़ी आपकी ठीक तो अगर हम देखें सेफेल मतलब हेड हेड की जब हम बात करें बच्चे का कंट्रोल पहले हेड पे आएगा या अगर हम गर्भ में भी देखें तो बच्चे के प्रेगनेंसी पीरियड में या प्री स्टेज में भी प्रसव पूर्व अवस्था में पहले बच्चे का सर डेवलप होगा ठीक मतलब ये दिशा की बात हो रही है कि कैसे जाएगी दूसरा आपका वो अलग है उसको भी समझेंगे तो पहले सर पे कंट्रोल ठीक फिर आप देखते हैं गर्दन पे कंट्रोल फिर नीचे वाले पार्ट पे कंट्रोल बैठेगा यहां ये वाले पार्ट पे कंट्रोल सेंटर में और फिर पैरों पर कंट्रोल फिर बैठ करके वो खड़ा होगा यानी पहले सर से पैर की ओर ये लंबवत दिशा है हेड टू टो जिसको हम कहते हैं सिर से पैर की ओर

क्यों क्योंकि बच्चे का सेंटर टू पेरीफेरी केंद्र से सीमाओं की ओर कंट्रोल आता है सीमाएं किसकी शरीर की सीमाएं एक्सट्रीमिटीज है, है ना सेंटर से एक्सट्रीमिटीज तो शरीर की सीमाएं कौन सी ये उंगलियां शरीर की सीमाएं है तो हैं यहां पे खत्म हो जाता है शरीर ठीक तो सेंटर यानी बच्चा जब गर्भ में भी होता है तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी उसका हार्ट ये सब डेवलप होते हैं ठीक तो हम देखते हैं बच्चे का जब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा तो सेंटर से जो भी हार्ट या सेंटर के बॉडी के सेंटर के पास की चीजें उन उनपे कंट्रोल पहले आता है जैसे कंधों पे फिर कंधों से कहां आएगा इन आर्म्स पे आएगा उसके बाद आर्म्स से भी आपको पता है किस पे हाथों पे कंट्रोल फिर हाथों से उंगलियों पे कंट्रोल तो सेंटर से बाहर की ओर सेंटर टू आउटवर्ड जिसको हम कहते हैं ठीक तो वो पहले क्या करता था सिंपल आपका कोई भी चीज पकड़ने के लिए पूरे हाथों का इस्तेमाल बाद में वो सिर्फ दो उंगलियों का जनरल टू स्पेसिफिक वो इस्तेमाल मतलब कर लेता है स्पेसिफिकली भी विशिष्ट की ओर जाएगा नियर से फार सेंटर टू हम कह सकते हैं इसको। आते हैं उसको आते खैर डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट ये चाहे लर्निंग के बारे में लिखा हो चाहे डेवलपमेंट के बारे में लिखा हो है ना या कोई भी और भी चीजें लीनियर कुछ नहीं होता अगर आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में पूरे आपके पूरे सिलेबस में लीनियर कोई चीज रेयर आपको मिलेगी लीनियर कुछ नहीं है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है कुछ भी सीधा नहीं है है ना

स्ट्रेट लाइन में ना तो लर्निंग हो सकती है कि दो सकते परसेंट डेवलपमेंट हुआ कल भी दो ही होगा परसों भी इतना ही होगा फिर उसके अगले दिन भी इतना ही होगा नहीं स्पाइरल में होता है तो लीनियर यानी सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना तो डेवलपमेंट ना तो लर्निंग है ना ये स्ट्रेट लाइन नहीं होते ये क्या होते हैं वर्तुलाकार होते हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कैसे होता है आगे पीछे फटाफट फट से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं अगर हम देखें यहाँ पे तो आप लोग अभी छत्तीस लोग थे ठीक और क्या छत्तीस के छत्तीस पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूं देखना एक बार अभी आएंगे उस पर वापस ठीक क्या छत्तीस के छत्तीस हजार लोग लाइक कर चुके हैं नहीं भी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं देखिएगा अगर हम देखें यहां पे तो ये क्या है एक पॉइंट से शुरू हुआ विकास ठीक आगे गया पीछे आया आगे गया पीछे आया यानी इट मूव फॉरवर्ड एंड फिर वापस आएगा मूव्स मूव्स फॉरवर्ड और वापस आता है किसके लिए कंसोलिडेशन के लिए कंसोलिडेशन क्या है मजबूती के लिए है ना बच्चे के दांत निकल गए दूध के दांत फिर वो दांत गिरेंगे अब वापस आया है विकास इस बार आएंगे मजबूत वाले दांत तो पक्का होने के लिए एक स्टेज में हाइट बढ़ रही थी अर्ली चाइल्डहुड में लेटर में थोड़ी कम है रुक गई है लगभग स्लो हो गई है लेकिन बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है अब उसका दौड़ना भागना इन सब में वो बहुत अच्छा कर पा रहा है बेशक हाइट अब उसकी धीनी है मजबूती आ रही है और अगली स्टेज में फिर से हाइट बढ़ेगी तो यानी एक स्टेज में आप आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं ये है बैक्स इट मूव बैक एंड फोर्थ कहीं भी तो लिखा होगा बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे आगे पीछे ही जाता है यानी एक स्टेज में आगे बढ़ेगा एडवांस आपके दांत निकले दूसरे स्टेज में दांत गिरे तीसरे स्टेज में आपके पक्के दांत आने वाले तो आगे पीछे आगे पीछे ही चलता रहता है ग्रेजुअल प्रोसेस है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर लाइफ अच्छा इस पे अजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ था आपको याद ही होगा कि प्रारंभिक विकास की जो महत्ता है वो ज्यादा होती है आप बच्चों को अगर बचपन में खाना मिला नहीं उसका शरीर ठीक से विकसित हुआ नहीं बाद में आप उसको दूध की नदियां बहा दीजिए तो क्या विकास ठीक हो जाएगा जो इंपैक्ट बचपन में पड़ चुका है उसको रिवर्स कर पाना संभव नहीं होता तो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं इस पर भी डिबेट रहती है हालांकि कुछ लोग कहते हैं नहीं बाद वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण बट जो हम कहते हैं ना बच्चे के मस्तिष्क का नब्बे विकास जन्म के जो साल में हो जाता है के में हम देखते हैं तो वो बात बहुत हद तक सही है कि बच्चे के जो शुरुआत का जीवन है ना उसके चाइल्डहुड तक का उसका जो इम्पैक्ट है वो जीवन पर्यंत रहेगा उस पर है ना वो जीवन पर्यंत रहेगा चलिए क्या खैर आगे बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया चलिए आते हैं अगर हम देखें डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है यानी विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है परिपक्वता है किसी महीने के बच्चे को साइकिल नहीं सिखाएंगे, साल के बच्चे को नहीं, पढ़ाएंगे, आप पढ़ते हैं Learning, नहीं होगी दोनों का रोल होता है तब जाके डेवलपमेंट होगा ठीक एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से और ये सारे जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो बताइएगा फटाफट देखिएगा एक बार बहुत बढ़िया भाई स्पीड थोड़ी तेजी रहने वाली है और अभी मेरी कोशिश रहेगी पिक्चर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो निकल चुका है अब मजा ज्यादा आएगा हमें सीखने में क्योंकि डेवलपमेंट वाले पार्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद रखने वाली है समझना भी जिनको जरूरी है पढ़ना भी जरूरी है ठीक है ना अब हम मजे मजे में चलेंगे ठीक ये अडोल्ट सेंस का टीन का एग्जाम्पल ये हीरो वर्शिप और वो सारे एग्जाम्पल के मैं ये डायरी मेरे को घर पे मिली थी अपनी स्क्रैप बुक बोलते थे ना पता नहीं कुछ तो बोलते थे बचपन तो में अब तुम लोग याद भी नहीं है इसमें मैंने कुछ कुछ फोटोज़ वगैरह लगाए हुए थे न्यूज़ कटिंग क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो ऐसे आप देख रहे हैं ये तो ये एडोलेसेंस की बात है टीन की बात है कि हमें मतलब ये जो हीरो वर्शिप कह लीजिए या जो अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं वर्ल्ड कप के कुछ फोटोज़ हैं तो एडोलेसेंस में हम ऐसी चीज़ें करते हैं चलिए खैर आते हैं अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग और ये वही एज अडल जहां आप दुनिया बदलने की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत नहीं है डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है बिल्कुल है डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल हाँ मॉडिफेबल है प्लास्टिक है अमेंडेबल है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटियन एनवायरनमेंट से बिल्कुल होता है हेरिडिटियन एनवायरनमेंट का टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे अभी डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट शुरुआत में बताया था हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेंट जो है वो विकास को प्रभावित करते हैं किस संस्कृति किस समाज में आप रहते हैं वो समाज और संस्कृति वहां की भाषा आपके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित दो करते हैं विकास की प्रक्रिया को हर चीज प्रभावित करती है ये मान के चलो आप है ना चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगर हम देखें यहां पे तो ये एक बेसिक बात हो गई मॉडिफेबल हो गया लाइफ लॉन्ग अच्छा एक चीज ध्यान रखना अगर पूछता ना यहां कि कौन सा विकास का प्रिंसिपल नहीं है और डिसकॉन्टिन्यूअस लिखा होता तो 99.9% चांस है कि वो सही हो जाता क्योंकि ये अनिरंतर नहीं होती निरंतर होती है लेकिन अगर पूछ ले कि बाकी ऑप्शन इससे भी ज्यादा खराब हो तो फिर आप इसके साथ भी जा सकते हैं तो पेडोलॉजी में यही होता है कि एक ऑप्शन सही भी हो सकता है गलत भी डिपेंड करता है पूछा कैसे है तो कॉन्टिन्यूस होता है अगर मैं वाइगॉस की ही मानू ज्यादातर लोग विकास को सतत रूम टू, टू टूम ही मान रहे हैं लेकिन अगर मैं प्याजे की मानू वो कह रहे हैं स्टेजेस में ब्रेक हो हो के चलेगा यानी डिसकॉन्टिन्यूस है असतत है विकास ठीक है नॉर्मली आपको कॉन्टिन्यूस ही मानना है डिस्कॉन्टिन्यूस अगर कोई कह रहा है गलत है जब तक प्याजे नहीं लिखा या कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना जरूरी है चलिए खैर आते हैं वापस से हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अनुवांशिकता एवं वातावरण अब आपको पता है अनुवांशिकता क्या होती है आपके जीन्स आपका जेनेटिक मेकअप जो आपको अपने कहां से मिला है विरासत में मिला है किससे पिताजी से जैसे लोगों को जायदाद मिलती है ना विरासत में प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेते हैं वो उस तरह से हेरिडिटी भी इनहेरिटेड ही है आपने इसमें दो पैसे का काम खुद से किया नहीं है अगर आपका रंग गोरा है आपकी हाइट ज्यादा है आपका इंटेलिजेंस का स्तर अच्छा मिला है इसका मतलब हेरिडिटी से मिलती है ये सारी चीजें मतलब सारी नहीं बट ये वाले आपकी आंखों का रंग आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपकी शक्ल बहुत हद तक प्रभावित होती है हेरिडिटी से और हेरिडिटी में आपके सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं वन बाय फोर पूरा एक पूरा एक चार्ट बनता है जिसमें आपकी पुरानी प्रीवियस जनरेशन तक आपकी मदर और फादर दोनों की तरफ से आपके अंदर हेरिडिटरी गुण आते हैं उतना जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है फिनोटाइप जीनोटाइप दुनिया भर की बातें हैं लेकिन इस लेवल पे हमें ये नहीं पढ़ना हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता जो हमें जेनेटिक मेकअप से हमें मिला है तो अनुवांशिकता भी जरूरी है और कुछ पहलू हैं जो हेरिडिटी जिनको कंट्रोल करती है जो हेरिडिटी जैसे इंटेलिजेंस आपका जो आई है बहुत हद तक हेरिडिटी से प्रभावित होता है ज्यादा परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे थोड़ा बहुत ही चेंज होता है इंटेलिजेंस आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपकी आंखों का रंग है ना ये सब आपकी हेरिडिटी तय करती है स्ट्रक्चर आपकी आंखों का रंग आय कलर इवन आपकी जो भाषा मतलब जो आवाज है वो भी आप देखेंगे आपके भाई बहनों से मैच करती हो कि आई कलर बॉडी स्ट्रक्चर कुछ लोग माता पिता पतले होते हैं तो वो भी पतले ही रहते हैं है ना तो हेरिडिटी यानी जो हेरिडिटी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हेरिडिटी तय कर देती है हालांकि हेरिडिटी एक रेंज प्रोवाइड कर देती है जिसमें आप एनवायरमेंट के माध्यम से खेलते रहते हैं यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हेरिडिटी दे देती है ठीक एनवायरमेंट की अगर हम बात करें वातावरण देखिए हेरिडिटी को बदलना असंभव है अगर आपको आंखों आंखों की रंग आँखों का रंग का जैसा मिल गया वो मिल गया आपको चाहिए आपको हरा पीला लाल गुलाबी आंखों का रंग बनाना है तो आपको लेंसेज लगाने होंगे कोई सर्जरी होती हो तो वो करानी पड़ेगी लेकिन नेचुरली वो बदलेगा नहीं आपकी जो हाइट आपको मिली मतलब एक बेसिस मिल जाता है ना हाइट को लेकर के तो हेरिडिटी से जो बॉडी स्ट्रक्चर मिला है वो आप बदल नहीं सकते इसका मतलब क्या हुआ स्टैटिक है हेरिडिटी स्टैटिक है यानी स्थिर है फिक्स्ड है ठीक वहीं अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट की तो एनवायरमेंट डायनेमिक चीज है आज आप गांव में रहते हैं कल आप शहर में रह लीजिए आज आप इंडिया में रहते हैं कल अमेरिका चले जाइए अमेरिका से इंडा, इंडिया आ जाइए तो ये क्या परिवर्तनशील है डायनेमिक है चेंजेबल है एनवायरमेंट को बदलना संभव है हेरिडिटी को बदलना संभव

इंटेलिजेंस का स्तर हेरिडिटी से मिल गया लेकिन एनवायरमेंट से ट्रेनिंग मिली है एजुकेशन मिली है है ना और अगर हम बात करें आपकी आपको खाना कैसा मिला है एनवायरमेंट से वो भी तो फिर आईसाइट उससे भी निर्धारित होगी कुछ हद तक तो क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट जो बच्चे का विकास है वो हेरिडिटी एंड एवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है ये एडिटिव नहीं होते याद रखिएगा ये एडिटिव नहीं है यानी ऐड नहीं कर सकते पचास परसेंट हेरिडिटी पचास परसेंट एनवायरमेंट मिल गया सौ परसेंट हो गया डेवलपमेंट नहीं ये मल्टीप्लिकेशन है पता नहीं किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर हम कहें बात इंटेलिजेंस की बॉडी स्ट्रक्चर की आई कलर की हेयर टाइप की ये सब हेरिडिटी तय कर रही है एनवायरमेंट अगर हम बात करें ट्रेनिंग की न्यूट्रिशन की पोषण कैसा मिल रहा है एजुकेशन कैसी मिल रही है वो एनवायरमेंट तय करेगा और दोनों के मिलने से आपका डेवलपमेंट होगा तो ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का गुणनफल है दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है बराबर का रोल है ये कहते हैं वुडवर्थ यानी बराबर का मतलब ये नहीं है कि ये यानी दोनों ही इक्वली महत्वपूर्ण है महत्ता दोनों की है ऐसा नहीं कह सकते कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंट ज्यादा जरूरी है कुछ कहते हैं हेरिडिटी हेरिडिटी को हम नेचर भी कह देते हैं जिसका बदलना संभव नहीं है प्रकृति नहीं बदलती व्यक्ति की ऐसा कह सकते हैं नर्चर की अगर हम बात करें एनवायरमेंट की तो नर्चर क्या है भाई नर्चर है पोषण आप एक पौधे को जैसे नर्चर कर रहे हैं एक व्यक्ति को जैसे नर्चर कर रहे हैं वो पोषण है तो प्रकृति और पोषण विवाद चलता रहता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच का है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सोशलाइजेशन एक नंबर का क्वेश्चन है एक नंबर की तरह ही करेंगे समय में अब आपका बहुत कम लूंगी आगे के टॉपिक्स में फिर प्याजे आ जाएंगे है ना अगर हम बात करें आज आप कोशिश करिए कि अपनी क्षमता को थोड़ा जांच मेरी कोशिश रहेगी बारह बजे से पहले आपका सेशन समाप्त कर दिया जाए बारह बजे मतलब चार से पांच घंटे मोर देन इनफ है उसके ऊपर फिर आप के दिमाग से वैसे ही जाती है कितना भी फोकस होता है एग्जाम से पहले इतना नहीं होगा कि आप बारह घंटे लगातार पढ़ते रहें और आपके दिमाग में चीजें सेट भी होती रहे दिमाग की एक लिमिट है और फिर रिवीजन का फायदा ही हुआ नहीं तो सब कुछ तो यूट्यूब पे आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है है ना तो अगर हम देखें तो स्पीड थोड़ी बढ़ा के चलेंगे लेकिन जो काम की चीजें हैं फिल्टर कर देंगे जो भी कम काम का है चलिए आते हैं फटाफट से समझते हैं ये आपकी पहली यूनिट है पहली यूनिट खत्म होते ही ना फिर समय नहीं लगेगा ये पहली यूनिट में सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी नीव बनाते हैं आगे तक जब आप डी केवीएस किसी भी एग्जाम को लेकर पढ़ेंगे जहां भी आती है इतना तो आपको पढ़ना ही होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस मजा आ रहा है कि नहीं थक तो नहीं रहे हो बता दो एक बार अब तो आवाज की भी दिक्कत हैप्पी लोड़ी भाई आज तो लोड़ी सच में ही बनाई है हम सब ने है ना और तब तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था मैंने का यार पूरी मेहनत डिस्टर्बेंस में चली जाएगी हाँ बारह बजे तक मस्त आपको पढ़ना है देखिए सोशलाइजेशन डिनर विनर आप करो आराम से बैठ के जो करना है करो देखते रहो बस सामाजिकरण की प्रक्रिया सिंपल दो क्वेश्चन आते हैं कोई इधर उधर की बात नहीं एक क्वेश्चन आता है और दो टाइप है इसमें मतलब दो प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें एक तो है आपका एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन यानी सक्रिय और निष्क्रिय सामाजिकरण कराने को मैंने अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखें पांच पांच प्रकार भी कराए हैं लेकिन यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है 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 ना काम की चीजें करनी है। अगर हम देखें सक्रिय सक्रिय सामाजिकरण 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 क्या क्या होता तो क्या होता है है पहले तो एक प्रोसेस है इज अ प्रोसेस इन विच वी लर्न हाउ टू बी इन दी सोशल हाउ टू कंडक्ट सोशली या हाउ टू बी इन द सोसाइटी एक तरीका क्या है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है सोसाइटी तो में रहने का है ना समाज के नियम कायदे तौर तरीके ये सब हम इंटरनालाइज करते हैं अडेप्ट करते हैं एडजस्ट करते हैं कि समाज में रहने के लिए क्या नियम कायदे कुछ हर एक समाज की अपनी कुछ एक्सेप्टेबल चीजें होती हैं कुछ नहीं होती है अनडिजायरेबल चीजें होती हैं जिनको वो डिजायर नहीं करता जैसे हम कहते हैं भाई मां बाप की सेवा करो है ना ये करो वो करो ये हमारी इंडियन कल्चर की बात होगी ये हमारा समाज है जहां का सही गलत जहां की वैल्यूज वगैरह डिफरेंट होंगी अमेरिका में आप जाएंगे वहां की डिफरेंट होंगी कहीं और की कुछ और डिफरेंट होगा बेसिकली सामाजिकरण क्या है समाज में आप कोई घर पे आए तो नमस्ते करते हैं है ना ये हो तो ये करते हैं ये क्या है समाजीकरण से सीखा है हमने समाजीकरण से हमने सीखा है ठीक तो सोशलाइजेशन प्रोसेस हमें सिखाती है कि समाज में रहते कैसे वहां के तौर तरीके नियम कायदे कानून क्या होते हैं ये हम स्कूल से भी सीख रहे हैं परिवार से भी सीख रहे हैं हर जगह से सीख रहे हैं अब दो प्रकार की एजेंसी होती है एक होती है एक्टिव एजेंसी यानी एजेंसी क्या है कौन करता है हमें सोशलाइज तो वो वाहक है कुछ वाहक क्या है सोशल मीडिया या मीडिया टीवी में जो आप देख रहे हैं इंटरनेट पर जो आप देख रहे हैं वो आपका सोशलाइजेशन करेगा जिस तरह की मूवीज आप देख रहे हैं जिस तरह के न्यूज को आप पढ़ रहे हैं क्या करो हम तो रील्स देखते हैं वो करता है है हमारा ना जिस तरह के आ, दोस्तों में आप रहते हैं जिस तरह के परिवार में आप हैं जहां आप जाते हैं तो सोशलाइजेशन की एजेंसीज हैं कल को आपकी नौकरी लगेगी आप स्कूल में जाएंगे अलग अलग स्टेट के लोग आपको मिलेंगे वहां पे और आप खाना अलग अलग डिशेस सीख रहे हैं है ना अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो अगर कोई और किसी और से दूसरी भाषा सीख रहा है कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए राजस्थान से है दिल्ली में जॉब कर रहे हैं कोई यूपी यु, से है अब आप सारे एक साथ हैं तो आप सोशलाइज तो जीवन पर्यंत होते रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया सोशलाइजेशन की कि आप सामाजिक समाज भी चेंज होता रहता है समय के साथ और नियम कायदे कानून भी तो एक्टिव सोशलाइजेशन कहाँ होता है जहां बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जैसे स्कूल जैसे फैमिली जैसे उसके दोस्त जहां वो डायरेक्टली बातचीत करे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो है एक्टिव सोशलाइजेशन जहां वो इनडायरेक्टली सीख ले मास मीडिया में आप आप डायरेक्टली थोड़ी थोड़ी टीवी पे अगर न्यूज चल रही है खुद से कुछ लेमेंट कर सकते हैं नहीं तो वो पैसे हो गया इनडायरेक्टली आप सीख रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे किस चीज या सेकेंडरी कह सकते हो आप उसको अगर हम पैसे की बात करें पब्लिक लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आप पढ़ने गए लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वहां का भी एक नियम कायदे कानून वहां की भी एक सोसाइटी है, है ना वहां का भी एक ऑर्डर है तो पब्लिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो गया, ये है. आप, पुलिस रोज जा रहे हैं, गया है तो जरूर नहीं आप आपको पता है, कि शांत रहना है तो इनडायरेक्टली जब आप चीजों में डायरेक्ट इन्वॉल्व न होकर इंडायरेक्टली बहुत सारे नियम कायदे कानून सीख रहे हैं वो पैसिव सोशलाइजेशन है अब आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्राइमरी यानी प्राथमिक सामाजिकरण और सेकेंडरी यानी गौड़ सामाजिकरण प्राथमिक आपको पता है परिवार से होता है फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी और स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा स्कूल को हम यहाँ सेकेंडरी में डाल देंगे यानी शुरुआत के जो दो तीन चार साल है आपके जीवन के वो फैमिली डिसाइड करती है फैमिली क्या है मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी तो समाज का छोटा रूप है सबसे पहले आप परिवार में ही होते हैं ऐसा तो नहीं है आपका जन्म हुआ पड़ोसी को दे दिया वो भी एक परिवार ही होगा अगर दे भी दिया तो ठीक तो फैमिली क्या है छोटा रूप है समाज का और आप सबसे पहले समाज के तौर तरीके नियम कायदे कानून आयना जो है समाज का वो परिवार ही है वही आपको सिखाता है कैसे कपड़े पहनने हैं क्या करना है ये वो ये सब फैमिली से आप सीख रहे हैं तो प्राइमरी जो है वो फैमिली है जब आप पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बना रहे हैं दुनिया की फिर आप स्कूल जाते हैं आप फिर दुनिया में घूमते हैं अपने दोस्तों में जाते हैं सब आपके नेबरहुड देखिए नेबरहुड हो आपका आ, और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में से है नेबरहुड तो स्पेशली लेकिन आपको देखना है प्राइमरी अगर पूछा है तो फैमिली हमेशा प्राइमरी में आएगी और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आएगा स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती अच्छा स्कूल फिर भी इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी प्राइमरी आ, अच्छा स्कूल में जाकर के बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं है वो सोशलाइजेशन भी सीखता है सोशल स्किल्स भी सीखता है एक दूसरे से भाषा सीखेगा कोई स्किल सीखेगा कोई नाव बनाना सीख रहा है कोई बातचीत करना सीख रहा है मम्मी को आके जोक मार रहे हैं पूछा आके कि भैया ये कहाँ से सीखा है कि मैंने अपने दोस्त से सीखा था तो कैसे रहते हैं कैसे बात करते हैं बहुत सारी चीजें हम स्कूल में ही सोशलाइजेशन हमारा होता है वैल्यूज नॉर्म्स सारी चीजें हम सीखते हैं अगर हम प्राइमरी की बात करें फैमिली की तो जो हमारे सिबलिंग्स हैं यानी जो हमारे भाई बहन है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके साथ जो रिलेशन है वो पेरेंट्स से अलग होते हैं इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है और उनके लिए महत्वपूर्ण मतलब वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे सामाजिकरण में ठीक और जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है अब आपको सिंपल याद रख लेना है नेबरहुड फैमिली के साथ आया है तो प्राइमरी है स्कूल के साथ आया है तो सेकेंडरी है तो स्कूल हमेशा सेकेंडरी फैमिली हमेशा प्राइमरी इतना जानना आपके लिए इनफ है अगर हम बात करते हैं प्याजे की अब जेंडर एक टॉपिक है जो सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है बट पहले हम प्याजों को पढ़ लेते हैं बहुत ही कम समय में मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी ये थियरीज आपने पढ़ ली होंगी अब तक मैं ऐसा मान के चल रही हूँ लेकिन जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगे जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ये क्वेश्चन क्या है कोई पूछ भी रहा था उस दिन बैच में मिस हो गया था लेकिन वो क्लास ऑफ हो गई थी उसके बाद मेरे को याद आया था कि कॉमेंट चलते रह गए थे देखो यहाँ पे क्या है एक तरफ ऊँट है और एक तरफ हॉर्स है यानी घोड़ा है एक बच्चा है जो ऊंट को देख करके ये कहता है कि ये एक हम्प वाला हॉर्स है यानी एक घोड़ा है जिसकी जो हम्प है कुबड़ है वो निकला हुआ है ये क्या है एकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को एसिमिलेशन का उदाहरण है किसका उदाहरण है फटाफट से बताओ इसमें क्लियर आप लोग फंसेंगे ही फसेंगे जब एक बच्चा एक ऊंट को देख के ये कहता है एक ऊंचा घोड़ा है तो बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है वो एसिमिलेशन है क्या है फटाफट से बताओ कमेंट करके बताओ एसिमिलेशन है क्या है यानी समायोजन है या फिर आपका आत्मसातीकरण है बहुत लोग गलती कर रहे हैं और बहुत लोग सही भी दे रहे हैं बहुत खुशी की बात है बहुत बढ़िया नौ अब बजे हैं जो हमारा क्लास का टाइम होता है इसीलिए आज जल्दी शुरू किया था ताकि जो क्लास है आपकी टाइम से खत्म हो जाए बारह बजे तक बस आपको पूरा शिद्दत से क्योंकि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और स्पीड में हम करने वाले में। में oh <coughs> क्यों? अभी जो उसके दिमाग में भरा था उसी को उसने प्रदर्शित कर दिया एसिमिलेशन हो गया अगर दाल चावल मिक्स करके खाना सीख रहा है तो एसिमिलेशन हो गया अब जब वो चेंज करेगा कि नहीं भाई ये हॉर्स नहीं है ये ऊंचा घोड़ा नहीं है ये अलग होता है तब उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा जब तक उसने देख के ये कहा है कि ये तो हॉर्स है ऊंचा ऊंचा हॉर्स है तो ठीक है तब तक तो एसिमिलेशन है जो उसके दिमाग में था उसने कह दिया ठीक तो अब प्याजे पे आते हैं खैर फटाफट से और समझते हैं प्याजे क्या कहते हैं देखिए प्याजे बहुत ही क्यूट व्यक्ति हैं आई I मीन mean, थे बट ये रहेंगे इनको हमें पढ़ते रहना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं ये सब आपको पता है और ज्यादा इसमें आपको अभी पढ़ना नहीं है समय हमारे पास कम है प्याजे की जब हम बात कर रहे हैं तो इनको जेनेटिक एपिस्टमोलॉजिस्ट कहते हैं यानी ये जीन्स को महत्व देते हैं हेरिडिटी को महत्व देते हैं ज्ञान की प्रक्रिया के निर्माण में इनकी थियोरी का नाम क्या है कॉगनेटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास प्याजे ने वाइगोस्की ने, ने, हालांकि ब्रूनर हम करेंगे नहीं वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी दो मिनट में अगर जरूरत पड़ी मैंने क्वेश्चंस पहले कराए हो देखो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कभी रेयर एक आध बार आए हुए हैं तो वो जो आता ही है सिलेबस में हर साल उसको करना बहुत जरूरी है जो कभी रेयर एक आध बार आया हुआ है या बहुत कम पूछा जाता है वो मैंने आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है वहां पर भी बताया है तो समय नष्ट नहीं करना हमको ठीक कॉग्नेटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास की थियरी इन्होंने दी है कि हमारी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कैसे विकसित होता है हमारी बुद्धि कैसे विकसित होती है फोर स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी एक बार पेपर में पूछ लिया था कि इसको बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं इन्होंने दी है मेंटल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो कि मानसिक विकास कैसे होता है पे कह रहे हैं बच्चा क्या है लिटिल साइंटिस्ट है नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा सक्रिय रहेगा ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है रचनावादी रचनावादी कौन है रचनावाद आपका जिसपे एनसीएफ बेस्ड है आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी है ये उग्र रचनावादी कहते हैं हम कि जो ये मानते हैं कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो सेंटर में है बच्चा एक्टिविटी करके दुनिया की समझ बनाता है सक्रिय बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं जो लर्नर्स हैं स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज यानी जब वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिवली एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या करते हैं ज्ञान का निर्माण करते हैं वो कह रहा है भगवान चाचा की आत्मा को क्या दे शांति मिली गई होगी यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और गिफ्टेडनेस का बहुत अच्छा उदाहरण है जीन पे आज पंद्रह साल तेरह साल में तो उनके पेपर्स पब्लिश होने लग गए थे पीएचडी वगैरह दुनिया भर की चीजें चलो खैर आते हैं तो इन्होंने अगर हम बात करें प्याजी की वाइगॉस्ट की तो ये लोग अपने बच्चों पे भी बहुत सारे इन्होंने काम किया ऑफ कोर्स जो है रिसर्च की तो अगर हम देखें रेडिकल यानी उग्र रचनावादी हैं रचनावादी कौन जो ये मानता है कि मीनिंग मेकिंग अर्थ निर्माण से अधिगम होगा जो ये मानता है कि बच्चों को एक्टिव रखना है लिटिल साइंटिस्ट नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा यानी वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है एक्टिविटी करके सीखता है और क्या है बच्चे अपनी हाथों से आंखों से इन सबसे सोचते हैं ये बात भी उन्होंने कही है किसमें सेंसरी मोटर स्टेज में आती है ये चीज और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम प्याज के बारे में करने वाले हैं कुल मिलाकर के हमें पता है बच्चा एक्टिव रहेगा इन्होंने चार फैक्टर्स दिए और चार स्टेजेस दी चार फैक्टर्स चार तत्व अलग हैं और चार स्टेजेस अलग हैं अच्छा प्याजे के अकॉर्डिंग आपको ये सिंपली मान लेना है कि इन्होंने डेवलपमेंट को डिस्कॉन्टिन्यूस देखा है क्यों क्योंकि इन्होंने चार स्टेजेस जो भी स्टेज में बांट रहा है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस कहेगा क्योंकि स्टेज में बटने का मतलब ये कि आप एक स्टेज में इतना विकास फिर इसके बाद इतना चौदह पंद्रह साल तक सर्वाधिक विकास हो जाएगा ऐसा प्याजे कहेंगे किसका दिमाग का ठीक तो ये चार स्टेजेस है मान लीजिए प्याजे के अनुसार और ये एसपीसीएफ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल ये याद रखने का तरीका है सम पीपल कांट फोकस ठीक तो अगर हम देखें तो ये हो गया जो भी एज की बात करें वाइगॉस्की ने एज की बात नहीं की तो वो अनिंतर नहीं कह रहे वो विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कह रहे हैं इनके लिए एज इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी इंपोर्ट है मैचुरेशन इंपॉर्टेंट है वाइगॉस्की के लिए नहीं है अच्छा प्याजे एक और चीज कहते हैं एक सिंपल बात यहां पर ध्यान रखना क्योंकि ये कह रहे हैं हेरिडिटी से डेवलपमेंट हो रहा है तो इनके लिए डेवलपमेंट से लर्निंग होती है यानी आप अगर भाषा भी सीख रहे हैं तो आपका संज्ञान विकसित हुआ होगा उससे आप भाषा सीख पा रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग डी एल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये है ना और अगर हम वाइगॉस्की की माने तो वो एल डी कहते हैं यानी लर्निंग से डेवलपमेंट वो कहते हैं पहले आप सीखते हैं एफर्ट करके फिर डेवलपमेंट होता है ये कह रहे हैं कॉम्युनिटी डेवलपमेंट से लर्निंग होगी आपका संज्ञान एज के साथ विकसित हुआ फिर आपको उस स्टेज की किताबें पढ़ाई जाएंगी क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। ठीक ये क्या कहते हैं थॉट से लैंग्वेज आती है यानी विचार से भाषा आएगी

क्या है महत्वपूर्ण है, है पेपर में मैच्यमईसई एम ई ई ये याद रखने का सिंपल निमोनिकेशन है, है. -E -E परिपक्वता कहां से होती है, है महत्व दिया है, है पहनने वाली जींस नहीं है, ये जेनेटिक है ठीक है ना अगर हम देखें जेनेटिक्स मैच्युरेशन परिपक्वता तो परिपक्वता एज के साथ आएगी कि बच्चे की हड्डियों में जाना है तब तो आप उसको चलना सिखा पाएंगे इसीलिए डेवलपमेंट से लर्निंग की बात कर रहे हैं ठीक तो मैचुरेशन इंपॉर्टेंट है इनके लिए हेरिडिटी एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है यानी एक्टिविटी एक्सपीरियंस का दूसरा नाम एक्टिविटी या अनुभव भी हो सकता है तो पेपर में चाहे मैचुरेशन मिले जेनेटिक्स मिले हेरिडिटी मिले बात बराबरी है एक्सपीरियंस यानी अनुभव जो एक्टिविटी जो दुनिया में आप अनुभव कर रहे हैं बच्चों को एक पेन भी मिलेगा मुझे याद है बहुत अच्छा पेन मुझे दिलाया था आ, मेरी आ, मदर ने यानी जो मेरी मामी जी है मैं वहां रहती थी गांव में तब और बहुत ही सुंदर पेन हम दोनों लेके आए थे बुलंदशहर से और आ, बहुत पसंद था मुझे वो पेन लेकिन मैं छोटी थी दो से सात वर्ष में ही रही हूँगी ठीक तो मुझे एक्सपीरियंस या एक्टिविटी करनी थी उसको तोड़ फोड़ के पूरा मैंने रेत में उसको खोल के, उसको खोल के उसमें स्प्रिंग वाला पेन था है ना तो लिटिल साइंटिस्ट इसीलिए कहा है प्याजी ने कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है उनको जो भी मिलता है वो क्यूरियस है बहुत ज्यादा जिज्ञासु है उनको जानना है इसमें क्या है ये कैसे होता है ये ठीक कैसे होगा फिर खराब हो जाता है रोते रहते हैं बेचारे है ना

अगर हम देखें फिर आता है सोशल इंटरेक्शन सिंपल सामाजिक अंतरक्रिया यानी बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है समाज से फिजिकल वर्ल्ड से आसपास लोग हैं अपनी समझ बना रहा है जबकि वाइगॉस की कह रहे हैं वो भर रहा है दिमाग में कहीं ना कहीं या प्याजी चचा बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल इक्लिब्रेशन की अगर हम माने संतुलन तो इक्लिब्रेशन क्या है बैलेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है इक्लिब्रेशन यानी इन चार फैक्टर्स से ही सारी जो आ, प्रोसेस है पूरे आपका जो ये सिलेबस है जो प्याजी की है। है प्रक्रिया आती है और ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेशन में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आता है चलिए समझते हैं कि संतुलन क्या है ठीक फटाफट से समझते हैं अब प्रोसेस ऑफ इक्न ब्रियम यानी संतुलन अब इस संतुलन की प्रोसेस में दो आस्पेक्ट और होते हैं ठीक है ना अगर हम देखें इक्लिश्न यानी संतुलन यानी जो दिमाग में है बच्चे के स्कीमा और समझ लेते हैं एक मिनट में स्कीमा मतलब जो भी दिमाग में भरा हुआ है है ना यानी इस फोन के स्कीमा में अगर नंबर हुआ किसका मॉम का माँ का पा का पापा का है ना भाई का यानी जो भी नंबर इसके अंदर है और मैं सर्च करती हूँ सिस्टर तो आ जाएगा निकल करके तो ऐसी ब्रेन है ये क्या इसके स्कीमा में है इसके अंदर फीडेड है तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में जिस तरह से चीजें फीडेड है जो पूरा एक नॉलेज का स्ट्रक्चर है उसको हम स्कीमा कह रहे हैं जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज मेंटल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो आ पाएगा अगर इधर उधर हॉच पॉच हो गया तो फिर वो नहीं निकाल पाएंगे आप मेंटल स्ट्रक्चर या हमारा मानसिक संरचना जो है या प्रीवियस नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है हमारा वो स्कीमा कहलाता है यानी ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन है या जो भी नॉलेज है जो भी सब इंफॉर्मेशन हम कहते हैं सिंपल शब्दों में है ना उस पर नहीं जाएंगे क्या डिफरेंस है तो अब उस जो दिमाग में वो जिस तरह से सेट है वो हमारा स्कीमा है इसमें बहुत सारी स्कीम्स हो सकती हैं है ना कि खाने को लेके एक स्कीमा होगा थियोरीज को लेके एक स्कीमा होगा पढ़ाई को लेके एक स्कीमा है जिसमें सीटेट अलग एक स्कीमा में होगा तो ये क्या है ये ऐसे ऑर्गेनाइज पैटर्न में हमारे दिमाग में चीजें स्ट्रक्चर्ड रहती हैं जिसको हम स्कीमा कह रहे हैं मानसिक संरचनाएं हैं इक्लिब्रेशन में दो चीजें हैं संतुलन कब होगा उस पर आएंगे लेकिन एक, में दो चीजें आती हैं अडेप्टेशन अडेप्टन और ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन है अनुकूलन यानी आप दुनिया में कैसे अडैप्ट करते हैं आप सर्दी में गए वहां अडेप्ट कर लिया कपड़े ज्यादा पहन लिए सर्दी है तो है ना गर्मी है तो अभी यहां पे ढोल बज रहा था मुझे अपनी स्पीड या आवाज बहुत तेज करनी पड़ी जिससे मेरे गले में भी थोड़ी सी समस्या मुझे फील करनी पड़ रही है ठीक अगर हम बात करें अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की तो अनुकूलन की जब हम बात करें यानी आप एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं अडेप्ट कैसे करेंगे अडेप्ट दो प्रक्रियाओं से करेंगे और क्या कह रहे हो यही है सर का दर्द जिसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में राड की जड़ बोन ऑफ कंटेंशन कि यहीं पे तो कंफ्यूज होते हैं पेपर में है ना तो आज नहीं होंगे आज के बाद ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें दूसरा पार्ट है इस इक्लिब्रेशन अब दिमाग में संतुलन कैसे बनाए वो है इक्लिब्रेशन यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है दोनों बैलेंस में है, है ना मैंने मेरे दिमाग में है पेन जब मैंने इस पेन को देखा तो मैंने कहा हाँ पेन ही तो है ये समझ में आ गया बैलेंस में है लेकिन मैंने कहा इसको पेन और ये निकला कैमरा तो मैं डिसिक्लीम में जाऊंगी तो बैलेंस की स्थिति जो दिमाग में है और दुनिया में है पूछ लिया जाता है पेपर में की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो प्रक्रियाएं हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है अगर पूछा जाए अडेप्टेशन के अंदर कौन सी प्रक्रिया है आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन एसिमिलेशन है चीजों को एड करना अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम में फिटिंग समथिंग न्यू इंटू योर एग्जिस्टिंग स्कीम यानी जो स्कीमा है जो स्कीम्स पहले से बनी हुई है उसके अंदर कुछ और नया फिट कर लिया आपने मेरे को पता था पेन ऐसा होता है पेन ऐसा होता है वो बचपन का पेन याद आ गया ये देख के वो ऐसा सही था बस कलर इतना ज्यादा नहीं था उसका ठीक तो पेन ऐसा होता है जिसमें एक इंक होती है और ऐसे लिखता है फिर मैंने एक दिन ये पेन देखा और मैंने कहा अरे यार ये हाथों पर नहीं लिख रहा अच्छा यहां लिखता होगा ये है ना मैंने क्या कर लिया एसीमुलेट कर लिया अब या तो मुझे पुराना स्कीमा चेंज करना पड़ा नहीं अपने पेन वाले स्कीमा में ही मैंने इसको एसीमलेट कर लिया ठीक है ना तो जब आप कुछ नया फिट कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं जब भी आप कुछ अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में दाल चावल मिक्स करके खाना सीख लिया बच्चे ने एसीमुलेट किया है है ना जब आपने अच्छा घड़ी ऐसी होती है और घड़ी दूसरी वाली भी होती है जो सुई से चलती है तो एसिमुलेट कर लिया घड़ी के स्कीमा में ऐड कर लिया एकोमोडेशन क्या है या तो आपको पुराने स्कीमा को बदलना पड़े पुराने स्कीमा को चेंज तो खैर दोनों ही सिचुएशन में हो रहा है चेंज ऐसा नहीं कि है यहाँ ही होगा लेकिन उतना डीप में हम जाएंगे नहीं एडजस्टमेंट एडजस्ट adjust करना पड़े कुछ मैनिपुलेट करना पड़े कुछ है ना ये सारे वर्ड जो हैं हालांकि ये डिपेंड करता है कि लाइन कैसे बनाई है इन्होंने पेपर में लेकिन अगर आपको बिल्कुल एंड मोमेंट पे ट्रिक चाहिए तो यही ट्रिक है कि एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन ये सारे जो हैं वो एकोमोडेशन में आते हैं एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन चेंज अगर की बात करेगा तो ज्यादातर एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू एक्जिस्टिंग स्कीम्स या तो पुराने स्कीमा को बदलना पड़े या नया बनाना पड़े तो ये अकोमोडेशन हो जाता है कि क्रिएटिंग न्यू स्कीमा और आप एकोमोडेट कर रहे हैं कुछ चेंज कर रहे हैं पुराने स्कीमा में तो वो एकोमोडेशन अभी इसका उदाहरण मैं वो घोड़े वाले एग्जांपल से दूंगी आसानी से समझ पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कुछ है नहीं ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली आप अपने ब्रेन में कैसे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हो जैसे आप अपनी अलमारी में एक सूट केस में के इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखते हो यहाँ पे शर्ट्स है यहाँ पे पेंट है तो ऐसी आप इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो इसमें सॉरी इसमें कोई और ज्यादा पार्ट है नहीं अडेप्टेशन आपको समझना है अब ये के अंदर आते हैं सब अभी अडेप्टेशन की प्रक्रिया में भी एसिमुलेशन और आकुण, आ, में आएगा ये है है वो है, बात बराबर ही है बस ये थोड़ी बड़ी प्रक्रिया है वो हिस्सा है तो इसलिए मैं आपको बता देती हूं अगर हम देखें यहाँ पे हमने एसिमुलेट किया हुआ था कि एक क्या होता है हॉर्स होता है बच्चे को पता था घोड़ा होता है उसने घोड़े को देखा कहा घोड़ा है ठीक है हॉर्स है बच्चे को ये नहीं पता था कि कैमल होता है बच्चे के दिमाग में कैमल का यानी कैमल का यानी आ, उसका ऊंट का कोई स्कीमा नहीं है मान के चल रहे हैं अब बच्चे ने देखा क्या कैमल उसने कहा यार आ, ये घोड़ा है जिसकी एक हम्प निकली हुई है बड़ी सी ये ऊंचा घोड़ा है जिसकी एक हम्प है ये कहा उसने हाँ ठीक है भाई होगी तो क्या है ये एसिमिलेशन दर्शाया उसने आत्मसात उसके दिमाग में जो भरा था उसने वो बता दिया है ना कि तो ये वाला घोड़ा है फिर किसी ने कहा नहीं 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 ये घोड़ा नहीं है तो डिसिक्ली होगा है ना ब्रेन में कंफ्यूजन होगी असंतुलन बनेगा फिर असंतुलन के बाद क्या होगा फिर कोई समझाएगा बेटा ये कैमल होता है ये अलग एनिमल है ऐसा बिल्ली और कुत्ते के बीच में भी कंफ्यूजन हो तो लग सकता है ऐसा पक्षी और एरोप्लेन को देख के भी बच्चे को लग सकता है कि वो एरोप्लेन को देख के पक्षी कहे अगर तो इसका मतलब उसने जो एसिमिलेट किया हुआ है वो पक्षी किया हुआ है और आप उसको हां ठीक है तो आप उसको एसिमुलेशन कहेंगे क्योंकि उसने जब आप उसको चेंज करना पड़ेगा पक्षी अलग है और ये अलग है हेलीकॉप्टर तो अकोमोडेट करना पड़ेगा अब बच्चे को जब हॉर्स अलग है और कैमल अलग होता है तो एकमोडेट करना पड़ेगा या तो पुराने स्कीमा में चेंज करेगा एडजस्ट करेगा इसी चीज को या फिर नया स्कीमा बनाएगा कैमल का ठीक इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं सिंपल इसमें चार प्रोसेस हैं प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन अनुकूलन की प्रक्रिया में हमारा स्कीमा अपडेट कैसे होता है एक नंबर का क्वेश्चन है तो स्कीमा अपडेट होगा अडेप्ट करके अडेप्टेशन की प्रक्रिया से और अडेप्ट कैसे होता है एसेमुलेट और एकोमोडेट करके ठीक है ना स्कीमा अपडेट होता है हमारा हम कुछ भी अपने दिमाग में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे ही करेंगे या तो हम ऐड करेंगे या तो चेंज कर देंगे पुराने को एसिमिलेशन क्या है जोड़ना कुछ नया एड करना है ना कोई भी इंफॉर्मेशन आपने फिट fit की फिटिंग समथिंग न्यू इन टू यगजिस्टिंग स्कीमा न्यू है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने एड कर लिया सिंपली ठीक है आपको पता था हॉर्स होता है हाँ आपको पता है हॉर्स है भाई यानी घोड़ा है आपको पता है पक्षी होता है चलो बर्ड आपने देख लिया उड़ता है बिल्ली है या कुत्ता है मान लीजिए डॉग है आपको पता है उसके चार टांगे हैं एक पूछ है आप कहीं हाँ ठीक है, है डॉग है अब जब आपने ऐड कर लिया एसीमुलेट किया हुआ है इक्लिब्रियम में है आपका ब्रेन संतुलन में है जब आपने अगली बार डॉग को देखा या हॉर्स को देखा तो आपने कहा हॉर्स है तो चलो बात दिमाग में जो था दिमाग में जो हॉर्स की डेफिनेशन थी और जो बाहर देखी दोनों बैलेंस में है ठीक इक्विब्रेशन है अब नई सिचुएशन आएगी नई सिचुएशन क्या है आपने कैमल को देख के हॉर्स कह दिया कि ये तो बड़ा सा हॉर्स है ये नई स्थिति है किसी ने कहा बेटा ये हॉर्स यहां तक एसिमुलेशन था क्योंकि किसी ने जब तक आपको छेड़ा नहीं कि ये क्या है या ये ऐसे नहीं ऐसे है तब तक तो एसिमुलेशन दिखाया आपने जब आपने कहा ये तो हम्प वाला घोड़ा है तो ठीक है बच्चे के दिमाग में जो एडिड था एसिमुलेटेड था उसने कह दिया लेकिन जब नई सिचुएशन आई किसी ने कहा यह घोड़ा नहीं है बेटा ये ऊंट होता है ये अलग जानवर है सॉरी पशु है या वॉट तो अब नई सिचुएशन ने क्या किया जब किसी ने कहा यह ऊंट नहीं है सॉरी ये हॉर्स नहीं है अब उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई असंतुलन अच्छा हॉर्स डज नॉट इक्वल टू कैमल ओ हो हो जो दिमाग में पहले से था और जो नया देखा वो दोनों बैलेंस में नहीं है मैच नहीं कर रहे है ना जैसे आपका वो बायोमेट्रिक मैच ना करे मान लो भैया ये किसी और के नाम पे किसी और का आधार कार्ड चेंज कराने आया वो नहीं मैच कर रहा यानी जो इन्फॉर्मेशन पहले से फीडेड थी और जो आपने अभी देखी है नई सिचुएशन में वो दोनों मैच नहीं कर रहे तो डिसक्म है अगर मैच करें तो संतुलन है क्म है अब इस डिस इसम से निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको पुराने स्कीमा को या तो चेंज करना पड़ेगा या नया स्कीमा बनाना पड़ेगा यानी या तो यह समझना पड़ेगा कि हॉर्स अलग है कैमल अलग है यानी और कैमल का एक नया स्कीमा बनाएंगे हम ठीक और अगर किसी प्रजाति का हॉर्स होता तो वो ठीक हो जाता मतलब उसमें चेंज हो जाता तो जब आपको चेंज मैनिपुलेट एडजस्ट ये सब करना पड़े तो एकोमोडेट यानी पुराने स्कीमा में चेंज किया है या नए स्कीमा को क्रिएट किया है तो ये सिंपल सी बात है बाकी तो अंतहीन है इसके एग्जाम्पल भी और समय हमारे पास लिमिटेड है अब चार स्टेजेस फटाफट से पढ़ लेते हैं प्याजे की मेरा मन तो ये है एक ही लाइन में आपको करा दूं ये चारों स्टेज बट चलो बता देती हूँ फटाफट से देखेंगे चार स्टेज हैं प्याजे की इतने आप लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर दो क्वेश्चन मैंने एक आध एग्जाम में लेके जा सकते हैं क्या लेके जाना है वॉच नहीं वॉच नहीं लेके जा सकते भाई एग्जाम में डाउट लूंगी लास्ट में रूब्रिक बताऊंगी अभी आएगा सीसी सी वाला टॉपिक आएगा ना तब बताऊंगी देखो एक बार अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लीज फास्ट चलो फास्ट चलते हैं बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं ठीक है मैराथन चल रही है वैसे भी है ना 21 किलोमीटर इक्कीस किलोमीटर दौड़ेंगे आज चलिए आते हैं हाँ क्योंकि बारह बजे तक ऐसे खत्म हो नहीं पाएगा अगर हम इसी स्पीड पर चलेंगे तो सेंसरी मोटर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सेंसरी मोटर है जन्म से दो वर्ष इनकी चार स्टेजेस है एसपी सी एफ सेंसरी मोटर

तो पंद्रह वर्ष तक ये कह रहे हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट दिमाग का हो ही जा रहा है संज्ञान का कॉग्निशन का जो भी काम दिमाग से हो रहा है प्याजी के अकॉर्डिंग तो एसपीसीएफ सेंसरी मोटर जिसको इंद्रिया गामक कह रहे हैं आप एक तरह से इन्फेंसी मान लो जन्म से दो वर्ष प्री ऑपरेशनल जो है वो पूर्व संक्रियात्मक है दो से सात वर्ष जो दूसरी स्टेज है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है सात से ग्यारह और फॉर्मल ऑपरेशनल है ग्यारह से पंद्रह ठीक है आज मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिली एग्जैक्टली exactly. चलो भाई बहुत बढ़िया ढाई घंटा हो जाएगा ना सेंसरी मोटर की ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक भी इसी में करती है और अचीव भी इसी में हो जाती है यानी वस्तु स्थायित्व का गुण और उसकी कमी दोनों इसी स्टेज में होती है क्यों क्योंकि शुरुआत के आठ महीने बारह महीने तक वस्तु स्थायी नहीं होती और फिर धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है क्योंकि मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से अपने हाथों से अपने कानों से सोचता है यानी अपने सेंसेस से सोचता है तो वो यही स्टेज है हमारी हम देखते हैं सुनते हैं टच फील सेंस ये सब जो चीजें मतलब स्मेल सॉरी टच फील स्मेल ये स, जो हमारी आ, है हियरिंग है ये जो पांच टेस्ट है ये जो पांच सेंसेस है हमारे फाइव सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज करके मोटर जहां भी मतलब गति की बात हो रही है तो सेंसिस प्लस मोटर एक्टिविटीज करके यानी चल फिर के और अपने सेंसेस से बच्चा समझ बनाएगा दुनिया की सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज यानी इस स्टेज में बच्चे के जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो उसके लिए उसके शिक्षकों का काम करती है जैसे शिक्षक आपको सिखाते हैं वैसे ज्ञानेन्द्रियां आपको क्या कर रही होती है सिखाने का काम कर रही होती है बच्चा हर चीज को छू के देखेगा टच करेगा सुनेगा पकड़ के देखेगा गर्म है तो अच्छा उसको समझ आ जाएगा तो वो ज्ञानेन्द्रियों से सीखता है सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड यानी दिमाग से नजर से दूर तो दिमाग से दूर नहीं ये नहीं होता इसी स्टेज में इसकी कमी है शुरुआत में और इसी स्टेज में ही अचीव भी हो जाता है काफी हद तक ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात है और आ, कई लोग आ, ये भी मतलब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब मानते क्या ऐसा होता ही है कि दो साल के बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बस अब खत्म हो गया आगे भी चलता रहेगा मतलब और स्टेज में भी वो पक्का होता रहेगा खैर वो अलग कहानी है बट आपको सिंपल जानना है पेपर में आया हुआ है ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस की देखिए इतना ज्यादा जब आप पढ़ रहे होते हो ना सालों साल से पढ़ा रहे होते हो बहुत मुश्किल होता है एक छोटे सेशन में उस चीज को करा पाना क्योंकि जब आपका ज्ञान कम होता है तो आप कम समय में करा सकते हो लेकिन चीजें इतनी होती है ना जब अंतहीन अगर एक शब्द ना लिखा हो तब भी यहाँ पता नहीं कितने घंटे तक सेशन तो ऐसे ही चलता रहेगा देखिएगा तो बहुत जरूरी है ये मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि चीजों को स्क्वीज करना कम समय में ज्यादा चीजें डालना ठीक अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस देख लो अपनी तारीफ भी कर दी है ना तारीफ करने का तरीका अपनी तारीफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट ये सच है મને મેરકો બહોત ચેલેન્જિંગ ફીલ ہوا ہے કે પિછલી બાર ભી આપ દેખે જબ મેરેથોન મેને પિછલે સાલ કરાઈ થી 9 ઘંટી કી મેરેથોન મે વો 3 અલગ પાર્ટ્સ મે કરાઈ હે ઇસી લિયે ક્યોકી ડિટેલ મે ચલે જાતે હે ફિર હમ બટ ડિટેલ મે જના નહીં હે ઓબ્જેક્ટ પરમેનન્સ યાની વસ્તુ સ્થાયી તો આઉટ ઓફ સાઈટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ નહીં હોતા શુરુઆત મે મતલબ આપ બચ્ચે કો એસે કહેંગે તા તું આ હાથ હટાતે હે વો ખુશ હો જાતા હે અરે મમ્મી આ ગઈ વો પાસ હે ના उसका खिलौना कहीं आपने छिपा दिया चादर के नीचे वो ढूंढता नहीं है शुरुआत के कुछ महीने में लेकिन एक साल का होते होते वो ढूंढना शुरू कर देता है रोना शुरू कर देता है उस चीज के लिए यानी ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में परमानेंट होता जा रहा है दूसरी चीज है डेफर्ड इमिटेशन डेफर्ड इमिटेशन है अनुकरण करना लेकिन विलंबित यानी एक दिन मम्मी को देखा मेकअप करते हुए अगले दिन कुछ नहीं तीन दिन बाद बच्चे ने लिपस्टिक लगाई हुई थी आंखों पे और काजल लगाया हुआ था होटो पे एकदम ताड़का बनके जो है डरावना सा दिख रहा था तो डेफर डिमिटेशन है भैया पापा को उसने शेव करते हुए देखा और कुछ दिन बाद उसने भी वही चीज रिपीट की यानी दिमाग में वो रख लेता है मेमोरी की वजह से और बाद में रिपीट करता है चार से पांच क्वेश्चन चार क्वेश्चन प्याज से आए हुए हैं इसलिए जरूरी है पढ़ना अगर हम बात करें डेफर डिमिटेशन की उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आगे भी जीवन में रहता है ऐसा नहीं है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि ये चीजें आ गई तो रहेंगी तो सही ना तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्री ऑपरेशन भी रहेगा लेकिन जो इसकी विशेषता है जिस स्टेज की वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी की है यानी उसके लिए आ, दिशा निर्देशित व्यवहार अगर बच्चे को दिख गया रखा हुआ कुछ रखा हुआ है वहां टेबल पे बॉटल रखी हुई है खिलौना रखा हुआ है कुछ भी रखा हुआ है मिठाई रखी हुई है अब वो जाएगा उसकी तरफ भागता हुआ है ना भागता हुआ मतलब भा, नहीं भी चल सकता तो क्रॉल करके के के चल के जाएगा उसके लिए वो गोल है तो गोल की डायरेक्शन में वो क्या करने लगता है एक्टिविटी करने लगता है उसके लिए गोल ये नहीं यूपीएससी क्लियर करना है टीचर बनना है इस साल है ना उसके लिए गोल है वो बॉटल रखे सामने उस तक पहुंचना देखना क्या है तो ये गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर जन्म से दो वर्ष में ही आ जाता है तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें बाकी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज है दो से सात वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंखों में हो गया दर्द अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल में सिम्बॉलिक स्टेज है ये बच्चा सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगेगा बता ही दिया था फंक्शन लिखा हो चाहे पेपर में सिम्योटिक फंक्शन ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा इगो सेंट्रिक होता है ये प्रॉब्लम है अपने आप में एक अच्छा एक क्वेश्चन था मैंने आपको कराया था उसको मैंने बाद में करेक्ट शायद नहीं कराया Uh, जो डिसन और इगो सेंट्रिक वाला था कि दूसरे का पर्पेपेटिव नहीं समझ पा रहा है तो वो इगो सेंट्रिक थिंकिंग आप उसमें लगा सकते हो वो बेहतर आंसर है डिसेंट्रेशन उसका एक रीजन है बट जो ओवरऑल uh, अगर हम देखेंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट ईगो सेंट्रज्म है ईगो सेंट्रिज्म क्या है दूसरे के पक्ष को ना समझ पाना अपने आप को सेंटर में रखना उसको लगेगा पापा जी ऑफिस से आए मैंने कहा था कार लाने को आप पापा चाहे नौकरी से निकाल दिए गए हो बट बच्चे का ध्यान रहेगा कार क्यों नहीं लाए वो इस बात पर रोएगा यानी उसको अपनी फीलिंग्स उसको जो कार्टून पसंद है वो सबको पसंद होना चाहिए जैसा वो महसूस करता है किसी चीज के बारे में वैसा सब महसूस करें ऐसा वो सोचता है तो या सिम्बॉलिकॉटिक ईगोसेंट्रिक इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे बच्चा इगोसेंट्रिक है सिम्योटिक है ये सब तो है ही डिसेंटर करने में उसको प्रॉब्लम होती है यानी विकेंद्रीकरण यानी किसी चीज का एक इस्तेमाल हो सकता है उसके दिमाग में यही चलता है कि अगर बर्तन लंबा है तो इसमें ज्यादा पानी आएगा चौड़े बर्तन से क्योंकि उसका ध्यान नहीं है कि इसको चाहे इसमें डालू चाहे इसमें डालू वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है तो सारे पहलू नहीं देख पाता इसलिए लैक ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण की कमी होती है ये बात भी हमें पता है ठीक एक और चीज है इसको भी दो भागों में बांटते हैं बट मैं कराऊंगी नहीं सीटेट में पूछा नहीं जाता बेकार में आपके सर में दर्द होगा एक इसमें होती है आपकी इंट्यूटिव स्टेज दूसरी होती है सिंबॉलिक स्टेज जरूरत नहीं है आपको वो दो से चार और चार से सात दो भागों में होती है ये भी इट अच्छा यहां पे लॉजिक की कमी होती है इंट्यूशन बेस्ड होती है चीजें जिसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं ना वो होती है यानी बच्चा अनरिलेटेड इलॉजिकल थिंकिंग एक तरह की ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है कि उसका लॉजिक नहीं है कोई चीजों का अच्छा मेरी बॉल गोल है चंदा मामा भी गोल है तो चंदा मामा मेरी बॉल के जैसे हैं कोई भी दो अनरिलेटेड इवेंट्स को वो जोड़ देता है इंट्यूटिवली उसके मन में बहुत चीजें आ रही होती हैं दुनिया भर के सवाल पूछता है रीजन सही नहीं होता उनका तर्क नहीं होता उसके पास लेकिन कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है वो सीखता है आसपास से बोलता है बहुत कुछ तो इंट्यूटिव स्टेज भी है एक तरह से चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो लैक ऑफ कंजर्वेशन है बस एक चीज इसमें अच्छी है कि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चा भाषा के माध्यम से सिंबल्स के माध्यम से सीखना शुरू कर देगा ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बाकी सारी इसकी कमियां ही हैं चाहे वो डिसेंट्रेशन हो वो नहीं कर पाता सेंटर्ड है सेंट्रेशन भी इसकी कमी है लैक ऑफ कंजर्वेशन इसकी कमी है क्लासिफिकेशन नहीं होता सीरिएशन नहीं होता ये सब कमियां हैं लिमिटेशन है ठीक है ना लेकिन थॉट सिंबल्स के थ्रू भाषा के माध्यम से वो सीख रहा है ये उसकी अच्छाई है सिमियोटिक फंक्शन का आ जाना अगर हम देखें यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होना ईगो सेंटर होना भी प्रॉब्लम ही है ठीक है ना ये यहाँ पे किसका उदाहरण है दो ग्लास में बराबर पानी था कोल्ड ड्रिंक थी वॉट है ना और एक ग्लास से पतले वाले ग्लास में डाला गया और बच्चे ने कहा पतले वाले ट्यूब में ज्यादा पानी है उसको लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है वो लंबा है एनिमिज्म भी होता है यहाँ पे सजीववाद बच्चे को लगता है निर्जीव चीज भी सजीव है यानी लिविंग और नॉन लिविंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता ठीक है ना लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता डी नहीं कर पाता सारी जो महिलाएं होती है उसको मम्मी नजर आते हैं वो सबको मम्मी कहता है एक टाइम पे ये वही वाली स्टेज है है ना तो एनिमिज्म की अगर हम बात करें सजीववाद सजीववाद में निर्जीव को सजीव सजीव को निर्जीव मतलब उल्टा तो नहीं करेगा बट निर्जीव चीज को भी इस टेबल को भी इस को भी अगर ये गिर गया उसे लगेगा चोट लगी है जैसे कई लोगों को लगता है उनका फोन गिर जाए तो उनको लगता है हायरे चोट लग गई बेचारे को जैसे वो सच में फील कर पा रहा हो ठीक तो ये सजीववाद भी यहां पे होता है दूसरा आपको लगता है कि जो एक ही क्वालिटी पे फोकस है डिसेंटर नहीं कर पा रहा बच्चा वो ये नहीं देख पा रहा भाई बर्फ पानी बन सकती है पानी बर्फ बन सकता है रिवर्सिबल थिंकिंग उसकी नहीं हो पाती ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है अगर कोई बच्चा ये कहे एक रुपए के एक एक सिक्के के द, जो दस सिक्के हैं वो ज्यादा हैं एक दस रुपए के नोट से इसका मतलब समझ जाओ वो बच्चा दो से छह वर्ष की अवस्था में है दो से सात वर्ष की अवस्था में प्री ऑपरेशनल में है क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा भाई पतले ट्यूब में डालो पानी को चौड़े बर्तन में डालो बराबर ही रहेगा यानी शेप और साइज के परिवर्तन से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता तीसरे स्टेज में आ, आ जाते हैं फटाफट से मैं रिवाइज करा रही हूं आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन सात से ग्यारह कॉन्क्रीट ऑपरेशन में तीन चीजें आती है सीसीएस है ना सीसीएस ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है अगेन मैं सेम बात कहूंगी कंजर्वेशन यानी संरक्षण अब बच्चे को पता है शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता वॉल्यूम सेम रहता है यानी कि उसको पता है कि आप एक बॉल को जो क्ले मिट्टी की बॉल है उसको आप एक सांप बना दो चाहे उसको एक गोले में रखो बात बराबर है दोनों बराबर है यानी आपने अगर शेप और साइज चेंज किया है है ना अगर आपने इस बॉटल से इस मग में पानी डाला है और वो बराबर पानी है तो वो बराबर ही रहेगा वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आएगा आकार और प्रकार के बदलने से ये है कंजर्वेशन संरक्षण का गुण ठीक अब वो डी सेंटर करने लगता है ईगो सेंटर जाने लगता है इस स्टेज में अगर हम बात करें लॉजिक आ जाता है सबसे बड़ा जो इसकी महारत है वो है तर्क इससे पहले तर्क नहीं था ऑपरेशन का मतलब ही है इनकी थियोरी में ऑपरेशनल का मतलब लॉजिक तो प्री

चीजें तो बहुत है इसमें स्टेज में कंजर्वेशन का एक उदाहरण ये हो सकता है या डिसेंटर अगर आप कर पा रहे हैं कि एक जगह पे ये छह बॉल्स हैं और इनको फैला दिया गया है तब भी बात बराबर ही है ये डिसेंटर कर पा रहा है बच्चा विकेंद्रीकरण सेंट्रेशन का मतलब क्या सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है कि जो ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा है ठीक जब दोनों को बराबर मानने लगे समझ जाओ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ गई है क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करूं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर चीजों को विभाजित करने लग जाएगा ग्रीन के साथ ग्रीन आयत के साथ आयत या वर्ग के साथ वर्ग यानी जो आपका ये क्या कहते हैं उसको <coughs> स्क्वायर के साथ स्क्वायर रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल तो अलग अलग कैटेगरी में उसको विभाजित करना आ जाएगा क्यों रहे हैं भाई ठीक अगर हम बात करें सीरिएशन की तो सीरिएशन यानी सीरीज में लगाना घटते से बढ़ते बढ़ते से घटते ये आपको पता है रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है जो रिवर्सिबल थिंकिंग वहां नहीं होती दो से साथ में इ थिंकिंग होती है बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता थिंकिंग को अभी बताया था ना बर्फ पानी बन सकती है पानी बर्फ बन सकता है रिवर्स नहीं कर पाएगा उसका दिमाग स्कूल से घर जाना घर से स्कूल आने में उसको दिक्कत होती है एक से सौ तक गिनती आसान लगेगी सौ से एक तक में दिक्कत होती है ये प्री ऑपरेशनल है रिवर्स करने में जैसे कई लोगों को गाड़ी भी सीखते हैं ना वो तो रिवर्स में उनको दिक्कत रहती है है ना ये रिवर्स थोड़ा सा हमें बात तक भी लगता है हल्का सा जितना हम आगे की तरफ जाते हैं उससे रिवर्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो रिवर्सिबल थिंकिंग की जो मेन दिक्कत है वो दो से सात वर्ष में है हिंदी भी यूज कीजिए अच्छा कर लेंगे यार आगे सारी हिंदी ही है देखो एक बार फॉर्मल ऑपरेशनल इसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको अलग से नहीं पढ़ रहा है मैं यहीं पे चारों बता देती हूं एक ही साथ बता देने चाहिए थे देखो एक बार समय बच जाता थोड़ा देखिए सेंसरी मोटर जन्म से दो वर्ष ठीक इस पर मुझे लिखना पड़ेगा येलो कलर से देखिए जन्म से दो वर्ष आपको पता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिशा निर्देशित व्यवहार डेफर्ड इमिटेशन विलंबित वो जो मेकअप वाला उदाहरण दिया था विलंबित अनुकरण आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड यहीं पे कमी है य पे अचीवमेंट है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस ठीक है अपने सेंसेस से सोचता है ठीक ऑब्जेक्ट परमानेंस देख पा रहे हो कि नहीं दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है यार इससे तो ब्लैक पे लिखना पड़ेगा येलो से ना लिखे हाँ कमाल ही कर दिया मैंने तो ये कत तो ही गिफ्टेड वाली हरकत थी है मेरी है ना देखेगा एक बार ब्लैक से लिखना पड़ेगा ब्लैक है नहीं है हमारे पास अभी देखो यहाँ पे ठीक है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस ओ पी ठीक गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर जीडीबी और क्या था जल्दी बताओ डेफर्ड इमिटेशन डी आई और सेंसस से तो सीखता है ये बच्चा सिंपल बात शॉर्ट में लिखेंगे ठीक अब दो से सात वर्ष है प्री ऑपरेशनल इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं यानी लिमिटेशन है बस एक चीज अच्छी है वो है वो सिंबॉलिक थौट। सिंबॉलिक थौट। सिंबॉलिक थॉट 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 से सीखेगा है ना देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो तो सुन लो यार नहीं देख पा रहे हो तो दिख रहा है तो देखो दो से सात वर्ष में और क्या था यहां पे आपका इन रिवर्सिबल थिंकिंग है थिंकिंग रिवर्स नहीं कर पाता बर्फ पानी बन सकती है पानी बर्फ ये नहीं सोच पाएगा लैक ऑफ कंजर्वेशन है डिसेंटर नहीं कर पाता सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है और क्या होता है कंजर्वेशन की कमी होती है लॉजिक की कमी होती है अभी लॉजिक भी नहीं आया लैक ऑफ लॉजिक कॉन्क्रीट देखो इसको प्री ऑपरेशनल को पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक सेंसरी मोटर को इंद्रिय गामक कॉन्क्रीट को मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं ठीक है जी सात से ग्यारह की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कंजर्वेशन अच्छी हो जाएगा यानी संरक्षण का गुण के बर्फ पानी बन सकती है पानी बर्फ बन सकता है यानी कर पाएगा इगो सेंटर ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा है ना वो दूसरे के परसपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा यानी इगो सेंट्रिक है इगो सेंट्रिक थिंकिंग है ठीक खुद को ही सेंटर लगता है कंजर्वेशन हुआ क्लासिफिकेशन हुआ सीरिएशन हुआ लॉजिक कॉन्क्रीट चीजों को लेके ये सब आ जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले यही आ जाती है जो आगमनात्मक चिंतन कह रहे हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल है मूर्त संक्रि, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 साल मैक्सिमम डेवलपमेंट आपके ब्रेन का इसी एज में हो जाता है और मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब वो मुश्किल सवाल फिजिक्स भी पढ़ने लगेगा एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचना है ना हाइपोथेसिस कर पाना जैसे मैंने डेथ वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कर पाएगा और अगर हम बात करें किस चीज की हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्प हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन यानी हाइपोथिस करके डिडक्टिव लॉजिक यानी रूल्स से एग्जाम्पल ओर अमूर चिंतन यही दो विशेषताएं हैं अडोलसेंट इगोसेंट पर्सनल फेबल यही होता है अच्छा एक और चीज उन्होंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रहे हैं कलेक्टिव मोनोलॉग कलेक्टिव मोनोलॉग होता है सामूहिक एकालाप तीन से पांच वर्ष यानी आप ये कह सकते हो लगभग इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में कलेक्टिव मोनोलॉग आएगा जब बच्चे दो एकम दो 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 चार पूरा स्कूल गा रहा है लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं बच्चे अपने खिलौनों में खेल के लगे हुए हैं सब कुछ कुछ बोल रहे हैं क्लास में जब आप क्लास में जाने से पहले एज अ टीचर आप देखते हैं शोर सबकी बात चीन पे सब चल रहा है कुछ ही चल रहे हैं बस बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा तो यानी कलेक्टिव मोनोलॉग सब अपना अपना बोले जा रहे हैं कलेक्टिवली बात कोई किसी से डायरेक्ट नहीं कर रहा तो वो दो से सात वर्ष में आएगा कलेक्टिव मोनोलॉग अब आ जाते हैं वाइगॉस्की पे फटाफट समझते हैं वाइगोस्की को दो मिनट के अंदर ये थोड़ा ज्यादा हो गया सोशलनेटिव डेवलपमेंट की, की, की लेकिन इनकी थियरी का नाम जो है वो सोशियो जैसे प्याजी की थियोरी का नाम था कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है ना लेकिन इनकी थ्योरी का नाम कॉग्नेटिव ना डेवलपमेंट हो होगी इन्होंने संज्ञान बच्चे के दिमाग के विकास की बात की लेकिन ये कह रहे हैं इनकी थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी चौतीस पैंतीस वर्ष में और लेकिन उन्होंने बहुत एमिनेंट काम किया इन्होंने देखा जब इनके जो दो बच्चे थे जब ये कुछ किचन में या कुछ काम कर रहे होते थे तो इन्होंने देखा कि वो फटाफट से सीख जाते थे तो इनका सारा ध्यान इस बात पे कि हम सोसाइटी और कल्चर से जिस समाज में जिन लोगों में हम रह रहे हैं बहुत जल्दी से हम सीख जाते हैं एज मैटर नहीं करती डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है सतत है चलता रहता है है ना आप एज से पहले भी कुछ सीख सकते हैं आप अपने से छोटे से भी सीख सकते हैं बड़े से भी तो सोशल इंटरेक्शन एस सी एल सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी थियोरी में सामाजिक अन्यों ने किया कर देखिए याद रखेगा पेपर में अगर इंटरेक्शन की जगह आइसोलेशन आ जाए ना तो आपको फंसाने के लिए बनाया गया है वो ऑप्शन आइसोलेशन यानी अलगाव नहीं होता आइसोलेशन इन्होंने ये नहीं कहा बच्चे को सोशल आइसोलेशन में रखो इन्होंने कहा सोशल इंटरेक्शन इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत करे वो अंत क्रिया करे अन्योन क्रिया करे समाज में अब समाज में उसके पियर्स यानी उसके दोस्त हो सकते हैं क्लासमेट्स हो सकते हैं पियर्स होते हैं आपकी सेम एज के लोग वो क्लासमेट्स भी हो सकते हैं आपके बुआ फूफा के बच्चे हो सकते हैं मतलब कजन हो सकते हैं आपके है ना तो ये पियर्स सोशल इंटरेक्शन जो भी समाज में अपने से बड़ों से इंटरेक्ट करेगा तो चार चीजें अच्छी सीखेगा कुछ लोग बहुत कम उम्र में खाना बनाना सीख जा रहे हैं कैसे देख रहे हैं वो आसपास करते हुए और इंटरेक्ट करके वो सीख जा रहे हैं ठीक है कुछ लोगों को बड़े होते भी नहीं आया कल्चर यानी संस्कृति संस्कृति किस संस्कृति में कि, किस तरह की किताबें किस तरह का कल्चर किस तरह के कस्टम क्या त्यौहार मना रहे हैं आप तो संस्कृति से भी क्या आपके यहाँ कहानियां चलती हैं बहुत कुछ हम सीखते हैं भाषा बहुत ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बींग का इन्होंने कहा है भाषा के माध्यम से हमारा संज्ञान का विकास तो इनके लिए लैंग्वेज से डेवलपमेंट हो रहा है एक तरह से या लर्निंग से डेवलपमेंट हमने कहा ही था कि आपने भाषा सीखी फिर उससे आपका डेवलपमेंट होगा यानी आपने इंग्लिश सीखी फिर आपने अपना डेवलपमेंट किया उसका लिटरेचर पढ़ के उसके इतिहास को पढ़ के दुनिया भर की चीजें वाइगॉस्कियन लैंग्वेज के बारे में क्या बात है वाइगॉस्की मानते हैं कि भाषा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से जन्म लेती है जब आप लोगों में इंटरेक्ट करते हैं भाषा वैक्यूम में जन्म नहीं ले सकती है वैसे भी भाषा वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को मनुष्य का सबसे बड़ा यंत्र माना है यानी भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ को हमारे संज्ञान को बहुत हद तक विकसित कर सकते हैं मैं और आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते इतनी दूर से देश भर से आप लोग देख रहे हैं अलग अलग जगह से इतनी रात को हम लोग बैठे हुए अभी तो रात कहाँ हैं साढ़े नौ है तो अगर हम देखें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते अगर भाषा नहीं होती चाहे वो लिखित भाषा हो चाहे वो मौखिक जो मैं बोल के बात कर रहे हूं साइन लैंग्वेज की भी बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है है ना तो भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ को बेहतर करते हैं है ना मुझे लगता है कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या ही सीख पाते हैं हम बेसिक चीजें क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं सोच पा रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे संज्ञानात्मक विकास में एज पर वाइगॉस की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD मोर जेबल अदर ये व्यक्ति आपसे छोटा हो बड़ा हो टेक्नोलॉजी हो यूट्यूब हो कोई भी जो आपसे ज्यादा जानता है उस सीडीपी uh, में आपको 30 में से 30 आसानी से आसानी दिलवा सकती बहुत सारे लर्नर्स ने और मेरे को पता है कि मेरी नॉलेज बेहतर है उस चीज में ठीक है ना ये क्या हुआ कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है है ना ऐसा ये प्रूवन चीज है और लड़ाकों लोगों ने किया है तो अगर मैं देखूँ मोर नॉलेजेबल अदर की बात तो ये क्या है वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है एज में छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता आप किसी बड़े को भी सिखा सकते हैं हमारी आप अपने दादाजी को फोन चलाना सिखा सकते हैं तो आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो गए आप खुद सीख सकते हैं किसी व्यक्ति से मैथ्स पढ़ना या कुछ भी यूट्यूब से वीडियो से देख रहे हैं तो वो भी मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही है वो वीडियो उस समय पर ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या करता है स्कैप फोल्डिंग देता है ये एक प्रोसेस है वो एक व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है स्कैप फोल्डिंग क्या है एक प्रोसेस है प्रक्रिया है टेम्परे हेल्प की वो हेल्प तब तक मिलेगी जब तक आप खुद से नहीं करना सीख जाते अच्छा जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि अलमीरा को एक बच्चे जो अलमीरा खोलती है पहले उसका हाथ उस अलमीरा तक उस कबर तक जाता नहीं था लेकिन अब उसकी हाइट बढ़ गई अब उसका हाथ उस कब तक जाता है अब वो अलमीरा खुद से खोल सकती है तो इसमें क्या हुआ है ये स्कैप है कि ग्रोथ है तो भाई साहब और बहन जी ये ग्रोथ है ठीक है ना ये क्या है वृद्धि है ये स्कैप नहीं है क्योंकि स्कैप फोल्डिंग टेम्प्रेरी हेल्प है किसी ने उस बच्ची को चेयर दे दी होती या सीढ़ी दे दी होती और कहा होता कि अब तुम अलमारी में अलमारी को खोल लो तो तो वो हो जाती स्कैप फोल्डिंग टेम्प्रेरी अस्थाई मदद आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं पीछे से आप अटक गए हाइट मिलना, 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 बड़ी है बच्चे की वो परमानेंट है भाई वो ग्रोथ का हिस्सा है तो ये जो हेल्प है ये स्कैप फोल्डिंग हेल्प को कहते हैं कौन मोर जोन ऑफ प्रोक्सीम डेवलपमेंट में ये दी जाती है मदद अब ये होता क्या है

जब आपको स्कैप फोल्डिंग मिल जाए मदद मिल जाए किसके द्वारा मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो आप सी के लिए मुझे देख रहे हैं नोट्स पढ़ रहे हैं बैच लिया आपने तो क्या कर रहे हैं आप स्कैप फोल्डिंग ले रहे हैं किससे जो लोग आपसे ज्यादा जानते हैं उस क्षेत्र में ठीक है ना उस फील्ड में तो जेडपीडी यानी वो दायरा कि जिसके अंदर आप आपके बीस नंबर आते थे, थे आप तीस ला सकते हैं अब कोई है जिसने टीचिंग ट्रेनिंग ही नहीं की तो भाई उसके दायरे में ही नहीं है उसको सीटेट क्यों देना है साइंटिस्ट मैं कल को कहूं आप साइंटिस्ट बन जाएंगे हेल्प लेके इस क्षेत्र में नहीं जो आपके दायरे में है जो संभावित विकास के क्षेत्र में है कुछ चीजें होती हैं जो इसके बाहर हैं जैसे साइंटिस्ट बनना अगर मैं कहूं तो हम कहेंगे भाई इस क्षेत्र के तो बाहर हैं अभी के लिए ठीक या आप कल को उड़ने लग जाएंगे तो आपके क्षेत्र के बाहर है उड़ने नहीं लग जाएंगे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ सकते हैं वो एक अलग बात है तो ये आपकी जो जेडपीडी के बाहर है यानी संभाव, संभावना भी नहीं है कि उड़ने तक आपका विकास हो जाए इसके अंदर वाली जोन के अंदर की जो चीजें वो आपको सिखाई जा सकती हैं जैसे बच्चे में क्षमता थी साइकिल सीखने की स्कैप फोल्डिंग चाहिए कौन देगा स्कैप फोल्डिंग पिताजी या कोई भी जो उससे ज्यादा जानता हो जिसको साइकिल चलानी आती हो है ना मैंने गांव में बहुत सारे लोगों को साइकिल चलानी सिखाई थी क्योंकि सीख लेती है जल्दी तो अब इसमें क्या हुआ मैं वहां पर स्कैप फोल्डिंग चाहे वो मेरे से एज में बड़ा हो या बड़ी हो व्यक्ति उसके लिए मैं एमके ओ बन गई या आप में से कई लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे ऑलरेडी लेकिन यहां सीडीपी में मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही हूं प्रोसेस क्या स्कैप फोल्डिंग दे रही हूं आपको जहां आप अटक रहे हैं वहां मदद दे रही हूँ ठीक कौन से दायरे में जेडपीडी में तो ये व्यक्ति जो देने वाला है ये मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा इसके फोल्डिंग एक प्रक्रिया है जो दी जा रही है मदद की प्रक्रिया लेकिन ये टेम्प्रेरी है तब तक दी जाएगी जब तक आप खुद से नहीं कर लेते है ना जब आप खुद से करने लग गए मतलब आपको ये टेम्प्रेरी हेल्प टीचर ने हिंट दिया हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दी क्यों दिया ये सब क्या है स्कैप है पूरा सॉल्व करके नहीं दे दिया अच्छा है और किसी की सहायता से कर सकते हो उसके बीच बेसिकली को चलो कोहलबर्ग पे आ जाते हैं मैं फिर भी एक मिनट दे ही देती हूँ क्योंकि मैं इतनी बार बता चुकी हूँ देखो ये तीन सर्कल है सर्कल वन वो है जहां आपको किसी की मदद की जरूरत होती ही नहीं है आप खुद से कर लेंगे पंद्रह सवाल अब आपको पंद्रह सवालों में जरूरत है वहां पे टॉपिक में गड़बड़ है वहां आपको हेल्प चाहिए ये है जेड पी डी आपकी संभावना है कि आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहां तक आपका विकास हो जाएगा एक इसके बाहर की बात है कि आप ये कहें कि मैं उड़ने लग जाऊं वो आपके विकास के क्षेत्र के बाहर ही है वो बिना हेल्प के और हेल्प के दोनों से ही नहीं हो सकता तो जो ये पहला था ये था बिना हेल्प के खुद से जो आप कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और जेड पी डी है जो आप सहायता के साथ कर सकते हैं तो जेड पी डी इज द डिफरेंस बिटवीन वॉट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट यू कैन डू विद विद द हेल्प

कि वो समाज में एक्टिविटी करके असिस्टिव लर्निंग वो की भी बात करते हैं। वो करेंगे टीचिंग, कि बच्चे टीचर, से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से जब आप डाउट पूछ रहे हैं तो टीचर भी आपको बताएगा फिर डिस्कशन में वो भी कुछ नया सीखेगा तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग भी असिस्टिव लर्निंग से जुड़ी हुई है चलिए आते हैं कोहलबक पे को करते हैं फिर एक ब्रेक लेंगे छोटा सा पांच मिनट का मैं एक बार बोल देती हूँ चाय के लिए एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये सेशन उतना भारी पड़ता नहीं बट बहुत दिनों से लगातार क्लासेस चल रही हैं और जैसा कि आपको पता ही है थोड़ा खून की कमी हमने कर ली थी अपने कर्मों से नींद की वो अब मैं हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हूँ रिटायरमेंट लेना मन नहीं करता है मतलब लिटरली ही <coughs> क्योंकि जीवन में कुछ तो करना ही है मजा आता काम है काम करने में यार एक बार ना चाय का देख चलो भाई चाय बनेगी बढ़िया गुड़ डाल के बनवाएंगे चाय थोड़ी तेज गर्म होनी चाहिए आजकल सर्दियों में गले तक पहुंचने से पहले चाय ठंडी हो जाती है देखो एक बार फटाफट फड़ से आते हैं समझते हैं कहानी क्या है जेड ए डी का मतलब कुछ नहीं है आपको जानना भी नहीं है वो एक तो इतने महान लोग हैं ना मैं देखती हूँ कई टीचर्स तो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको ये बताना है कि अच्छा ये आपने वैसे नहीं देखा होगा कहीं हम बता देंगे आपको भाई क्यों बता दोगे नहीं आता पेपर में काम का भी नहीं है अब जेड ए डी की बात एक्चुअल में बाइकॉस्की ने की नहीं है जेड मतलब जेड अगर हम उस सेंस में देखें कि जिसको हम कह देते हैं मतलब इसके भी दो सेंसेस हैं उस पर नहीं जाऊंगी मैं लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल सेंस में पूछ रहे हो तो जेड आप कह दो कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट यानी जितना वो खुद से कर सकता है उस सेंस में कह देते हैं अदरवाइज जेड की बात वाईगा उसकी डायरेक्टली नहीं करते हैं वो इंडिपेंडेंट वाले सर्कल को आप जेड मान लेना अगर आपको मानना ही है तो वैसे उन्होंने एग्जैक्ट बात नहीं उस तरह से की है तो और ना उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है है ना कि जितना आप खुद से कर पा रहे हो वो जेड है ऐसे मान लो आप आसानी आसान भाषा में इतना ही काफ़ी है चलिए आते हैं फटाफट से कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ लाइव पे है कितने लोग कम कितने ज्यादा बहुत खुशी की बात है कि आप लोग लगे हुए हैं मेहनत से है ना <coughs> देखिएगा कोहलबग की अगर हम बात करें कोहलबग की अगर हम बात करें कोहलबग सिंपल बात है ये थियोरीज के साथ दिक्कत ये है मैं बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ूंगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा जैसे ही ये थ्योरी हो रही है उसके बाद हम देखिएगा स्पीड तो मुझे लगता है अभी भी ठीक ही होगी कोहलबग ने मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी दी है इनकी थ्योरी इंस्पायर्ड थी प्याजी की थ्योरी से यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है अभी नैतिक विकास क्या होता है नैतिकता क्या होती है नैतिकता होती है सही और गलत के कुछ सिद्धांत समाज निर्धारित कर देता है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई झूठ बोलना गलत बात है सच बोलना सही बात है डेवलपमेंट की moral education की एजुकेशन आपने बुक पढ़ी होगी मुझे याद है मैंने सिक्स क्लास में पढ़ी थी है ना और नैतिक शिक्षा हमें तो हिंदी मीडियम में थी वहां बुलंदर अभी वो वीडी होती है जो मेरा भाई पढ़ता है वैल्यू एजुकेशन तो यानी सही और गलत के कुछ सिद्धांत है कि इस तरफ जाएंगे तो राइट ये रॉन्ग है ना तो राइट और रॉन्ग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मॉरल moral मॉरलिटी कहते हैं के नैतिकता कहते हैं और इसका विकास कैसे होता है वो मॉरल डेवलपमेंट है कि सही और गलत का विकास ages में स्टेजेस में होता है ऐसा कोलबक कह रहे हैं है ना तो समझते हैं फटाफट से देखिएगा अच्छा एक दो चीजें और बता दू मैं आपको प्याजे का क्रिटिसिज्म क्या होगा प्याजे का क्रिटिसिज्म ये होगा कि उन्होंने सोशल फैक्टर्स को उतना महत्व नहीं दिया दिया है और अगर मैं के क्रिटिसिज्म की आलोचना की बात करूं तो वाइगॉस्की की आलोचना ये है कि उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं दिया जितना सोशल इंटरेक्शन को दिया है तो ये दो छोटी सी बातें क्रिटिसिज्म में याद रख लेना कोलबक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोलबग नैतिक विकास का सिद्धांत है दे। देखो प्याजे से थियोरी इंस्पायर्ड थी प्याजे की भी एक मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है, आपके लिए जरूरी नहीं है तो अगर हम बात करें कोलबक की तो कोलबग इंस्पायर्ड थी इनकी थियरी लेकिन ऐसा नहीं था कि कॉपीड थी प्याजे से कॉपीड नहीं थी इंस्पायर्ड थी अच्छा एक चीज इन्होंने बताई है कि कॉगनेटिव मेच्योरिटी क्योंकि प्याजे की थ्योरी कॉगनेटिव डेवलपमेंट की है, उसके आधार पर उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई और उस मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के आधार पर उसको महत्व देते हुए इंस्पायर होकर उन्होंने ये वाली मॉल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई समझ आ रहा है गोल गोल घूम गए क्या अच्छा ट्रांजेटिव इन्फ्लेंस होता है यार एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ए बड़ा है बी से बी बड़ा है सी से वो समझ जाना प्याजे की स्टेज की बात हो रही है अब ठीक है जितना हमने किया वो इनफ है ऐसे तो अंतहीन चीजें मैं तो पांच दिन में भी मैं प्याजे पढ़ाती हूँ नॉर्मल केस में बैचेस में और इस बार मैंने बहुत खींच के पढ़ाया डेढ़ डेढ़ घंटे की दो क्लास लिया तब जाके दो दिन में हो पाया क्योंकि इस बार समय कम दिया था सीट ने तो समय कम है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा नो ब्रेक ओनली स्टडी हाँ यार मैं चाय पीते पीते बता दूंगी कोई दिक्कत नहीं कॉग्नेटिव की अगर मैं बात करूं तो कॉगनेटिव मेचोरिटी जो मॉरल मेचोरिटी होती है वो किस पे बेस्ड होती है कॉग्नेटिव मेचोरिटी पे ये बात आप ध्यान रखिएगा कॉग्नेटिव मेचोरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मेच्योरिटी यानी आपकी नैतिक जो परिपक्वता है वो बारह बजे तक खत्म करना है स्पीड में पकड़ के अगर हम बात करें क्योंकि क्रैश कोर्स या रिविजन के जैसा है अदरवाइज तो ये खत्म ना हो अगर हम देखें नैतिक परिपक्वता की की नैतिक नैतिक परिपक्वता परिपक्वता तो क्या है आपकी मॉरल मेचोरिटी आप जैसे 16 साल की उम्र में जैसा डिसीजन एक व्यक्ति लेता है एक अडोल्सेंस एक किशोर या किशोरी लेता है एक टीनेजर लेता है वैसा वो 26 साल में नहीं लेगा है ना कोई मुझे कहे भाई सोलह साल में क्या होता है कई बार आप इलोप कर जाते हैं आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा कि भाई घर वाले नहीं माने जबकि सोलह साल की आपकी उम्र भी नहीं है शादी की लेकिन आपको यार नहीं मुझे तो इसी के साथ रहना है या अठारह साल में मान लो ऐसा हो गया आपने कहा नहीं आप नहीं मान रहे कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ घर छोड़ के चली गई तो कोई भी मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ <laughs> तो कोई भी व्यक्ति या दो ना, क्या कहे प्रेमी प्रेमिका है ना यानी कोई भी कपल है और वो उसको कोई पसंद आया और उनका हाँ ठीक है यार आ, उसने कहा कि ठीक है भाई तुम एक काम करो घर वाले तो मानेंगे नहीं छोड़ दो सोलह साल में सत्रह साल में अठारह साल में हो सकता है डिसीजन ये व्यक्ति ले ले लेकिन वही सेम व्यक्ति हो सकता है अगले पांच साल बाद ये रिग्रेट करे कि मैंने गलत किया अठारह साल और अट्ठाईस साल की मेच्योरिटी मॉरल मेच्योरिटी में अंतर हो सकता है क्योंकि आपकी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ रही होती है मतलब अब ये अठारह और सोलह से ज्यादा लागू होगा चौदह या बारह और अट्ठारह पे क्योंकि आपको पता है प्याजी की स्टेज के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वहां पे और ऑपरेशनल में इस अद, अंतर है ना लॉजिक नहीं आया मान लो दस साल के बच्चे में अभी चिंतन ही नहीं आया अगर तो वो कहां से चिंतन की बात करेगा वो तो आज की सोचेगा ना आज मजे कर लेता हूं कल देखेंगे ठीक तो ये दस साल की उम्र में और अठारह साल की उम्र में लॉजिक का भी अंतर है थिंकिंग का भी अंतर है यानी आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है उसके आधार पर आपकी मॉरल मेच्योरिटी भी विकसित होती है तो कॉग्नेटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मेच्योरिटी आपका संज्ञान आपकी एज के अकॉर्डिंग इसलिए इस एज को महत्व मतलब स्टेज वाली थियोरी है स्टेज मैटर करती है एज भी है एज भी महत्वपूर्ण है बट एज इस थियोरी से पूछी नहीं जाती तो कॉग्नेटिव मेच्योरिटी पे मॉरल मेच्योरिटी बेस्ड होगी कितना दिमाग आपका डेवलप हुआ उस आधार पे आप मॉरल एक्शंस भी लेते हैं आपका सही गलत भी आपके दिमाग के डेवलप थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी डेवलप हुई है उस हिसाब से आप सही और गलत के डिसीजन ले पाते हैं तो ये एक, एक नंबर का क्वेश्चन है अच्छा अगर हम बात करें मॉरल डिसीजन मेकिंग में एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है तो उसको मॉरल रीजनिंग कहते हैं यानी आप तर्क देते हैं कि यार घर वाले तो मानेंगे नहीं है ना और मुझे तो जीवन जीना खुद ही है तो एक काम करते हो कि आपको दो रास्ते नजर आ रहे हैं वो मॉरल डिलेमा कहलाती है यानी नैतिक दुविधा कहते हैं जिसको हम कि ये रास्ता जाऊं कि वो रास्ता जाऊं ठीक मॉरल रीजनिंग नैतिक तर्कनाएं आगे बढ़ते हैं चलो समझते हैं कहानी अगर हम देखें मॉरलिटी की सही और गलत के बीच का जो हम कह रहे हैं कि सिद्धांत है कुछ जो सही और गलत के बारे में हमें बताए वो मॉरलिटी है ठीक है कमर में बढ़िया मजे आ रहा है जिम जाना है बस अब आप सीटेड निकल जाए इस बार हेल्थ एकदम परफेक्ट नहीं कर ली तीन महीने में अगले देखो एक बार अभी फुर्सत है नहीं घर में शादी है देखो मॉरल रीजनिंग की अगर हम बात करें मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क कोई कह रहा है एनर्जॉल ले लो नहीं कोई दिक्कत ऐसा सच होगी नहीं मुझे पता है मैं आजकल खाना ये पेपर के चक्कर में मैंने दुनिया भर का चने गुड़ क्योंकि हीमोग्लोबिन आ गया था साढ़े आठ आपको पता ही है चने गुड़ अनार जूस पता नहीं दुनिया की कोई चीज होगी प्रोटीन दूध दूध जो मैंने इतने टाइम से छोड़ा हुआ था दूध घी पता नहीं क्या क्या तो कुछ छोड़ा नहीं है इतने दिनों में अदरवाइज तो मैं क्लास लेनी पाई थी एक हफ्ता मेरे को याद है और ये सब करके एकदम से सब बढ़िया हो गया अभी बहुत मजा आ रहा है देखो एक बार तो अगर हम देखें मॉरल रीजनिंग की तो नैतिक तर्क क्या होता है मॉरल डिसीजन मेकिंग में आपको एक तर्क तो लगाना होगा भाई आपको अपनी मर्जी से शादी करनी है घर वालों की मर्जी से करनी है अच्छा दोनों अलग अलग हैं यानी घर वाले मानेंगे नहीं और आपको डिसीजन लेना है है ना इसको चूज करना है इसको चूज करना है पेपर देने गए हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया जानते भी हैं अब उसको बचाएं या पेपर देने जाएं तो ये दुविधाएं ऐसी बहुत सारी कोहलबग ने पेश की लोगों के सामने और फिर वहां से अलग अलग स्टेज निकल के आई तो डिस्कशन जरूरी होता है मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये जानना है हमें मॉरल रीजनिंग क्या है मॉरल डिसीजन लेने में जो तर्क का इस्तेमाल होता है भाई आप ये रास्ता चुने चाहे ये रास्ता चुने कुछ तो तर्क दिया होगा ना आपने एक चोर भी खुद को तर्क तो देता ही होगा ना कि भाई नहीं ये लोग भी तो इतना अरे क्या हो गया एक समुद्र से कुछ बूंद पानी निकाल लो क्या ही फर्क पड़ता है इनके पास तो इतना पैसा इनसे ले लेते हैं एक बेईमान आदमी भी तो इस तरह सोचता ही होगा ना तो ये क्या है ये रीजनिंग है आपकी उस रीजनिंग पर डिपेंड करेगा आपका मॉरल डिसीजन क्या होगा ठीक है ना तो वो थिंकिंग प्रोसेस रीजनिंग का मतलब क्या एक तरह की थिंकिंग प्रोसेस ही तो है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं ठीक है ना चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अब ये रीजनिंग अलग अलग होती है अलग अलग स्टेज में इसी और ये रीजनिंग किस पे बेस्ड होगी कॉगनेटिव मेचोरिटी पे भाई आपकी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्विंग पे दिमाग भी तो डेवलप्ड है ना संज्ञान पे अब संज्ञान जैसे जैसे विकसित तो होगा रीजनिंग भी चेंज होती रहेगी तो इसलिए अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तर्क देते हैं बच्चे सही और गलत के मॉरल डिलेमा दुविधा है इस साइड जाऊं कि इस साइड जाऊं ये करूं कि वो करूं एक बहुत ही फेमस दुविधा है कोलबक की हाइंस डिलेमा एक व्यक्ति था हाइंस ऐसी बहुत सारी डिलेमा उन्होंने पेश की अलग अलग एज ग्रुप के सामने एक व्यक्ति था हाइंस अब ये हाइंस की जो वाइफ थी वो बहुत डेडली डिजीज से ग्रसित थी और इनको कोई दवाई नहीं मिल पा रही थी एक ही व्यक्ति था जिसके पास ये दवाई थी वो केमिस्ट ने खुद ये दवाई बनाई थी पूरे शहर में और ये जाते हैं वहां पे वो कहता है मैं नहीं दूंगा दस रुपए की दवाई थी वो दे रहा था हजार की सौ गुना ज्यादा या दस गुना ज्यादा सौ रुपए की दे रहा होगा मतलब कई गुना ज्यादा उसका प्राइस ले रहा था इन्होंने इनके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं इन्होंने कहा मैं अपने रिश्तेदारों से मांग के लाता हूँ भाई ले लो है ना इतना ले लो पांच हजार है अभी या पाँच सौ रुपए है अभी पांच सौ बाद में दे देंगे उसने कहा नहीं मैंने तो ये पैसे बनाने के लिए बनाई है दवाई और मैं तो उसका जितना चाहे प्राइस लूंगा ठीक अब अंत में दो रास्ते बचते हैं यानी डिले आ जाती है हाइंस के सामने कि वो चोरी करे उस दुकान में जाकर के या अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे अब हाइंस क्या करता है चोरी कर लेता है और बच जाती है उनकी वाइफ अब अलग अलग स्टेज पे कुछ लोग कहेंगे कि यार उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी कुछ लोग कहेंगे नहीं चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वो व्यक्ति भी गलत कर रहा था कुछ लोग कहेंगे जान से ज्यादा थोड़ी है यार वो जो दवाई या बाकी चीजें थी तो इसमें अलग अलग तर्क और अलग अलग स्टेज को दर्शाते हैं तो इस आधार पर इन्होंने तीन आपको पता है लेवल्स ऑफ मॉरलिटी दिए हैं अब ये लेवल्स ऑफ मॉरेटी में सिंपल है जब एक्सटर्नल कंट्रोल बच्चा सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा सेल्फ सिर्फ सेल्फ के बारे में कन्वेंशनल लेवल पे सोसाइटी के बारे में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाई हूं बट आपको बता दूंगी इस बार मैंने भी उसको फ्लो फ्लो में गलत करा दिया था और uh, किसी ने तो हमें मेल किया कि मैंने पिछले साल उसका जवाब कुछ और दिया था तो उसको डिस्कस करेंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल है यहां पे भी आप कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में भी सोचते हैं और आप आप वैल्यू सिस्टम के के बारे में, तो आप के बारे में में तो ओवरऑल वैल्यूज यहां बात हो रही होती है तो यहाँ पे अगर मैं देखू तो तीन स्तर हैं जहां सिर्फ अपने बारे में सोचेगा इंसान अपने कॉन्सिक्वेंसिस वो है प्री कन्वेंशनल चार से दस वर्ष इसमें दो स्टेज होते हैं इन्होंने तीन लेवल दिए छह स्टेजेस दिए हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं यानी पूर्व पारंपरिक परंपराओं से पहले यानी जीरो मॉरलिटी खुद की कहां पे इस प्री कन्वेंशनल पे कोई खुद की मॉरलिटी नहीं होती बच्चे की एक्सटर्नल मॉरलिटी है डांट पड़ेगी तो गलत है वो काम डांट नहीं पड़ेगी तो सही है काम ठीक कन्वेंशनल क्या है कन्वेंशनल है सोसाइटी को देखते हैं आपके सोशल नॉर्म्स बने रहे दस से तेरह वर्ष पारंपरिक स्तर है ठीक पोस्ट कन्वेंशनल यहां पर आप ह्यूमैनिटी को देखते हैं या पूरे एक बड़े पिक्चर में देखते हैं चीजों को वैल्यूज को आप रूल्स के भी अगेंस्ट जा सकते हैं यदि चीजें गलत हो रही हैं तो ठीक अब समझते हैं फटाफट से प्री कन्वेंशनल को क्या है कहानी प्री कन्वेंशनल की इससे पहले चाहे आए ये समझ लो स्टेजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको पता है है लेवल चरण और स्तर है हर एक स्तर दो दो चरण है प्री कन्वेंशन कन्वेंशन से पहले जीरो मॉरलिटी है खुद की एक्सटर्नल मॉरलिटी है सबकी बाहर वाले यानी जो सोसाइटी है पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं वो डालते हैं यहाँ पे उसका खुद का सही गलत कुछ नहीं होता बिल्कुल हो सकता है कुमार सोनू कल ही बताया मैंने कैसे पांच दिन में सीटेट क्लियर करोगे obedience and punishment orientation ये पहली स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारिता दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना मम्मी डांट लगाएंगी टीचर पनिशमेंट देगा इसलिए कोई काम करना है पुलिस पकड़ लेगी हेलमेट नहीं लगाया तो ये obedience and punishment है एज बेशक आपकी बढ़ गई हो कि आप चार से दस साल में तो आप हेलमेट या बाइक नहीं चलाएंगे बट फिर भी आपकी मोरालिटी का स्तर हो सकता है हर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी पे नहीं जा पाता ठीक तो पुलिस पकड़ लेगी इसीलिए आप हेलमेट लगा के यदि जा रहे हैं सीट बेल्ट सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि पुलिस वाले हैं या चेकिंग हो जाएगी तो चलान आ जाएगा अगर पचास से ऊपर गाड़ी चलाई तो तो ये आप पहली ही स्टेज में हैं क्योंकि आप पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहे हैं आपका कोई जीरो परसेंट इंटरेस्ट नहीं है आज्ञा का पालन करने में तो ये क्या है ये पहली स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन इसको स्वलाभ मानसिकता कहते हैं टिट फॉर टेट बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से भी म्यूचुअल एक्सचेंज जैसे को तैसा कल मैं एक ट्रक के पीछे पड़ रही थी है ना पता नहीं कुछ तो था शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म अब जैसी दुनिया वैसे हम है? फोटो भी किया था मैंने उसका वो मैंने ऐड नहीं किया फिर ठीक तो अगर हम बात करें जैसे को तैसा मोरलिटी यहां पे उसको यू स्क्रैच माई बैक एंड आई एल स्क्रेच योर बच्चे क्लास में लड़ रहे हैं बहुत क्वेश्चन आता है आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्या क्यों लड़ रहे हो टीचर ने पूछा कि इसने मेरी कॉपी फाड़ दी या नोटबुक फाड़ दी क्यों क्योंकि क्योंकि इसने मुझे पेंसिल नहीं दी थी कल इसने भी तो मेरी पेंसिल ली थी या इसने भी तो मेरी पेंसिल तोड़ दी थी है ना बच्चा कह रहा है आज मेरे को अपना टिफिन शेयर करो क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना टिफिन शेयर किया था अच्छा भाई तेरे लिए नहीं किया था मैंने उस दिन तुरंत गिना देते हैं एक दूसरे को बच्चे करते हैं ऐसे कुछ लोग बड़े भी ऐसे ही होते हैं उनको लगता है अगर उन्होंने है ना ऐसे मान लो प्रेम प्रसंग बहुत समझ आता है लोगों को तो एक रिलेशनशिप में है ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी ने किसी को आईफोन दिया है ना मान लेते हैं ये तो समझ आता है खूब थोड़ा सा माहौल सही बनेगा तो आईफोन दिया ब्रेकअप हो गया कह वापस दे दो चुपचाप से है ना ये तब तक की बात थी जब तक हम साथ में थे जब प्यार मिल रहा था तो आईफोन मिल रहा था अब ये नहीं हो रहा है तो टिट फॉर टेट वापस दो भाई है ना ऐसे नहीं चलेगा ठीक जैसे मेरा भाई जो है एक मिनट चाय आ गई है जैसे मेरा भाई जो है एक मिनट हेलो अपने घर पे पियो चाय मैं यहाँ पे पीती हूँ इतने बड़े कप में चलो धन्यवाद टिशू पेपर ठीक है <coughs> देखो एक बार। तो अगर हम बात करें टिट फॉर टेट की चाय वाय पी लो भाई हम भी डिनर कर रहे हैं बहुत बढ़िया भाई करते रहो डिनर आज जागरण है बिल्कुल ये मानो आप अभी दो तीन घंटे और लग जाएंगे क्योंकि स्पीड कितनी भी अच्छी हो मन करता है यार समझाने का क्या करें देखो हाँ जब तक उस बात हो रही थी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल के रिचार्ज करा दे आप बात तो करनी पड़ेगी खैर ये मैं मजाक कर रही थी ऐसी अलग अलग चीजें बहुत सारी होती हैं कि आ, कोई आपके मंदिर के बाहर से चप्पल ले गया और आप किसी और की चप्पल पहन के आ गए ये टिट फॉर टाइट मोरलिटी है है ना जैसे को तैसा के माई एटीट्यूड विल डिपेंड ऑन योर्स ठीक है जी तो ये सब बातें चलती रहेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं समझते हैं फटाफट से एक मिनट रुको यार मुझे पता नहीं क्यों स्मेल करके खाना बहुत पसंद है मतलब खुशबू मुझे आ हाँ क्या बताऊँ चलो आ जाओ एक बार ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन ये पहली स्टेज है बच्चों को देखो एक क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रही थी कि अगर एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो वो सब्जेक्ट होगा इट विल बी सब्जेक्टेड बाय हिज टीचर और कुछ तो ऐसा लिखा हुआ था कि टीचर उसको उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि पनिशमेंट डायरेक्ट मिलेगी लेकिन लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट मतलब टीचर को फेस करना पड़ेगा उसे तब भी आंसर प्री कन्वेंशनल ही है उसमें है ना वो कन्वेंशन के हिसाब से नहीं वो अप्रूवल के लिए नहीं कर रहा कि बहुत तारीफ करेगा टीचर इसलिए नहीं कर रहा वो पहली ही स्टेज है हाँ सर्दी में साग और मक्के की रोटी बहुत बड़ी अंकिता मैं हल्दीराम से कई बार खा चुकी हूं घर पे भी दो बार खा चुकी हूं देखो एक बार ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तो आपको आज्ञा का पालन इसलिए करना है क्योंकि पनिशमेंट से बचना है सिंपल बात आपको फाइन लगेगा इसलिए आप टाइम पे जाते हैं ये है पहली स्टेज ठीक रीजन तो यहां पे सिर्फ पनिशमेंट से बचना होगा और कोई रीजन यहां आपको नहीं मिलेगा तो वो बच्चा जो होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि टीचर को फेस करना पड़ेगा वो भी यही है ठीक फिर आता है टिट फॉर टेट जैसे को तैसा यह भी बताई चुकी हूं मैं कि वो फोन देने वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया ब्रेकअप हो गया अरे अरे जात देख मैंने तेरे लिए कितना किया था तूने तो हद ही कर दी जैसे दो बहनों में लड़ाई होती है परिवार में या भाई बहनों में वो सारा अपने पापा मम्मी को बता देते हैं सब देखो मम्मी ये वहां गई थी उस दिन देखो मम्मी ये, ये हरकतें करती है इसने ये किया था वो किया था है ना अपनी स्टोरी नहीं बता रही हूँ हम हमारे बीच नहीं होता है ये बस मतलब पता नहीं हमारा क्या कोड ऑफ कंडक्ट है मेरा और दीदी का एक पैक्ट है हमारे बीच कभी वैसे तो बहुत कम होती है इस तरह की चीजें बट अगर कभी कुछ होता भी है बचपन में भी नहीं किया है हमने अब तो बड़े हो गए कि मैंने जाके कुछ लड़ाई हुई या कुछ बात हुई तो मैंने बता रहा रहे मम्मी देखो ये है है ना सारी अपने किस्से बता देते हैं वो उसके बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड वो उसकी गर्लफ्रेंड के मम्मी देखो इसका इसकी भी गर्लफ्रेंड है देखो मम्मी इसका बॉयफ्रेंड है सब बता देते हैं माँ बाप को जाके टेट फॉर टेट जब तक सही चल रहा था तब तक सही है है ना तो नहीं थोड़ी घर रखनी चाहिए मॉरलिटीज से ऊपर हो, होनी चाहिए क्यार तो पर्सनल रिवॉर्ड मुझे क्या मिलेगा बच्चा बाहर से दुकान से सामान लेने भी तब जाएगा घर में रिश्तेदार आए हुए हैं अगर जब उसको पॉकेट मनी उसको कुछ मिले मुझे भी चॉकलेट मिलेगी हाँ ठीक है है ना जैसे मेरा भाई कहेगा कि बाहर घुमाने लेके जाओ मैम भाई घर का खाना खा ले क्या घर का खाना तब खाऊंगा जब बाहर घुमाने लेके जाओगी तो वो फॉर टिट टिटफ हो गया ठीक चलिए खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं कह रहे हैं इसने ये लिया था मेरी पेंसिल ले ली मेरी इरेजर ले ली मैम मैं क्या करूं ऐसी लड़ाइया बहुत मिलेंगी आपको इस स्टेज में चार से दस वर्ष की अवस्था है ये पहली दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में होगा बच्चा लेवल टू है कन्वेंशनल परंपराओं के आधार पे स्टीरियो टाइप्स या ट्रेडिशंस के आधार पे यहाँ पे सोसाइटी निर्धारित करती है वहां पे डर निर्धारित करता है ये है इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल ब्रेक एक मिनट कह दूंगी यार फटाफट से क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है सोना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है देखिएगा एक बार मुझे इस साल एक तो नेचुरोपैथी का कुछ जाना है और बसना की तो हिम्मत नहीं है ये दो काम अब मुझे करने हैं देखो एक बार <coughs> बट हाँ कर लेंगे हिम्मत देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें आप पढ़ाओ तो सही पूरी पूरी रात जागेंगे अरे वाह चलो तो बहुत बड़िया मजा आ गया अगर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की गुड बॉय गुड गर्ल मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ये थर्ड और फोर्थ स्टेज से भी खूब क्वेश्चन आता है गुड बॉय गुड गर्ल ये क्या है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बेटा काम कर लो गुड बॉय बन जाओगे अरे मेरा गुड बॉय नहीं है ऐसे बोलती है ना मम्मिया या गुड गर्ल नहीं आ रही है ये तो मेरी गुड बहुत अच्छी बच्ची है ये तो मेरी है ना तो वो उस लिए काम करता है बच्चा अप्रूवल के लिए है ना थर्ड स्टेज में कि उसको कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहेगा मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर समाज में नियम बना रहना चाहिए अगर आपको कोई नहीं भी पकड़े तब भी आप अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं है ना मुझे सीट बेल्ट की आदत ही है मैं निकलूंगी तो लगाऊंगी ही हेलमेट का भी यही है बहुत रेयर कभी होता है कि चलो यही आसपास बिल्कुल आगे तक गए हैं तो ठीक है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप मेन रोड पे निकले भी हैं तो वहां समझ में आता है अदरवाइज हेलमेट का आदत है वो मेरे मामा जी ने जिनको मतलब मैं रही हूं उनके पास वहां बुलंदशहर बचपन से आदत जब बुलंदशहर तो में तो कहाँ चेक करते छोटे शहरों में चेकिंग भी नहीं होती लेकिन वो लगा के भेजते थे उस टाइम पे भी मेरे को आ गई थी बाइक जल्दी ही तो अगर हम बात करें तो वो हेलमेट की आदत मुझे तब से है बचपन से ही है मतलब जब से मैंने सीखी है चलानी ये कह सकती हूं बचपन का मतलब तीन से तो अगर मैं देखूं यहां पे तो वो आदत है पुलिस मिले ना मिले हेलमेट यार सही रहता है ना थोड़ा धूल वूल नहीं लगती बाहर की आवाज ब्लॉक हो जाती है तो बहुत मतलब हेलमेट आदत की वजह से या मुझे सही लगता है वो लगाना कि मेरी खोपड़ी ना फूट जाए किसी दिन अगर मैं गिरूं तो सीट बेल्ट लगा लूं ताकि एयरबैग खुल जाए गाड़ी में तो मेरी सेफ्टी के लिए वो इसलिए नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी वो भी एक रीजन होगा लेकिन वो बाद का रीजन है वहां तक बात ही नहीं पहुंचती तो अगर मैं सीट बेल्ट इसलिए लगाऊं क्योंकि वो लगाना जरूरी है मेरी सेफ्टी के लिए या समाज में भी एक ऑर्डर बना रहेगा कोई देखे चाहे ना देखे तो ये लॉ एंड ऑर्डर हो गया लेकिन अगर मैं सीट बेल्ट सिर्फ इस डर से लगाऊं कि चलान हो जाएगा तो वो फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है पहली स्टेज है तो इन दोनों स्टेज में, में मुख्य अंतर यही है कि जहां आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि पनिशमेंट से बचना है और यहां पर आप नियम का पालन करना चाहते हैं क्योंकि समाज में एक ऑर्डर बना रहेगा एक इंसान रेड लाइट तोड़ेगा सब तोड़ेंगे ठीक तो ये एक बेसिक बात है आगे बढ़ते हैं ये फोर्थ थर्ड और फोर्थ स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन फर्स्ट आओगे तो मम्मी बहुत खुश होंगी तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे मां बाप प्राउड होंगे ये है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के रिश्ते ठीक बने रहे मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ठीक अगर हम देखें अगर हम देखें मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ये पांचवी और चौथी स्टेज में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग तो यहां पे आप लॉ को इसलिए पालन कर रहे हैं रूल्स आर रूल्स रूल्स आर फिक्स्ड उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता तोड़ना चाहिए ही नहीं रूल्स फिक्सड है ये माना जाता है यहां पे ठीक कि रेड लाइट आप क्रॉस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो पोस्ट कन्वेंशनल क्या है भाई पोस्ट कन्वेंशनल है आखिरी स्तर जहां आपकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ये कई लोगों को सोशल ऑर्डर जैसा लगेगा जबकि सोशल ऑर्डर फोर्थ स्टेज है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स है जब आपको समझ में आने लगे कि नियम जरूरी है लेकिन व्यक्ति के भी कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं जरूरत पड़े तो नियम बदलाव नियमों में संभव है जैसे अभी वो आ, 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 अगर हम तीन तलाक की बात करें अगर हम सती प्रथा की बात करें अगर हम ये हिट एंड ड्राइव केस की बात करें जो अभी रिसेंटली ड्राइवर्स का ट्रक ड्राइवर्स के केस में हुआ तो ठीक है भाई एक लॉ होना चाहिए लॉ है या अगर हम बात करें वो किसान आंदोलन की तो वो लॉज वापस लिए गए तो क्या था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स भाई नियम जरूरी है लेकिन इंडिविजुअल्स के भी तो राइट्स हैं तो वो नियमों में बदलाव संभव है यदि वो बहुत सारे लोगों का भला नहीं कर रहे हैं या वो इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आप रेड लाइट क्रॉस कर सकते हो यदि किसी की जान बचानी है तो ये वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो झूठ नहीं कहलाता ये वही वाली स्टेज है फिफ्थ स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जब आप जान पर भी खेलने को तैयार हैं क्योंकि आपकी अपनी वैल्यूज उस चीज के अलाइन मतलब उसके साथ नहीं जाती जैसे दास प्रथा को खत्म करने के लिए आजादी के लिए जान पे आप बड़ी पॉपुलेशन के लिए खड़े हो जाते हैं अपनी वैल्यूज जिनको आप सही मानते हैं उनके प्रति तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल राइट्स हैं कि भाई रिश्वत नहीं लेनी चाहिए लोग ले लेते होंगे बट भाई मेरा मैं तो नहीं लूंगा है ना या अगर आंदोलन जितने भी मिलेंगे आपको चाहे वो अन्ना हजारे जी का हो या जो भी हो वो आंदोलन आपको यहीं मिलेंगे जो अभी रेसलर्स का भी चल रहा था तो वो इसीलिए तो खड़े थे कि भाई ठीक है नियम है लेकिन हमारे भी तो राइट्स हैं कुछ तो अब वो कई बार चीजें ठीक हो पाती है कई बार नहीं तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कि राइट में परिवर्तन संभव है यदि वो फायदे के ना रहे हो तो इंडिविजुअल के भी कुछ यूनिवर्सल एक क्वेश्चन आता है कि यार बस दो मिनट जाएगी बस एक मिनट दे दो, दो। इसके बाद वैसे भी बहुत छोटे थोड़ छोटे कॉन्सेप्ट हैं इतना बड़ा कुछ है नहीं जितनी ये तीन थियोरीज हैं पूरे सिलेबस में ये तीनों थियोरीज एक तरफ और सिलेबस एक तरफ इस बार तो इन्होंने कोलबक से भी दो क्वेश्चन दे दिए थे प्याजे से दिए थे चार क्वेश्चन पेपर टू में पांच क्वेश्चन वाइगॉस्की से चार क्वेश्चन तो इनको समझना जरूरी है, है ना हाँ एक ही मिनट का ब्रेक लेंगे कमेंट्स पढ़ूंगी बैठ के मैम बहुत अच्छा लग रहा है आप बैठ के फील हो चाहे के का फॉर्म क्या कह रहे हो भाई बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं अभी आपकी हिंदी पैटागॉजी की मैराथन होगी परसों और इंग्लिश की होगी सत्रह को तो कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया लगा अच्छा लगा आप लोग आए है ना आज तो क्लास में मजे आ रहे हैं अभी तो आएंगे मजे मज़े ना आए तो क्या फायदा सीखने का वो तो थोड़ा हेल्थ उम्र का तकाजा है मतलब उम्र ज्यादा नहीं है बट मैंने हेल्थ की बैंड बजा दी इतने सालों तक लगातार दिन रात कुछ बिना देखे आपको आवाज आ रही होगी बहुत इरिटेट भी हो रहे होंगे बट मज़ा आता है ये वाली हरकतें करके चाय पीने में इस बार नहीं आई होगी पूरे एटिकेट्स के साथ चाय पिए देखो चलो आते हैं इतना ही ब्रेक लेंगे नहीं तो फिर नींद आने लग जाएगी कोई क्या कह रहा है भाई सिब्लिंग रिलेशन पर आया था क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन हाँ बताया था ना उन्होंने ये पूछा था सिंपली कि रिलेशनशिप पेरेंट्स से अलग होते हैं हाँ अलग होते हैं पेरेंट्स से रिलेशनशिप अलग होगा भाई बहन से अलग होगा लेकिन सिबलिंग रिलेशनशिप भी महत्वपूर्ण होते हैं सिबलिंग कौन हमारे जो भाई बहन सके बिल्कुल जिनके साथ हम रह रहे हैं तो लेकिन सिबलिंग रिलेशनशिप्स भी महत्वपूर्ण होते हैं सोशलाइजेशन में कि आप समाज में कैसे रहेंगे क्या तौर तरीके नियम कायदे कानून होंगे वो सब भी आप आपस में सीखते हैं बहुत सारी चीजें जब दो भाई बहन साथ में रह रहे हैं कि भाई एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ये करते हैं वो करते हैं बाहर लड़ते नहीं है तो सत्तर चीजें आप सीखते हैं आपस में ठीक बात है ना चलो आज के लिए इतना ही मतलब इतना नहीं रखते हैं चाय के लिए इतना ही रखते हैं क्लास पे आते हैं वापस ठीक अगर मैंने पूरी कहानी गा दी और यहां आवाज ही नहीं थी देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंट सिंपल है अगर बच्चे के सामने कोई चीज है बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है तब भी वो उसको मांगेगा या याद रख पा रहा है तो उसका मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है और अगर उसके सामने कोई चीज नहीं है और वो भूल गया उसके बारे में तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुआ ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है दिमाग में यानी अभी मेमोरी उतनी डेवलप नहीं हुई है बच्चे की स्मृति उतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो ज्यादा लंबा याद रख सके खिलौना आपने छिपा दिया थोड़ी देर में भूल जाएगा लेकिन जब वो उस खिलौने के लिए रोने लगे इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है बच्चे में जो जन्म से दो वर्ष में आ जाती है जब आप ता वाला गेम खेलते हैं तो बच्चों को लगता है अरे मम्मी आ गई अचानक से मतलब हाथ हटाते ही तो ऑब्जेक्ट जब तक परमानेंट नहीं हुआ आज आपके साथ कोई खेले ता ता करके कहो यार पागल है क्या भाग यहां से ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई ना तो खैर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं यहां पे और एनिमिज्म वो जो चीटी मर गई गा एग्जाम्पल बहुत बार देती हूँ कि निर्जीव चीज को सजीव समझते हैं कि अगर जमीन से भी उसको चोट लग जाए तो उसको लगे जमीन की पिटाई कर दो टेबल को दो थप्पड़ लगा दो इसने मेरे चोट लगाई है तो वो एनिमिज्म है कि वो निर्जीव वो सजीव समझ रहा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हाइएस्ट लेवल है बहुत रेयर लोग यहां तक पहुंच पाते हैं नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी भगत सिंह जी कह सकते हैं हम कि इन लोगों ने एक बड़ी पॉपुलेशन की अच्छाई के लिए अपने वैल्यू सिस्टम के लिए और एक बड़ी मासेस के लिए ठीक हो चीजें बेहतर हो सके उनके लिए इंसान अपनी जान पे भी खड़ा हो जाता है अकेले आप बहुत बड़ी मासेस के लिए भी लड़ाई के लिए चेंज के लिए तैयार हो जाते हो जबकि इससे पहले आप ग्रुप में चीजें कर रहे होते हो कि रेड लाइट को तोड़ा जा सकता है यदि एम्बुलेंस को जाने दिया जाए तो, तो वो फिफ्थ स्टेज है यहाँ पे अलग तरह की बहस होती है ठीक है ना जो दास प्रथा और ये सारी चीजें जो खत्म हुई है मान लो आप यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात है एक व्यक्ति जो ये कहता है मैं इस भ्रष्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा चाहे मेरे पे कैस, केस, केस हो जाए वो फिफ्थ लेवल सॉरी थर्ड लेवल पे है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की तरफ वो जा रहा है ठीक तो सिंपल याद रखना इसका क्रिटिसिज्म आलोचना पे भी एक क्वेश्चन आता ही है इस थ्योरी की तो कैरल ग्लिगन की इसकी तीन आलोचनाएं मुख्य रूप से इस थ्योरी की नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स यानी ये कह रहे हैं कि स्टेजेस सार्वभौमिक है यूनिवर्सल है ठीक है लेकिन सभी कल्चर पर लागू नहीं होती है भारतीय संस्कृति में जो सही और गलत है वो अमेरिकी संस्कृति में अलग हो सकता है यहाँ का सही वहां गलत हो सकता है वहां का गलत यहाँ सही हो सकता है यहाँ हम देखते हैं कि आ, अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं या अगर बॉलीवुड देखें या थोड़े से आमिर स्ट्रेटा देखें हम हायर क्लास तो व्हाइट रंग के कपड़े व्हाइट कलर के कपड़े लोग पहन के जाते हैं मूवीज में या नॉर्मली भाई नॉर्मल मिडिल क्लास में तो देखा जाए या अगर बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में कुछ हुआ है फुर्सत भी नहीं होती आपको ये देखने की कपड़े क्या है ना बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है अपने आप में तो नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स तो सभी कल्चर में तो हमारे यहाँ क्या है हमारा कल्चर है हम डेथ में कैसे व्हाइट कलर के कपड़े शांति को प्रदर्शित करते हैं वो पहनते हैं या बहुत तड़कते कपड़े नहीं पहनते अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पे जो फ्यूनरल है वहां पे वो लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं ठीक है ना और वो कोई मूवी भी आई थी ना मुझे मूवी का नाम याद नहीं है तो वो उसकी वाइफ रंगी होती है मतलब बाहर की होती है कहीं की और वो इंडियन बंदा होता है वो ब्लैक कपड़े पहन के आ जाती है और फ्यूनरल पे क्योंकि उनके यहां तो वैसे ही होता है तो हर कल्चर पे ये सही गलत की मॉरलिटी लागू नहीं होती सिंपल बात ये है भारतीय संस्कृति में हम ये कहेंगे कि माँ बाप को छोड़ देना अकेला या फिर उनको बुढ़ापे में आप आ, आ, कौन सा ग्रह होता है और वो आश्रम छोड़ाना ये गलत माना जाएगा लेकिन अमेरिका में हो सकता है कि भाई अठारह साल का बच्चा हो गया माँ बाप की अलग जिंदगी आपकी अलग है तो ये क्या है कल्चर के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं सही और गलत लेकिन ये कह रहे हैं सारे कल्चर पर एप्लीकेबल है जरूरी नहीं है सब पे हो हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी ये इमेजिनरी सिचुएशन है परिकल्पनात्मक जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू देखते हैं मॉक इंटरव्यूज देखते हैं मान लीजिए या कोई व्यक्ति है जिसने मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग ये सब मतलब एग्जाम्स वगैरह निकालते हैं मैं ये नहीं कह रही वो ऐसे ही हैं बट ऐसा पॉसिबल है आपको पता होता है कि आपको जवाब क्या देना है इंटरव्यू में और जरूरी नहीं है वो व्यक्ति जो ये कह रहा हूं मैं रिश्वत कभी नहीं लूंगा और सच में कभी ना ले क्योंकि जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है और जब आप बोल रहे हैं कहीं हाइपोथेटिकली जब आपसे पूछा गया अच्छा ये बताओ अगर तुम दोनों को मौका मिला तो अच्छा मम्मी को बचाओगे कि वाइफ को ये इस तरह की बातें चलती है ना हमारे कल्चर में कि हस्बैंड को बचाओगे कि फादर को है ना तो मुश्किल चॉइस है डिलेमा है तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं यार मैं तो वाइफ को ही बचाऊंगा सिचुएशन आई कुछ और हो गया एक्शन तो ये क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जब आपसे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा रहा था आपने कहा जी रिश्वत वो क्या होता है कभी नहीं और बाद में पता चला कि सोने की ईंट मिल रही है घर से मतलब इस तरह के भी कुछ केसेस आए हैं ना तो ये क्या है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि जब आपसे पूछा जाए कि आप सही और गलत आपके लिए क्या है क्या करोगे तो आपने कह दिया ये होगा लेकिन जब एक्चुअल में सिचुएशन हो तो तो इंसान अलग अलग एक्ट कर सकता है। ना? तो अलग एक्ट कर कर सकता सकता है 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 ठीक ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन कोई कह रहा फेल यार शायद इस तरह कोई सीन होगा मेरे को याद नहीं है बट ये मॉरल डिलेमा में बहुत कॉमन एग्जांपल है ट्वेल्थ फेल मैंने देखिए शौर्य को भी दिखाई थी थिएटर में जाके देखी थी हम लोगों ने अच्छी मूवी है बट मुझे ये वाला सीन याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ था उसमें चूज करने का आई डोंट रिमेंबर

जजमेंट और समथिंग कुछ तो था लेकिन फीमेल्स की जो मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड होती है यानी फीमेल्स केयरिंग ज्यादा होती है तो उस एस्पेक्ट को इन्होंने वहां फोकस ही नहीं किया मतलब उनके परस्पेक्टिव को डाला ही नहीं है इस थियोरी में तो ये जेंडर बायस थियोरी है फीमेल फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इग्नोर कर देती है फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को है ना क्लियर है बात चलो ठीक है जजमेंटल नहीं कुछ और वर्ड था वो जस्टिस जस्टिस और केयर वाली मॉरलिटी कि जस्टिस की मॉरालिटी को मेल से जोड़ दिया जाता है और केयर की मॉरालिटी को फीमेल से तो ये सारे एस्पेक्ट तो इन्होंने ध्यान में रखे ही नहीं क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेल सैंपल लिए सारे जितने भी लोग थे इनकी थियरी को बनाते समय वो चर्चाओं में शामिल सारे मेल्स थे यानी लड़के थे लड़कियां नहीं थी अब आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अब बच्चे बच्चे से टॉपिक है मतलब इंपॉर्टेंट है बट समझते हैं फटाफट से समझते हैं स्पीड को बढ़ाते हुए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा बच्चे को सेंटर में रखना है पूरे पेपर में सिंपल बात है चिल्ड्रन ये तीन चीजें मानता है सीसीएल बच्चा जन्म से क्यूरियस होता है जिज्ञासु होता है हर एक बच्चा जन्म से क्यूरियस होता है हमें ये मानना है हम ये नहीं कहेंगे बच्चे में कमी नहीं निकालते हम कभी भी सिस्टम में या अपने मेथड में कमी निकालते हैं क्रिएटिव की अगर हम बात करें रचनात्मक होगा बच्चा दिशाओं में सोचेगा अभी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो क्रिएटिव थिंकिंग बच्चे में कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता के साथ वो जन्म लेता है हम उसकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं जब वो दीवारों पे कुछ बनाने लगता है हम कहते हैं अरे ये क्या कर दिया तुमने जब वो क्वेश्चन पूछता है क्यूरियोसिटी से जिज्ञासा से, हम उसको जवाब ही नहीं देते तो बच्चा इनेटली क्यूरियस है जिज्ञासु है सृजनात्मकता कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है और एक इनेट एबिलिटी है उसमें सीखने की इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग बस आपको यह देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है उसको कैसे सिखाएंगे कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं रचनात्मक होते हैं और सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं ये तीन बातों को अगर आपने ध्यान में रख लिया आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा सारे पैटेगॉलॉजिकल क्वेश्चन में इन्हीं को ध्यान में रखना होता है कि बच्चा तो क्रिएटिव है तो आपको बच्चे में कमी नहीं निकालनी बच्चे में क्रिएटिविटी की क्षमता आपको देखना है कैसा मेथड आप कैसे उसकी क्रिएटिविटी को निकालेंगे बाहर क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है बच्चे में इनट एबिलिटी है सीखने की वो सीख सकता है हम ये नहीं कहेंगे बच्चे में एबिलिटी नहीं है तो बच्चे में कमी नहीं निकालनी होती इन तीन बातों को ध्यान में रखना है प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो पारंपरिक शिक्षा थी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जिसको हम कह रहे हैं टीचर सेंटर्ड जो पहले होती थी अप्रोच आज भी कुछ जगह पे होगी लेकिन टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ये बिल्कुल खारिज करते हैं ये कहते हैं शिफ्ट लाओ ये आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि शिफ्ट लेके आओ टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लचीलापन तो टीचर सेंटर्ड क्या मानती थी टीचर ज्ञान का भंडार है बच्चे खाली बर्तन हैं उनमें भर देगा ज्ञान और बन जाएगी बात जबकि यहां पे टीचर ही एक्टिव था और टीचर के हिसाब से क्लास चलती है टीचर अपना डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है है ना टीचर एक जगह से खड़े होकर पीछे चौक फेंक फेंक के मारते रहेंगे मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं तो टीचर के हिसाब से बच्चे एक्टिव नहीं है उतने टीचर के हिसाब से चीजें चल रही है जबकि चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे के हिसाब से चीजें चलती हैं है ना और बच्चे को खाली बर्तन नहीं माना जाता जो जॉन लॉक ने कहा था सत्रवे शताब्दी में एंपेरिसम की बात करते हैं वो कि बच्चा तो खाली बर्तन है या ह्यूमन माइंड क्या है एक है है एक आशा ना वो सब पे हम जाएंगे नहीं आपके पेपर के लिए जरूरी नहीं है बस आपको सिंपल ध्यान रखना है कि शिफ्ट करना है किससे टीचर सेंटर्ड से कि बच्चा खाली बर्तन है आप ज्ञान का भंडार है ये आपको नहीं मानना है बच्चा भी ज्ञान का सृजन कर सकता है बच्चे को आप एक पौधे की तरह लेकर के चलिए आप एक गार्डनर हैं जो उसको सही सॉइल देंगे आप फैसिलिटेटर हैं क्या है सुविधा दाता हैं जो एनसीएफ भी कहता है कि आप सुविधाएं बनाइए आप स्टेज सेट कीजिए वो अपने आप ग्रो होगा पौधे को आप एक दिन में सारा उसमें आ, क्या कहते हैं ये सॉइल उसके अंदर डाल देंगे पानी भर भर के डाल देंगे एक साथ सारी धूप दे देंगे नहीं वो अपने पेस पे ग्रो होगा उसका आप ध्यान रखते हैं जहां उसको जरूरत पड़ती है वहां आप होते हैं तो फैसिलिटेट करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि टीचर है ही नहीं बल्कि बच्चे और टीचर दोनों मिलकर सीख रहे हैं एक क्वेश्चन आता है कि दोनों मोबाइल हैं मोबाइल मतलब मोबाइल मतलब क्या है इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है मोबाइल है इसी तरह से टीचर भी एक से दूसरी जगह और बच्चे एक से दूसरी जगह जा सकते हैं फ्लेक्सिबल है सिटिंग अरेंजमेंट भी कैसा होगा जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होती है उसका सिटिंग अरेंजमेंट आप पहचान गए होंगे टीचर एक जगह पे बच्चे बैठे हुए हैं ना कोई रोटेशन ना कुछ एक जगह से ही पीछे वाले सो जाते हैं कई बार है ना और बच्चे एक्टिव नहीं है लेक्चर मैथड का इस्तेमाल करके पढ़ा दिया लेक्चर मैथड छोटी क्लासेस के लिए होता ही नहीं है आप ये मानिएगा बच्चों को एक्टिविटी करा के सिखाना है हमें अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सी है ये वाली जहां ग्रुप्स बने हुए हैं टीचर एक जगह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने और जबकि मैं इतने कितने साल से कराती हूँ उन्होंने यही पूछा एक टीचर है जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है है ना क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं तो ये सब क्या है ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम देखो टीचर बीच में कहीं है जहां जरूरत होगी टीचर मूव करता रहेगा तो बच्चे भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का ये क्या है बहुत बड़ा विशेषता है कि टीचर और बच्चे बोथ आर एक्टिव एक तो टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर और बच्चे दोनों महत्वपूर्ण मतलब एक्टिव हैं सक्रिय हैं यानी टीचर क्या है मोबाइल है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं डायनेमिक है यानी चेंजेस ला सकता है अपने अंदर फ्लेक्सिबल है लचीलापन है मेथड में चेंजेस ला सकते हैं है, है, मेथड्स है, में भी सिटिंग अरेंजमेंट भी कैसा होगा फ्लेक्सिबल होगा ऐसा नहीं है फिक्स कर दी सीट रोटेशन चल रही होती है कभी आप ग्रुप में सीख रहे हैं थोड़ी बहुत चहल पहल भी होगी ऐसा नहीं बिल्कुल सन्नाटा होगा क्लासरूम में ठीक है ना तो ये बच्चा एक्टिव होगा सिंपल बात आगे बढ़ेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि टीचर ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन हो रहा है बच्चों की हम सुन रहे हैं है ना टीचर बीच में साथ में रीडिंग कर रहे हैं शेयर रीडिंग का एग्जाम्पल है जबकि ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है कुछ हद तक कि बच्चे को एक्टिव रखने की कोशिश की जा रही है लेकिन बच्चा टीचर के पास आया है यहां पे आप देख रहे हैं तो ये बड़ी क्लास का उदाहरण है तो इसलिए ये भी एक्टिव है क्योंकि बच्चे को बुलाया गया क्वेश्चन समझाने के बाद कि आ जाओ तुम भी सॉल्व करके बताओ तो उसमें भी हम बच्चे को इन्वॉल्व करा रहे, करा ले रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अच्छा दो तीन बातें और होने जो मुझे फटाफट से बतानी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेलिजेंस शुरू करने से पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब मैं बात कर रही हूं यहां पे तो जॉन डु ये जो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा प्रगति मतलब बेहतरी के लिए प्रगति का मतलब ये बेहतर के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें एक तो बच्चा एक्टिव है हमें पता है दूसरा ये लर्निंग को सोशल मानती है यानी बच्चे ग्रुप में सीखेंगे है ना सोशल और प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखेंगे यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए लाइफ के लिए सीखने से मतलब है सोशल स्किल्स भी सीखेंगे वो एक दूसरे से बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग समाज में मान लो पानी की समस्या बच्चे मिलकर के ग्रुप बना के सॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड भी इसी से संबंधित है जो परियोजना विधि है वो इन्हीं के स्टूडेंट थे जॉन डुई के डब्ल्यू एच किल तो विलियम हियड किल पैट्रिक जिसमें ग्रुप बना करके सीखा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है प्रोजेक्ट मेथड अलग से मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको तो समस्या समाधान करता होता है बच्चा इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी करेगा तो समस्या का समाधान भी करेगा जो प्रेजेंट जीवन यानी जो वर्तमान जीवन है उसकी समस्याओं को भी सॉल्व करना सीखेगा तो इसमें आता है एक क्वेश्चन की एजुकेशन फॉर लाइफ का क्या मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में तो उसका मतलब प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना जीवन के लिए सीखना है ना एजुकेशन इज लाइफ इट ऐसा कुछ करके सोशल स्किल्स सामाजिक कौशल कोऑपरेट करेगा बच्चा ग्रुप में सीखेगा है ना और ये सारी चीजें आपकी सोशल स्किल्स समाज में रह करके वो एक्टिविटी करेगा डेमोक्रेटिक होता है टीचर यहां पे डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक माहौल होगा बच्चे टीचर की सुनेंगे टीचर बच्चे की मतलब चर्चाएं हो रही हैं डिस्कशन डिबेट चर्चा वाद विवाद ये सब अच्छी बातें जहां पे बच्चा एक्टिव हो बस वो ऑप्शन बढ़िया है क्या दिक्कत है ठीक है जी कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दीजिए मुझे नहीं लगता होगा अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस एक नंबर का दो नंबर का क्वेश्चन आता है बेसिकली इंटेलिजेंस से एक ये एक इंटेलिजेंस क्या है आईक्यू टेस्ट खराब है कि अच्छे हैं और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका गार्डनर से तो ये दोनों फटाफट से निपटा लेते हैं और फिर इसके बाद मुझे लगता है आपका कितना एक टॉपिक और बचेगा सीसी का फिर आपकी ये पहली यूनिट खत्म हो जाएगी और ये सबसे बड़ी यूनिट है इसके बाद के पंद्रह नंबर बहुत आसान है है ना वो हम डेढ़ घंटे में निपटा देंगे देखना एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का संपर्त मुझे तीस में से तीस चाहिए और मीटअप में मिलेंगे फिर हम लोग है ना आज मैं नंबर की बात कर रही हूं वैसे तो मेरी मास्टर ओरिएंटेशन का ध्यान रहता है बट अब पेपर में तो पास होना ही पड़ेगा ना दुनिया जमाना कॉम्पेटिव है ठीक एक मिनट रुकना यार कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे आएंगे कि किसने दिया था आई टेस्ट खराब है अच्छे हैं क्या हो गया उसको अच्छा अच्छे हैं क्या है इन सब पे चर्चा हम करेंगे ठीक है जी चलो फटाफट से एक मिनट दे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लू इन तीन महीनों में हेल्थ को एकदम परफेक्ट कर लेना है ऐसा मैं कह रही हूँ हर बार पहले तो घूमने जाना है बाईस तारीख को देखो एक बार आ, क्या कह रहे हो भाई यार अगस्त में हो नहीं पाया था ना कई लोगों को तो लग रहा था इस बार भी मैराथन नहीं होगा तब आ, मेरे जो नाना जी थे उनकी डेथ हो गई थी अगस्त में मुझे चार बार गाँव जाना पड़ा था मैराथन हो नहीं पाई थी इंटरनेट की भी दिक्कत चल रही थी और फिर आप इमोशनली भी इतनी सारी डेथ्स जब देख चुके होते हैं ना बैक टू बैक तो थोड़ा सा दिक्कत होती है जब का मोटिवेशन एनर्जी है आपके पिछले चार वर्षों से आज भी उतना ही उत्साहित है जितना चार साल पहले आदित्य कह रहे हैं अच्छा आपने चार साल पहले हाँ आदित्य आप तो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहते हैं बहुत बढ़िया हाँ साल तो हो गए सात से ऊपर बट आप चार साल पहले जुड़े होंगे चलिए एक मिनट रुकते हैं ये पूरा मैराथन का जो कल्चर है सी में मैराथन कहाँ कौन कराता था हुं? देखो तारीफ़ खुद की कर लेनी चाहिए खुद ही है ना एक मिनट रुको बस कर रहे हैं शुरू करेंगे चलिए बहुत बढ़िया कोई कह रहा है अयोध्या जाइए चले जाएंगे यार सत्ताईस को एंगेजमेंट है दीदी की अभी तक ये नहीं पता कपड़े क्या पहनने मुझे है ना अभी कल परसों हम बैच में यही बात कर रहे थे कि कई लोग आ, मिलते हैं लर्नर्स भी एक, एक तो मेरे को याद है कोई तो मिली थी वो पूछ रहे थे कि आपने इतनी कम एज में किया ये वो दुनिया भर की बातें और उन्होंने कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ अन ऑल और सीटेड आ रहा था शायद उस टाइम पर या तो कोई तो डी टूल भी आने वाला था सीटेड उनका हो चुका था देख के वीडियो तो अब आ, मैं तो वो ये कह रही थी कि अभी तो घर में शादी है नहीं कोई रिलेटिव की शादी है घर में भी नहीं और अभी तो इतनी तारीख तक तो मैं बिजी हूँ और उसके बाद मतलब वो बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि लोगों के जीवन में ये शादी है फलाने की शादी है ये है वो ये बहुत बड़े इवेंट है और आपका खुद का करियर उस पर हम नहीं सोचते और फिर बाद में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं देखो अगर आपको करना ही ना हो तो बात अलग है ठीक है सबकी अपनी चॉइस है किसी को काम करना नहीं, नहीं करना है वो अपनी चॉइस है लेकिन आपकी इच्छा भी है और आप प्रायोरिटी भी सेट नहीं कर पा रहे हैं जो आज मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इंपॉर्टेंट तो सारी दुनिया की चीजें हैं क्या मेरे लिए मेरी बहन की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है या हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ है लेकिन प्रायोरिटी अभी के लिए ये है वो सब मैनेज हो जाएगा देख लूंगी मैं कर लूंगी मेरे को पता है है ना हो जाएगा कपड़े क्या क्या हो गया कपड़े ही है ना कोई बात नहीं तो अगर हम बात करें या ठीक है डांस मैं नहीं इन्वॉल्व हो पा रही हूँ डांस प्रैक्टिस में मेरे को वैसे भी नहीं आता तो, तो मेरे को तो बहाना मिल गया ना इन्वॉल्व होने का बट वो एक बात है कि मतलब वो आपका नजरिया है कि इंपॉर्टेंट तो सारी दुनिया की चीज़ें हैं फिर आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है घर में कलेश हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है कुछ और भी इंपॉर्टेंट होगा ब्रेकअप हो गया फलाना हो गया ये हो गया सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी लेकिन जब पेपर आ रहा है और आपको पता है कि कोई काम आपको जीवन में करना ही है तो उसको प्रायोरिटी की तरह सेट करिए इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है दुनिया में है ना या फिर ये कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके अस्तित्व से ज्यादा अगर आप सच में समझते हैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संप्रत्य समझते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है कोई बताएगा एक एक नंबर में एक मिनट में इंटेलिजेंस क्या होता है फटाफट बताओ बुद्धि का सम्प्रत क्या है इंटेलिजेंस फटाफट से बताओ इंटेलिजेंस क्या है इंटेलिजेंस एबिलिटी है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू रीजन टू अंडरस्टैंड ये तीन चीजें जनरली आपको याद रखनी है वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग चीजों को लोग इंटेलिजेंट समझते हैं आ, कोई कम्युनिकेशन को चाइना में एज फार एज आई रिमेंबर के इंटेलिजेंट व्यक्ति वो कम्युनिकेशन अच्छी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है लेकिन बेसिक तीन जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस को लेकर के वो क्या है कि हमें पता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आप चीजों को जल्दी समझ लेते हैं तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे है ना एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एबिलिटी टू भाई समय और सिचुएशन के हिसाब से आप अडेप्ट कर लेते हैं है ना समय कम है तो हम जल्दी पढ़ेंगे मैराथन में खत्म करेंगे समय होता तो हम पांच दिन में भी प्याजे कर रहे होते ठीक तो अंडरस्टैंड और क्या होता है रीजन आप तर्क करने की रखते हैं। तर्क करने करने की की क्षमता क्षमता रखते रखते हैं हैं ठीक है ना अंडरस्टैंड अडेप्ट रीजन प्रेजोडिस तो अभी आएगा ना वो जेंडर वाला टॉपिक नहीं मेरा कोई प्रेजोडिस नहीं भाई मुझे किसी को शादी में किसी के इन्वॉल्व होने से सजने सवरने से किसी चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं सबका है सबका इंडिविजुअल डिफरेंस है बट वट आई एम संग इज के आप जितने आतुर बाकी सारी चीजों के लिए हैं उतने आतुर क्या आप अपने करियर के लिए हैं या तो आप, आप कह दीजिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई होता रहेगा नौकरी लगनी होगी लग जाएगी नहीं लगेगी ना सही है ना या कह दिया घर वालों को पढ़ रहे हैं देखेंगे बट खुद से झूठ मत बोलिए मतलब कुल मिला की बात यह है ना जीवन के कुछ साल जरूरी है आपके काम के लिए अंडरस्टैंड और ये बात क्लियर है चलो आ जाते हैं बहुत बातें कर ली हमने चीजों को समझने की क्षमता जो व्यक्ति जल्दी समझ सकता है हम कहेंगे इंटेलिजेंट अडेप्ट जल्दी कर लेता है रीजन अच्छा तर्क दे देता है है ना तो ये सब एक किसकी बुद्धि की निशानी है ये इंटेलिजियर शब्द से बनाया वैसे भी इंटेलिजेंस जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड 1905 में 1904 सौ की बात है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया पहला बुद्धि का परीक्षण किसने दिया एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन ये इनके सहयोगी थे साइमन एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि का परीक्षण फ्रांस से थे एल्फ्रेड बिने ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट ने भी कहा इनको कि कौन ज्यादा बेहतर सीख सकता है ये वो बहुत सारे रीजन थे तो उन्नीस में पहला बुद्धि का परीक्षण आया और उस टाइम तक आई नहीं आया था कई लोगों को लगता है आईक्यू ही बुद्धि को मापने का एकमात्र मात्र तरीका नहीं आईक्यू इज वन ऑफ द वेज बुद्धि के मापन के लिए आईक्यू का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया उन्नीस में है ना पहले 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कुछ क्वेश्चंस जो है इंक्लूड होते थे एल्फ्रेड बिने और साइमन ने निकाला ठीक है मृगा अगर हम बात करें 1908 की 1908 की अगर हम बात करें तो 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट मानसिक आयु कि भाई मैं हूं तो 20 साल का लेकिन मेरा दिमाग 22 पे चलता है या अठारह पे चलता है ये कैसे पता चलेगा मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उसके आधार पे जो एल्फ्रेड बिने वो पता लगाते थे, थे कि काम करता है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग तो में पहला बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने 1908 में मेंटल एज का मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही लाया गया अब उन्नीस की अगर हम बात हैं तो आईक्यू का concept, ये पूछा भी जा चुका है उन्नीस वाला जो क्वेश्चन है आईक्यू का दिया दो हज़ार अठारह के क्वेश्चन पेपर आईक्यू का कॉन्सेप्ट यानी बुद्धि लब्धि की जो का जो संप्रत्य है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया 1912 में अब आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया आईक्यू का फॉर्मूला जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है आईक्यू का इन्होंने बुद्धि लब्धि का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो लुई थर्स्टन ने दिया एम आई रोन नॉट टर्मन सॉरी ये थर्स्टन और टर्मन में हमेशा निकल जाती हूँ तो आपको थर्स्टन नहीं पढ़ना आपके पेपर में नहीं है टर्मन पढ़ना सो तो है आपको 100 मल्टीप्लिकेशन हुआ है से करेंगे, तीन चार नाम है पहली बार बुद्धि पे किसने काम किया तो वो व्यक्ति थे आपके लेकिन थियोरी में जो काम किया वो एल्फ्रेड ने नहीं किया एनसीईआरटी भी आपकी यही कहती है नहीं तो पहले व्यक्ति कहा जाता है कि जो फादर ऑफ यूजेनिक्स वाले व्यक्ति थे ना क्या नाम था उनका फादर ऑफ यूजेनिक्स तो मेमोरी भी ना साथ नहीं देती बहुत थकान की बात याद करो यार फटाफट से बताओ टर्मन नहीं थे एक व्यक्ति थे बस हम नहीं बता रहे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी है ना टर्मन गाल्टन एग्जैक्टली बहुत बढ़िया भाई अनुभा ने जवाब दिया सही है ना अनुभा कुमारी गाल्टन सर फ्रांसिस गाल्टन जो आपका ट में भी क्वेश्चन आया था फादर ऑफ यूजेनिक्स उन्होंने पहली बार बुद्धि की बात की थी और उनका कहानी अलग थी लेकिन आप नॉर्मली अगर देखेंगे फर्स्ट थियोरी में अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की बुद्धि की तो आप एल्फ्रेड बिने को ही लगाइएगा एनसीआरटी में वही की उन्होंने उससे पहले वो बहुत पुरानी एक ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे हम अगर उस पर जाएंगे तो, तो एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन अगर दोनों ऑप्शन में हो तब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण उन्नीस में मेंटल एज मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट उन्नीस में किसने दिया एल्फ्रेड बिने ने ही दिया ईयर तो शायद आपसे ना पूछे बट आपको पता होना चाहिए नाम ठीक क्योंकि सी टेट का वैसा पैटर्न नहीं है कि ईयर पूछे आई क्यू कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बट पूछ भी लें तो पता थोड़ी है कुछ आई क्यू कॉन्सेप्ट की बात करें जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है आईक्यू एक तरीका है जिससे आप नंबर्स में माप सकते हैं बुद्धि का एक स्कोर आ जाएगा लेकिन आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है इसकी बहुत आलोचना होती है एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है कि आईक्यू टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है तो ये बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज मतलब इनमें कल्चर बायस होता है कि अगर वेस्टर्न कंट्री में कोई आईक्यू टेस्ट बनाए तो उसी तरह के क्वेश्चन है वहां के लोग तो मान लीजिए अमेरिका में बनाए तो वहां के लोग उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे कम्पेरेटिवली हमारे क्योंकि हमारे कल्चर से वो जुड़ा हुआ ही नहीं है हमें क्या पता अगर आप आप त्यौहार मनाते हैं दिवाली का और आपसे पूछा जाए चलो अब तो क्रिसमस यहां भी कॉमन हो गया कुछ हद तक कि क्रिसमस पे क्या चल रहा है आप कैसे रिलेट कर पाएंगे उतना नहीं कर पाएंगे ना जितना दीपावली के बारे में जान पाएंगे तो वो वैसी सी बात है कि वो उस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो उनके कल्चर को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए आईक्यू टेस्ट की प्रॉब्लम यह कल्चर बायस होते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं कई बार और सही से पता नहीं लगा पाते व्यक्ति की क्षमताओं का ऐसा गार्डनर भी कहते हैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आईक्यू का विलियम स्टर्न ने दिया और आईक्यू फॉर्मुला है उन्नीस सौ सोलह में यह है आईक्यू का फाइनल फॉर्मूला जिसमें हंड्रेड लगाया जो संप्रत कॉन्सेप्ट दिया किसने विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मुला दिया आपका लुई टर्मन ने लुईस टर्मन भी कह सकते हैं आप हिंदी में इनको लुई टर्मन लुई टर्मन ठीक है जी तो आईक्यू का फॉर्मला क्या है ये भी इस पर भी क्वेश्चन जनरली आता है एक क्वेश्चन आईक्यू वाले कॉन्सेप्ट से जरूर आएगा यानी इंटेलिजेंस के से कि इंटेलिजेंस क्या है या आईक्यू क्या है या इनमें से कुछ भी एक जरूर पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन गार्डनर पे आता है दो क्वेश्चन इंटेलिजेंस से आजकल बन रहे हैं पहले से ही बनते हैं वैसे अगर देखा जाए तो कोई कह रहा है मतलब क्या बाद में बताएंगे मेंटल एज इसको मावा से याद रख सकते हो मावा वो वाला नहीं निकालने वाला मावा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा सौ तो मेंटल एज बच्चे की मेंटल एज कितनी है जैसे एक क्वेश्चन आता है ना एक 16 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज है 12 साल तो उसकी क्रोनोलॉजिकल जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं जब से वो धरती पे है तब तब से डेट ऑफ बर्थ वाली वो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई एमए सीए मैं का भी कह सकते हो आप एमए यानी मेंटल एज को ऊपर रखा मानसिक आयु माव और वास्तविक वायु को नीचे रिखा और सौ से कर दी गुणा बहुत जरूरी है इन तीनों में से कोई एक नहीं देगा कई बार आईक्यू पूछ लेगा कई बार मेंटल एज पूछ लेगा वो आपके ऊपर है जैसे एक बारह साल की मेंटल एज है एक बच्चे की सोलह साल की क्रोनोलॉजिकल एज है और सौ से कर दिया गुणा आप निकालते रहिए आराम से पंद्रह बीस दिन में निकल ही जाएगा और बता दीजिए कितना आईक्यू है बच्चे का फटाफट से बताओ भाई बारह साल की मेंटल एज है सोलह साल का बच्चा है तो सौ से तो नीचे ही होगी ना मेंटल एज क्योंकि जितनी एज है अगर सोलह साल का बच्चा है सोलह साल उसका दिमाग चलता है सोलह साल के लेवल पे मेंटल एज होती तो आईक्यू सौ हो जाता है यानी एवरेज आईक्यू है एवरेज आईक्यू की सीमा क्या है नब्बे से एक सौ दस एवरेज होता है और ज्यादातर दुनिया में सिक्सटी एट परसेंट लोग एवरेज आईक्यू ही रखते हैं औसत बहुत कम लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं जिनका आईक्यू क्यू एक सौ से ऊपर है और बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल पच्चीस तीस पचास सत्तर से नीचे वाले आईक्यू बहुत ही दिक्कत दिक्कत में माना जाता है एक तरह से बॉर्डर लाइन पे होता है सत्तर वाला आईक्यू क्यू पिछहत्तर आ गया तो ये बॉर्डर लाइन से जस्ट ऊपर ही है बहुत बढ़िया कोई तो पचास भी निकाल के ला रहा है मेरा मन नहीं है कैलकुलेशन का बट आई थिंक पचहत्तर ही आना चाहिए बारह सौ से डिवाइड कर लेना खेलते रहना <coughs> निकाल लेना है खुद निकाल लेना मन नहीं है बिल्कुल है ना ऐसा ही कुछ आएगा कोई दिक्कत नहीं है पचहत्तर अब बारह सौ सो को सोलह से डिवाइड कर लो करके ही रहूंगी आज तुम्हें तो कोई बात नहीं मेरा दिमाग ज़्यादा आलसी हो रहा है कोई बात नहीं करके रहूंगी लेकिन कैलकुलेटर से मेरी कैलकुलेशन ठीक है लेकिन बिल्कुल मूड नहीं है आ, है ठीक है ना ना द्वारा ठीक चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो सेवेंटी फाइव आई गया <laughs> मैंने कहा था ना करके रहूंगी किस से कैलकुलेटर से मजाक कर रही थे यार इधर आ जाओ आ, आ मैथ थोड़ी बढ़ रहे हैं आ जाओ लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए पेपर में इतने की जरूरत पड़ती है मैं अभी आलस कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल और मैं तो चेक कर रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल देखो फटाफट से मूड नहीं मैम हाँ 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 ये मत करने लगा पेपर में आप नहीं कर सकते हो कि मूड नहीं है आज देखो ये आईक्यू टेबल का क्लासिफिकेशन है गिफ्टेड बच्चा किसको कहेंगे तो अगर आईक्यू के आधार पे गिफ्टेड कहना हो तो हम कहेंगे 130 प्लस वाले को सिर्फ दो परसेंट पॉपुलेशन है जिनके आईक्यू एक प्लस है सिर्फ दो ही परसेंट है जो बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है बाकी सब एवरेज में आते हैं नब्बे से एक आईक्यू एवरेज आईक्यू है अगर बच्चे की जितनी एज है उतना ही उसका दिमाग चलता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो एवरेज आईक्यू है ठीक तो ये बेसिक सी बात है अब वन थर्टी इंडियन कॉन्टेक्स में तो हम 120 प्लस को भी गिफ्टेड कह देते हैं वैसे नॉर्मल चर्मन के अकॉर्डिंग 130 प्लस 140 प्लस अच्छा गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें गिफ्टेडनेस क्या है? प्रतिभाशाली इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ना इस बार प्रतिभाशाली कौन होते हैं प्रतिभाशाली गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें तो तीन इसकी कुछ विशेषताएं हैं ए सी सी हाई एबिलिटी या अब एवरेज एबिलिटी यानी इनमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है जल्दी सीख जाते हैं क्रिएटिविटी कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा होती है और टास्क कमिटमेंट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जैसे आज ही मैराथन जो लास्ट तक कमिटमेंट लेकर के बैठा हुआ है कि बारह बज जाए एक बज जाए चाहे पंद्रह बज जाए जाएंगे तो नहीं आज तो खत्म तो करके ही जाएंगे मेरे भी बैक पेन बहुत अच्छा है बट सेशन तो कंप्लीट होगा आज इतनी तो इतना तो तय है देखिए <laughs> सिलेबस तो आज खत्म करके रहेंगे है ना अभी सोनू का एग्जाम्पल फिर से आएगा एसीसी सीमेंट से याद रखना एक्जेक्टली आप लोग पुराने चावल हो चुके हैं उसका मतलब एसीसी सीमेंट का मतलब क्या है मतलब एसीसी बोले तो हाई एबिलिटी या अब एवरेज एबिलिटी औसत से ज्यादा है एबिलिटी जो है ठीक यानी कोई कल कह रहा था कॉमेंट में कि अपने नाम के आगे मास्टर जी तो लगाना है इस साल तो इस साल आप ये मान के चलिए इतना तो तय है अबव एवरेज एबिलिटी यानी आपकी नब्बे से एक मतलब क्षमता तेज ज्यादा है आप चीजों को जल्दी से कर लेते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना जल्दी से सॉल्व कर लेंगे जल्दी समझ जाते हैं जल्दी से याद हो जाता है उन्हें तो एबिलिटी ज्यादा है आपकी क्रिएटिविटी हाई क्रिएटिविटी कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है कमिटमेंट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो ये तीनों क्षमता जिनमें होती है रेंजोली के अकॉर्डिंग ये थ्री रिंग मॉडल कहा जाता है कि गिफ्टेडनेस की निशानियां हैं रेंजलीज थ्री रिंग मॉडल ये तीन रिंग है जो कॉमन होंगे जिसमें वो गिफ्टेड कहलाएगा एक तो डेफिनेशन ये है जिसमें ये तीनों चीजें हैं गिफ्टेड वो है क्या है गिफ्टेड है यानी प्रतिभाशाली है जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आपके इन्वेंशन से लेकर प्रतिभाशाली की बात हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें है ना अगर हम अब प्रतिभाशाली तीन प्रकार के होते हैं उस पर आएंगे क्योंकि एक तो तरीका बस आईक्यू के आधार पर हम ये कहें कि गिफ्टेड है कोई तो ये क्षमताएं हैं और आ, मैं नहीं बताऊंगी बहुत मन कर रहा है मेरा बट वो जरूरत नहीं है पेपर में आपकी इससे एक्स्ट्रा जानने की समय व्यर्थ होगा बहुत ज्यादा मल्टीडाइमेंशनल इंटेलिजेंस अब क्या है बहुआयामी बुद्धि कर ली की आई क्यू टेस्ट में क्या क्या कमियां होती है वेस्टर्न कल्चर होते हैं और कई बार वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते आई क्यू टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक भी करेंगे अच्छा गिफ्टेडनेस तीन प्रकार की होती है वैसे तो मैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन में कराऊंगी उस मूड में हुँ. इंक्लूसिव एजुकेशन में करेंगे गिफ्टेडनेस इसके लिए एक्सिलेशन का इस्तेमाल करते हैं इस बार क्वेश्चन आया हुआ है वो उधर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में डोंट वरी इधर आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धि यानी बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है सिंगल वन डायमेंशन नहीं है है ना सिंगल एंटिटी नहीं है यानी बुद्धि का मतलब सिर्फ एक लॉजिक जिसमें है जो मैथ्स में अच्छा है वही बुद्धिमान है ऐसा कहना गलत होगा ठीक है तो बुद्धि सिंगल एंटिटी नहीं है जो आक स्कोर में अच्छा कर रहे हैं वही बुद्धिमान है इस बात को नकार दिया किसने हार्वर्ड गार्डनर ने क्योंकि अगर आईक्यू स्कोर की माने तो थॉमस एल्वा एडिसन जिनको स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि भाई आपका बच्चा जो है उनकी मदर को कहा गया कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है ये नहीं सीख पाएगा इसको आप ले जाइए घर पर पढ़ाइए जो करना कराइए उनकी मदर ने उनको कहा जी ऐसी स्टोरी है प्रचलित मुझे नहीं पता कितनी सच है बट हमने बचपन में ये एक चैप्टर मेरे को हल्का सा याद है कि इस तरह की चीजें हुई थी इतनी बड़ी कहानी नहीं बट इतना मुझे पता है उनको स्कूल से निकाला गया था फिर उन्होंने बल्ब का निर्माण किया नॉल तो ये अगर देखा जाए तो नॉर्मली इंटेलिजेंस तो उनकी उनको नहीं माना गया इंटेलिजेंट आईक्यू के आधार पर तो तो स्कूल में भी पढ़ने लायक नहीं है एक तरह से आई उस टाइम पे नहीं नहीं होता होगा बट बुद्धि बुद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं जनरली तो को सिंगल एंटिटी है उन्होंने तो आविष्कार कर दिया वो तो गिफ्टेड निकले ठीक है ना तो मल्टी डायमेंशनल है कोई एक पक्ष नहीं है बुद्धि का पहले माना जाता था बुद्धि सिर्फ सिंगल फैक्टर में होती है अब वो सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर हमें पढ़ने नहीं है पेपर में पूछे जाते पूछे जाए तो कुछ भी कर लेना नोट्स में दिए हुए हैं आपको है ना वो दिए हुए हैं लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि अभी पेपर पिछले तीन साल में तो नहीं पूछा जा रहा है कुछ भी ऐसा अगर हम देखें सिंगल एंटिटी नहीं बुद्धि कोई एक सिंगल टाइप नहीं है कोई आईक्यू स्कोर नहीं है बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है बहुआयामी होती है कई सारे आयाम बुद्धि में हो सकते हैं इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस को आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल कहा गया है हालांकि मल्टी डायमेंशनल एक और अलग थियोरी है बट आपके सीटेट में अगर मल्टीडायमेंशनल पूछ रहा है समझ जाओ किसकी बात कर रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था ठीक है जी तो अगर हम बात करें हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने आठ प्रकार की बुद्धि की बात की आपकी जो अपडेटेड 2023-24 वाली एनसीआरटी है उसमें भी आठ ही मेंशन है हालांकि ये टाइप तो दे चुके हैं तेरह तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर आई थिंक अभी जीवित हैं या तो कुछ टाइम पहले ही इनकी मृत्यु हुई है तो एट टाइप्स मतलब मैं श्योर नहीं उस चीज को लेकर आप देख लेना एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के आठ प्रकार बताए उन्होंने और भी बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी है और ये सब भी हैं वो फिर ग्यारह तक तो जाते ही हैं तक बट ऑफिशियली आप अगर एनसीईआरटी के मानेंगे आठ प्रकार पढ़ने हैं हमको पेपर में भी वही करके जाने हैं साथ इन्होंने बताए थे शुरुआत में फिर आठ आपके एनसीआरटी में इंक्लूडेड है उन्नीस में इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की जिसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की बात की थी कि लोग मल्टीपल तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं बुद्धि कोई सिंगल टेस्ट से निर्धारित नहीं होगी लोगों को सिखाने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट होगा कोई भाषा में इंटेलिजेंट होगा तो ये है गार्डनर आप पिक्चर में देख रहे हैं गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग है भाई जब लोगों का सोचने का तरीका सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो आप बुद्धि को एक बात क्यों मान रहे हो कि जिसका स्कोर आया वो इंटेलिजेंट तो ये क्या मानते हैं कि लोग डिफरेंट तरीके सोच सकते हैं डिफरेंट तरीके सीख सकते हैं इसलिए टीचर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए सिखाने के लिए इसका मतलब ये नहीं इन्होंने ये कह दिया आठ प्रकार की आठ प्रकार के मेथड अपनाने चाहिए सिर्फ आठ क्यों अस्सी भी हो सकते हैं मेथड तो तो मैं इन्होंने प्रकार आठ दिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने ये कहा है कि टीचर्स आठ प्रकार से सिखा सकते हैं इन्होंने कहा है, मल्टीपल तरीके से सिखा सकते हैं प्रकार बेशक आठ है इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी कोई एक सिंगल तत्व नहीं है और ये जो आठ प्रकार है बुद्धि के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यानी अगर कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो गणित में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता या गणित में होगा ही इंटेलिजेंट तो आठ प्रकार इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से स्वतंत्र है मल्टीपल तरीकों से सिखाया जा सकता है लोगों को आईक्यू टेस्ट की इन्होंने बहुत बुराइयां की हुई है सिंपल बात आते हैं ये आठ प्रकार समझते हैं इंटेलिजेंस के पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसमें जहां कंफ्यूजन होती है आपको वो भी क्लियर कर देंगे स्पीड स्लो मैम अच्छा ठीक है कोई कह रहा है प्रकार नौ होता है मैम जो कि अभी मैंने इतना क्लियर करके बताती हूँ फिर भी पता नहीं कौन आपके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि भाई अगर आप चैलेंज करने बैठ गए प्रकार तो ग्यारह होते हैं प्रकार तो तेरह भी है अगर इन्होंने देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार बता चुके हैं गार्डनर अब तक अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे वेबसाइट्स पे भी चेक करेंगे किताबें अगर आपको चैलेंज करना पड़े कल को आपके पेपर में आठ प्रकार हैं आपको ये मानना है एनसीईआरटी में जो दो दो हजार तेईस चौबीस के एनसीईआरटी है मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ उसमें अपडेटेड है आठ ही प्रकार अभी भी पहले सात दिए थे शुरुआत में लेकिन एनसीआरटी में आज की डेट में आठ है एक को और इंक्लूड कर लिया गया बाकी को भी एनसीआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया तो हम आठ ही पढ़ते हैं आपके पेपर में पूछा जाए तो आठ ही करके आइएगा नहीं तो आपकी इच्छा आपका पेपर देखेगा तो लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये हमारी भले की ही बात कहेगी तो कृपा करके के आठ ही लगा दीजिएगा जैसे टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड ही लगा दीजिएगा बेशक उसके पीछे बहुत सारे रीजन है तो ये गणित नहीं है दो प्लस दो चार नहीं होता इस सब्जेक्ट में तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ठीक अगर हम देखें यहां पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषक बुद्धि स्किल्स इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के उत्पादन में और प्रयोग में यानी आप कुछ लिख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं भाषा के प्रयोग में और प्रोडक्शन में हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर स्मार्ट कल मैं बताया था ना वो जो बिहार का जो बच्चा है सोनू है ना वो एक तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है कुछ लोग होते हैं ना जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी होती है कुछ टीचर्स में भी ये हो सकती है सब में नहीं होती ऑफ कोर्स ऑफकोर्स कुछ लोग काम ही चला रहे होते हैं बस धक्का मार मार के है ना तो अगर हम ये सब अलग अलग टीचर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं यही तो खतरनाक है भाई एक सोर्स से स्टिक करो एक बार चूज करने से पहले इंटरनेट पे सब देख लो दुनिया भर की बात कर लो आपका मन करे आप अगर शक्की इंसान हो कि पता नहीं मैं तो दुनिया से अलग एक टीचर लेके आऊंगा अदरवाइज तो आपको बता दिया होगा आपके भाई बहनों ने यार दोस्तों ने कि यार रिलेट्स से पढ़ लेना या फलानी मैडम से पढ़ लेना फलानी सर से पढ़ लेना आपको समझ में आया बात खत्म हो गई आपने प्रीवियस पेपर देखे हाँ आपको दिख रहा है समझ में आ रहा है ये सही पढ़ाया जा रहा है ठीक है एक टीचर पे स्टिक करिए शुरुआत में जब तक आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तब सारे चैनल देख लो सब देख लो जो मन करे लेकिन जब आपने किसी को चूज कर लिया तो वहीं पे पढ़िए फिर तरीके से ठीक है ना और अगर लगे जब सब कुछ पढ़ लिया आपने उस व्यक्ति के अनुसार फिर भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो फिर आपको पहले ही चॉइस थोड़ी ठीक से करनी चाहिए थी ठीक है ना लाइफ से ज्यादा लाइक है मैम आपकी क्लास का मेरे को दिख नहीं रहा यार यहां से ना मेरा ध्यान है उस तरफ बट बहुत खुशी की बात है वो मैंने बीच में एक दो बार कहा है तो शायद आप लोग और कई लोगों को सोना होता है ना बहुत बढ़िया चलिए खैर आते हैं देखिए तो अगर हम बात करें वर्ड स्मार्ट की तो पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस वर्ड स्मार्ट होते हैं शब्दों के साथ अच्छा खेल सकते हैं स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकर ये अच्छे हो सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर में ये पाई जाएगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हियरिंग यानी भाषा को सुन के भी जल्दी से समझ जाते हैं रीडिंग इनकी पढ़ते हुए भी रीडिंग में आपको मजा आएगा इनको सुनने में स्टोरी टेलिंग इनकी अच्छी होगी राइटिंग में भी ये अच्छे हो सकते हैं रीडिंग राइटिंग डिबेटिंग चर्चा वाद विवाद डिस्कशन चर्चा परिचर्चा इन सब में अच्छे होंगे है ना तो वो जो बिहार वाले सोनू का एग्जाम्पल दिया कि उनको पता है एक वीडियो में देख रही थी कि कहाँ पे क्या बोलना है उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर को कहा आई थिंक वहाँ पे कि पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ऑल तो वो हर कोई नहीं रख पाएगा उस तरह से बात तो इमोशनली भी इंटेलिजेंट है कुछ हद तक बच्चा और क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है आज के समय की हम बात करें फ्यूचर का अभी पहले से हम नहीं वो करेंगे तो ये क्या हुआ वर्ड स्मार्ट हुआ कि देखिए आई तो हमको बनना है अब वो मीम वायरल हो गया लोगों को अच्छा लग रहा है वो सुनना यानी भाषक बुद्धि है व्यक्ति में जो अपनी बात को अच्छे से कह पाता है ठीक और क्या हो सकता है जो लोग पोइट्स हैं भाई वो भी तो लिख ही रहे हैं ना जो लोग शेर शायरी करते हैं जॉन एलिया का एक शेर है कि सिर्फ बातों से कौन सीखता है हाँ सबको सिर्फ बातों से कौन सीखा है सबको एक हादसा जरूरी है है ना तो ये लिख पाने के लिए भी क्या चाहिए जो कोट्स लिख रहे हैं लोग कोट्स नहीं होते एक के बी और ओन हमने भी लिखा हुआ है थोड़ी बहुत भाषिक बुद्धि हमें भी है प्लीज क्रेडिट दे दो <laughs> मजाक कर रही हो तो जो लोग भाषा पे जिनकी पकड़ अच्छी है जो भाषा को यूज करने में प्रयोग करने में लिखने में पढ़ने में इन सब में यानी लैंग्वेज के साथ अच्छे हैं वो भाषा बुद्धि रखते हैं इसमें आपके स्पीकर्स आ आ सकते सकते हैं हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी अच्छी स्पीच देते हैं है ना और अगर हम बात करें और बहुत सारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और दुनिया भर के लोग आ सकते हैं जो भी राइटिंग में अच्छे हैं तो लॉयर्स यहाँ आ सकते हैं क्योंकि भाषा बुद्धि तो होती है ना बहस डिस्कशन चर्चा परिचर्चा की बात हुई थी लेक्चरर्स भी आ सकते हैं यानी टीचर्स भी आ सकते हैं भाई ऑफकोर्स अगर हम बात करें यहां पे राइटर्स की जो लोग लिखते हैं देखिए अगर म्यूजिक के लिए कोई कंपोज करते हुए साउंड के बेसिस पे लिख रहा है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जाएगा लेकिन अगर कोई सही से लिख पा रहा है सर course, हाँ, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल सर की अच्छी है जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट ऑफकोर्स मतलब इवन सौरभ द्विवेदी सर मैं देखती हूँ और इवन जो भी आ, मतलब स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है आपका मन लगता है सुनने में अगर कोई बात कहें तो तो जर्नलिस्ट की भी बेटर होती है जो भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है लिरिसिस्ट की अगर हम बात करें तो जो लोग गाने लिख रहे हैं तो भाषिक इंटेलिजेंस तो उनकी भी अच्छी है ना कंपोज जो धुन बनाएगा उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है लेकिन लिरिक्स अगर किसी ने लिखा है तो भाई भाषिक बुद्धि है उसके अंदर कि भाषा को कहा कैसे यूज करना है ठीक है ना इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या स्पीड बढ़ाइए चलिए बहुत बढ़िया रवीश कुमार जी हाँ टीचर्स में होती है काफी हद तक कह सकते हैं अब इसमें आएंगे अभी इसमें तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो गई इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे। कुमार विश्वास जी हालांकि उनमें पोइटिक भी है तो वो थोड़ा सूट ले भी है लेकिन भाषा बुद्धि मुख्य रूप से आएगी वहां पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा पार्ट हो सकता है देखो ये इसमें इस थियरी में एक ही प्रॉब्लम आती है कि चीजें मर्ज होती हैं उसका सोल्यूशन में भी आपको बताऊंगी कि मर्ज नहीं करना है या कहां पे आपको फंसना नहीं है ठीक है ना आपने घबराना नहीं है ठीक है देखो अब देखो दिल खुश अब सब शायरी पे आ गए मैंने आपके लिए बोली थी वो लाइंस, है ना कि सीख जाओ हाथ से बाद मत सीखो हाथ से तो पहले सीख लो पढ़ लो देखो एक बार लॉजिकल मैथमेटिकल होती है इसको कहते हैं तार्किक गणितीय है बुद्धि जो लोग गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स साइंटिफिक साइंस में मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो इकोनॉमिस्ट हो गए मैथमेटिशियंस हो गए अकाउंटेंट्स हो गए साइंटिस्ट हो गए ये सब कहा आएंगे लॉजिकल मैथमेटिकल में आएंगे क्योंकि इनका लॉजिक अच्छा होता है ठीक तो ये क्लियर सी बात है लॉजिकली और क्रिटिकली समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे तो पूछ ले समालोचनात्मक चिंतन कहां आएगा लॉजिकल मैथमेटिकल में साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स ये आप एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इन सबके पिक्चर्स आप देख सकते हैं तो साइंटिस्ट मैथमेटिक मैथमेटिशियंस है ना ये सब यहां आ जाएंगे स्पेशल इंटेलिजेंस इस पर क्वेश्चन इस बार आया हुआ था स्किल्स फॉर्मिंग इन विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न दिमाग में आप पैटर्न बना लेते हैं कि यार घर में ना ये वाली चीज यहां अच्छी लगेगी जो व्यक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाता है यानी उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है स्थानिक बुद्धि कहते हैं उसको ठीक है इसको, ना तो जो पायलट्स हैं अब देखो पायलट्स जो हैं आपको स्थानिक में भी मिलेंगे बॉडीली लिकाइंस्थेटिक में भी मिलेंगे लेकिन एनसीआरटी सिर्फ पायलट्स को भी कहां डाल रही है स्पेशल में डाल रही है बॉडीली लिकाइस्थेटिक में नहीं हालांकि पायलट्स का फिट होना भी उतना ही जरूरी है तो बॉडीली लिकाइस्थेटिक होना भी जरूरी है लेकिन जो सबसे मेन स्किल है मान लीजिए फिट तो है पायलट दिशा का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा बहुत पेट दर्द तो झेल लेंगे बट अगर दिशा का ज्ञान नहीं है अगर वो मैप्स उसको आइडिया ही नहीं है स्पेस का आइडिया नहीं है दिमाग में वो पैटर्न नहीं बना पाता कहां फिर तो फ्लाइट कहां जाएगी आपको पता ही है तो पायलट्स की अगर हम बात करें तो पायलट्स में स्पेशल इंटेलिजेंस होती है उन्हें दिशा का ज्ञान होता है जो आर्किटेक्ट हैं जो घर बनाते हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं जो लोग पेंटर्स में स्केच बनाने वाले किसी व्यक्ति में नाक जो आपका इवन सर्जन है सर्जन कॉमन है एनसीआरटी में भी गिवन है सर्जन आपका स्पेशल इंटेलिजेंस और बॉडीली दोनों में जाएंगे ठीक तो वो एक बात है बाकी आपसे पंगे नहीं लेगा एग्जामिनर फालतू में आपको दुखी थोड़ी करेगा कोई एक ही मिलेगा ऑप्शन में आपको तो उस हिसाब से जो आपको ऑप्शन में जो सही बैठ रहा हो वो लगा देना स्कल्पचर की अगर हम बात करें जो मूर्तिकार होते हैं बिल्कुल नाक जरा सी इधर से उधर हो गई या जो पत्थर से तोड़ तोड़ के बिल्कुल मूर्ति को एकदम शेप दे रहे हैं तो वो क्या है वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस है उनमें जो आपकी गूगल मैप वाली दीदी हैं आंटी है जो आप कहना चाहें उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस है हालांकि वो टेक्नोलॉजी हो गई सेलर्स जो नाविक होते हैं उनको पता है दिशाओं का ज्ञान आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर्स सर्जन आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस देखिए सर्जन भी अगर हल्का सा आपके पेट में ऑपरेशन हो रहा है मान लीजिए वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं जो सच वाला सर्जन है अगर हल्का सा भी इधर से उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी आपकी ठीक है ना क्लियर बात है वी आर पब्लिकेशन पुब, तो एक हजार है विजय फिर मैं टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन की बात नहीं करूंगी मैंने आपको बता दिया उसका रीजन आपको एनसीआर स्टैंडर्ड बुक वही है कोई भी डेढ़ मिनट पब्लिकेशन को कोई काउंट नहीं करेगा अगर कल को चैलेंज करना पड़ गया तो ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें स्पेशल इंटेलिजेंस की तो इसमें पेंटर्स आर्किटेक्ट सर्वेयर्स नेविगेटर्स स्कल्पचर्स चेस प्लेयर चेस प्लेयर में हालांकि अगर ये चेस प्लेयर में मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती वो पूरा मूव प्लान कर लेते हैं दिमाग में लेकिन लॉजिकल एबिलिटी ज्यादा होगी चेस प्लेयर्स में तो वो दोनों में जाएंगे अगर चेस प्लेयर लॉजिकल एबिलिटी का ऑप्शन नहीं है मैथमेटिकल लॉजिकल तो आप स्पेशल में भी काउंट कर सकते हो तो वो आपको देखना है कि पूछा क्या है पेपर में वैसे आपसे इतने पंगे लेगा नहीं एग्जामिनर कोई एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से अगर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की तो यहाँ जगजीत सिंह जी को लगाया है सेंसिटिव आपके अरिजीत सिंह आ सकते हैं सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स म्यूजिकल रिदम्स और पैटर्न को यानी धुर सॉरी धुर बोल रही हूँ धुन है ना उनको कैसे राइम कैसे बनती है ठीक है ना तो इट इज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न आप तबला बजा लेते हैं सितार बजा लेते हैं गिटार बजा लेते हैं गाने गा लेते हैं और सत्तर चीजें हैं अगर आप कंपोज कर लेते हैं धुन बना लेते हैं ठीक तो आपने म्यूजिकल एबिलिटी है हम ये कह सकते हैं कुछ लोग थोड़ा सा बेटर गा लेते हैं हमारे जैसे बाथरूम सिंगर्स तो नहीं है देखो ठीक है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके अंदर है तो यहाँ पे जगजीत सिंह जी से लेके अरिजीत सिंह से अच्छा यहाँ पे मेनुपुलेशन का एक बहुत अच्छा मैं बार बार लेती हूँ मेन्युलेट म्यूजिकल पैटर्न म्यूजिकल पैटर्न को करके रिमिक्स बनाने वाले लोगों में भी कुछ हद तक जो है कहेंगे हम और लॉकडाउन में बहुत वायरल हुआ था ना उनका एक आई थिंक यशराज मुखाते नाम है उनका तो YouTube पे उन्होंने वो रसोड़े में कौन था पे उन्होंने धुन मिक्स एंड मैच करके यानी उन्होंने मेनुपुलेट किया उस म्यूजिकल पैटर्न्स के साथ खेल करके कुछ नया बना दिया तो वो भी म्यूजिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाएंगे मतलब इस तरह के लोग भी मैं उनको नहीं कह रही मतलब तो 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 kind of kind of क्या है भाई भाई देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक अलग अलग हो सकते हैं जैसे राइटर कोई अलग बंदा हो सकता है जो सॉन्ग लिखता है और गाने वाला अलग हो सकता है सिंगर तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम कहेंगे सिंगर है और जो राइटर है जो गाता नहीं है उसका सुर की हो सकता है उतनी अच्छी समझ ना हो लेकिन लैंग्वेज को लेकर उसमें बहुत अच्छा हुआ है तो है तो फिर वो लिंग्विस्टिक में चला जाएगा ठीक है ना कोई कह रहा है दिल कुमार को ब्लॉक कर दीजिए अरे इग्नोर कर दो यार देख लेंगे कर देंगे ब्लॉक देख गए तो हाँ क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में बहुत बढ़िया भाभी बहुत ही बढ़िया आपको लगता है इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारी के हमको अभी ट्रेंड सेट करके भी कंपेरिजन हम नहीं करें हैं पांच दिन में पांच बार पढ़ रहे हैं एक दिन में पांच बार पढ़ रही हूँ बहुत बढ़िया चलो आ जाओ कोई कह रहा है चीकू हाँ हाँ रिश्तेदार तो है ही आपके देखिए बॉडीली बॉडी इंटेलिजेंस यूजिंग होल और पोर्स ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली एक बच्चा जो वो होता है ना कुछ आपने देखा होगा मैं छोटी थी तो आ, एक पूरी कम्युनिटी या ट्राइब है आई थिंक जो लोग प्रॉपर रस्सा बांध के उनका जीविका ही ये है उनके लाइवलीहुड है ये कि रस्सी बांध के बच्चे आपको चलते हुए दिख जाएंगे उस रस्सी पे

सर्जन में भी बॉडी रिकाइंस्थेटिक -like पाई जाती है सर्जन आप दोनों जगह पे टिक कर सकते हो एनसीआरटी में सर्जन दोनों जगह पे पर बॉडी का इंस्थेटिक और उसमें भी आ, क्या कहते हैं आपके स्पेशल uh, इंटेलिजेंस में भी और इस पर तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बॉडी रिकाइंस्थेटिक -like का हाइस्ट लेवल क्या है तो सर्जन हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस तो विराट कोहली का यहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है इमेज एम एस धोनी हो सकते हैं साइना नेहवाल हो सकती हैं और स्मृति मंदाना स्मृति मंदाना यार अभी कोई तो वो एनिमल वाली जो एक्ट्रेस है मेरे को नाम याद नहीं रहता तो मेरे को इस बात का डर रहता है कि कहीं मैं क्रिकेटर और उनका नाम मिक्स ना कर दूं मेरी मेमोरी कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे स्मृति बंदा नहीं है ना जो बैट्स बेटर हैं है ना हाँ, चलो आप लोग देख लेना ये तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ बहुत बेजती हो जाएगी क्योंकि डेढ़ सौ पेज की पीडीएफ ये पीपीटी बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है एक मिनट रुकना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हाँ इंडियन क्रिकेटर हैं ऑफ कोर्स हाँ यही आई थी मैंने वो रश्मि का मंदाना आई थिंक हाँ वो सर नेम है तो शायद इसलिए गड़बड़ हुई होगी सही बोला था भाई मैंने है ना तो स्मृति मंदाना या फिर मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ जेंडर पैरिटी की कि सिर्फ आ, स्पोर्ट्स पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम मेल क्रिकेटर्स के या मेल आ, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं का नाम ना लें फीमेल आ, अगर हम साइना नेहवाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे या पी सिंधु की बात कर रहे हैं तो ये क्या है इन सब में बॉडीली लि इंटेलिजेंस है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें एथलीट्स आ गए क्राफ्ट पर्सन जो कोई एक घड़ा भी बना रहा है व्यक्ति उसमें भी ये पाई जाएगी और स्पेशल इंटेलिजेंस भी उस व्यक्ति में होगी टूल्स को यूज करने की क्षमता जो मैकेनिक है अगर कोई मॉडल का इंस्थेटिक इंटेलिजेंस भी उनमें उन पाई जाएगी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल भी बहुत क्वेश्चन आता है और लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं फटाफट से करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अगर हम देखें यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोले तो सेंसिटिविटी टू सटल आस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स यानी दूसरों के व्यवहार के जो क्ष हैं जो सटल एस्पेक्ट्स हैं उनका मूड कब चेंज होता है उनका मोटिव क्या है आप बातों से समझ जाते हैं किसी के कि व्यक्ति बोल कहां रहा है है तो ये क्या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, अंतर है यानी दो या दो से अधिक इंटर स्टेट बसेज इंटरनेशनल फ्लाइट यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में जा रही है तो इंटरपर्सनल मतलब अदर्स को समझना इंटर मतलब दो या दो से अधिक यानी लोगों को समझना लोगों की फीलिंग्स उनके मोटिव उनके बिहेवियर उनकी मोटिवेशन उनको क्या मोटिवेट करेगा पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा यूज करते हैं इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को अपनी स्पीच से लेके और अपने जो वो वो बनाते हैं ना अपना जो एजेंडा बनाते हैं कि इस बार हम आ, आ, रोजगार देंगे उनको पता है रोजगार पेन पॉइंट है चलो इस बार रोजगार बोलेंगे अगली बार ये बोलेंगे होगा पूरा नहीं होगा किसी को नहीं पता है ना तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों के मोटिव्स दूसरों के बिहेवियर दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता साइकोलॉजिस्ट में भी होती है ऑफकोर्स वो तभी तो अगर आपको जान नहीं पाएंगे तो फिर आप खुलेंगे नहीं काउंसलर्स में भी होती है पॉलिटिशियंस सोशल वर्कर्स रिलीजियस लीडर्स है ना अभी कोई पूछ रहा था बागेश्वर धामवा <laughs> तो आ, कह सकते हैं कि भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है अब इसमें जरूरी नहीं इसको बहुत खतरनाक तरीके से भी कई लोग यूज कर सकते हैं है ना कई लोग सच में दूसरों को समझने के लिए उनके फायदे के लिए यूज कर सकते हैं कई लोग उसको बिल्कुल उल्टा यूज कर सकते हैं आपको बेवकूफ बनाने में क्योंकि उनको पता है आपके इमोशंस के साथ आपके मोटिव्स क्या है आपको कौन सी बात अच्छी लगेगी वो वो बोलेंगे ठीक है ना तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस खतरनाक चीज है टू तो पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मदर टेरेसा ने उसको बहुत अच्छे से यूज किया है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रापर्सनल होती है इसका ऑपोजिट ठीक है तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर अंतरव्यक्तिक बुद्धि टीचर्स में भी पाई जाएगी ऑफकोर्स क्योंकि आप अपने बच्चों को समझेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी साइकोथेरापिस्ट सेल्स पर्सन पॉलिटिशियन जो है ना रिलीजियस लीडर्स इंट्रापर्सनल होती है खुद को समझने की क्षमता आपकी

है ना कोई और चीज हो सकती है मान लो मुझे किसी काम से जाना होगा तो वो भी मैं डिले कर दिया तेरह के बाद बात करना अब है ना और फिर भी कुछ ना कुछ तो मतलब मुझे पता है कि मैं किसी चीज से अफेक्ट हो सकती हूं जिस भी चीज से मुझे आ, थोड़ा ज्यादा लगेगा कि भाई दिक्कत हो रही है मैं उसको साइड कर दूंगी क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है अभी के लिए सेशन है ठीक मैं फोन ऑफ कर लूंगी अगर बजना है तो इस टाइम पे क्योंकि मुझे पता है अभी के लिए सेशन प्रायोरिटी है क्योंकि आप खुद की भावनाओं को समझते हैं कि किस बात से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं उससे आप बचेंगे लेकिन कई लोग या मतलब जब हमारे अंदर हम उतनी इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं रख पाते सबके साथ होता है अलग अलग फेज में तो हम क्या करते हैं हम जान जान के सर मारते हैं वहां जहां से हमें दिक्कत होगी है ना उसी को मैसेज करेंगे जिसने ब्लॉक कर रखा होगा है ना तो ये क्या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आप खुद के मोटिव्स को खुद की डिजायर्स को खुद की ही चीजों को समझते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है एग्जिस्टेंस क्यों क्यों है ह्यूमन एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी क्या होती है हम आए क्यों है दुनिया में रहेंगे क्यों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं फिलोसफर्स में ये होती है और मेरे साथ भी होती है यार इस तरह की चीजें मैं ये नहीं कह रही हूँ फिलोसफर हूँ ठीक तो ये सोक्रेट्स या एरिस्टोटल प्लेटो जो भी दार्शनिक लोग हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इन लोगों में क्या है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी जो खुद को समझने में अच्छे होते हैं चलिए खैर आगे बढ़ेंगे देखिए अगर सेल्फ लिखा हो फीलिंग्स ऑफ अदर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ मोटिव्स ऑफ सेल्फ डिजायर्स ऑफ सेल्फ डिजायर इंट्रापर्सनल इंट्रा मतलब सिंगल खुद में अंत है व्यक्तिक और अगर मोटिव्स ऑफ अदर्स अदर्स लिखा हो सिंपल बस अदर्स और सेल्फ लिखने की दे आंसर चेंज हो जाएगा इंटरपर्सनल अदर्स के लिए इंट्रापर्सनल सेल्फ के लिए तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल जैसे बुद्धा की अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में ही आएंगे ठीक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आखिरी है इसमें तो सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड जो प्र, प्राकृतिक दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं चाहे वो बॉटनिस्ट हो जूलॉजिस्ट हो बर्ड वॉचर्स हो है ना और चाहे हंटर्स भी हों फार्मर्स जो किसान हैं उनमें तो भाई होगी ऑफ कोर्स नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनको पता होता है गेहूं देख के बता देंगे पकने वाला है कि अब काट लेना चाहिए कि क्या एनवायरमेंटलिस्ट बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स उनको भी होता है, होती है का उसको फटाफट से पूछ लेते हैं है। है। इंटीरियर डेकोरेटर्स पेंटर्स ये सब लिंग्विस्टिक वर्बल है जो लैंग्वेज में अच्छे होंगे मैथ्स में अच्छा कौन होगा भाई लॉजिकल मैथमेटिकल साइंटिस्ट और ये सारे लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करें बॉडीली लिकाइस्थेटिक जो बॉडी के साथ अच्छे नेचुरलिस्टिक जो नेचर के साथ इंट्रापर्सनल खुद को खुद के ही थॉट्स जैसे व्यक्ति कोई फलॉसफर हो सकता है इंटरपर्सनल आपका थेरेपिस्ट वगैरह लोग जो एक दूसरे को समझ नेता लोग ये सब इंटरपर्सनल में आ जाएंगे ठीक है तो आठ प्रकार की बुद्धि है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट आ, अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्रिटिक है कौन सा एक छोड़ के अब यहाँ पे आपको ये बेसिक सी बात मैं बता देती हूँ उसका क्रिटिसिज्म क्या है फटाफट से क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें आई थिंक ये लास्ट थियोरी होनी चाहिए इसके बाद थ्योरी नहीं है आपके सिलेबस में चॉम्सकी को थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे थ्री ईयर का अपलोड कर दो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ कर दूंगी डोंट वरी डोंट वरी बहुत बढ़िया यार आप लोग इतनी एनर्जी बना के रखे हुए हैं अभी तक बहुत बढ़िया हम्म हम्म अरे यार ये दिल खुश इतने दुखी क्यों है भाई क्या जीवन में समस्याएं चल रही हैं आपके है इतने सारे लोग प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार है इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं अभी बीपीएससी में रिजल्ट आता है जहां रिजल्ट आता है इतने टाइट मतलब अब भी कुछ ऐसा है कि कहने से कुछ होगा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार लाखों लोग कर चुके हैं नींद आ रही है नींद कैसे आ जाएगी आज कोई नींद नहीं है आज तो जागरण है देखो एक बार आते हैं फटाफट से आपको सर्दियों में बैठ के पढ़ना ही तो यार पढ़ लो क्या दिक्कत है आज निशा जी नहीं है निशा को बुलाया नहीं था यार मतलब मैंने क्वेश्चंस जानबूझ के ऐड नहीं किए थे एक दो क्वेश्चन बीच बीच में किए और है मतलब लोग तो हैं बट मैं चाहती नहीं कि अभी डिस्टरबेंस हो पोल नहीं लगवाएंगे आज देखिएगा एक बार अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी की तो इसका एक है कि ये लैक करती है एम्पेरिकल एविडेंस को यानी कि जो अनुभव जन्य साक्ष्य हैं एम्पेरिकल एविडेंस इसका मतलब ये नहीं है जीरो एम्पेरिकल एविडेंस है ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे तो एम्पेरिकल यानी अनुभव जन्य साक्ष्य उसको ये लैक करती है कि अनुभव के आधार पर कितने सच होंगे ये बातें अभी पूरी तरह से नहीं पता कम है साक्ष्य दूसरा रिसर्च में भी इलेक्ट करती है कि रिसर्च बेस्ड है ये चीजें या नहीं है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जस्ट लोगों की हॉबीज हो इंटेलिजेंस के टाइप होने की बजाय ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये मियर हॉबीज हो सकती हैं भाई मुझे म्यूजिक में भी इंटेलिज मैं मेरे को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है मैं गिटार भी बजा लेती हूँ मैं बाइक भी चला लेती हूँ मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेती हूँ तो ये हॉबीज भी तो हो सकती है कोई टेस्ट नहीं है ना जिसके द्वारा इनको प्रूव किया जा सके तो ऐसा ये आलोचना है हर व्यक्ति की आलोचना हुई अभी देखो दिल खुश आलोचना क्या वो तो ट्रॉल कर रहे थे आलोचना में तो फिर भी लॉजिक होता है है ना तो अगर हम बात करें रिसर्च बेस्ड अगर ये रिसर्च में भी ये लैक करती है तीसरी चीज के ये सिर्फ मियर हॉबीज हो सकती हैं यानी सिर्फ लोगों की हॉबी हो और आप उसको टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बता दे रहे हो जैसे हम सब खिचड़ी मिलेंगे आपको मतलब चावल भी है दाल भी है यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी थोड़ा सा गा भी लेते हैं थोड़ा सा बोल भी लेते हैं थोड़ा सा लिख भी लेते हैं तो कोई एक प्रकार इतना इस लेवल पे नहीं है तो किसी कोई किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकता है कोई टेस्ट नहीं है, है ना तो ये हॉबीज भी हो सकती है ये तीनों इनके क्रिटिसिज्म है इन्होंने इंडिपेंडेंट तो बताया ये बुद्धि क्या है सेट ऑफ एबिलिटीज है क्षमताओं का समूह है ऐसा नॉर्मल परिभाषा में कहते हैं बट इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट है जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आपके ब्रेन के किसी पार्ट में चोट लगी तो दूसरा पार्ट इनके हिसाब से अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले में लगी तो बाकी सब ठीक रहेंगे कोई दिक्कत नहीं देखो एक बार फॉलो आर दी फॉलो आर दी क्रिटिकल व्यूज अबाउट दियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट कौन सा एक यानी एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में ध्यान रखना एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों में ध्यान रखना कि अगर हम बात करें यहाँ पे सिवाय लिखा है तो ध्यान से जवाब देना है सिवाय लिखा है तो ध्यान से जवाब देना है हाँ बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया कोई कह रहा है क्लियर तेईस वाला पेपर यस में गिटार ढोलक तबला सब बजा लेता हूँ आई हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाँ बिल्कुल मीरा और इसमें लेवल ऊपर नीचे हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तो मेरे अंदर भी बराबर बॉडी कांस्थेटिक इंटेलिजेंस है विराट कोहली में भी बराबर हो गई और रश्मि का मंदाना उल्टा बोल दिया इस बार तो स्मृति इसम्र... <laughs> यार क्या, क्या नाम क्या याद था यार दिमाग का हलवा हो गया देखो एक बार तो अगर हम देखें स्मृति मंदाना हाँ तो उनमें भी बराबर होगी वो स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है तो अलग अलग लेवल पे ठीक है ना देखेगा एक बार तो एक्सेप्ट किसको छोड़ के बाकी सब क्रिटिकल एस्पेक्ट है एम्पेरिकल सपोर्ट को लैक करती है हाँ ये इसका क्रिटिसिज में आलोचना है रिसर्च बेस्ड नहीं है ये भी आलोचना है डिफरेंट इंटेलिजेंसेज डिमांड डिफरेंट मैथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स हाँ डिमांड होती है भाई आपको अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कह सकते हैं कई लोग लेकिन ये इसकी कोई आलोचना नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन ये कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की भाई हो सकता है मेरे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूं तो ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड है कोई तो वो सिर्फ एक क्षेत्र में अच्छा होगा बस वो लॉजिक में अच्छा होगा क्योंकि आईक्यू के आधार पर नहीं मान रहे ना गिफ्टेड किसी को ठीक है जी बात तो आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज एंड थॉट वाला आपका चैप्टर है फटाफट से करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पर मैं वैसे आपको बातें बता चुकी हूँ प्याजे कह रहे हैं थॉट से लैंग्वेज आ रही है विचार से भाषा वाइगॉस की कह रहे हैं विचार और भाषा साथ साथ चल रहे होते हैं तीन साल के बाद या पांच छह साल तक जाते जाते ही, मर्ज हो जाते हैं तो ये पैरल होते हैं समानांतर थॉट अलग लैंग्वेज अलग जन्म के समय और बाद में जाके मर्ज होंगे किसके अकॉर्डिंग वाइगॉसकी के अकॉर्डिंग और अगर मैं कहूं यहां पे प्याजे की बात तो प्याजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले लैंग्वेज बाद में ठीक अगर माने प्याजे ने वो इगो सेंटर के स्पीच को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच को दिया तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग तीन प्रकार है आपके स्पीच के पहला है आपका सोशल स्पीच सामाजिक वाक जब बच्चा आपस में घर वालों से बात करना सीख जाता है जन्म से दो वर्ष के बीच में या दो वर्ष तक आते आते जन्म से नहीं दो वर्ष तक से से वर्ष वर्ष के बीच में फिर प्राइवेट स्पीच आता आता है तीन से वर्ष। इस पे बहुत आता है इस बहुत क्वेश्चन कि बच्चा खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है जैसे आप पेपर सोल्व करते तो समय खुद से ही बातें कर रहे हैं कि अरे यार ये वाला नहीं हिमांशु ने तो ये बताया था अच्छा अच्छा अभी तो इतना रहता है अरे यार तू पागल है क्या तूने गलत कर दिया खुद से बात कर रहे हो तो बच्चा ये तीन से छह वर्ष में करता है कि वो खुद को ही दिशा देता है कोई पजल सॉल्व कर रहा होगा कोई गेम खेल रहा होगा वो कहेगा नहीं यार इसमें ब्लू वाला नहीं ब्लैक वाला शू लगना था इसमें तो ये वाला नहीं ये वाला कलर का पजल मिक्स होना था वो तू बुद्धू है क्या खुद से बातें कर रहा है वो बोल बोल के तो वो प्राइवेट स्पीच निज वाक कहलाता है ये इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डायरेक्शन स्वय दिशा खुद को दिशा दे रहा है वो बच्चा खुद से बात करके तो ये इंपॉर्टेंट है प्राइवेट स्पीच इसी को ईगो सेंटर कह दिया है प्याज ने तो प्याजी थियरी में उतना महत्व नहीं है जितना वाइगोस की थे प्राइवेट स्पीच का फिर आता है आपका साइलेंट इनर स्पीच साइलेंट इनर स्पीच साइलेंट इनर स्पीच अच्छा मुझे कलेक्टिव मोनोलॉग का एक कलेक्टिव मोनोलॉग नहीं इसका प्राइवेट स्पीच का एक उदाहरण याद आ गया वो कार्तिक आर्यन है ना जिस मूवी से वो फेमस हुए थे कौन कौन सी मूवी है वो प्यार का पंचनामा तो उसमें एक बहुत बड़ा उनका मोनोलॉग है वो प्राइवेट स्पीच है एक तरह की खुद से ही बात कर रहे हैं किसी और से नहीं खुद से बात कर रहे हैं तो वो क्या है प्राइवेट स्पीच का उदाहरण है जब बच्चा खुद से बात करे साइलेंट इनर स्पीच क्या है अब आपके अंदर चली जाती है स्पीच अब आप मन में भी किसी को गाली भी दे सकते हैं अच्छा भी बोल सकते हैं आप मन मन में 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 क्या सोचने में पता नहीं लगेगा बच्चों को दिक्कत होती है मन में सोचने में। वो तीन से छह वर्ष में वो बात भी करता है खुद से बोल बोल के कर रहा है मन में नहीं ज्यादा देर तक वो सोचता मिलेगा आपको ठीक है ना तो अगर हम देखें यहां पे तो सोशल स्पीच जो आप समाज में बातचीत कर रहे हैं प्राइवेट स्पीच तीन से छह जब आप खुद से बोल बोल के बच्चा खुद को दिशा दे बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट है निजवाक कह देते हैं हिंदी में ये हिंदी इंग्लिश पैडकॉलॉज में भी आपको पढ़ना है साइलेंट इनर स्पीच ये जब आपकी जो स्पीच है ये प्राइवेट स्पीच अंदर चली जाती है ब्रेन के अब आपको बाहर बोलने की जरूरत नहीं मन में भी आप सोच सकते हैं ये तीनों रहती हैं आप प्राइवेट स्पीच आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल स्पीच साइलेंट इनर ये छे साल के बाद आती है कि बच्चा मन में सोच सकता है छोटे बच्चे को मन मन में पढ़ने में भी दिक्कत होती है आप देखना छोटा बच्चा तीन से छे वर्ष में जैसे वो पढ़ना भी सीखता है तो वो बोल बोल के ही करता है सारी चीजें बाद में जाकर के वो मन मन में पढ़ पाता है ठीक है ये नोट्स पढ़ लिया है ना मल्टीपल टाइम्स ये पूरा सिलेबस आपका टाटा बाय बाय फिनिश है आज ठीक और ये नोट्स पढ़ लेना यार आज सुबह मैं नाश्ता करने गई थी जितनी देर में मैंने ऑर्डर दिया उतनी देर में मैंने दस पेज पढ़े बुक आया खाना मेरे साथ में कोई थे वो वॉशरूम से जितनी देर में आए उतनी देर में मैं ये खत्म कर चुकी थी जबकि हिंदी में हिंदी में मुझे थोड़ा समय लगता है पढ़ने में तो खैर तो ये ये नहीं हो रहा कि आपको यही करना है बट ये ज्यादा समय इनको नहीं लगेगा अगर आप ये सेशन देख चुके हैं तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना नोट्स है फ्री नोट्स आपको दिए हुए हैं तो लैंग्वेज एंड थॉट का आपको पता लग गया इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे, की, की बात करूं की हम कर चुके ना कि लर्निंग से डेवलपमेंट डेवलपमेंट से लर्निंग ये सब हम कर चुके हैं अब आपको सिंपल स्टेजेस देखनी है ज्यादा कुछ नहीं छोटा सा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा को अधिग्रहण करने की या स्टेज भाषा को सीखने की छह स्टेजेस हैं जिसमें हम एक काउंट ही नहीं कर रहे हैं क्राइंग जब बच्चा रोना शुरू करता है तब से भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है लेकिन हम कुइंग से शुरू कर रहे हैं छह हफ्ते यानी डेढ़ महीने में बच्चा कूकना शुरू कर देता है का पचा कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर देता है उसको कुइंग कहते हैं बैबलिंग क्या है बैबल करना यानी बल बलाना लगभग छह महीने की उम्र में बच्चा बा मा, पा, जो सिंगल सिलेबल वर्ड है वो बोलना शुरू कर देता है इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता लेकिन सिंगल्स लेबल शब्द एक शब्द क्लियरली वो बोलना शुरू करता है लगभग एक साल तक आते आते एक शब्द अवस्था इसको कहते हैं पापा खाना एक शब्द की अवस्था है फिर टू वर्ड स्टेज स्टेज या टेलीग्राफिक ये कई बार आ चुका है पेपर में टेलीग्राफिक स्टेज या टू वर्ड स्टेज या वो कौन सी अवस्था है जब पहली बार दो शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना सीखता है बच्चा एक नया वाक्य पहली बार बनाना सीखेगा अठारह से चौबीस महीने डेढ़ से दो वर्ष कहेंगे उसको दो शब्द की अवस्था दो वर्ष तक आते आते होती है कि अब वो दो शब्दों को जोड़ के मम्मी खाना

तो वो समझने तो पहले लगता है तीन साल से लेकिन जब उसमें वर्ड प्ले लिख दिया जोक लिख दिया है ना और इसके अलावा एक एक वो पहले आता है पन पन होता है इनडायरेक्ट सार्केजम के जैसा है ना वो जोक्स पे हंसता है बच्चा समझता है आपको आपके साथ भी ह्यूमर का इस्तेमाल करता है तो सात साल की उम्र सेवन ईयर्स वो जो, जो जोक और वर्ड प्ले में अगर इन्वॉल्व होने की बात है शब्दों के साथ खेलने में तो ये क्वेश्चन आया भी था तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ अच्छा शब्द संपदा की बात और कर लेते हैं शब्द संपदा की बात और कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है प्रोफेसर स्मिथ अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी यह भी एक नंबर क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछा जा सकता है एक साल के बच्चे के पास दो शब्द होते हैं यानी उसकी शब्द भंडार में वो में टू वर्ड्स होते हैं दो साल के बच्चे के पास दो शब्द होते हैं है ना उसकी जो है शब्द भंडार और पांच साल के बच्चे के पास दो शब्द होते हैं तीन साल के बच्चे के पास अब आप कहेंगे उन्होंने तीन स्टेजेस में निपटा दिया वोकैबलरी को अगर हम देखें तो ये कहीं पूछा भी गया क्वेश्चन तीन साल में लगभग नाइन हंड्रेड प्लस यानी हजार शब्द के आसपास की वो कैब यानी शब्द भंडार और चार साल में पंद्रह सो सोलह सौ प्लस की वो कैब उसकी होती है ठीक है ये अलग से बताया मैंने वैसे प्रोफेसर स्मिथ ने जो है इन तीन के साथ बात खत्म कर दी है चलिए आते हैं अब जेंडर पे आते हैं इतना ही जानना आपके लिए ना फिर वो जो फोनीम और मॉरफीम वगैरह होते हैं वो मैं हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में कराऊंगी दोनों में तो आप वहां भी सीख सकते हैं फिर भी अगर आपको लग रहा है कि फोनीम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है ना जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता मॉरफीम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जैसे वाटर को अगर तोड़ देंगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा फोनिम क्या है सी एच मिलकर च की आवाज आती है ये फोनिम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनिम अर्थ की सबसे छोटी इकाई मोरफीम और अगर मैं बात करूं यहां पे सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल करके कुछ बनाएंगे सिमेंटिक होता है मीनिंग सेंस सही निकलना चाहिए जैसे भारतवर्ष में हम क्या कह देते हैं जी फलाने एक्सपायर हो गए लोग एक्सपायर थोड़ी होते हैं इंसान एक्सपायरी डेट के साथ थोड़ी कि बॉटल अब, अब है कोई खाना है पानी है बिस्किट का पैकेट है दवाई है तो एक्सपायरी डेट डेट आएगी इंसान की एक्सपायरी थोड़ी आती है पहले से तो वो पास अवे होगा या डेथ होगी उनकी तो वो सिमेंटिकली गलत है वो सेंटेंस पेपर में पूछ लेता है जैसे मैडम ड्राइव बाइसिकल तो मैडम ड्राइव करती है बाइसिकल को तो ये ड्राइव करना जो है ये सिमेंटिकली गलत है सिंटेक्स सही है जहां सब्जेक्ट होना चाहिए मैडम मैडम की जगह है ड्राइव्स मतलब तो वर्ब वर्ब की जगह दी बाइसक, जो बाइसिकल है वो ऑब्जेक्ट की जगह में तो सही है स्ट्रक्चर सही, सही है लेकिन बैठते हैं तो उसको राइड करेंगे या एक्सपायर नहीं हुए होंगे पास अवे हुए होंगे दवाई थोड़ी थे जो एक्सपायर हो गए ठीक तो ये सिमेंटिकली गलती है तो ये बेसिक सी बात है क्लियर खाना नहीं यार मैंने हाँ मैं उठी थी पांच बजे क्योंकि मैं सोई थी कितने ग्यारह बजे सुबह प्रेपरेशन में टाइम लगता है मैं वैसे भी रात को ये वाला रूटीन खैर मैं अब ठीक कर लूँगी अब देखते हैं जेंडर पे आते हैं जेंडर एक नंबर का टॉपिक है तो मैंने उठ के पाँच बजे छः बजे करीब मैंने साढ़े पाँच उठी थी शायद मैं छः बजे करीब मैंने क्या खाया था एक पराठा मूली का पूरा नहीं छोटा सा पराठा था ये उठते ज़्यादा खाया नहीं जाता और थोड़ी सी चाय उसके बाद एक और चाय हो चुकी है कोई दिक्कत नहीं सब बढ़िया चल रहा है देखिएगा एक बार अब इसके बाद खाना रखा हुआ है तब खाया जाएगा कोई बात नहीं एक डेढ़ घंटे में कर लेंगे खत्म डिनर नहीं ब्रेकफास्ट किया है अभी तो मेरा रूटीन ही उल्टा चल रहा है सुबह सात बजे उठा मैं अरे वाह यार आप लोग सुबह से जगे हुआ बहुत बढ़िया बट आप लोग तैयारी भी तो नहीं कर रहे मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं देखो जेंडर मतलब स्क्रीन पे ही हूं मैं इतने दिनों से बहुत ज्यादा ये जो पूरी प्रेपरेशन चल रही है आपको पीडीएफ देने से लेके बनाने से लेके जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट खैर हमारे सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं इसमें कंपेरेबल बातें ही नहीं है कि मैं एक कू आप कम मेहनत करती हूँ मैं ज्यादा आप ज्यादा मैं कम है ना हमारे सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं कुल मिला के एक ही उद्देश्य है कि पेपर पास होना चाहिए सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर क्या है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर और सेक्स एक नंबर का टॉपिक है एक ही नंबर के हिसाब से बताऊंगी ऐसा नहीं है नहीं तो इसको करने में एक घंटे की क्लास लगती है प्रॉपर जेंडर यानी लिंग हिंदी में लिंग ही कहेंगे इंग्लिश में भी लिंगी मतलब सॉरी जेंडर और सेक्स दोनों को लिंग कहते हैं हिंदी में तो आप इंग्लिश की साइड जरूर झांक के देख लीजिएगा पेपर में जेंडर सामाजिक संरचना जीएस जनरल स्टडीज पढ़ते हो ना तो इससे याद रख लेना जी एस जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है ठीक इसके अलावा जो बच्चा है वो बायोलॉजिकल हो गया सेक्स बायोलॉजिकल ये एस बी है सेक्स क्या है बायोलॉजिकल जैविक संरचना अलग है महिलाओं और पुरुषों की महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं पुरुषों का जैविक संरचना अलग है ये हुई बायोलॉजी हमारी हम बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं ये हुआ सेक्स का अंतर जेंडर क्या है जेंडर सोसाइटी ने हमें अलग बना रखा है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी पुरुष ये कपड़े पहनेंगे महिलाएं ये काम करेंगी पुरुष ये काम करेंगे है ना लड़की हो सॉफ्ट बात किया करो प्यार से उल्टा जवाब मत दिया करो ये सब क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दर्शाता है जो रूढ़ीबद्धता है समाज में बनाई गई हैं तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है सामाजिक संरचना है समाज के द्वारा निर्मित है ऐसा नहीं है घर का काम महिलाएं ही अच्छा करेंगी अगर आप सदियों तक महिलाओं से ही सिर्फ घर का काम कराएंगे तो वे कंडीशनिंग का भी रोल प्ले हो जाएगा वहां पर जैसा कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि लड़कियों को खेलने के लिए डॉल लड़कियां चूज करती हैं दिए जाते हैं जब उनको और लड़के जो हैं कार्स से खेलना पसंद करते हैं इसके पीछे का रीजन तो वो पहली नजर में स्टीरियोटाइप वाली ही बात थी लेकिन उन्होंने पूछा था कि ऐसा अब ऐसा होता है इसका रीजन क्या है क्योंकि ज्यादातर कल्चर यही प्रेफर कर रहे हैं बार 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 उसने अपनी मम्मी को अगर कोई बेटी है घर में यानी गर्ल चाइल्ड है तो उसने मम्मी को हमेशा खाना बनाते हुए मेकअप करते हुए देखा है पिताजी को बाहर जाते हुए देखा है यदि तो उसकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली कई बार बन जाती है माँ बाप को देख के उसको भी यही लगेगा कि यार मैं लड़की हूँ मेरे को घर के कामों में इंटरेस्ट होना चाहिए मेकअप में होना चाहिए और बाहर के काम तो पिताजी या मेरा पति करेगा तो ये क्या है ये एक तरह की कंडीशनिंग है जो सोशलाइजेशन जो कल्चर में हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है इसलिए लड़कियां जो है डॉल्स को चूज कर रही हैं और लड़के कार को क्यों क्योंकि वो ज्यादातर कल्चरल कल्चरल रोल जो सोशल जेंडर रोल्स हैं कल्चर में उनको हम दिमाग में बिठा लेते हैं एज अ चाइल्ड है ना जेंडर क्या है एक कॉन्स्टेंट चीज है जेंडर कॉन्स्टेंसी थियोरी है जो तीन से पांच वर्ष में बच्चे को समझ आ जाता है कि यार जैसे मैं कपड़े बदल सकता हूं उतनी आसानी से मैं जेंडर नहीं बदल सकता यानी जेंडर की अगर हम बात करें तो ये हम ये कहेंगे कि बच्चे को समझ ये फिक्स है एक तरह से बट वो उस सेंस में फिक्स है जेंडर कॉन्स्टेंसी की थ्योरी के अनुसार अगर यहां देखें तो जेंडर क्या हो गया फ्लेक्सिबल हो सकता है जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए सेक्स तो चलो स्टैटिक हो गया कि भाई सेक्स तो आप नहीं बदल सकते ना आजकल चलो उसके भी प्रावधान है कि मेडिकल साइंसेज उतनी आगे बढ़ गई है एंड ऑल बट वो कौन सी मूवी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी और समथिंग है ना तो वो उस तरह की सर्जरी और बाकी चीजें अवेलेबल है बट अगर हम नॉर्मल केस में देखें मतलब जो प्रकृति ने हमें जिस तरह से बनाया है, तो वो सेक्स क्या है बायोलॉजिकल है स्टैटिक है चेंजेस लेकिन जेंडर रोल्स को तो आप कभी भी बदल दो ये तो सामाजिक संरचना है भाई महिला घर का काम का कर सकती है पुरुष भी कर सकता है तो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है सोशल कंस्ट्रक्ट है जैसा की पहले मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया करते थे हम लोग तो सिमोन सिमोंदे बुआ का भी जो कोट है कि वेमेन आर नॉट बॉर्न दे आर मेड सो यानी महिलाएं जन्म न लेती बनाई जाती हैं ठीक है ना ओनली वन वीक ऑफ योर लेक्चर्स गॉट हंड्रेड प्लस मार्क्स धर्मेंद्र देव सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया धर्मेंद्र बहुत ही बढ़िया चलिए आ जाइए तो अगर हम बात करें यहां पे आपको बेसिक दो तीन चीजों का ध्यान रखना है मैं यहां लिख भी देती हूँ है ना एक तो है जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी तो सिंपल बात कि जेंडर लिखा है तो हमें देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप ये दो तीन चीजें हैं जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता लिख देती हूँ इसको रूढ़िबद्धता ठीक है लिंग रूढ़िबद्धता ये एकदम नेगेटिव चीज है रूढ़िबद्धता क्या है लड़कियां बाहर नहीं जाती है ना एक दादी है जो अपनी पोती को ट्रिप पे नहीं भेज रही है क्योंकि वो कह रही है कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती अच्छे घर की लड़कियां घर पे रहती हैं ये क्या स्टीरियो टाइप है है ना तो ये स्टीरियो टाइप है जो समाज में एक नेगेटिव चीज चली आ रही है यानी जो परंपरा चली आ रही है एक तरह की परंपरा कह लो है आपको जो एक मिसकॉन्सेप्शन है प्रेजुडिस जिसको हम कह रहे हैं बायसनेस जिसमें है अधिकार नहीं है बताओ तो ये भी तो सारे है। क्यों नहीं रोएंगे रो सकते हैं। लेकिन वो हमने कंडीशनिंग कर दी तो स्टीरियो टाइप क्या है जो चला आ रहा है लड़कों को गाड़ी पसंद है लड़कियों को खिलौने जो है पिंक कलर पसंद है इसलिए पिंक लगाया आज यहाँ पे मुझे पसंद ऐसा नहीं है कोई दिक्कत भी नहीं कलर्स तो सारे अच्छे होते हैं बट मतलब ये दर्शाने के लिए ये सोशल कंस्ट्रक्ट है किसी लड़के को भी पिंक कलर पसंद हो सकता है किसी लड़की को भी ब्लू कलर पसंद हो सकता है तो वो नॉर्मल बात होनी चाहिए तो ये बदता कि किसी काम से रोल को जोड़ दिया आपने जेंडर रोल समाज में जोड़ दिए जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है आप मेल होते हुए भी फीमेल के जैसा महसूस कर सकते हैं आजकल चल रहा है ना इंटरनेट पर होता है हिज हर मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं खुद को है ना इफ यू आइडेंटिफाई एज अ अन और अगर आप लड़के हैं तो फिर क्या होगा जेंडर आइडेंटिटी आपकी फिर फीमेल की है तो आइडेंटिटी आप खुद में कैसा मानते हैं डिस्पाइट आपकी बायोलॉजी क्या है खैर उतना नहीं घुसना है तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है भूढ़िबद्धता जो चला आ रहा है लड़के रोते नहीं है लड़कियां हंसती नहीं आई I मीन mean, लड़कियां बोलती नहीं है मजाक कर रही हूं तो ये बेसिक सी बात है ये स्टीरियोटाइप हमारी किताबों में भी झलकते हैं तो हमें इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की बात करनी है जो किससे होगा डिस्कशन से होगा हम चैलेंज करने करें हमारी जो भाषा है कई बार जो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है टीचर्स को भी और आपके करिकुलम में आपकी किताबों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पुरुष मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं और चार महिलाएं मिलकर उस काम को दो दिन में करती हैं इसका मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज भाषा तटस्थ होनी चाहिए भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी बीसीसीआई ने आई थिंक किया है ना कि बैट्समैन यूज मत कीजिए आप भाई बैट्समैन क्या होता है बैटर बना दिया तो बेटर भाई बैट जो यूज करे व्यक्ति वो बेटर हो गया बैट्समैन से क्या दिखता है कि सिर्फ पुरुष ही होगा जो क्रिकेटर यानी बैट्समैन होगा जो बल्ला चला सकता है जबकि यहां प्रोफेशन में जरूरत ही नहीं है आपका जेंडर दर्शाने की बैटर बना दिया महिला हो पुरुष हो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो गई कैमरा पर्सन की जगह कैमरा मैन की जगह जब आप कैमरा पर्सन यूज कर रहे हैं चेयरमैन की जगह जब आप चेयर पर्सन यूज कर रहे हैं तो वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है जैसे टीचर भी अपने आप में जेंडर न्यूट्रल है जब आप फीमेल टीचर मेल टीचर ये सब लगा रहे हैं तब दिक्कत है तो खेर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो गई सिंपल कोई दिक्कत नहीं है जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना यानी समता आप किसी के भी प्रति भेदभाव ना करें और इक्विटी का ध्यान रखें तो स्टीरोप एकदम खराब बात है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्टीरियोटाइप नहीं चाहिए एक चीज है जेंडर बायस जेंडर बायस क्या है चाहे आप महिलाओं के प्रति झुके हुए हैं चाहे पुरुष के प्रति अगर वो फेयर नहीं है अगर वो इक्विटी का देखिए रिजर्वेशन अलग चीज है जब हम ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों को सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं दिलवाना चाह रहे मतलब फ्री है उनका फॉर्म भरना इसका मतलब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी जिसको पीछे छोड़ दिया गया है उसको आप ऊपर ला रहे हैं रिजर्वेशन दे करके वो बायसनेस नहीं है वो इक्विटी है समता है कि जब आपने मेट्रो में एक फर्स्ट कोच जो है बुक कर दिया या रिजर्व कर दिया फीमेल्स के लिए है ना ताकि उनकी सेफ्टी और बाकी रीजन जो मैं साइकिल है एंड ऑल अभी जो मैं लीव की बात चल रही थी न्यूज में तो वो जेंडर इक्विटी को ध्यान में रखने, रखते हुए बात की गई थी हालांकि अभी शायद हम उतने इवॉल्व नहीं हुए मतलब एज अ सोसाइटी या समय का वॉट तो जेंडर बायस की अगर हम बात करें यहां पे तो अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं बिना रीजन के चाहे वो लड़का हो लड़की हो तो जेंडर बायस है और जेंडर स्टीडियर में बायसनेस होती है क्योंकि कि किसी एक तरफ आप झुके होते हो ठीक है तो आपको जेंडर पैरिटी जेंडर न्यूट्रल या जेंडर सेंसिटिव होना है अगर मैं कहूं तो क्लियर है बात चलो इतना ही काफी है और जेंडर कहां से ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्ट है कहां से आता है मीडिया से आता है अगर हम बायसनेस किताबों में देख रहे हैं अपने घर में देख रहे हैं मूवीज में देख रहे हैं है ना ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां महिलाओं कमजोर पुरुषों को बहुत ही ताकतवर दिखाया जा रहा है जबकि हमें ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे जो स्टीरियो को क्या करें ब्रेक करें चैलेंज करें जैसे जब हम बात करें लड़कियां कमजोर होती हैं तो हम करना मलेश्वरी का भी एग्जाम्पल दें जो एक किलोग्राम तक वजन उठा लेती है वेट लिफ्टर हैं हम मैरी कॉम का भी एग्जाम्पल दें हम ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखें है ना सारे लड़के भी एक सौ तीस किलोग्राम वजन नहीं उठाते तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं लोगों में यह हमें समझना होगा जब हम गणित में लड़कियां कमजोर होती हैं ये भी स्टीरियोटिपिकल बात है रूढ़ीबद्ध बात है बायसनेस है इसमें क्योंकि फिर हम शकुंतला देवी का एग्जाम्पल लाए क्लास में तो ऐसी चर्चाएं क्लास में होनी चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग से ये चीजें निकले अगर हमारी हर जनरेशन में यही बढ़ता रहेगा तो गड़बड़ है फिर ठीक चलिए खैर आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसिस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता की बात करता है हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है यानी हम सभी भिन्न हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का रीजन क्या है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये आपको पता ही है हमने पढ़ा था हम किसका प्रोडक्ट हैं डेवलपमेंट प्रोडक्ट है विकास गुणनफल है उत्पाद है किसका आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ठीक है तो अगर हम देखें लैंग्वेज के आधार पर भिन्नता हो सकती है क्लासरूम में कोई बच्चा पंजाबी बोलता हो कोई गुजराती बोलता हो कोई मलयालम बोलता हो कोई हिंदी बोलता हो कोई इंग्लिश बोलता हो कोई कुछ और बोलता हो फारसी बोलता हो तो भाषा के आधार पर हम अलग होते हैं क्लास में बच्चे कास्ट जाति के आधार पर अलग होंगे आपको क्या पढ़िए भाई भाई जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं तो आप एम्ब्रेस कर सकते हैं सबको कोई दिक्कत नहीं है सबको साथ लेकर चल सकते हैं जरूरी थोड़ी है फिर जब मैं आपका सेशन शुरू होता है और मैं बोलती हूँ यस वी आर लाइव नाउ गुड इवनिंग एवरीबडी या कुछ तो मैं बोलती हूँ वो शुरू की लाइन अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त है सभी गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत्यकाल असला आर यू फील कनेक्टेड विद इसका मतलब क्या है मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रही हूँ डायवर्सिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं जस्ट ये नहीं कह रही हूं कि जब मेरा मतलब यह है कि नमस्कार भी स, राम राम भी हो रही है सत श्री अकाल भी इसका मतलब क्या है डायवर्सिटी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं और टीचर को ऐसा होना चाहिए मैं ये नहीं कह रही हर टीचर को यही बोलना चाहिए शुरू में आई एम जस्ट सेइंग कि टीचर को ये बात कन्वे करनी चाहिए कि वो सभी कल्चर की सभी संस्कृतियों की सभी भाषाओं की इज्जत करता है ना टीचर का कट्टरपंथी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है आप पर्सनली क्या मानते हैं आप पर्सनली किसी आप जातिवादी वैसे तो होना नहीं चाहिए आपको हैं भी तब भी भाई साहब क्लासरूम में वो बच्चे हैं आपके लिए है ना आप देश का निर्माण कर रहे हैं जाति के आधार पर बांट के सत्यानाश हो जाएगा है ना तो कास्ट लैंग्वेज जेंडर बच्चा मेल है कि फीमेल है इस बात में आप इक्विटी का ध्यान रख सकते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे कि भेदभाव करने लग जाए कम्युनिटी हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है अपनी वीकनेसेस है उसके हिसाब से आपको लेके चलना है समुदाय कोई किसी ऐसे समुदाय से आता है जो पिछड़े वर्ग से है या पहली जनरेशन का लर्नर है रिलीजन कौन किस धर्म से आता है इन सब के आधार पे हमारे अंदर भिन्नताएं होती हैं और भिन्नताएं नहीं होंगी तो हम रोबोट्स बन जाएंगे चिट्टी बन जाएंगे हम है।, है ना मैं बनी हुई हूं जैसे एक दो तीन दिनों से बस पीपीटी पीपीटी तो लैंग्वेज कास्ट जेंडर कम्युनिटी रिलीजन और भी बहुत सारे हम अपने रंग रूप सोच विचार रुचियां इंटरेस्ट सबका सेम नहीं होता एप्टीट्यूड कौन किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है किसके अंदर कौन सी स्किल को सीखने की क्षमता है एटीट्यूड नजरिया इन सब में भिन्न होते हैं उसके बावजूद आपको बच्चे को सिखाना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं होने चाहिए अच्छी बात है वेरिएबिलिटी क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सब में वेरिएशन है ये अच्छी चीज है ठीक है ना ये अच्छी चीज है इसको एम्ब्रेस करना है इसको एसेट की तरह एक रिसोर्स की तरह यूज करना है एक टीचर को सिंपल बात आगे बढ़ेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सी ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का फिर छोटी छोटी सी बातें हैं वो एक एक नंबर की चीजें हैं बस इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ा सा होगा उसमें भी मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी टू द पॉइंट इक्विटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी समझा दो अभी समझाऊंगी जान के नहीं समझा रही हूँ ना इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा वो टॉपिक वी विल डिस्कस अजीत कह रहे हैं कि बिहार के फलाने लोग किसी एक नेता का नाम ले रहे हैं कि उनके भक्त हैं देखिए वैसे तो और ये जब तक ये चलता रहेगा ना तब तक जो जरूरी चीजें हैं जो हमारी रोजगार पे हमारा ध्यान नहीं होता हम वोट देते हैं जाति को देख के अगर ऐसा करता है कोई तो और बिहार में तो अभी ये निकल के भी आया ना वो सारा कुछ तो जो भी एक है बट फोकस आपको यही रखना है कि आप इन चीजों से बचें एज अ टीचर अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसी स्कूल आधारित आकलन एवं सीसी स्कूल आधारित आकलन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं एक, एक ही मिनट लगेगी एस बी ए की अगर हम बात करें ये टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे आपका सिलेबस अब चेंज होगा जल्दी ही इस साल मुझे लगता है इस साल के अंत तक आते आते जो दूसरा सीट एट हो रहा होगा हो सकता है पहले में भी कर दें सिलेबस चेंज हो जाएगा क्योंकि अब तो सी सी ई भी अपडेट हो गया समय के साथ सिलेबस आपका चेंज नहीं होता देखिए एस बी ए की अगर हम बात करें तो यह एक होता है होम बोर्ड एग्जामिनेशन होम एग्जामिनेशन दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं आपके प्रैक्टिकल लेते हैं बोर्ड्स मैंने और आपने ऐसे दिए हैं मेरे पास तो ऑप्शन था होम बोर्ड का बट मैंने वो नॉर्मल एक्सटर्नल वाला ही चूज किया था

तो एक तो ये बात थी इस पर कई पक्ष हैं कुछ लोग इसको खराब मानते हैं कुछ लोग अच्छा मानते हैं बट इसमें मान लेंगे हम कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा वो बच्चा जो ज्यादा क्लोजली देखता है नेचर और नर्चर को बताएं बता तो दिया था शुरुआत में दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी में एनवायरमेंट यार मैं पहले यूपी बोर्ड से थी फिर इधर आ गई थी तो टेंथ में फिर सीबीएसई हो गया था ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया फ्रॉम कोलकाता cool अच्छा आ जाओ ऐसा मत बोलो क्या बोलते तो अच्छा, बोल अच्छा, तो मतलब है तो हैं मतलब कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे यार उसको भी डिस्कस करेंगे होना हो तो ना मेरे हाथ में ना आपके है ना मेरा बस चले तो सबको ऐसी नौकरी मिल जाए फिर बट अच्छी बात है ना सीखने का मौका चैलेंजेस ठीक है अब क्या कर सकते हैं जो सिस्टम है तो है अब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहसि समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक है ना सतत मतलब लगातार आकलन हो साल भर कॉन्टिन्यूटी में अलग अलग समय पर एक्टिविटीज होती रहे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल व्यापक एंड यानी शैक्षिक व सह शैक्षक पक्षों में यानी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं एक्टिविटीज आप फील्ड ट्रिप भी करा रहे हो बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो उसका पोर्टफोलियो भी बन रहा है हर पक्ष में आप उसका आकलन कर रहे हो ये सीसीई कहता है अगर सीसीई की बात कर रहे हो जरूर नहीं पूरा सिलेबस चेंज होगा कुछ पार्ट चेंज हो सकते हैं सीसीई की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे सी सी में जो पहला सी है कॉन्टिन्यूस सतत रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट लगातार ऐसा नहीं साल के अंत में एक दिन पेपर हो रहा है बच्चा डर जाए नहीं लगातार कुछ ना कुछ कभी एफ हो रहे हैं कभी कोई एक्टिविटी हो रही है कभी ऑब्जर्वेशन कभी ओरल टेस्ट इस तरह की चीजें चल रही हैं तो कॉन्टिन्यूटी में आपको फीडबैक रहेगा आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्या है स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक शैक्षिक व सह शैक्षिक यानी पेपर पेंसिल टेस्ट भी सिलेबस एकेडमिक्स वाला भी और बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि कम्युनिकेशन में अच्छा है डिबेट में अच्छा है सारे पक्ष होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण आकलन कर रहे हैं जो आपका होलिस्टिक असेसमेंट की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है लास्ट में करेंगे उस पर बात तो मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल आस्पेक्ट यानी कैप सी ए पी कॉग्निशन यानी दिमाग अफेक्शन दिमागनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन दिमाग दिल और हाथ मतलब फिजिकल एक्टिविटी तीनों ही पहलुओं में आप बच्चे को जांच रहे हैं है ना evaluation, आपको जांचना जांचना का इस्तेमाल करना रेटिंग स्केल, ये सब तो evaluation हो गया Daily basis पे सभी पहलुओं में बच्चे को इवेल्यूशन करना क्या है सीसीई है सीबीएसई ने दो हजार नौ में इसको लागू किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो असेसमेंट क्या होता है असेसमेंट होता है आकलन जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं रिव्यू करते हैं और पर्पस क्या है इसका आकलन का कि आपने डेटा कलेक्ट किया बच्चों को ऑब्जर्व किया चीजें निकाली उसके बारे में पता किया कहां उसकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए तो फीडबैक के लिए आप असेसमेंट करते हैं प्रति पुष्टि मिल सके लर्निंग को अपने मैथड्स को कहां इंप्रूव कराना है ये सब जान सके इसलिए आप असेसमेंट करते हैं है ना बच्चा किस एरिया में वीक है कहां दिक्कत है एक चीज होती है मेजरमेंट मापन कि आपके कितने परसेंट नंबर आए यानी जिस चीज को आप माप सकते हैं यूनिट में वो है मेजरमेंट तो कुछ पहलू तो ऐसे होंगे कि इतने में से इतने नंबर मिल गए ये मेजरमेंट हो गया रेटिंग स्केल में पता लगा लिया आउट ऑफ फाइव कितना आप स्कोर कर रहे हैं असेसमेंट में जरूरी नहीं है। हर जगह पे नंबर से पता लगेगा आपको आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं जैसे डेवलपमेंट को असेस कर, किया जा सकता है पूरी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता विकास के सभी पहलुओं को मेजर करना असंभव है जबकि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है तो ग्रोथ मेजरेबल होती है लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्वेबल होता है असेस किया जा सकता है आकलन लगाया जा सकता है अंदाजा लगाया जा सकता है कई चीज़ों में कि आप इसमें अच्छे हैं इसमें बुरे हैं जरूरी नहीं हर चीज में आपको नंबर से मार्किंग की जाए तो जहां आप मार्किंग कर पा रहे हैं कि इतने परसेंट आ गए तो वो मेजरमेंट का आस्पेक्ट हो गया असेसमेंट क्या है जब आप फीडबैक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बच्चा किस फील्ड में अच्छा है क्या है फीडबैक चेंजेस क्या ला सकते हैं मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों ही पार्ट किसका है इवेल्यूएशन का तो इवेल्युएशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें मेजरमेंट और इवेल्यू ये असेसमेंट दोनों शामिल हैं आकलन भी करना जिसमें आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जांच रहे हैं बच्चे को जान रहे हैं चेंजेस ला रहे हैं मेजरमेंट जिसमें आप परसेंटेज के बेसिस पे चीजें कर रहे हैं और ये दोनों इवेल्यूएशन में आ जाते हैं यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा है अगर हम बात करें टाइप की यहां आपको पता है ये आपका फेवरेट टाइप होगा ठीक है ना सीसीएल and... आएगा क्या नहीं 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 अंकिता सीसीएल मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया है आपको क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी एबिलिटी टू लर्न एक मिनट उठ लो देखना एक बार इतनी बात क्लियर है दोपहर के समय मैराथन कराएं शाम को ससुराल में खाना बनाना पड़ता है जिसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है आई अंडरस्टैंड कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देख लेना है ना और आ, कोई कह रहा है हेयर कितने ब्यूटीफुल हैं, क्या लगाती हैं नेहा लिटरली मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिली है जब से उठी हूँ है ना देखो एक बार अगर हम बात करें अगर हम बात करें गीजर ऑन किया था जा नहीं पाई उन्होंने देखो एक बार ना सर्दियों में वैसे सबका यही हाल है देखो एक बार असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग देखिए एक बार हेयर पे बाद में आएंगे देखिएगा अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग ये तीन प्रकार के असेसमेंट हम जरूर पढ़ते हैं पेपर में आते भी हैं हर बार असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन अधिगम चल रहा है अधिगम को बेटर कराना है फीडबैक के लिए इंप्रूवमेंट के लिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जैसे अभी आपसे मैं पूछूं कि अच्छा इसका जवाब दो पोल में आप जवाब दे रहे हो कोई फाइनल नंबर मिलेंगे इससे नहीं लेकिन मेरे पास फीडबैक आ जाएगा कि कितने परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं तो मैं अपने मेथड में क्या इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ टीचिंग मेथड में या कहा गलती है वीकनेस ये सब पता लग जाएगा मुझे फॉर लर्निंग क्या है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ये एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है ध्यान रखिएगा इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एक्टिविटीज क्या है फील्ड ट्रिप हो सकती है क्वेज हो सकती है कोई है ना कोई क्लास टेस्ट हो सकता है ये एक्टिविटी सेंटर्ड है ये पेन पेपर टेस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता पेन पेपर टेस्ट होता है ऑफ लर्निंग में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो आपके एफ नहीं होते रचनात्मक आकलन तो ये उसका हिस्सा है ये फीडबैक के लिए किया जाता है है ना ऑफ लर्निंग क्या है ऑफ लर्निंग जजमेंट कुछ हद तक आपको एविडेंस के लिए किया जाएगा अगर मैं जजमेंट ना भी लिखूं कि आपको एविडेंस बेस्ड होता है ये और अगर मैं देखूं यहां पे जजमेंट भी कुछ हद तक कह सकते ऐसे सब्मेटिव असेसमेंट जो आपका टर्म एंड हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम या जो आपका सीट एट फाइनल इक्कीस तारीख को हो रहा होगा वो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है जितने नंबर आ गए आ गए फॉर लर्निंग क्या है जब आप मॉक लगा रहे हैं अभी आपको इंप्रूवमेंट का पता है जब आप खुद से ही मॉक लगा रहे हैं तो एज लर्निंग जब आप किसी से टेस्ट में चेक भी करा रहे हैं जाकर के टीचर से तो वो फॉर लर्निंग हो जाएगा तो फॉर लर्निंग में फील्ड ट्रिप हो गए कोई भी एक्टिविटी जो है वो फॉर लर्निंग में जाएगी कोई एक वो क्वेश्चन आता है ना पहले दिक्कत होती थी इसके लिए मैंने बहुत सीसी uh, के मैनुअल वगैरह पढ़े तब जाकर के चीजें क्लियर हुई थी शुरुआत में क्या होता था और कई बार ऑफिशियल आंसर की में भी एक बार की आई थिंक गड़बड़ है ज्यादा तो होती नहीं है तो एक कुक uh, है जो खाना बनाते हुए टेस्ट करता है तो असेसमेंट एज लर्निंग है खुद से कर रहा है अगर एज लर्निंग का उसमें ऑप्शन नहीं है तो वो फॉर लर्निंग है क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है तब आकलन कर रहा है ऑफ लर्निंग वो ऑफ लर्निंग नहीं होगा क्योंकि ऑफ लर्निंग वो तब हो जाएगा फिर जब कोई और मास्टर uh, शेफ में गए आप और किसी ने फाइनल नंबर दिए हैं आपको अपने खाने पे तो वो ऑफ लर्निंग तब होगा जब वो खुद से टेस्ट करे या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फीडबैक लिए चीजें हो रही हो बहुत बड़े शोरसिंग तो क्या होगा फॉर लर्निंग हो जाएगा लर्निंग जब जजमेंट या फाइनल आपको percentage बताने है कुछ जैसे और हाफ तो ऑफ लर्निंग है जब बच्चा खुद खुद से खुण का आकलन करे या या उसके दोस्त, सेल्फ या टीचर ही लेगा फॉर लर्निंग भी टीचर होता है यहां पे लेकिन for learning, learning में सुधार के लिए इंप्रूवमेंट के लिए ऑफ लर्निंग है जजमेंट या फिर फाइनली आपको पता लग एविडेंस मिल जाए कितना आता है बच्चे को। तो ईअरली हाफ ईयरली पेन पेपर टेस्ट जो है वो ऑफ लर्निंग में आएगा अगर पेन पेपर टेस्ट लिया जा रहा है फाइनल एकेडमिक पेपर का तो वो अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो एफ सिंपल बात है पेपर पेंसिल ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन अगर एक्टिविटी हो रही है फील्ड ट्रिप है कोई भी क्विज है तो ये फॉर लर्निंग ठीक है टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है यानी आपके एस में आते हैं एफ का पार्ट है फॉर लर्निंग एस का पार्ट है ऑफ लर्निंग एज लर्निंग भी एफ में ही जाएगा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है तो अब यहां पे ये देख लेना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है अधिगम के लिए आकलन आपकी स्किल्स का अंडरस्टैंडिंग का फीडबैक देने के लिए फॉर लर्निंग क्योंकि लर्निंग अभी हो रही है मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ आज हम इंप्रूव कर लेंगे चीजें ऑफ लर्निंग ऑफ लर्निंग में फीडबैक का स्पेस नहीं है क्योंकि एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स यानी एक स्टैंडर्ड सेट है एक बेंचमार्क सेट है कि नब्बे नंबर लेकर के आने नहीं तो फेल हो जाओगे तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है जब फाइनली आप एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट एक बेंचमार्क के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना है तो जजमेंट के लिए होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए है और कैसे इंप्रूव कराएं मेथड्स एज लर्निंग जब आप खुद से ही लगे हुए हैं कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है रिफ्लेक्ट करना है फिर चलिए खैर कुछ टेक्निक्स होती हैं असेसमेंट की फटाफट से देख लेते हैं फिर नॉम रेफरेंस और क्राइटेरियन uh, रेफरेंस पे चलेंगे

किसी बिहेवियर को आंकना है बच्चे की कोई पर्टिकुलर स्किल को आंकना है तो रेटिंग स्किल का इस्तेमाल सोशियोमेट्री होती है कि बच्चा सोशली कितना बेहतर है जब हम कहते हैं मॉनिटर बनाएंगे भाई क्लासरूम में बताओ कितने बच्चे चाहते हैं मानी मॉनिटर बने पांच बच्चों ने हाथ उठा दिया कितने बच्चे थे टोटल दस बच्चे थे तो भाई मानछी के तो रिलेशन बाकी पांच बच्चों से ठीक है जब वो कह रहे हैं उठा दो हाथ मेरे को याद है ये सिक्स क्लास में हुआ था मेरी हालांकि दस बच्चे नहीं थे क्लास में ज्यादा थे तो सोशियोमेट्री समाज मिति विधि का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के अपने पीयर्स के साथ कैसे रिलेशन है इसको जानने के लिए इंटरव्यू आप डायरेक्ट डिस्कशन पूछ सकते हो इंटरव्यू ले सकते हो बच्चे का उससे भी पता लगेगा कि उसकी चीजों के बारे में एनेकडोटल रिकॉर्ड कोई घटना विशेष घटी है यदि कोई चोट लग गई बच्चे को बच्चे ने किसी की मदद की किसी पर्टिकुलर दिन विशेष में आप एक प्रॉपर डिटेल लिखते हो कि अच्छा आपके बच्चे ने आज इसको पीटा ये हुआ वो हुआ तो वो एनेकडोटल रिकॉर्ड है जबकि पोर्टफोलियो में पिक्चर से लेकर स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ होगा एनेकडोटल रिकॉर्ड में स्पेसिफिक घटनाओं की बात होती है उनका वर्णन होता है ठीक है ना

क्योंकि काम काम की ही चीजें करूंगी क्योंकि ऐसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बड़ा है अगर देखेंगे तो लेकिन आपके पेपर के हिसाब से जो जरूरी है उस हिसाब से ही हम करने वाले हैं अदरवाइज तो फिर अंतहीन है चीजें है ना चलिए खैर आगे आते हैं रियोब्रिक्स बता दो अभी बताऊंगी अच्छा क्या आपने याद दिला दे मैं लिख लेती हूँ अभी बता दूंगी देखो एक बार पैमाना है बेसिकली रियोब्रिक एक सेट स्टैंडर्ड है डायग्नोस्टिक टेस्ट देखिएगा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल पे हर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता ही है ना रियोर तो हम बात सेशन होता है मैराथन का मतलब क्वेश्चन नहीं हो सकता बिल्कुल भी है ना या तो फिर क्वेश्चन ही कराए जाए आपको ठीक है ना अगर हम प्रॉपर सिलेबस समझ रहे हैं तो सिलेबस होना चाहिए क्वेश्चन तो इतने सेशन में कराती हूँ अभी भी कराऊंगी आपके पेपर तक हो सकता है आप सिलेबस करियर रूल पे खत्म हो गया एक सेशन रहता है आई थिंक वो मैं कल नहीं ले पाई थी इस तैयारी के चक्कर में तो हो सकता है मैं दो दो क्लासेस भी लगा दूँ एक शाम को सात बजे क्लास और एक नौ बजे क्लास तो क्वेश्चन तो वहां इनफ हो जाएंगे कोई कह रहा है कि ये आखिरी क्लास है क्या मैराथन कुछ तो ऐसा कह हो हाँ यार इसको ऑलमोस्ट लास्ट मान के चलना गोल्डन स्टेज एडोलेसेंस को, को कहते हैं कई लोग देखो ये जो स्टेज है ना ये ऐसा है कि हिमांशु को सीडीपी क्वीन कह दिया किसी ने

कई अलग अलग चीजें कह सकते हैं एक ही स्टेज के बारे में चलिए आते हैं डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की चर्चा करते हैं हाँ ये लास्ट मैराथन है इसके बाद मैं क्या कराऊंगी अगले साल अगर होगा भी तो मैं वो कराऊंगी अगर सिलेबस चेंज हुआ आपका तो उतना पार्ट करा दूंगी जितना चेंज हुआ होगा अगर उस समय समय बचा तो अदरवाइज मैराथन नहीं अब बहुत मैराथन करा ली अब थोड़ा सा रिलैक्स या मतलब क्लासेस तो होती ही हैं और थोड़ा ठीक है मतलब आपके पास इनफ है अभी पता नहीं कितनी सारी मैराथन है तो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कभी लगा तो देख लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है अभी हिंदी और इंग्लिश की मैराथन वैसे बाकी है अभी ये लास्ट नहीं है परसों हिंदी है और उसके मतलब पंद्रह तारीख को हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी सत्रह तारीख को देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग ये पूरा डायग्नोस्टिक उसमें ही आ जाता है पार्ट में इसको कहते हैं हम निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक कहलाता है निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्ट करने अभी अगर हम बात करें तो मेरी बैक पेन है डायग्नोस कराऊ जाके डॉक्टर से वो कहेगा अच्छा ज्यादा देर खड़े रहते हो अच्छा बैठने का काम ज्यादा है मैं कहूंगी हाँ जी ठीक है फिर वो कहेगा अच्छा वाइटमिन डी का टेस्ट करा लो मैंने कहा पता है कम है ठीक तो ज्यादा लोगों में कम है तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो डायग्नोस करेगा और फिर दवाई देगा जब तक वाइटमिन डी टेस्ट नहीं कराया आंख बंद करके दवाई दे दी भाई हुआ मेरे को पहले से ज्यादा थी कुछ और दिक्कत हो गई तो सर में दर्द था पथरी की दवाई ले आए आप स्टोन की तो डायग्नोस करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे को दिक्कत थी मैथ्स में आप उसको हिंदी हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है ना तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के निदानात्मक परीक्षण यानी पता लगाना किस चीज का पता लगाना गैप्स का वीकनेस कहा स्ट्रेंथ कहां है बच्चे की गड़बड़ कहां है है ना गैप्स का पता लगाना स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना समस्या है कहां आप कभी भी बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत हो आप पहले पता लगाइए सबसे पहला धर्म होना चाहिए टीचर का पहले रीजन जानिए कारण क्या है तो डायग्नोस करेंगे ऐसे ही आप ब्लड टेस्ट कराते हैं आपको चार दिन से बुखार है डॉक्टर कहेगा अच्छा बुखार है दवाई आपने अपनी मर्जी से ले ली थी कोई बात नहीं एक काम करो टेस्ट करा लो ब्लड टेस्ट उसमें पता लगेगा सब इधर उधर है किस चीज़ की आपको दिक्कत है तो जैसे डॉक्टर्स डायग्नोस कराते हैं वैसे टीचर टीचिंग में भी क्या है डायग्नोसिस होता है पहले आपको पता लगेगा डायग्नोस्टिक लैब के लिए आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उसमें पता लगेगा अच्छा बच्चा मैथ्स में वीक है अच्छा यहाँ पे गैप है उसको थोड़ा स्पीड में आप पढ़ा देते हो इसलिए दिक्कत होती है जब आपको पता लग जाएगा कारण क्या है बच्चे की आ, लैक ऑफ परफॉर्मेंस में या दिक्कत क्या है उसके बाद जब आप गैप का पता लगा देते हैं तब आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं तो हमेशा याद रखेगा डी आर होता है उपचारात्मक शिक्षण बाद में मिलेगा पहले पहले क्या होगा पहले आपको डायग्नोस करना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा तो रेमेडियल क्लासेस होती है ना दिल्ली में तो छुट्टियां भी अब गवर्नमेंट स्कूल की कम हो गई हैं दीदी और मम्मी थोड़े से दुखी होते रहते हैं पहले छुट्टियां होती थी ना दो दो महीने की बहुत पुराने जमाने में तो अब स्पेशल क्लासेस लगती हैं रेमेडियल क्लासेस लगती हैं छुट्टियों के टाइम पे भी कि वो बच्चे जिनको वीकनेस है कहीं पे तो उनके लिए आप स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं क्यों क्योंकि वो गैप को फिल किया जा सके तो पहले डायग्नोस किया जाएगा पता लगा जाएगा फिर रेमेडी दी जाएगी ठीक तो अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होगा इसमें आप दोबारा से रीटीच कर सकते हैं नए मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं है ना तो मल्टीपल तरीके से रीटीच कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग में मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है उपचार करना है जहां समस्या बच्चे को है तो डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी दी जाएगी सिंपल बात चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अच्छा अचीवमेंट अच्छा, टेस्ट सुना होगा आपने उपलब्धि प्रश्न पत्र कहते हैं जिसको उपलब्धि प्रश्न पत्र होता है बच्चे को किस लेवल पे अचीवमेंट उसको उपलब्धि कितनी कितना आता है उसे ये जानने के लिए ठीक है टीचर बनाता है कई बार कि जो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हुए थे वो किस हद तक अचीव हैं ये जानने के लिए टेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में कितने पारंगत हैं आप ये जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य बनाए गए थे उसके अगेंस्ट किस हद तक आप उन उनपे खरे उतर पाए हैं वो अचीवमेंट टेस्ट है उपलब्धि प्रश्न पत्र चलिए अब आते हैं सीआरटी और एनआरटी पे फिर आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे नॉर्म एक घंटा और लगेगा भाई बारह बजे तक तो नहीं खत्म हो रही क्लास होगी एक बजे खत्म मुझे लगता है चार घंटे हो चुके हैं पता भी नहीं लगा वाओ नाइस बहुत ही बढ़िया जल्दी करवाओ जल्दी करा देंगे यार डोंट वरी का ही टेंशन लेते हो देखो एक बार अगर हम बात करें नॉम रेफरेंस टेस्ट की एनआरटी नॉम रेफरेंस टेस्ट और सीआर टी क्या होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ठीक है अगर नॉम रेफरेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो नॉम रेफरेंस टेस्ट होता है सिंपली एक नॉम है मेरिट में आना है आपको यानी आप अपने पीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं खुद को पीयर्स के कंपैरिजन में एक जो पीयर्स के कंपैरिजन में आप कहां खड़े हुए हैं यानी आपको नौकरी चाहिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा दूसरों से ऊपर आना पड़ेगा तब जाके आप तो वो नॉम रेफरेंस टेस्ट है जब आप फर्स्ट आने की बात कर रहे हैं डी केंद्रीय विद्यालय हुआ ये सब क्या है यूपीएससी हुआ ये सब क्या है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही उदाहरण है मानकीकृत परीक्षण देखिए स्टैंडर्डाइज वर्ड को वैसे आपको अवॉइड करना है पूरे पेपर में लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तीन विशेषताएं होती है टेस्ट की अगर मैं बात करूं वैसे स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन को आपको अवॉइड करना है वो भी आगे पढ़ेंगे तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्डाइज टेस्ट्रिक पे भी आएंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट की अगर मैं बात करूं यानी मानकीकृत परीक्षण तो जैसे आपका सीट हो गया जिसमें बहुत सारे लोग लाखों लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ये बेटर मतलब ऐसा नहीं फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी रखनी चाहिए लेकिन ये उस मामले में बेटर है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इसमें पता मतलब टेस्ट दिला सकते हैं हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसकी तीन विशेषताएं मुख्य रूप से होती है

तो टीचर एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे पेडोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो टेस्ट को अगर सेम नॉलेज है दो बच्चों को और दोबारा उनको लिखने के लिए दे दिया जाए जैसे होता नहीं कई बार चीटिंग करता कोई पकड़ा जाता है तो टीचर क्या करते हैं काम करो ये वाली नोटबुक दो लो ये खाली पेपर लो खाली दूसरी कॉपी ले लो और इस पर लिखो अगर तुम्हें इतना ही आता है तो, तो अगर सेम लिख पा रहा है तो टेस्ट रिलायबल है सेम नॉलेज के साथ अगर विश्वसनीयता है वो दोस्त जो जब जरूरत पड़ती है काम आता है आपके वो रिलायबल है विश्वसनीय है रिलायबिलिटी है सेम रिजल्ट जो है वो बार बार अगर आप सेम uh, नॉलेज के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो आ रहा है वैलिडिटी वैद सॉरी ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है अगर दो एग्जामिनर अलग अलग चेक कर रहे हैं जैसे हम प्री बोर्ड में कॉपी सॉरी बोर्ड्स में हम कॉपी चेक करा रहे हैं दोबारा से रीचेकिंग जिसको कहते हैं ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपकी बोर्ड की कॉपी में दो चार नंबर का इधर उधर हुआ क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिविटी है वो सेट पैटर्न है इतने नंबर का ये इतने नंबर का, का ये इतना स्टेप चार स्टेप आधा पेपर सॉल्व आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो इतने नंबर तो वो ऑब्जेक्टिविटी है अलग अलग एग्जामिनर भी उसको टेस्ट करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा रिलायबिलिटी क्या है जो बच्चा है उसको जो नॉलेज है उसकी वो एकदम कॉन्स्टेंट है उस समय पर अगर हम चार बार भी पूछ रहे हैं तो वो सेम रिजल्ट आए तब तो ये दो अलग चीजें वैलिडिटी हो गया वैधता जिस के लिए बनाया है वो सॉल्व हो ठीक तो ये स्टैंडर्ड मानकीकृत का ही उदाहरण है ये दोनों एनआरटी और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट एक 60 परसेंट नंबर लाने हैं सीटेट में ये क्राइटेरिया है है ना सीटेट में साठ नंबर लाने हैं क्राइटेरिया है उसके ऊपर तो फिर आपने अगर मान लीजिए आप एक अनुराग लेकर के आए थे अभी दिल्ली में वो अपना जॉब कर रहे हैं बढ़िया से तो अगर हम बात करें एक वो स्कोर लेके आए तो हमें उनको मास्टरी है अपने हवा में नहीं आते ना? तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई तो क्या कह रहे हो मैम डिपेंडेंट ऑन डिसीज की जॉब मिलने पर सीटेट के बाद मिल जाएगी या सुपर टेट भी देना होगा यार फिर तो अगर टेट देना पड़ रहा है तो फिर वो डिपेंडेंट ऑफ डिसीज तो बचा ही नहीं है ना कायदे में तो जो आपकी अगर क्वालिफिकेशन बन रही है उस हिसाब से मिल जानी चाहिए है ना तो उसमें फिर सुपर टेट वो तो फाइनल एग्जाम हो गया ना फिर तो आप वो वाली नौकरी लो ही मत फिर तो आप खुद ही ले लोगे सिलेक्शन लेके अगर सुपर टेट भी देना पड़ रहा है तो तो वो केस तो बनता ही नहीं है है ना एक मिनट रुकेगा आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया अभी भी हिम्मत दिखा रखी है बीस हज़ार लोगों ने तो चलो भाई एक मिनट रुकना एक मिनट का तीस सेकेंड का ब्रेक लेंगे एक मिनट भी नहीं देखना एक बार हम्म बहुत बढ़िया ईस्ट और वेस्ट अच्छा धन्यवाद जी चलिए शुरू करें फटाफट से मतलब कंटिन्यू करते हैं देखिएगा तो अगर हम बात करते हैं यहां पे तो एनआर अब परसेंटेज बेस्ड मास्टरी का अगर पता लगाना है तो हम सी का इस्तेमाल करेंगे है ना यहां पे ये एक तरह से कॉम्पिटिशन बेस्ड होता है कि आपको अदर्स से बेहतर निकल करके आना है गैप्स का भी पता आपका सी आर से चल जाता है कि भाई अगर स्कोर इतना कमा रहा है कहाँ गड़बड़ है ये देख सकते हो ये फाइनल जजमेंट जैसा है है ना ये जस्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना कि तेतीस परसेंट पे पास हो जाओगे यहाँ तो आपको मेरिट में आना है नहीं तो फेल ही हो ठीक है ना तो अगर हम देखें एक क्वेश्चन इस बार मैंने मैथ्स पेडकॉलेज में भी उस दिन कराया था अगर हम देखें यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे यार हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इसमें ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा होगा इन्होंने आपका ये सी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो एक बार अगर हम बात करें आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है नॉट राइट नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट आकलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है नॉम रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग देखिए नॉम रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है नॉम रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है नॉट करेक्ट क्लिक कह रहा कि मैम को कुछ तो यही कम हो गया उसके बच्चे हैं बस आ, ये तो सच है देखो हर कोई अगर अंत तक मेहनत कर पाए तो फिर क्या बात है हैं वो कल भी देख लेंगे कुछ लोग जिनको नींद आ रही होगी सुबह के उठे हुए हो होंगे बेचारे देखो नॉट करेक्ट लेकिन हाँ कमिटमेंट आपको बना के रखनी है देखो ये तो है कमिटमेंट हर कोई नहीं दिखा सकता आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फिर से पढ़ते हैं नॉम रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमिड टीचिंग चलो भाई कर सकते हैं मतलब दोनों को यूज कर सकते हैं अगर हम देखें तो ये दोनों में ही लिख लेना मैंने अभी लिखा था कहीं निकल गया वो है ना दोनों में लिख लेना कि ठीक है डायग्नोसिस आप पता तो लगा ही लोगे चाहे नंबर एक आए सीट में या अगर आपके मान लीजिए के का एग्जाम दिया और आपके एक नंबर आए और मेरिट में आप नहीं आए तो आप डायग्नोस तो तब भी कर लेंगे किस एरिया में दिक्कत थी वो दोनों से हो जाएगा डायग्नोसिस चलो ठीक है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज टू एवेट दी मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स हाँ ठीक बात है कितनी मास्ट्री आपकी हुई है क्योंकि एक लेवल के बाद तो क्राइटेरिया 60 परसेंट उससे ऊपर जो आएगा वो तो मास्टरी की तरफ ही जा रहे हो ना आप क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग पॉसिबल है दोनों में पॉसिबल है ये बात तो रेफरेंस असेसमेंट अस वेयर आर स्टूडेंट स्टैंड टू अदर स्टूडेंट इन हिज और हर परफॉर्मेंस यानी कि नॉम रेफरेंस टेस्ट जो है मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहा खड़े हैं या खड़ी हैं फटाफट से देखना इसको और ये बात भी सही है एक ही बात में गड़बड़ मुझे लग रही है जो मैं शुरुआत में भी थी ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता ही है नॉम रेफरेंसड असेसमेंट क्योंकि नॉट लिखा हुआ था ना इसमें नॉम रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमिडियल टीचिंग देखो ये उस संदर्भ में नहीं है जैसे मैं अभी शुरुआत में बात कर रही थी जब मुझे लग रहा था कि हाँ शायद सही बात कही है उन्होंने कि मान लो आप फेल हो गए पेपर में फेल हो गए आप पेपर में केंद्रीय विद्यालय के या भगवान नगर ऐसा हो बट ठीक है कोई और एग्जाम था यूपीएससी मान लेते हैं अब यहां पे ये

अब ये वाले एरियाज बहुत स्ट्रांग है आपके ये गड़बड़ है तो सिर्फ यही गड़बड़ हो गया पे कि मानक संदर्भित आकलन को आप बोर्ड का परीक्षा को इसलिए थोड़ी यूज करते हैं कि बोर्ड के बाद आपने बोर्ड का एग्जाम दिया 90 नंबर नब्बे पचास परसेंट नंबर आए तो आप इसलिए थोड़ी यूज किया जाएगा कि आप आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं दोबारा थोड़ी होता है बोर्ड का पेपर तो यहां पर मानक नहीं है ये एक मेरिट है क्राइटेरिया में एक मानक है कि उतना तो आपने अगर फुलफिल कर दिया उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत कहां है तो ये यही गलत है नहीं बी तो सही है देखो क्योंकि कंपैरिजन के कंपेयर टू अदर्स स्टूडेंट्स इन हिज परफॉर्मेंस यही तो होता है एनआरटी में कि आप कंपेयर करते हैं है ना मैं दिल्ली से पढ़ा रही हूं भाई आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए होंगे तो आप कंपेयर करते हैं एनआरटी में तो होता ही है कि अगेंस्ट होता है कंपेरिजन क्राइटेरिया में क्राइटेरिया के अगेंस्ट होता है जिसमें डायग्नोस करने का मौका आपको मिल जाएगा आपको सीट में पास भी हो जाएंगे आप और डायग्नोस भी कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है फेल हो गए हैं ठीक तो ये ही गलत है बाकी सारी बातें आपकी सही है चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं पांच नंबर का टॉपिक है इसमें थ्री सब टॉपिक्स हैं जैसे इसमें बारह टॉपिक्स थे सब ठीक पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड यानी अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को आप कैसे एड्रेस करेंगे वंचित समूह एवं विविधताओं वाले बच्चे एक बच्चा हो सकता है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो लास्ट में दोबारा अच्छा रूब्रिक पूछ रहा था कोई देखो रूब्रिक्स की अगर मैं बात करूं ये सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं सेट पैमाने होते हैं सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको बताए इतने क्वेश्चन इतने परसेंट क्वेश्चन पेपर में इजी आएंगे इतने मॉडरेट आएंगे इतने डिफिकल्ट आएंगे ये क्या है रूब्रिक है या फिर अगर इससे भी आसान हमें हमें समझना है है पता बोर्ड की कॉपी चेक होगी तो एक रूब्रिक बना हुआ है कि अगर आपने इंग्लिश का जो पत्र या लेटर राइटिंग होती है हिंदी में लेटर राइटिंग सॉरी पत्र तो आपको पता है अगर इंट्रोडक्शन ठीक से दिया एक लाइन में फॉर्मेट के नंबर इतने हैं अगर आपकी अगर हम बात करें ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने नंबर कटेंगे यानी एक रूब्रिक है एक सेट स्टैंडर्ड है एक सेट पैमाना बना हुआ है कि फॉर्मेट है कि इसके नंबर ये बेंचमार्क सेट है कि इतना किया हुआ है तो इतने नंबर है ना ये इतने नंबर का ये दो नंबर का ये क्वेश्चन इजी इतने परसेंट मॉडरेट तो वो एक सेट स्टैंडर्ड है एक पैमाना है ठीक है आगे आते हैं अब यहां पे अगर हम देखें डेप्राइव्ड बच्चा कौन हो सकता है जो वंचित है किसी भी रूप में हाशिए पे है चाहे वो जेंडर के आधार पे चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे कमजोर है कि वो उतना आ, उसकी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है कि घर पे लोग पढ़े हुए हैं या फिर आप उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस का ट्यूशन का इंतजाम कर रहे हैं है ना जिसकी खैर ट्यूशन की जरूरत आइडियली पढ़नी नहीं चाहिए बट अब यही रियालिटी है कि स्पेशल क्लास की जरूरत कई बार अब ऐसे तो कोचिंग की भी नहीं पढ़नी चाहिए बट हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता है तब जा करके फिर आप जो अपना टीचिंग ट्रेनिंग्स में करके आते हैं उससे काम चलता नहीं है पेपर सॉल्व होता नहीं है यहाँ आप नोट्स पढ़ते हैं हो जाता है है ना

तो ये क्या फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पास लेकिन ये वाला प्रिवलेज नहीं है उसके घर पर कोई पढ़ा नहीं है ना वो इंपॉर्टेंस उस लेवल पर शायद कई बार ऐसा हो सकता है समझे या उसको उतना हेल्प नहीं मिलेगी जितनी वो बच्चा जिसके घर में सुविधाएं हैं या पढ़े लिखे हैं लोग जो पहली पीढ़ी के अधिगम करता होते हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा होता है हम ये मानेंगे ठीक लेकिन ऐसा नहीं है ये पढ़ नहीं सकते बच्चे ये बहुत अच्छा भी कर सकते हैं आपको सपोर्ट करना होगा आपको एज अ टीचर अपने मेथड में और उनको स्पेशली एक्सेप्टेड महसूस कराना होगा अलग थलग नहीं हाशिए पे नहीं रखना उनको क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सामाजिक आर्थिक रूप से कोई बच्चा गरीब परिवार से आता है मान लीजिए तो अब आप उसको भी इंक्लूडेड महसूस कराएं तो डिसएडवांटेज जेंडर के आधार पर कि तुम्हारी जाति के लोग तो पढ़ते ही नहीं है तुम्हारी भाषा बोलने वाले लोग तो खराब होते हैं तुम तो उस स्टेट से आए हो अरे बिहारी लोग तो खराब होते हैं ये सब क्या है ये गलत तरीका है आप बच्चे को फटकार नहीं लगा सकते डिसएडवांटेज्ड बच्चे का डेप्राइव्ड बच्चे का हर बच्चे को आपको साथ लेके चलना है इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत वो क्या है इक्विटी बेस्ड इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड इक्विटी क्या है भाई इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड हर बार आता है क्वेश्चन इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड है ना क्या है ये इक्वालिटी और इक्वालिटी बेस्ड इक्विटी होती है समता अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने में यदि हम ये कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को जॉब पे छूट है मान लीजिए मतलब जो रिजर्वेशन है और अगर हम बात करें लड़कों को नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये इनक्वालिटी हो गई नहीं ये इक्विटी है समता है अगर हम अ, मेट्रो ट्रेन में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं तो वो इक्विटी है समता है अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर लड़की फॉर्म भरती है एस का यूपीएससी का या किसी और का तो या तो फीस कम है या बिल्कुल नहीं है लड़कों को फीस देनी होती है क्या है ये ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी की बात तो आप तब करोगे जब दोनों को बराबर अवसर दिए गए हों अगर किसी एक वर्ग को एक किसी कास्ट को भी मान लीजिए रिजर्वेशन भी इसी थॉट पे बनाया गया है किसी को पहले से दबा के रखा गया या उतने अवसर दिए ही नहीं है तो पहले आपको उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा तो जब पहले ही हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लोग पढ़ा नहीं रहे ज्यादा या फिर उनको रोजगार में जो अगर हम देखें तो लड़कियां ही जॉब छोड़ती हुई नजर आती है जब शादी होती है लड़कों के इसमें ऐसा नहीं होता दोनों लोग, लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो लड़की का जॉब छोड़ना स्वाभाविक सा हो जाता है तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि लोग रोजगार के लिए भेज नहीं रहे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर वो लाइबिलिटी की तरह अगर देखी जा रही है कि तुम पे पैसा कौन खर्च करे तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इक्विटी दे देगी या गर्ल चाइल्ड के होने पर एक आपको पैसे मिल जाएंगे कुछ या उनको छूट मिल जाएगी तो लाइबिलिटी की तरह देखा जाना बंद होगा उनको इक्विलिटी की तरफ इक्वालिटी की तरफ हम लेकर के आ पाएंगे हाँ बस में टिकट फ्री है डेली में वो भी इक्विटी का ही उदाहरण है है ना तो समता और समानता इक्विटी बहुत जरूरी है ठीक है अगर देखा जाए तो चलिए बहुत बढ़िया ज्यादा नहीं देखते हैं नॉर्मल बातों पे आ जाते हैं नहीं तो ये फिलोसॉफिकल बातें हो जाएंगी देखिएगा अगर हम देखें समानता समानता है बराबरी के अवसर दिए आपने है ना बराबरी के अवसर दिए पढ़ने के लिए यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपने दी इक्विटी है नीड के आधार पे अगर कोई बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है स्कूल में तो उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने सिस्टम में चेंज करिए कि आपके स्कूल में एक रैंप भी हो अगर बहुत ही एडवांस स्कूल है तो लिफ्ट भी हो यानी हर बच्चे के लिए वो स्कूल है या उस बच्चे को आप उस बच्चे की क्लास वो बच्चे जिनको दिक्कत है उनकी क्लास आप ग्राउंड फ्लोर पर लगाएं एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होती है और उसकी आज रोटेशन में जो सीट पे बैठने का नंबर है वो पीछे आया है सबसे तो आप उसको आगे बिठाइए ये इक्विटी है है ना जो जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है ऐसा करते थे ना कई बार टीचर हालांकि अब सबको रोटेशन का आजकल तो रोटेशन सबको मौका मिलना चाहिए तो वो ज्यादा हाइट वाले बच्चे थोड़ा पीछे से भी देख लेते हैं उनको क्लियर देख जाता है तो अगर हम देखें नीड हालांकि बस इस बात का ध्यान रखना है इक्विटी बायसनेस ना बन जाए ठीक है ना तो अगर हम देखें नीड तो इक्विटी नीड के आधार पर होती है इक्वालिटी बराबरी है अब कोई कहे कि नहीं आ, अगर कोई मेल है अगर हम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे अगर शॉर्टपुट में जो गोला फेक या जो डिस्कस थ्रो होता है मैंने वो खेला है तो मुझे पता है तो उसमें क्या है कि वेट जो है जो गर्ल्स के लिए वेट होगा वो मेल वाले शॉर्टपुट से थोड़ा कम होगा क्योंकि बायोलॉजिकली गर्ल्स अलग तरह से बनी है और बॉयज जो हैं है, मैन वो अलग तरह से बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ यहां पे कि हम यहां पे इनक्वेलिटी कर रहे हैं बल्कि ये इक्विटी है भाई अगर ऐसा थोड़ी कि लड़कियों को फिर खेलना ही नहीं चाहिए वो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा हुआ है कि एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी तो इक्विटी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से भी ज्यादा कई बार ठीक तो आपको बच्चे की नीड को समझना होगा वो केयर वाला एस्पेक्ट लाना पड़ेगा ठीक है ना इक्वालिटी है जस्ट आपने वो वाला एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिखाया आपको कि एक बच्चा जिसकी हाइट कम है उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया एक बच्चा है जिसके लिए हाइट बहुत ज्यादा है उसके लिए भी एक सेम हाइट का प्लेटफॉर्म है तीसरा बच्चा है जिसकी हाइट बहुत ही कम है उसके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है तो आपको क्या करना है जिसकी हाइट ज्यादा है भाई उसके लिए अगर प्लेटफॉर्म नहीं भी होगा तो भी वो देख पाएगा ठीक है ना तो ये इक्विटी है कि नीड के आधार पे आप चेंजेस लाते हैं खैर ये चलता रहेगा इक्विटी बेस्ड होती है और इक्वालिटी भी दोनों को ध्यान में रखते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है जैसे सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर यानी आप सेग्रीगेट मत करिए बच्चों में अलगाव की भावना मत लाइए आइसोलेट मत करिए लेबल मत करिए उनको फर्स्ट आता है ये सेकंड आता है ये लास्ट आता है ये लेबलिंग नहीं चाहिए हमको है ना ये ठप्पा नहीं लगाना बच्चों पे कि तुम वीक हो तुम तो बहुत ये हो लेबलिंग नहीं करनी ठीक सेग्रीगेट अलगाव सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है जो आपको फ्री नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अलगाव सेग्रीगेट नहीं करना इंक्लूड करना है बच्चे को हर तरह का बच्चा चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो चाहे वो गिफ्टेड कौन है जिसकी क्षमता ज्यादा है जो जल्दी सीख जाता है समावेशन करना है हर बच्चे का कोई हियरिंग इंपेयर्ड आ रहा है बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है चलने में दिक्कत है कोई बच्चा है जो क्रिएटिव है कोई बच्चा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है कोई डेप्राइव बैकग्राउंड से आ रहा है अगर जिसके घर पे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर है या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है समाज ने उसको इज्जत नहीं दी है ना कुछ ट्राइब्स होती है ना एक जगह से दूसरी जगह वो, वो कहीं उनका घर फिक्स नहीं होता तो उन बच्चों को भी तो साथ लेके चलना है सबको एक्सेप्टेड महसूस कराना ये जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे मदर नेचर जो प्रकृति है जब बारिश होती है तो गरीब अमीर कोई चल सकता है कोई नहीं चल सकता व्हील चेयर में बैठा है किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है हमें भी नहीं करना चाहिए ये थॉट लेकर आती है इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चा सीख सकता है आपको अपने मेथड में अपने सिस्टम में चेंज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और एटीट्यूड में परिवर्तन करना है टीचर्स और बच्चे दोनों को जो बाकी बच्चे वो भी उनको हीन भावना से ना देखें ठीक तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर ऐसा नहीं करना है कि स्पेशल स्कूल में पढ़ा दो जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता इनको ब्लाइंड स्कूल भेज दो वो इंक्लूजन मतलब हम हर तरह के बच्चों को क्लास में पढ़ा सकते हैं ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन विशेष प्रावधान के साथ सिर्फ एडमिशन नहीं देना है सिर्फ एडमिशन देना इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी कि आपने ज्यादा चेंजेस तो किए नहीं अपने सिस्टम में और आपने जस्ट एडमिशन दे दिया तो वो एक तरह से आप बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर है इंटीग्रेशन से ठीक है, है ना तो ये एक बेसिक सी बात है तो हर तरह के बच्चे को चाहे वो भाषा के आधार पर भिन्न हो बैकग्राउंड के आधार पर किसी भी आधार पर वो वंचित रहा है तो आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्टेड महसूस कराना है बच्चे को एक यूडीएल होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना सार्वभौमिक अधिगम डिज़ाइन या जो भी प्लान कह लो आप यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं हम उसको यूडीएल बहुत यूज होता है इसमें आपकी इन्क्लूसिव एजुकेशन में तो यूडीएल का जब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग हर तरह के बच्चे बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है बैरियर्स क्या है रुकावट कहाँ आ सकती है फीडबैक कैसे देना है उसको कौन से प्लानिंग के तरीके इस्तेमाल करने हैं गोल्स क्या रखने हैं हर बच्चे के लिए अलग गोल हो सकता है असेसमेंट मेथड क्या रहेंगे मटीरियल क्या यूज करेंगे आप मटीरियल में हो सकता है एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेल लिपि यूज कर सकते हो एक बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयर्ड है सुनाई नहीं देता मशीन यूज कर सकते हो उसको आगे बिठा सकते हो अगर थोड़ा भी वो सुन सकता है तो एक बच्चा जिसको कम दिखता है उसको बड़ा लिख के दिखा सकते हो बोर्ड पे तो आपको अपने मैथड्स में क्या करना है इस बार क्वेश्चन आया था ना हर किसी को एकोमोडेट करना है यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको एकोमोडेट करने के लिए सेम होनी चाहिए यानी बच्चा कोई भी हो हर बच्चे को एकोमोडेट करना है समायोजित करना है इंक्लूड करना है ये एक्सपेक्टेशन सेम है इंक्लूजन की एकोमोडेशन की हर बच्चे को साथ लेके चलना मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है जो मॉडिफिकेशन आप व्हील uh, वाले बच्चे के लिए कर रहे हो कि वो रैंप uh, से आ जाए चल करके या अगर फुटबॉल खेल रहे हैं सब तो उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाए थोड़ा पास करने का मौका उसको भी मिले मॉडिफिकेशन लेकिन अगर वही वही चीज आप उस बच्चे के लिए नहीं करोगे जिसको दिखाई नहीं देता जो आ, ब्लाइंड है विजुअली इंपेयर्ड है आप उसके लिए अलग प्रावधान करोगे उसको आगे बिठाओगे बड़ा लिखोगे थोड़ा तेज बोलोगे अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो तो आपको मॉडिफिकेशन बच्चे की नीड के हिसाब से करना है तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट बच्चे के लिए आपके मेथड में या आपके क्लासरूम में जबकि अकोमोडेट आपको सबको करना है समायोजित सबको करना है मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा सिंपल बात चले आगे बढ़े तो यूडीएल क्या होता है हर बच्चे को इंक्लूड करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं उसको हर तरह का बच्चा इसके अंदर आ सके इंक्लूसिव एजुकेशन में और एक चीज होती है आईईपी ये वर्ड याद रख लेना समझ जाना इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है आईईपी क्या है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आईईपी व्यक्तिगत व्यक्तिपरक शैक्षिक परियोजना प्लान ये स्पेशल एजुकेशन में हम बेसिकली स्पेशली स्पेशल स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए जो सी डब्ल्यू एस बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्पेशल चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड बेसिस पे बने हुए हैं चाइल्ड सेंटर्ड सेंटर ये दूसरे वाले दिया है सीसी का मतलब वैसे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं ये बना ऐसा नहीं है ऑप्शन में आएगा स्पेशल बच्चों के लिए है क्या अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से बनाए जाते हैं अब जब बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं तो स्पेशल बच्चा भी सेंटर में रहेगा सारे बच्चों को सेंटर में रखेंगे तो ये बनाए गए हैं बच्चे को सेंटर में रख के इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इनको यूज करते हैं लेकिन ये बच्चे को सेंटर में रखा गया ऐसा नहीं है नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं कर सकते नो no सेग्रीगेशन और लेबलिंग अलगाव नहीं करना ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है इसको कहते हैं हम विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंट बच्चे की नीड्स को समझते हुए आप अपने मेथड में परिवर्तन करिए विभेदी अनुदेशन इंस्ट्रक्शन आपकी स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए ध्यान रखिएगा ये बहुत आता है क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए एक होती है स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं मैथड यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए एक रूपी मैथड नहीं होना चाहिए स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म मैथड नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएटेड मैथड या डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग मैथड उसको आप यूज करें फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिडिटी आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो या आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है ना कि रिजिड है ना जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता वो टूट जाता है कहा जाता है ना बड़े लोग कहते हैं कि भाई जो पेड़ झुक नहीं सकता मतलब जो फल वाला फलदार वृक्ष होता है वो झुकने की संभावना रखता है यानी फ्लेक्सिबल होता है चेंजेस उसमें हो सकते हैं रिजिड जो बिल्कुल सख्त पेड़ है जिसपे कोई एक फल नहीं है वो सख्त होता है तो वो टूट सकता है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है करिकुलम में भी मेथड्स में भी लचीलापन रखना है हर एक चीज में लचीलापन बेटर है यहाँ पे हैप्पी लोहड़ी भाई अब तो लोहरी चली गई अब आ गई शायद संडे आ गया अब तो ये तो तीन दिन छुट्टी है ना कई लोगों की अब देखिए फटाफट से ये समझ लेते हैं तो अंतहीन हीन चीजें जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में कर सकते हैं बट आपको सिंपली जो जरूरी है आपके पेपर के हिसाब से वही कर रहे हैं हम लोग है ना तो अगर हम देखें यहाँ पे अड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज अब लर्निंग डिफिकल्टीज यही दो चार छह हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होती हैं नहीं तो अगर हम देखें आरपीडब्ल्यू डी एक्ट पे अगर हम चले जाएंगे यहाँ पे तो एक्ट मैंने आपको नोट में दिया हुआ है एक्ट एक्ट आया था विद उन्नीस सौ पिचानवे में ये सबको पता है दो हजार सोलह में ये आ, इसको नया रिप्लेस किया गया नए एक्ट से जिसका दो हजार सोलह में राइट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज जो जून दो हजार सत्रह से लागू हुआ इसमें होती थी सात डिसेबिलिटीज यानी सात दिव्यांगताएं इसमें होती हैं इक्कीस दिव्यांगताएं है, या डिसेबिलिटीज दिव्यांग 14 disabilities नई की और नई की की और और भी की जा सकती हैं Act में जो आ, आर से, आपका बोले तो यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तो अब ये नए वाला एक्ट जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इसमें और भी डिसेबिलिटीज को एड किया जा सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा अगर किसी को यानी रिजर्वेशन में चार परसेंट गवर्नमेंट जॉब्स में से चार परसेंट कर दिया गया रिजर्वेशन इक्वेलेंट टू या मोर देन डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, है ना? तो अगर हम बात करें जो स्पेशल बच्चा है बेसिकली अगर हम बात करें यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सिंपल एक तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि एक डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है पूरा माहौल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो हॉस्पिटल जाए बच्चा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए यानी वो बच्चा जो चल फिर नहीं सकता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने में दिक्कत है व्हील चेयर पे है या दिख नहीं पाता तो आपके मेट्रो में जैसे क्या है लिफ्ट है व्हील चेयर वो लोग प्रोवाइड करा देंगे अगर कोई डिसेबल्ड है तो और अगर हम बात करें वहां पर तो मेट्रो में भी एक, एक स्पेशल एक जगह नहीं होती जहां पे पकड़ के कई लोग खड़े हो जाते हैं वो होती ही किसके लिए व्हील चेयर के लिए होती है वो स्पेसिफिक विद डिसेबिलिटीज के लिए होती है तो हमें जो हमारे अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं मैं किसी काम के लिए गई थी कोई तो मेरा अग्रीमेंट था तो अगर मतलब जो कुछ जगह पे तो है ही नहीं लिफ्ट मतलब एक जगह ही मैं देख पाई थी जहां पे मैंने देखी थी दूसरी जगह प्रॉपर्टी के टाइम पे तो नहीं देखी तो अगर मैं देखूं तो वहां पे लिफ्ट तो है चलती नहीं है अब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो चल फिर नहीं सकता अब वो कैसे जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर या तो आप ग्राउंड फ्लोर पर करें इंतजाम या लिफ्ट अगर लगाइए तो चला दो भाई है ना तो ऐसा भी होना चाहिए कि ग्राउंड रियालिटी कई बार डिफरेंट हो जाती है बट हमें एक्सेसिबल बनाने हैं जो प्लेसेज हैं डिसेबल फ्रेंडली बनाने हैं कि हर बच्चा व्यक्ति जा पाए आ, बोनापन एसिड अटैक विक्टिम्स वो मूवी आई थी ना छपाक जो लक्ष्मी की कहानी थी और आ, आपका हीमोफीलिया थैलेसीमिया बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं जो इन इक्कीस डिसेबिलिटीज में आती हैं उनके रट्टे लगाने का कोई फायदा नहीं है बस आपको पता होना चाहिए एक बार नोट्स में एक बार वो झांक के देख लेना मन करे तो नहीं भी करे तो भी इतना बेसिक पता होगा तो चल जाएगा क्योंकि अलग से डिसेबिलिटी नहीं आएगी जो आएगी वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगी तो ड है उसमें थैलेसीमिया है है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और आपका आ, ये अस, आ, क्या कहते हैं उसको जो कुष्ठ रोग है तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ उसमें हैं चलिए खैर आते हैं अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो आरपीडब्ल्यू एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इसके तहत ना जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो छह से अठारह वर्ष तक के बच्चों के लिए हालांकि ये भी अभी अपडेट हो जाएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो और बढ़ाने की बात करेगी तीन से शुरू कर देगी तो अभी तक मतलब जो हम पढ़ते थे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में ठीक है ना कोई कह रहा आप भी एक मूवी बनाओ भाई अभी तो पढ़ा पढ़ा के हालत खराब है दे, देखो अब डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो वो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम अक्षमताएं ये होती किस लिए है? ये कोई दिमाग में या बच्चे की आईक्यू में कमी नहीं है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कि उसकी ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट है इस बारे में पूछा गया था ना डिस्ग्राफ या डिस्लेक्सिया ये डिस वाले जितने भी पूछे समझ जाए ना न्यूरोलॉजिकल वायरिंग में आ, थोड़ा डिफरेंट है बच्चे का जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि उसका ब्रेन उस तरह से वायर्ड है इसका मतलब ये नहीं आई कम है बच्चे का सीख नहीं सकता दिमाग की कमी है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना कई लोग मानते हैं दिमाग की कमी है जैसे डिसलेक्सिया तारे जमीन पर वाला जो बच्चा था ईशान अवस्थी उसको था इसका मतलब ये नहीं था उसमें दिमाग की कमी थी ठीक है ना वो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इनकी अलग होती है आपको ए ऐसा दिखता है उनको ए ऐसा दिख सकता है बी आपको ऐसा दिखता है उनके ब्रेन में जो है वो प्रोसेस डिफरेंट तरीके से डी की तरह से हो सकता है तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप प्रिंटेड मटेरियल दे दें अगर पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को तो तो पहला डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया डिस का मतलब होता है डिसफंक्शन ये एलेक्सिया हो तब भी बात बराबर ही रहेगी वो ए लगा देते हैं तो टेम्परेरी और उसका परमानेंट का डिफरेंस है रीडिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं यानी पठन विकार बच्चा बेड को डेड पढ़ता है सौ को वॉज पढ़ता है बी को डी पढ़ता है 6 को नौ पढ़ता है ये ये क्या है? लेटर्स, अगर आप देख रहे हैं बच्चा पढ़ नहीं पा रहा अब जब पढ़ नहीं पा रहा तो लिखने में भी दिक्कत होगी तो अगर रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे क्या चूज करेंगे अगर सिर्फ मेनली ये रीडिंग डिसऑर्डर है लेकिन रीडिंग जो गलत पढ़ेगा वो गल... सही थोड़ी लिखेगा वो लिखेगा भी गलत तो इसलिए रीडिंग राइटिंग दोनों हो जाता है डिसग्राफिया की जब हम बात करें तो ये ग्राफ का मतलब ग्राफ कैसे बनाओगे हाथों से है ना तो राइटिंग से संबंधित विकार है ये रीडिंग डिसऑर्डर था किसको ईशान अवस्थी को वो जो मूवी है तारे जमीन पर में और वो एक टीचर है जो समझ पाते हैं कि हाँ भाई उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं तो सबको लग रहा था ये तो मजाक कर रहा है क्योंकि बच्चे दिखते भी नॉर्मल हैं ऐसी कोई इनको इंटेलिजेंस की भी दिक्कत नहीं है बट वो बच्चा पढ़ने के अराउंड जब उसको खड़ा किया जाता था क्लास में अगर आपने मूवी देखी है तो वो बहुत एंग्जाइटी महसूस करता था तो पढ़ने के अराउंड इनको दिक्कत होती है राइटिंग डिसऑर्डर और पढ़ने की वजह से लिखने में भी दिक्कत होगी डिस्लेक्सिया वाला बच्चा लिखेगा भी सही नहीं लिखेगा भी गलत डिस्ग्राफिया की अगर मैं बात करूं तो डिस्ग्राफिया राइटिंग से मेजरली संबंधित है जैसे डिस्लेक्सिया रीडिंग से मेजरली संबंधित है बट राइटिंग में भी दिक्कत आएगी तो डिस्ग्राफिया में राइटिंग संबंधित विकार होता है इलैजिबल राइटिंग यानी डॉक्टर्स वाली राइटिंग होती है इलैजिबल राइटिंग बोले तो यानी पढ़ने योग्य ही नहीं होती इनकी राइटिंग अगर आप इनकी नोटबुक देखने लगेंगे आपको लगेगा कीलम काटी पता नहीं क्या हो रहा है आप पढ़ नहीं पाएंगे अभी डॉक्टर्स को भी खैर शायद कहा है ना उड़ीसा में कोई तो वो आया है कि कोई जजमेंट है कुछ कि भाई डॉक्टर्स को कहा गया या तो कैपिटल लेटर्स में लिखो या लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो लेजिबल क्या होता है पढ़ने योग्य जो पढ़ने योग्य नहीं है वो इलेजिबल है तो इलेजिबल राइटिंग किसकी होगी डिस्ग्राफिया वाले की वो आप पढ़ नहीं पाएंगे वो आप पढ़ नहीं पाएंगे है ना चलिए आते हैं ये शुरुआत में पता लग जाता है ऐसा नहीं है अब आप बीस साल के हो गए तब पता लगेगा डिसलेक्सिया है ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो चीजें लर्निंग डिसेबिलिटी है खैर वो शुरुआत में जीवन के आपके पांच दस साल तक पता लग जाता है कोई कह पांच मिनट का ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलेगा ब्रेक चलते रहने दो है ना ज्यादा बचा नहीं है ये वाला टॉपिक जैसे ही यूनिट खत्म होगी ना इंक्लूसिव एजुकेशन फिर उसके बाद ब्रेक दे देंगे उसके बाद तो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है मैंने इतने पिक्चर्स वगैरह लगाई है मजा आएगा आपको डिस्कैलकुलिया की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन मतलब मैथ्स से दिक्कत है मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी कैलकुलेशन डिसऑर्डर है गुणा की जगह एडिशन एडिशन की जगह गुणा ये सब मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी डिस्कैलकुलिया डिस्फेजिया है या अफेजिया है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाषा को समझने में इसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी इस बच्चे को जिसको डिस्फेजिया है भाषा को यूज करने में और भाषा को समझने में यानी जो मैं बोल रही हूं वो समझने में दिक्कत होगी और अपनी बात को समझाने में दिक्कत होगी डिस्फेजिया वाले बच्चे को डिसिया होता है प्रेक्सिया है मोटर एक्टिविटीज वाला डिसऑर्डर बच्चे को टाई लगाने में शू लेस बांधने में बटन अप करने में जो शर्ट है उसको ये सब दिक्कत बटन लगाने में बेसिकली दिक्कत होगी तो मोटर एक्टिविटीज जो आपकी बेसिक पेन से पकड़ के लिखने में भी डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे को भी और राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है क्यों क्योंकि उसकी उसका रीजन अलग है क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा है उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं तो मोटर एक्टिविटीज का डिसऑर्डर है dyspraxia. तो ये एक बेसिक बात हुई आगे बढ़ते हैं इस पर आपको पढ़ना नहीं है नहीं तो इंपेयरमेंट और हैंडीकेप वगैरह में डिफरेंस होता है वो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए सही है अभी आपको जरूरत नहीं है अब कुछ और डिसेबिलिटीज हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है एडीएचडी एडीएचडी क्या है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखो अगर वाला बच्चा उसको, सक, आ, उसको आप प्रिंटेड मटेरियल दे सॉरी प्रिंटेड मटेरियल मतलब उसको लिखवाओ मत वाले बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल दे दो लिखवाने की जगह है न? तो जिस बच्चों को जिस चीज में दिक्कत है उसका सोल्यूशन निकाल देना सिंपली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अधिकम अवधान न्यूनता विकार कहते हैं उसको डेफिसिट अविदान न्यूनता अति सक्रियता विकार हाइपर एक्टिविटी यानी बच्चे का ध्यान टिकता नहीं है ज्यादा देर तक एक जगह जैसे आप लोग चार घंटे से पढ़ रहे हैं मोर देन फोर आवर्स तो अगर हम बात करें भी पांच घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में तो अगर हम बात करें तो आपकी अटेंशन का लेवल मतलब ठीक ठाक है बैठ नहीं पाएगा अटेंशन डेफिसिट वाला बच्चा उसको पार्ट्स में ब्रेक करके देनी पड़ती है चीजें पांच पांच मिनट दस दस मिनट वो अति सक्रिय है उछलता कूदता रहेगा एक सीट से दूसरी सीट कभी खड़ा होगा कभी कुछ होगा तो आपका वो क्या है हाइपर एक्टिव है कुछ ज्यादातर बच्चे अर्ली चाइल्डहुड तक तो हाइपर एक्टिव होते हैं लेकिन ये बाद में भी है, है ठीक ना? <coughs> बहुत बढ़िया देखो मैम सच बोल रही हूं मैं फिक्स सात बजे से आपकी क्लास ले रही हूं एक मिनट को भी टाइम वेस्ट नहीं किया बहुत बढ़िया डे विद मी बहुत सारे लोग आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात है अटेंशन ये आपको मेहनत करना सीखना जो है जब आप सीख जाते हैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ तो आप जीवन में कर ही लेते हैं फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी अटेंशन में कमी है तो आपको ऐसे बच्चों को पार्ट्स में तोड़ के देनी है कोई भी असाइनमेंट है कोई भी काम है एक साथ ज्यादा देर तक ये टिक के नहीं बैठ पाते है ना अगर पांच छह साल के बाद भी दिक्कत है हाइपर एक्टिविटी की तो आपको देखना चाहिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आजकल कहा जाता है कि इंटरनेट या फोन वगैरह के यूजेज से भी लोगों में बढ़ रहा है ना क्योंकि हमारा ध्यान टिक ही नहीं पाता हमें तीस तीस सेकंड की रील चाहिए तो अटेंशन में तो कमी आएगी हालांकि ये थोड़ा डेवलपमेंटल होता है पता लग जाता है कुछ टाइम बाद ही मतलब दस बारह साल से पहले पहले ऑटिज्म ऑटिज्म में क्या बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करेगा ये भी पूछा जा रहा है खूब रेपिटेटिव यानी बार बार पुनरावृत्ति अपने एक्शन की रेपिटेटिव एक्शन बार बार सेम बात रिपीट करेगा बार बार फिजिकल एक्शन सेम करेगा स्टीरियोटिपिकल एक्शन भी कहते हैं इसको बच्चे की जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म वाले के जो ऑडियंस वाला बच्चा है उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है अपनी बात को बार बार रिपीट करता है सोशली उसको अच्छा नहीं लगता अगर ज्यादा लोग हैं या उसके रूम में भी कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो जाए दिक्कत होती है दिमाग की कमी नहीं है इन बच्चों में इनको सिखाया जा सकता है लेकिन चैलेंजेस हैं इनको सिखाने में वो टीचर को अपने मैथड में चेंजेस करने पड़ेंगे ठीक है स्टीडियोटिकली या कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है ऑटिस्टिक बच्चे को हियरिंग इंपेयर्ड को भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी भाई क्योंकि जो सुन ठीक से नहीं पा रहा वो जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा जब आप अपनी बात थी, वो आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहा है ऐसा बूढ़े लोगों के साथ होता है ना मेरी नानी है जैसे उनको कम सुनता है तो अब आ, मैं कुछ कह रही हूँ वो कुछ और जवाब देंगी काफी देर लग जाती है उनकी बात को समझने में और अपनी बात को कहने में तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के साथ या बच्चा अगर है तो स्कूल में तो उस केस में आप हियरिंग एड का इस्तेमाल कर लो अगर मशीन वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर अगर कम हियरिंग इंपेयरमेंट है तो बच्चे को आगे बिठाओ थोड़ा सा लाउड बोलो तो ये आपको अपने मेथड में परिवर्तन करने पड़ेंगे विजुअली इंपेयर्ड यानी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो अगर बिल्कुल दृष्टि बाधित है पूरी तरह से यानी ब्लाइंड है तो आप ब्रेल लिपि का जो आप ईवीएस में भी पढ़ते हैं ना डॉट बेस्ड होती है ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट जिसको टच और फील या टेक्टाइल मटीरियल दो इन बच्चों को टेक्टाइल मतलब जिसको छू के पढ़ा जा सके वो वाला मटीरियल ठीक है जी फिर आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को मूवमेंट में दिक्कत होती है मोटर का मतलब ये कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत होगी मोटर शब्द जहां आ जाए तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हड्डियों से रिलेटेड परेशानी है जैसे जो बच्चा व्हील चेयर पे है या बैसाखियां हैं या तो हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को मूव करने में मेरा दिमाग कहा है मोटिवेशन लिख रही हूँ मूव move करने में मूवमेंट से संबंधित दिक्कत होगी चलने फिरने दौड़ने भागने में तो इस बच्चे को भी आपको ध्यान रखना है ठीक तो ये एक बेसिक सी बात हो गई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई अड्रेसिंग से चल रही हूँ यानी अगर एक बच्चा टैलेंटेड है क्रिएटिव है स्पेशली एबल्ड है आप कैसे डील करेंगे उसको सिंपल तरीके हैं कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है एक घूट पानी बचा हुआ है ये मैं पी लेती हूँ फिर मंगा लूंगी प्लीज डिक्टेट फास्ट हाँ स्पीड में चलेंगे यार डोंट देखो सिलेबस तो आज खत्म करके रहेंगे इतना तो तय है देखिए देखिएगा अगर हम बात करें एक मिनट रुकना भाई अगर हम बात करें ये मैट है ना अगर हम बात करें किस चीज़ की एड्रेसिंग विद टैलेंटेड एक बार गिफ्टेड बच्चों की थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो जरूरी है अच्छा एक बात का ध्यान रखना इंक्लूसिव एजुकेशन में या पूरे ही चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम में भी इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम में चेंज करते हैं आप बच्चे में नहीं चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड यानी बच्चे में परिवर्तन मत कीजिए परिवर्तन करना है तो सिस्टम में कीजिए चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है सिस्टम बनाया गया है बच्चे के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज कीजिए टीचिंग मेथड में चेंज कीजिए बच्चे में चेंज करने की बात मत करोगे किसी बच्चे को दिखता नहीं तो उसकी आंखें लगवा दो ये कैसी बात हुई ये तो बेवकूफी की बात हुई किसी बच्चे को मान लीजिए सुनने में दिक्कत है तो उसको और पीछे बिठा दो ये उल्टी सीधी बातें हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए आप ठीक है ना तो सिस्टम में परिवर्तन लाना है बच्चे में नहीं ठीक है इतनी बात क्लियर है चलिए खैर अब देखते हैं अड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स गिफ्टेड बच्चे की बात कर लेते हैं गिफ्टेड तीन प्रकार के होते हैं जनरली गिफ्टेडनेस का मतलब सिर्फ आईक्यू के आधार पे नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रतिभाशाली जिनमें कोई प्रतिभा है जो देश और दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं ज्यादा योगदान दे सकते हैं वैसे तो सभी का अपना योगदान होता है ठीक इनकी अपनी नीड्स है इनको डील करने की इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था ना तो अगर हम देखें एक है गिफ्टेडनेस का एक प्रकार है इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसका आई क्यू ज्यादा है जो पढ़ने में अच्छा होगा इंटेलेक्चुअली ब्राइट इसको प्लीज हिंदी में मत एक्सपेक्ट कीजिएगा ये इसका मतलब वही होगा कि इंटेलेक्ट को क्या कहते हैं बौद्धिक रूप से बेहतर कह लो आप जिसका आई क्यू ज्यादा है तो आई क्यू मोर देन वन फोर्टी या वन ट्वेंटी तो एटलीस्ट होगा ही IQ more than 140 या फिर 120, जो भी आपको चारों ऑप्शन आई क्यू मिले सौ बीस से ऊपर आप समझ जाओ, वो गिफ्टेड है तो ज्यादा हाई आई क्यू जिसका है बेसिकली मैं ये लिख देती हूँ हाई आई क्यू वाला जो है बच्चा वो गिफ्टेड हुआ एक प्रकार हुआ जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं जो लोग एकेडमिक्स में अच्छे रहे हैं है ना और कौन हो सकता है जो बेसिकली साइंटिस्ट हैं या ये सारे लोग हैं मतलब जिनका आई क्यू ज्यादा है अगर मैं बात करूं यहां पे दूसरा प्रकार क्या है आपको बताइए फटाफट से बताओ चिल्ला चिल्ला के ये मैं काफी सालों से बताती डिस्कशन करते हुए आ रही हूँ नहीं तो लोगों को लगता था सिर्फ आई क्यू जिसका ज्यादा है वही गिफ्टेड है तो हो सकता है ये पैटर्न पूरा बदल गया हो क्योंकि ट्रेंड हम सेट करते हैं फॉलो सब कर ही लेते हैं जो कि अच्छी बात है टैलेंटेड चिल्ड्रन टैलेंटेड चिल्ड्रन तो अगर हम बात करें दूसरा प्रकार है टैलेंटेड टैलेंटेड कौन हो सकते हैं भाई सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं विराट कोहली हो सकते हैं जरूरी नहीं अगर देखा जाए एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली ब्राइट अगर हम देखें तो एकेडमिक्स का तो हमें पता नहीं कोई दसवीं पास है बट अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं है ना तो टैलेंटेड हो सकते हैं टैलेंटेड में कोई भी स्पेशल टैलेंट हो सकता है डांस का हो सकता है स्पोर्ट्स का हो सकता है वॉट कोई भी टैलेंट है ठीक कोई मजिशियन हो सकता है अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की तो क्रिएटिव चिल्ड्रन भी इसका पार्ट है रचनात्मक बच्चे रचनात्मक बोले तो कुछ नया करने की क्षमता जिनमें है है ना क्रिएटिविटी और गिफ्टेडनेस में क्या रिलेशन है वो भी अभी समझेंगे तो क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या है कुछ नया करने का कुछ नोवल कुछ ओरिजिनल करने की क्षमता ये है। रखते हैं इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे वैसे अब ये एम एफ हुसैन हो सकते हैं जो पेंटिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं ठीक है जी टैलेंटेड कोई एक फील्ड में टैलेंटेड कोई एक टैलेंट है इंटेलेक्चुअली ब्राइट क्या है जिनका आई ज्यादा है क्रिएटिव चिल्ड्रन जो कुछ नया कर सकते हैं तो तीनों ही अपने आप में गिफ्टेड कहलाएंगे अपने आप में प्रतिभाशाली कहलाएंगे इन बच्चों की क्यूरियोसिटी इनकी मेमोरी जो इंटेलेक्चुअली जिनका हाई आई होता है स्पेशली उनकी मेमोरी यानी उनकी स्मृति उनकी मेमोरी उनकी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को बोर हो जाएंगे यदि इनको अच्छे से नहीं समझाया गया या इनको चैलेंजिंग वर्क नहीं दिया गया गिफ्टेड बच्चों के लिए हम क्या ज, वैसे जनरली जब गिफ्टेड की बात ये लोग कर रहे होते हैं ये कहते हैं आई ज़्यादा है जिसका वो गिफ्टेड है बट ये तीनों प्रकार होते हैं आपको ये समझ के रखना है और पेपर में जिस तरह से पूछा हो उसको ध्यान में रख लेना है अच्छा एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसके लिए क्या चलाए जाते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है भाई एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम समृद्ध प्रोग्राम कह लो जो मन करे एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क भी होंगे इसमें उन, उनकी नीड्स को ध्यान में रख करके गिफ्टेड बच्चे को अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो वो बोर हो जाएगा बोर हो जाएगा तो उसका मन नहीं करेगा क्योंकि वो जल्दी समझ लेता है चीजों को बाकी से उस, स्पीड ज्यादा है सॉल्व करने की समझने की है ना तो एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसमें एक चीज हम देखते हैं एक्सेलेशन त्वरण तो भी एक तरीका इस बात पूछा भी गया था एक्सिलरेशन क्या स्पीड अप कर दिया एक साल में दो क्लास करा दी एक साल में जंप करा दिया दो क्लास करा दी है ना एक साल में सिक्स क्लास होनी थी सिक्स सेवन दोनों करा दी ये क्या स्पीड अप कर दिया एक्सेलरेट कर दिया जैसे आप बाइक को गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ठीक है ना तो स्पीड बढ़ा दी स्पीड अप कर दिया आपने बच्चे की क्योंकि वो ज्यादा जल्दी सीखता है तो वो बोरियत महसूस ना करे तो इसलिए आप एक साल में दो क्लास पहले होता था ना इस तरह जंप करा देते थे, थे क्लास मेरे साथ भी हुआ एक बार तो एक्सेलरेशन क्या है लेकिन कई बार ही उल्टा भी पड़ जाता है कि अगर बेसिक्स जाए बच्चे के तो बट एक्सेलरेशन गिफ्टेड बच्चे के केस में यूज किया जाता है नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं वो बेचारा एक साल में नॉर्मल ही कर ले सिलेबस काफी है तो गिफ्टेड मतलब बेचारा तो क्या ही है मैं तो मजाक कर रही हूं गिफ्टेड बच्चे केस में चैलेंजिंग टास्क भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स भी इनको दिए जाते हैं ताकि चैलेंजिंग महसूस करें नहीं तो ये बोर हो जाएंगे और सही डायरेक्शन अगर इनको नहीं मिली तो गिफ्टेड बच्चा भी गड़बड़ कर सकता है जरूर नहीं है वो एकदम सक्सेसफुल होगा यदि डायरेक्शन सही नहीं मिली चीजें सही नहीं गई तो तो एक बात है एक तो अपॉर्चुनिटीज हर बच्चे को मिलनी चाहिए चाहे वो टैलेंटेड हो क्रिएटिव हो स्पेशली एबल्ड हो एक्सलरेशन गिफ्टेड बच्चे के लिए है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स अगेन गिफ्टेड बच्चे के लिए चलाते हैं हम अकोमोडेट हर किसी को करना है ये बात हम कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब आपका आता है ये टॉपिक हुआ खत्म आपकी दोनों यूनिट खत्म अब 10 नंबर का पेपर आपका बचता है जिसमें छोटे-छोटे छोड़ क्यूट-क्यूट से लिटिल-लिटिल टॉपिक्स हैं और आप अपने घर फिर जा पाएंगे जय माता दी जो आप कहना चाहें कह लीजिए हेलो ठीक है <laughs> देखिएगा एक बार अब बोर हो गई मैं शाम से पढ़ते पढ़ते हाँ दीक्षा इवन मेरी तो कोशिश ये थी कि यार कम घंटे में करा ये पांच घंटे हो गए ना आ, मुझे मतलब मैं इस बात में बिल्कुल ये मेरा अपना बहुत मैं पर्सनल फेवरेट तरीका नहीं है कि मैं आ, और ये यूट्यूब पे बहुत लोग करते हैं मतलब सबका अपना एक स्टाइल होता है कि बारह घंटे की क्लास चौबीस चौबीस घंटे तक पढ़ाया हुआ है लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में बट वो मतलब मुझे पॉइंटलेस लगता है क्योंकि कोई भी सेम व्यक्ति कोई भी इंसान जो पढ़ रहा है मैं मानती हूँ आपका पेपर से पहले जो ध्यान होता है चलो थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे वो ज्यादा होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगता है पेपर से पहले लेकिन इतना किसी का नहीं लगता कि वो बारह घंटे चौबीस घंटे आठ घंटे पढ़ ले बैठ के लगातार है ना और वो पढ़ भी रहा है तो फिर दिमाग से ऊपर जा रही है चीजें रिवीजन में हेल्प होती है लेकिन जो बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहा है तो एक लिमिट होती है मतलब दिमाग की इसलिए थोड़ा बहुत ब्रेक और वो सब चीज़ें मेरी कोशिश रहती है कम समय में ज्यादा बट एक बात सोचो आप जो सिलेबस साठ घंटे में कम से कम होता है साठ क्लासेस में साठ घंटे भी नहीं कई बार तो डेढ़ डेढ़ घंटे की कई सारी क्लासेज इस बार दो महीने का टाइम मिला था तब भी मेरे को चालीस घंटे लगे हैं सिलेबस खत्म कराने में उसी का और वही सिलेबस अगर आपको चार पाँच घंटे में कराया जा रहा है तो एक तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी है ना तो हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान होते हैं तो मुझे लगता है छः घंटे से पहले तो सिलेबस आपका ये नहीं हो पाएगा एक घंटा तो और लगेगा अभी ले लेंगे स्पेशल पैडागोजी का एक और क्लास ले लेंगे बहुत ही बेहतरीन अच्छा धन्यवाद भाई जो लोग पुराने लोग भी हैं पानी में थोड़ा सा इंतजाम करते हैं और ये यूनिट शुरू करेंगे इसमें सोचते कैसे हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग है ना और ये देखो आज सुबह मैं बताई थी ना मैं गई थी गाड़ी पे मैंने कुछ देखा एक कार पे कुछ तो लिखा हुआ सिक्सटीन टू जो क्रिएटिविटी है एक तरह की अभी न्यू ईयर पे कुछ ऐसे ही घूमते फिरते मॉडल टाउन में उन्होंने देखा कि ये भैया थे इनसे मूंगली ली कुछ और इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है जिसको हम इंडियन जुगाड़ कहते हैं ये क्रिएटिविटी है ये रचनात्मकता है कि भाई इसको होल्ड करने के लिए या तो कुछ बहुत फैंसी लेके आए वो इन्होंने क्या किया हुआ है वो जो टायर की ट्यूब होती है साइकिल वाले उसको लगाया हुआ है बांधा हुआ है ताकि ये गिरे ना ये भी क्रिएटिविटी है कि आपने नए ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग की है ठीक है ना तो इन सब पे चर्चा करेंगे ये एनकोडिंग का भी उदाहरण हो सकता है सोलह दूनी आठ समझ रहे हैं ना ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के इन्होंने मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्या तो क्या दिया हुआ है अब हम इसको ये नहीं जज करेंगे कि ये इन्होंने क्यों लिखवाया हुआ है कैसे लिखवाया हुआ है जाट क्यों लिखवा दिया ये क्यों करा दिया वो सब चीजें मतलब ये समाज का हिस्सा है कहीं पे रूल्स हैं तो वहां पे ये नहीं भी होता दिल्ली में हालांकि अलाउड नहीं है दिल्ली में अलाउड नहीं है यूपी में अलाउड नहीं आई थिंक कहीं तो है तो अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ एनकोडिंग का उदाहरण है है ना सोला दुनी आर्ट जाट वट तो ये क्या किया हुआ इन्होंने तो ये क्रिएटिविटी है लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए तो क्रिएटिवली कुछ तो सोचा होगा ना यार इसको ना मैं ऐसे नहीं लिखवाता हूँ हिंदी में इसको ऐसे लिखवाता हूँ एनकोड कर लेगा अपने आप को डिकोड कर लेगा ठीक है ना तो खतरनाक लोग हैं मतलब ठीक है सब अपनी आ, कास्ट को लेके जो है प्राउड या आप बिलोंगिंगनेस महसूस कर सकते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है बट वो डिमीनिंग नहीं होना चाहिए कि आप बाकियों को कहें कि तुम तो काम के नहीं हो और हम ही हैं बस जो हैं वो थोड़ा पंगे वाली बात है हालांकि ठीक है ये सबके अपने इंटरेस्ट है अगर ये इलीगल नहीं है चीज तो कोई कुछ भी करे देखिएगा एक मिनट रुकिए, एक मिनट पानी का इंतजाम कराते हो देखना एक बार आते हैं चलो वापस से बट एज अ टीचर आपको मैंने अगेन पर्सनल व्यूज़ अलग रखिए आपको हर बच्चे को साथ लेके चलना है किसी एक जाति या संप्रदाय के ख़िलाफ़ या बहुत ज़्यादा पक्ष में कोई ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए चलिए आते हैं खैर वापस से आते हैं समझते हैं तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स बचे नहीं हैं आपके तीन टॉपिक हैं बिल्कुल लर्निंग एंड पेडागोजी वाली यूनिट है ये तीन टॉपिक दिखने में बट छोटे छोटे टॉपिक कई सारे हैं दस नंबर की यूनिट है वैसे अब तक आप सब कुछ पढ़ चुके हैं बस उसी का इस्तेमाल करना है इस यूनिट में कुछ अलग नहीं है जो आपने पढ़ा है बस छोटी छोटी चीज़ें हैं तो अगर हम देखें यहां पे, अगर हम देखें तो हम कहेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड वाई चिल्ड्रन फेल बच्चे कैसे सोचते हैं बंद कर देना गेट देखना एक बार देखेगा <coughs> बहुत बढ़िया कोई कह रहा है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है

अदरवाइज ऐसा नहीं है पेपर सेट स्टैंडर्ड पे ही बनता है कि इतने परसेंट वो एक रूब्रिक है सेट इतने परसेंट इजी इतने परसेंट मॉडरेट इतने परसेंट डिफिकल्ट तो अगर क्योंकि सी के साथ मजेदार बात ये है कि ऐसा कोई टॉपिक ये लोग छोड़ते नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आए एक नंबर का भी टॉपिक है तो उससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं आया बल्कि जो सिलेबस में दिया हो, कई बार उसके आसपास आ जाए वो बात अलग है तो मुझे लगता है पेपर नॉर्मल रहेगा जैसा एक सेट पैटर्न बना हुआ है लेकिन हाँ वो उतना इजी नहीं है जैसे 2019 में हुआ करता था उस टाइम पे फिर भी, भी इजी थी बात लेकिन clarity, क्योंकि एक सबसे बड़ा रीजन है किस क्या है वो जो अजर्शन और वाले इन्होंने डाल दिए वो जो बहुत सही है सारे सही हैं इस तरह के क्वेश्चन जो डाल दिए थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ क्लैरिटी तो जिसने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं होगी है ना और प्रीवियस ईयर अगर आपने ठीक से तो वही

कंबाइंड एक आ, एक बैलेंस सा रहता है पेपर में ऐसा नहीं है आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करके गए तब दिक्कत है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड वाई चिल्ड्रन फेल अच्छा मैं अभी गिफ्टेड बच्चों की बात कर रही थी गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी में क्या रिलेशन है तो क्रिएटिविटी और गिफ्टेडनेस में पॉजिटिव रिलेशन है यानी देखो एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है क्रिएटिविटी के लिए अब एवरेज अगर ये एवरेज इंटेलिजेंस भी है तब भी बच्चा क्रिएटिव हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है जो जिस बच्चे का आईक्यू बहुत हाई है वो हमेशा क्रिएटिव ही होगा

टेस्ट वगैरह हो रहा है बच्चे की गलतियां सीखने का पार्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग जो त्रुटियां हैं वो सीखने का हिस्सा है बच्चा सीखता है तो गलती भी करता है वो नॉर्मल बात है है ना बच्चे सीखते कैसे हैं तो आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी है कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चों को ये अभी हम वैसे लर्निंग में पढ़ेंगे तो ये बेसिक सी बातें थिंकिंग के प्रकार है अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ थिंकिंग की थिंकिंग क्या है आप एक कॉग्निटिव स्किल है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन इस पर भी चर्चा करेंगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है विचारशील चिंतन यानी जब आप मान लीजिए आपने कोई अनुभव किया आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पर यार मैंने पिछली बार पेपर दिया था ये वाली गलती की थी अब आप उस उसपे चिंतन मनन कर रहे हैं चिंतनशील हैं आप उस उसपे विचारशील हैं यानी आपने कोई एक्सपीरियंस किया अब आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मुड़ के देख रहे हैं विचार कर रहे हैं कि क्या ये चीज सही थी गलत थी तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है जो एक्सपीरियंस जो भी चीजें आपके सामने हैं या कोई अनुभव आप ले सके ले चुके हैं और उस पर सोच रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है लेकिन आप अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्ट करने में थिंकिंग शामिल होती है तो वो आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कॉन्क्रीट में जो चीजें आपके सामने जो अनुभव मूर्त अनुभव आपने लिया है उस पर अगर आप सोच रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है अगर हम देखें क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसको प्रमोट करती है इसमें आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी आएगा इसमें आपका कई बार डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की भी जरूरत पड़ जाती है तो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली आपका समालोचनात्मक चिंतन है आप फैक्ट्स पे एविडेंस पे रिफ्लेक्ट करते हैं हर एक पक्ष को सोचते हैं किसी बात के जस्ट मान नहीं लेते हैं ओपिनियन को फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं एनालिसिस करते हैं सिंथेसिस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग खतरनाक थिंकिंग है जो हमें चाहिए कि जस्ट हम मान ना लें कि किसी ने कहा

दो लाख लोग हैं पांच लाख लोग हैं लाइव तो यह कोई तो मेरे को बताया था टीम में कि बॉट सिस्टम होता है वो बॉट सिस्टम क्या होता है कि ऑटोमेटेड बॉट्स लगे हुए हैं जो लाइव व्यूअरशिप अच्छा आपको चाहिए मैडम ठीक है इतना पैसा दो लग जाएगा लेकिन क्या सब वो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई कोई तो जेन्यन भी होगा है ना लेकिन अब किसी ने कहा कि यार इसका तो फेक है इतने इतने लोग लाइव चले गए तो ये तो फेक है या बॉट लगाया हुआ है या पैसे देकर लाइव मंगाया हुआ है आई डोंट नो मेरा जवाब क्या रहेगा मुझे नहीं पता भाई है ना मेरे पास डेटा नहीं है मे भी हो सकता है सच हो मे भी हो सकता है झूठ हो है ना तो फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं आप जस्ट ऐसे ही नहीं कि आपका मन किया लेकिन हां हम देख रहे हैं भैया पोल अगर जा रहा है तो जितने लोग हैं उसके एक तिहाई लोग भी पोल में नहीं आ पा रहे हैं है ना या बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि भैया ये गड़बड़ मामला चल रहा है ठीक है तो ऐसे मतलब ये कई तरीके हो सकते हैं ऐसा नहीं सिंपल बस यही तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग कुल मिला बात यह है कि फैक्ट्स पे काम करती है किस पे काम करती है फैक्ट्स पे काम करती है फैक्ट्स पे एविडेंस पे काम करती है एविडेंस बहुत जरूरी है आपके पास साक्ष्य क्या है क्योंकि हम क्या करते हैं हमारी सोसाइटी में कोई भी अगर अच्छा कर रहा है तो ये कहना बहुत आसान होता है लोग हमें भी कह देते थे कि मिलियंस में तो सब्सक्राइबर होते ही नहीं है भाई टीचिंग में है ना तो जो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके प्रति कोई भी एक ये कह सकता है कि भाई ये तो एम ही होगा कुछ तो गड़बड़ होगी होती भी है कई बार जरूर नहीं है लेकिन हर केस में गड़बड़ होगी ये मानना भी गलत है तो जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं, नहीं है एविडेंस नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि आप जस्ट मान नहीं लेते कि आपको कोई बुरा लगता है तो आपने कह दिया हां हां अरे ये तो फेक है और आपको कोई अच्छा लगता है आपने कहा आपका फेवरेट टीचर है अरे नहीं 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 सर या मैडम तो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं यू नेवर नो हमें नहीं पता है ना तो फैक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग में आप फैक्ट्स पे एविडेंस पे अगर आप जज के पास जाएंगे वो ये नहीं कहेगा कि प्रेम कितना है वो कहेगा एविडेंस दिखाओ तो एविडेंस पे बेस्ड होती है ठीक है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात हो गई कॉन्क्रीट की बात हो गई ये आया हुआ है आपका उसमें दो वाले पेपर में अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों में डेवलप करना ताकि उनको कोई बेवकूफ ना बना पाए ठीक है ना हम्म हाँ 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 डेवाइड करें कि एक कार ओवरटेक गई करके गई तो उस पर लिखा था ध्यान से ओवरटेक कर गाड़ी में लट भी है हाँ ये सब बहुत चलता है आजकल मतलब आजकल क्या लोग देखिएगा अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये मुझे और आपको दोनों को पता है अलग अलग उसमें भी आ सकता है बल्कि सब्जेक्ट में ये भी मुझे और आपको पता है कोई कह रहा है थोड़ा फास्ट फास्ट यार थोड़ा सा स्लो चल रहे काफी थकान हो गई अभी, है अभी बट मैं कोशिश करती हूं कि फास्ट कर पाए इसको स्पीड अप करते हैं अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग है अब सारी चिंतन दिशाओं में सोचना ओपन एंडेड थॉट ओपन एंडेड थॉट ओपन एंडेड थॉट क्या है यानी आप दिशाओं में सोच पाते हैं अगर आप एक ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ओपन एंडेड थॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्या है क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड अब आपको पता है मैं बोला हुआ है कि डीसी साथ जाता है सीसी नहीं यानी क्रिएटिविटी से कौन जुड़ा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग तो डीसी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई आप सारी चिंतन जो इसका सीधा रिलेशन होता है क्रिएटिविटी से है ना किससे क्रिएटिविटी से जब आप दिशाओं में सोच रहे हैं ब्रेन कर रहे हैं लिटरल थिंकिंग कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स किससे जुड़े हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्रिएटिविटी से कुछ हद तक टॉलरेंस कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं कि जुड़ी हुई है ठीक है ना इट्स माई फर्स्ट टाइम सीटेट कि मैं आपकी क्लास ले रही हूं यू टीचर्स वेरी नाइस थैंक यू ऑनेस्ट हलस चलिए आते हैं वापस से तो एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज आप अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं चीजों को पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एंडेड थॉट है आपका ये अच्छा कोई प्रॉब्लम है पानी की कमी है चलो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है ये भी सॉल्यूशन हो सकता है अच्छा पॉल्यूशन ज्यादा है हम ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं एक पॉइंट से आप दिशाओं में जा रहे हैं वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आप एक पॉइंट जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको और आप उसका बड़ा सा आंसर लिख रहे हैं अलग अलग सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं जब आपको जब आप दिशाओं से एक पॉइंट पे जाए यानी चार ऑप्शन थे एक ही ऑप्शन सही होगा एक पॉइंट पे गए कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड थिंकिंग है ये इसमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप क्या करते हैं क्लोज एंडेड थॉट पे आते हैं कि अच्छा चलो ये रीजन है फाइनल डिसीजन ले लिया जब आप कुछ नया बना रहे होते हैं तो पहले आप दिशाओं में जाते हैं वो जो दिशाओं में जाना है आप सारी चिंतन किससे जुड़ा हुआ है क्रिएटिविटी से और अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट सिकुड़ता हुआ चार ऑप्शन से एक ऑप्शन पे जाना फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स क्विज ये सब क्या है क्लोज एंडेड है जिसमें सोचने को मौका मिले जैसे यूपीएससी अगर सब्जेक्टिव पेपर ले रहा है या ऐसे राइटिंग हो रही है तो वहां पर डायवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल होगा अच्छा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है जेपी गिलफर्ड ने ये दोनों दिए हैं इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्योंकि जब आपने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके बताया तो कुछ नया क्रिएट किया आपने क्रिएटिविटी लगाई नहीं आपने पांचवा ऑप्शन थोड़ी बनाया एक चूज किया यानी मल्टीपल ऑप्शन से जब आप एक सिंगल पॉइंट पे जा रहे हैं तो आप इंटेलिजेंस का बुद्धि का प्रयोग किया आपने सही उत्तर चूज करने के लिए लेकिन जब आपको एक प्रॉब्लम दी और मल्टीपल सॉल्यूशन क्रिएटिविटी अलग अलग दिशाओं में गए आप तो वो क्रिएटिविटी है तो इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जो दिशाओं में जाती है वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है और जो दिशाओं से एक पॉइंट पे आए वो कन्वर्जेंट है अभी ठीक है ना डाइवर्जेंट है दिशाओं में तो अगर हमें क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है क्लास में तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा इतनी बात क्लियर है जैसे इन दोनों ही उदाहरणों में इन दोनों ही उदाहरणों में क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल हुआ है अगर ये भैया जो है वो इनका फेस मैंने जान के नहीं लिया है अगर वो भैया साइड से दिख रहे हैं इन्होंने ये यूज किया है क्या है ये एक साइकिल की इसको इंडिजीनियस टीचिंग मटेरियल भी आ, की तरह भी आप समझ सकते हो उसको बाद में आएंगे बट उस पर अगर आपने इंडिजीनियस होता है कम रिसोर्सेज में और देसी जुगाड़ करके आप जो है आ, कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी कर लेते हैं कि कोई वेस्ट मटीरियल है उससे कुछ बना लिया तो अब ये क्या है ये साइकिल का ट्यूब था जिसका इन्होंने इंडिया में हम ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करते हैं ठीक है ना कि जिसको कई बार ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं कि एक तो होता है एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का सॉल्यूशन है कि पहले ये फॉर्मूला ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक रिमोट नहीं चल रहा आपका प्रोवन जुगाड़ है चला दिया अच्छा ये कोई प्रॉपर कोई स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन था नहीं इन्होंने जुगाड़ लगाया ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सोल्विंग की एनोलॉजी लगाई पहले कोई प्रॉब्लम सोल्व की होगी प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सोल्विंग एल्गोरिज्म ये तीनों तरीके क्या है प्रॉब्लम सोल्विंग समस्या समाधान के ही तरीके हैं तो इन्होंने डायवर्जन थिंकिंग दिशाओं में सोचा होगा कि क्या किया जा सकता है जब ये भाई साहब ने सोलह दुनी आठ लिखवाया है ना देखिएगा जब ये भाई साहब ने सोलह दुनी आठ लिखवाया तो इन्होंने भी दिशाओं में तो सोचा होगा कि यार जाट लिखवाने का मन नहीं है सोलह दुनी आठ क्या सोलह सिक्सटीन इंटू टू या फिर फॉर एग्जाम्पल इससे भी और अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है जो विराट कोहली का ब्रांड है वो वन है यानी उनकी जर्सी का नंबर क्या है अट्ठारह वन तो उन्होंने वन तो डब आ, ओ एनी वन लिखवाया और एट लिखवा दिया वैसे तो ये भी एक तरह की डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्रिएटिविटी है कुछ नया सोचा है हालांकि क्रिएटिविटी की भी क्लासेस होती हैं लेवल्स होते हैं तो अब आप इसको कहो कि ये लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है जो भी है, वो एक अलग चीज है बट दिशाओं में सोच पा रहा है कोई तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है लेकिन हर व्यक्ति जो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है वो क्रिएटिविटी ही लेकर के आएगा ये जरूरी नहीं है कि भाई आप दिशाओं में तो बहुत सोचते हैं लेकिन फिर आप खतरनाक कुछ ऐसा सॉल्यूशन ले आते हैं जो एकदम फेलियर साबित हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी जो भी दिशाओं में सोचे हर डाइवर्जेंट थिंकर गिफ्टेड सॉरी क्रिएटिव होगा ये कहना जरूरी नहीं लेकिन कोई भी क्रिएटिव है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर करेगा ठीक है ना चलिए खैर ये तो हुई एक बात आगे आते हैं ये कोडिंग एंड कोडिंग का भी एग्जाम्पल है इसको मैं लैंग्वेज वाली क्लास में भी यूज करूंगी क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं कुछ ये चार एलिमेंट्स हैं फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरजिनेलिटी और इलाबोरेशन यानी क्रिएटिविटी की जब हम बात करें ब्रेन स्टॉमिक भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है बच्चों को ग्रुप में बिठा के अलग अलग सोल्यूशन के लिए कह रहे हैं आप एफ एफ ओई ये ट्रिक है सिंपल निमोनिक है फ्लुएंसी यानी मल्टीपल थॉट्स आते हैं अगर कोई क्रिएटिव व्यक्ति है तो ऐसा नहीं एक प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व नहीं होगी दूसरे से होगी तीसरे से होगी पांचवे से होगी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है लचीलापन यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लुएंसी तो क्या है मल्टीपल तो थॉट्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पचास तरीके इनके पास ऑलरेडी है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक तरीका काम नहीं किया दूसरा दूसरा नहीं तीसरा ओरिजिनल क्या है ओरिजिनलिटी मतलब कॉपी नहीं कर रहे हैं कुछ अपना कुछ नया सोच रहे हैं इलेबोरेशन है और डीप में जाके उसको विस्तारित करना तो ये चार लक्षण जो है जेपी गिलफर्ड ने दिए थे क्रिएटिविटी के आगे बढ़ते हैं ये कुछ वैसे अब तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है ये देखिएगा फटाफट से प्रेपरेशन ये, ये, ये क्रिएटिविटी के चार स्टेप्स हैं प्रेपरेशन आपके पास जो भी और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कई लोग यूज कर लेते हैं इन स्टेप्स को ही प्रेपरेशन होता है आपके पास जो भी डेटा है किसी समस्या को लेके वो आप इकट्ठा कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं प्रेपेयर कर रहे हैं इनक्यूबेशन क्या है अब आपके दिमाग में आप प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि अच्छा ये सोल्यूशन हो सकता है ये सोल्यूशन हो सकता है ये सोल्यूशन हो सकता है इल्यूमिनेशन क्या है अब आपने ध्यान देना छोड़ दिया दे था आप अपने किसी और काम में लगे हुए थे जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ था मान लीजिए अब अचानक से आपको एक आइडिया आया दिमाग की बत्ती जली उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन आउट ऑफ नो आपके दिमाग में एक आइडिया प्रकट हुआ ये आ, बल्ब वाला मोमेंट होता है एकदम से आपका दिमाग में बत्ती जल जाती है फिर आप इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये आइडिया सही है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो पी आई आई वी ये भी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दोनों के लिए यूज होता है तो अचानक से कई बार पेपर में पूछ लेता है कि अचानक से जब आइडिया प्रकट हो तो वो इल्यूमिनेशन है जब आपको पता नहीं है और दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है वो इंक्यूबेशन है आप कुछ और करेंगे और वो अचानक से एक दिन अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप हैं फटाफट से समझते हैं बच्चों को समस्या समाधान करता बनाना है क्रिटिकल थिंकर बनाना है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर हर कोई कहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंपल आपको ध्यान रखना है अलग से सारे स्टेप्स आपसे पूछता नहीं है सीडीपी में तो स्पेशली अगर हम बात करें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम यानी सबसे पहला स्टेप क्या आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम या डिफाइन अ प्रॉब्लम ये अलग अलग हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई फिक्स नहीं है कि एक ही मेथड है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स दिए हैं तो डिफाइनिंग अ अ प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम यानी आप एक समस्या को पहले पहचानेंगे अगर आपको पता ही नहीं समस्या क्या है सॉल्यूशन क्या निकालेंगे पहले आप जानते हैं ना फिर डिफाइन करते हैं ये दूसरा स्टेप हो जाता है तो अगर ऑप्शन में डिफाइनिंग पहला मतलब आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं है तो आप डिफाइनिंग से शुरू कर लीजिए अगर ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन दिया है तो फिर आप आइडेंटिफिकेशन के बाद डिफाइनिंग पे चले जाइए तो ऑप्शन डिपेंड करता है कई बार तो पहले आप समस्या को पहचानते हैं डिफाइन करते हैं परिभाषित करते हैं उसके बाद आप सोल्यूशन हाइपोथिसाइज करते हैं आइडियाज सोचते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है ठीक फिर आप committing to a course of action एक प्लान बनाते हैं आपके दिमाग में जो हाइपोथेसिस परिकल्पना आपने बनाई है कि ये प्लान काम कर जाएगा इंप्लीमेंटिंग योर सॉल्यूशन फिर उसको अप्लाई करते हैं और फाइनली एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं ठीक है जो वो चार स्टेप बताए थे उसी से इंस्पायर्ड है जैसे अगर आपको पता लगा एक बच्चा है जो एक बच्चों को आपने कहा भाई पानी बचाने के तरीके बताओ उसने कहा मैम अच्छा पानी की जरूरत क्यों है बचाने की तो प्रॉब्लम को आप और क्लियर करते हैं और डिटेल में समझते हैं फिर वो बताएगा अच्छा हम आर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं हम वो भी कर सकते हैं अगर ये बात ग्रुप में हो रही है तो बच्चे ब्रेन करके बता रहे हैं ठीक है जी तो ये बेसिक सी बात है आपसे वैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं पूछता है बस आपको पता होना चाहिए कि डिफाइन कर पाए आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में आप सोच पाए फिर एक प्लान बनाएं एक्शन लें ठीक है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेमोरी मेमोरी पे वैसे जनरली ऑनलाइन में ही एक आध बार क्वेश्चन आया है ऑफलाइन कभी आया नहीं बट हु नोज कल को दे दें वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है बट फिर भी इन्होंने पूछ लिया था तो मैं बता देती हूँ आपको देखो शॉर्ट टर्म मेमरी होती है एक गजनी याद है गजनी मूवी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही देखी है पहले मैंने बचपन में मैं शायद सिक्स सेवन्थ में थी जब वो आई थी आ, थोड़ी सी ही देखी थी वो पूरी नहीं देखी थी ठीक है ना हाँ भैया जैसे जिन लोगों की कॉपी की आप बात करते हैं वो चैनल्स पूरे के पूरे लेट्स लर्न के थीम पे पर हैं है ना तो यार ऐसी बातें मत बोला करो अच्छा थोड़ी लगता है बाकी आपकी इच्छा है आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है पुराने सेशन देखे नहीं हैं आपने किताबें नहीं देखी हैं कैसे पता लगेगा ए चलिए इतने बुरे दिन आ गए कि कॉपी तो कम से कम यार कोई अच्छे व्यक्ति की कहो कि हाँ बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है कोई कितने सालों साल से कराते हुए आ रहे हैं जो लोग करते हैं कॉपी हम उनको कॉपी नहीं कहते आप उल्टा ही देखिए है ना क्योंकि आपका भला होना चाहिए आपको समझ में आ रहा है बात खत्म कोई जो कर रहे करे तो चंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चंकिंग देखो मेमोरी का बेसिकली सिंपल एक आ, फंडा है ये बहुत बार मैंने क्वेश्चंस में भी बताया है चंकिंग की अगर हम बात करें टुकड़ों में तोड़ना जैसे मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ कई लोग उन एग्जाम्पल्स को भी कॉपी करते हैं एज इट इज आपको नंबर ही लिख देती हूँ भी सेम नंबर मैंने बहुत बार आपको लिखवाया है में ये चैनल वाला नंबर है कई बार ऑन रहता है कई बार नहीं अब इसको चंक में तोड़ के ही याद करता है हमारा ब्रेन नाइन फाइव नाइन नाइन वन सिक्स वन जीरो टू फाइव तो दो दो चार के चंक में तोड़ करके याद रह जाता है हमें ठीक है ना तो ये चंकिंग क्या है मेमोरी को धारण करने की एक टेक्निक है क्या आप चंक बना के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं कोई समस्या और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है कि प्रॉब्लम को आप अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं निमोनिक्स निमोनिक्स तो भाई जीवन पर्यंत से हम लोग यूज करते आ रहे हैं जैसे पता नहीं कितने निमोनिक है मतलब मेरे लिए तो बड़ी ये कई बार तो जो लोकल पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं अभी किसी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन में तो मैंने नहीं देखा है बट बहुत सारे स्टेट्स में भी मतलब ये चीज चल रही है कि जो फंडे हमने बनाए हुए हैं जैसे पीसीएसई पहले किसी किताब में नहीं होता था वो तक भी प्रिंट होकर आपको वो निमोनिक्स अभी देखने को मिलते हैं तो हम लोग सालों साल से बना रहे हैं इसमें कोई ऐसा नहीं प्राइड लेने वाली बात नहीं बट जो सच है वो सच है ठीक तो पीसीएसई हो गया जो सिगमन फ्रॉइड वाली जो पूरी आपकी जो स्कूल एज होती है ना छह से बारह जिसको स्कूल एज हम कह रहे हैं गैंग एज हम कह दे रहे हैं वो क्या है वो सिंपली आपका आ, इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं किसके एरिक्सन के एरिक्सन कहते हैं लेटेंसी कहते हैं कौन सिगमन फ्रॉइड बस ये याद रखने के लिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसी को कौन कह रहा है प्याजे कह दे रहे हैं ठीक है थीके? तो इसके अलावा ओ ए पी एल जी टीवी लेके आई पता नहीं कितने सारे निमोनिक हैं जो हमने याद किए हुए हैं जैसे अभी मैंने जी एफ गर्ल नहीं ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स जी एस जी एस क्या था याद आ रहा है कुछ जेंडर क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट है तो ये सब निमोनिक्स हैं पता नहीं कितने निमोनिक्स हमने बनाए हुए हैं पेडोलॉजी को याद रखने के लिए तो याद रखने की टेक्निक है ये दोनों ही चंकिंग हो चाहे निमोनिक हो फंडा है कि आप इनिशियल्स लेते हैं जैसे मैं हिमांशु सिंह को एच एस लिख दूं इनिशियल्स लेते हैं और माइंड मैपिंग भी एक तरीका होता है कि आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे तो अंतिम तरीके हैं uh, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब मुझे नहीं लगता इनको ये क्वेश्चन डालना भी नहीं चाहिए बट uh, मेरी नजर में वो चीज आ गई थी तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया जय श्री राम बोल दो जय श्री राम बोल दिया जी उत्कर्ष जी बिल्कुल बचपन रामायण बैठ बैठ के देखिए हमने वो जो आती थी हफ्ते में एक दिन देखिएगा लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था उसको समय भी उतना ही दिया लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और मोटिवेशन के बारे में थोड़ी सी बात तो आपको सिंपली याद रखना है लर्निंग को आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं करना है डी कॉन्टेक्शलाइज नहीं करना है डी कॉन्टेक्शलाइज नहीं करना है डी कॉन्टेक्शलाइज नहीं करना है असंदर्भित नहीं करना है बच्चे के संदर्भ उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए नहीं तो रटना हो जाएगा रोट लर्निंग होती है और एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन करता है मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं आपके प्याजे वाइगोस्की ब्रूनर यानी जो भी बच्चे को एक्टिव रखेगा वो अर्थपूर्ण अधिकम अर्थपूर्ण कब होगी कोई चीज जो हमारे जीवन से जुड़ जाएगी ठीक है ना नोवेलिटी का मतलब होता है नयापन नवीनता ठीक तो डी कॉन्टेक्शुलाइज्ड यानी असंदर्भित सोशल कॉन्टेक्स यानी बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ो बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ो डी कॉन्टेक्शुलाइज मत करो कॉन्टेक्चुलाइज करो कॉन्टेक्स में संदर्भ में पढ़ाओ चाहे ग्रामर पढ़ाओ चाहे कुछ भी पढ़ाओ संदर्भ में पढ़ाओ बच्चे के जीवन से जोड़ के मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए रटंत विद्या चलंत ना ही सिंपल बात अच्छा लर्निंग एक तो सोशल होती है इन इट्स वेरी नेचर तो संदर्भ से जोड़ के पढ़ाना है रियल लाइफ से दूसरा लर्निंग ग्रेजुअल होती है जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि जो लर्निंग है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है आप एक दिन में आपको कोई सारा खाना दे दे और आपकी पूरे जीवन भर के लिए खाने की पूर्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है खाना तो ग्रेजुअली रोज चाहिए इसका मतलब क्या है लर्निंग भी रोज होती है जो काम हम दो महीने के सिलेबस को खत्म कर रहे हैं अगर एक दिन में तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी हर कोई तो पचा नहीं पाएगा क्यों क्योंकि जिसने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी रहेगा अगर कोई फिर भी ज्यादा स्मार्ट है मेन मेन चीजें चलो पढ़ के उसको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है लेकिन वो ज्यादा प्रभावी होगा जो धीरे धीरे सीखा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं लर्निंग एक दिन में आप बीस घंटे पढ़ लेंगे वो लेकिन पेपर से पहले ठीक है कुछ एग्जाम में वो चीज़ लागू हो जाती है कि आप टेढ़ी मेढ़ी मेहनत करके काम निकाल लेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी का एग्जाम है लेकिन ग्रेजुअल होती है लर्निंग धीरे धीरे होती है धीमे धीमे ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई ग्रेजुअल है लर्निंग सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है और भी कॉन्टिन्यूस है लाइफ लॉन्ग है है ना तो बहुत सारी इसकी चीजें लेकिन आपके पेपर में इतना ही काम का है और तो कॉन्टेक्स्ट से हटा के नहीं करना है सामाजिक संदर्भ में अच्छा लर्निंग को अफेक्ट करने वाले पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अब ये नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं और ये पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं आप पे डिपेंड करेगा कि वो एनवायरमेंट में उसको कैसी चीजें मिल रही हैं पर्सनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं

पर्यावरणिक कारक पर्सनल फैक्टर्स होते हैं व्यक्तिगत कारक तो बच्चे से जुड़े हुए बच्चे की एज क्या है उसका मैचुरेशन का स्तर क्या है उसकी रुचि है या नहीं है उसकी नीड्स क्या है उसकी क्षमताएं क्या, क्या है उसकी वीकनेस क्या है एप्टीट्यूड किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है है ना मोटिवेशन लेवल कितना है इमोशनल कंडीशन क्या है टेम्परामेंट क्या है डिप्रेस तो नहीं है तो नहीं सीख पाएगा एंशियस है तो भी दिक्कत होगी तो ये पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से संबंधित है उसकी एज इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एटीट्यूड मैचुरेशन जो बच्चे एबिलिटीज एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है जो एनवायरमेंट से संबंधित है जैसे नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं भाई कोई बाढ़ आ गई भूकंप आ गया गर्मी है सर्दी है ये नेचुरल फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स यानी होम और स्कूल से रिलेटेड सामाजिक कारक हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर ये अभी जो ढोल बजने लगा था अचानक से अब ये एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो गई लर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी अगर एनवायरमेंटल फैक्टर ठीक नहीं है तो स्कूल में आप पेपर देने गए और वहां शोर शराबा आपकी जो टेबल है वो हिले जा रही है हेले जा रही तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है अगर ठीक होगी टेबल तो अच्छे से आप पेपर दे पाएंगे तो अगर एनवायरमेंटल या पर्सनल फैक्टर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी लर्निंग पॉजिटिवली प्रभावित होगी नेगेटिव है तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी लर्निंग जो है आपकी ठीक है आते हैं कल्चरल फैक्टर्स जिस संस्कृति और समाज में आप रहते हैं वो प्रभावित करेंगे सीखने को लर्निंग मटीरियल टीचिंग लर्निंग मटीरियल कैसा है रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा है कहीं मारपीट है या क्या है टीचर्स डर का माहौल तो नहीं बना के रखते हैं पीयर ग्रुप बुली तो नहीं करता है मीडिया का यूज नेगेटिविटीज ऑफ द यूज ऑफ मीडिया तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो एनवायरमेंट में है पर्सनल फैक्टर बच्चे से संबंधित ये दो प्रकार के फैक्टर होते हैं जो तो अगर पूछा जाए टीचिंग मेथड पर्सनल फैक्टर है कि नहीं नहीं बच्चे का इंटरेस्ट उसका एप्टीट्यूड उसकी एज उसका मैचुरेशन ये सब पर्सनल है बच्चे से संबंधित चीजें पर्सनल एनवायरमेंट में जो चीजें वो एनवायरमेंट जैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन ट्रेनिंग सब एनवायरमेंटल है ठीक है ये अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन हम कर चुके हैं बेस्ट कौन सा है मास्टरी ओरिएंटेशन आपको लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पे फोकस करना है अब आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन सिलेबस आपका ये खत्म ही होने वाला है पूरे खानदान में आपके क्लास के बारे में पता है बहुत बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया हाँ चलिए आते हैं बहुत बढ़िया उत्कर्ष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आ, मेरी जॉब लग गई तो शादी करेंगे आप मुझसे यार एक तो मतलब मेरा बेसिक फंडा है जीवन में मतलब आई डोंट लाइक इट के जब लोग ये मैं सुनती हूँ जब भी तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये जो स्टूडेंट टीचर या उस तरह के जो रिलेशनशिप्स मतलब अनटर एनलेस चलो ठीक है आप स्कूल के बाहर हैं या मतलब उसमें मतलब ये एथिकल डिलेमा है एक तरह की मॉरल डिलेमा है बट मैं पर्सनली मतलब मुझे वो लोग बहुत ख़राब लगते हैं जो लोग मान लीजिए कोई क्लास में टीचर्स मतलब कुछ लोग करते हैं सर वो थोड़ी गरिमा खराब करता है टीचिंग की कि अफेयर्स चलने शुरू हो जाते हैं या रिलेशनशिप में टीचर के साथ क्लासरूम में अगर मतलब एक बार को एक बार को चलो ये मान लो कि कहीं न, अगर इसकी थोड़ी बहुत भी अगर मैं कोशिश भी करूँ इसको सही मानने की जज ना भी करूँ तो वो तब लगता है कि ठीक है आपका मतलब वो व्यक्ति आपके जीवन में अब आप उसको पढ़ाते नहीं हैं और तब कोई बात है अदरवाइज मुझे बहुत खराब भी लगता है इस तरह की सोच भी कि मतलब वो रिलेशनशिप इतना प्योर है वहाँ रिस्पेक्ट की जगह होनी चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में मतलब सोचना भी बहुत अच्छी बात नहीं मानी जानी चाहिए दूसरी बात नौकरी से शादी नहीं करता है इंसान इंसान से शादी करता है ठीक है मतलब मेरे केस में चलिए खैर आ जाइए तो मेरा जवाब ना है वापस आते हैं हंसी मजाक होता रहना चाहिए आते हैं वापस है ना तो वो उम्र को बड़ा मतलब ख़राब लगता है ऐसा करते हैं लोग क्योंकि टीचर से इन्फ्लुएंस होना लर्नर्स का वो बहुत स्वाभाविक बात है क्योंकि आप जब बहुत सारा समय दे रहे होते हो आप डेली बेसिस पर किसी व्यक्ति को देख रहे हो उसके विचारों को सुन रहे हो तो वो टीचर का स्टूडेंट मतलब टीचर से स्टूडेंट का जो है आ, क्या उसको कई केसेस में इनफेचुएशन कह सकते हैं अगर ऑपोजिट जेंडर है कई केसेस में अट्रैक्शन हो सकता है कई केसेस में इन्फ्लुएंस आपको करते हैं टीचर्स बट ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डिस्टेंस उतना होना चाहिए एटलीस्ट एक वो रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए फ्रेंडशिप का रिलेशन होना बहुत जरूरी है सबका अपना मतलब मॉरल कंपस है मैं वैसे ही सोचती हूँ ओल्ड स्कूल वोमेन्स मामले में देखेगा मोटिवेशन की अगर हम बात करें अभिप्रेरणा अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की तो मोटिवेशन दो प्रकार की होती है एक नंबर का क्वेश्चन बाय अभिप्रा अभिप्रेरणा जैसा नाम से पता लगता है एज द नेम सजेस्ट एक्सटर्नल होती है, इसके जो है वो बाहर मिलेंगे बाहर क्या मिलेगा रिवॉर्ड नेम फेम मनी रीजन क्या है बाहर आउटसाइड मिलेगा रीजन मार्क्स मिलेंगे बच्चे को कुछ भी मिल रहा है अगर तो क्या है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है जिसका रीजन बाहर है इसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है केंद्र जो है अभिप्रेरणा का वो एक्सटर्नल होता है अगर हम बात करें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक अभिप्रेरणा का जो सेंटर है मोटिवेशन का वो अंदर है उसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा आपको जैसे जॉय के लिए बच्चा पढ़ रहा है मान लीजिए उसको मजा आता है रीडिंग में इसलिए पढ़ता है उसका इंटरेस्ट है इसलिए बढ़ता है अगर रीजन बाहर नहीं है अगर रीजन कोई भी बाहर है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तब भी बाहर है ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है यहाँ तक धन्यवाद जी हाँ सही बात है भाई नीड्स ऑफ आयर की कराऊंगी डोंट वरी मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट है कर लेंगे मतलब जनरली पूछा नहीं जाता बट वो आपको पता होना चाहिए इंडायरेक्टली कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत बढ़िया जी चलिए फटाफट से बहुत बातें अभी हैं थोड़ी देर का सेशन है मुश्किल से आधा पौना घंटा निपटा देंगे खत्म जब आप इतनी मेहनत करके अब तक रुके हुए हैं तो रुके रहिए है ना, ना आ रही ना हिम्मत ठीक है एक बार भी नहीं उठा मूंगली खा रहा हूं बैठा हूं उत्तराखंड से ठंड है बहुत हाँ ठंड तो यार यहां भी इंद्र सेन बहुत बढ़िया आप अलग अलग जगह से देख रहे हैं भाई सात डिग्री है दिल्ली में भी अभी और पाँच सौ ए है ये लाए, रहने लायक जगह बची नहीं है पाँच सौ ए से समझ लो एयर क्वालिटी इंडेक्स बर्बाद है एक, एक बज के एक मिनट हुए रात के चौदह जनवरी बहुत बढ़िया है, संडे हैप्पी संडे हैप्पी बर्थडे जिनका आज बर्थडे हो कल हो तो इंटरनल मोटिवेशन में रीजन बाहर नहीं होता आपको बच्चे को ये पॉजिटिव मानी जाती है आपको बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करना है क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन रिवॉर्ड वाली मोटिवेशन आपको एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए करेगा कि मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा नंबर मिलेंगे इसलिए पढ़ूंगा और जब नंबर की बात नहीं है जब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो वो नहीं करेगा उस काम को जैसे अगर मैं देखू मैं काफी टाइम हो गया पिछले ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल से डेढ़ साल तो कह ही सकती हूँ मतलब हर तरह से एकदम फाइनेंशियली फ्री हो मतलब दुनिया भर की चीजें सब कुछ मतलब रिटायरमेंट वाली स्टेज चल रही है ठीक तो अगर मैं अब छोड़ दूं इस काम को कि अब मेरे को करना ही नहीं है सारी चीजें बढ़िया प्रॉपर्टीज बन गई ये हो गया वो हो गया एफडी फलाना ये और दुनिया भर की बातें करके है ना कि रेंट खाएंगे अब तो ये करेंगे वो करेंगे और ठीक है अब क्या जरूरत है तो अगर ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होती तो मैं छोड़ भी देती ये इंटरनल मोटिवेशन थी जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था दो रुपए भी मिलेंगे है ना आज से सात आठ साल पहले तब भी क्लासेस कई घंटे की होती थी आज भी क्लासेस होती हैं बीच में कोई दिक्कत आ जाए परेशानी हो जाए वो एक अलग बात है तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है क्योंकि आपको वो काम करने में मजा आता है कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी आप करेंगे मिल रहा है ठीक है एक्स्ट्रा है ठीक है ना तो ये एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्या है जिसका रीजन बाहर है रिवॉर्ड नंबर वट एवर मटीरियलिस्टिकलिस्टिक क्या है जिसका जो मटीरियल फोन पैसा नाम गाड़ी ये सब क्या है एक्सटर्नल चीजें हैं मजा जॉय ऑफ लर्निंग लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपको इंटरेस्ट है अब क्या करूं मैं बैठ जाऊं फिर जाऊंगों पे चली जाऊं नहीं मजा आता है यार काम करने में क्या दिक्कत है

कितने लोग ये कर रहे हैं तब आप वो काम करेंगे नहीं आ रहे हैं तो नहीं करेंगे ठीक है ना क्लियर बात है तो इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना एक टीचर को जिसका रीजन अंदर हो जॉय ऑफ लर्निंग रीजन अंदर मतलब बच्चे से बाहर ना हो इंटरेस्ट हो डेवलप करें आप बच्चे में मोटिवेशन की साइकिल होती है बेसिक सी छह मतलब वो वाली साइकिल नहीं जिसपे चल के जाते हैं ये वाली साइकिल अभिप्रेरणा का चक्र है छह स्टेप होते हैं उसमें याद रखने का सिंपल तरीका है नोट्स में आपको फ्री नोट्स दिए हुए हैं अगर हम देखें अगर हम देखें एनडीए गार यानी अभिप्रेरणा का चक्र साइकिल ऑफ मोटिवेशन एनडीए गार ये स्टेप हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं ये याद रखने के लिए निमोनिक बनाया हुआ है और गार गार क्या है भाई एनडीए एन फॉर नीड डी फॉर ड्राइव ए फॉर अराउजल जी गार जी फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ए फॉर अचीवमेंट आर फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल ये क्या है छह स्टेप हो गए क्या हो गए छह स्टेप हो गए इस बार होगा रफत तो अगर हम देखें यहां पे मोटिवेशन की जब हम बात कर रहे हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन एनडीए गार देखिये मोटिवेशन कब आएगी जब नीड होगी नीड क्या सिर्फ पैसे की नीड होगी नहीं जरूरी नहीं है है ना नीड साइकोलॉजिकल हो सकती है भाई मुझे नीड है ये सेशन करने की क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतजार करेंगे पिछली बार में कुछ रीजन से नहीं कराई पाई करा पाई थी और अब कोशिश है कि साल में एक ही बार हूँ मेराथन ताकि आपके पास इनफ चीजें भी रहे हेल्प भी होती रहे तो नीड है कि मुझे अच्छा लगता है ये करके है ना आप लोगों को सीखने को मिलता है तो वो साइकोलॉजिकल नीड हो गई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अब अंबानी जी के बाद मैं ही बची हूँ कि पैसा मैंने दुनिया से ज्यादा ही कमा लिया मेन बात होती है कि आपको जितना चाहिए या उससे ज्यादा ही है ठीक है वो चीज़ें होती हैं फिर तो वो एक अलग बात हो गई तो वो नीड लेकिन वो नीड शुरू वहां से हुआ ही नहीं था मोटिवेशन बिना नीड के नहीं आता अब वो नीड चाहे पैसे की हो चाहे वो नीड मन की हो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन चाहिए है।, है ना स्वर्ण पाटिल कह रहे हैं फाइव आर्स से खड़े हो आप हेड्स ऑफ टूर पेशेंस नॉलेज कॉन्सेंट्रेशन एसिस्टी करा देना प्लीज द वे यू इग्नोर आटर डेले दे डैश के चेले अच्छा माइंड ब्लोइंग वी वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम टीचर नॉट फ्रॉम पुअर बिजनेसमैन एग्जैक्टली exactly, है मतलब सॉन और ठीक है मतलब इवन आई अप्रिशिएट पीपल यार अगर किसी को दो थोड़ा भी फायदा हो रहा है किसी चीज़ से बट उल्टा ये नहीं कह सकते ना आपके मतलब मुझे तो मत ही पताओ यार कम से कम हैं यही कंटेंट <laughs> ये तो मतलब और ये तो फालतू के कंपैरिजन से कुछ होता भी नहीं है मतलब मेरे पास उतना समय थोड़ी है यार मैं इसलिए थोड़ी खड़ी हूँ यहाँ पे कि किसी को जवाब दे सकूँ ये काम नहीं है मेरा है ना और वो अपने आप को नीचे गिराने वाली बात होती है नीड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आवश्यकता ये साइकोलॉजिकल हो सकती है ये मटेरियलिस्टिक हो सकती है SST का यार नेक्स्ट टाइम देखेंगे एक बार इस बार इस तो जो हिस्ट्री वगैरह की हुई है पेडोलॉजी का हो सकता है नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूं, फ्री अगली बार देखते हैं तो नीड की अगर हम बात करें तो नीड कैसी भी हो सकती है साइकोलॉजिकल हो सकती है पैसे की हो सकती है खाने की हो सकती है कोई ना कोई नीड होती है आप ये एग्जाम दे रहे हैं सब तो नहीं दे रहे एग्जाम है ना क्यों क्योंकि क्यों? उनको क्यों? क्यों? नीड नहीं होगी नीड कैसी तो हाँ, कोई भी नीड तो नीड चाहिए तब जाके मोटिवेशन आती है नीड और मोटिवेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है कई लोग करते हैं नीड मतलब मोटिवेशन मोटिवेशन मतलब नीड ड्राइव आपको कोई चीज ड्राइव करे हो सकता है नीड हो आपको सरकारी नौकरी की बट ड्राइव नहीं है आप में आप कह रहे हैं नहीं यार चल तो रहा है काम कोई बात नहीं एक दिन आपको किसी ने ताना दे दिया एक्सटर्नल मोटिवेशन है ताना में कई लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं उसको तो किसी ने कहा कि अरे जाओ तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं ये हुआ या कुछ भी हुआ आपने कोई समस्या देखी जीवन में आपके अंदर ड्राइव आई कि यार अब तो करना है करना तो है और रीजन है मेरे पास ड्राइव है अराउजल अराउजल अब इस लेवल पे कि अभी करना है इसी बार करना है भाई तुरंत एक्शन लेने को तैयार है आप तो तुरंत एक्शन लेने को तैयार जब वो आग अगर उतनी उत्तेजना आपके अंदर बन गई है तो ड्राइव जो है रीजन के लेवल पे कि हाँ वो और बड़ी है नीड कि आपको एक्शन लेना है उस तरफ बढ़ रहे हैं आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है जैसे भूख जो है वो ड्राइव कर सकती है नीड क्या है आपको फूड की है भूख नहीं लगेगी तो ड्राइव ही नहीं होगी आप है ना वो फिर और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगी तो उत्तेजित हो जाओगे कि नहीं यार कुछ भी मिल जाए खा ही लूंगा गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर उस दिशा में आपको लगा कि नीड है सीटेट देने की या नौकरी की ड्राइव किया उस चीज ने अराउजल उस लेवल पे पहुंचे कि नहीं अब तो एक्शन लेना ही है फिर आपने या तो कोर्स लिया किताब पढ़ी यूट्यूब देखा आपने पढ़ना शुरू किया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया उस दिशा में अचीवमेंट हो गया गोल का अब ये जो अराउजल थी इसका रिडक्शन हो गया आपको योर नीड आएगी है ना ह्यूमन ऐसे ही चलते रहते हैं ना अलग नीड अलग अलग मोटिवेशन चलती रहती है अब मैस्लोज हायर आर् ऑफ नीड्स और इसके बाद आपका कॉग्निशन एंड इमोशन बचता है ये हम करेंगे डिस्कस मेटा कॉग्निशन है थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस तो बस मतलब एक ही मिनट का है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पे एक जरा सी बात करनी है एनईपी ईपी आर टी एनसीएफ का क्रक्स मुझे बताना है आपको बस क्योंकि अलग से अब वो फिर मैराथन का फायदा नहीं है। अगर आप ये तो फिर अलग से भी मैंने सेशन बनाए हुए हैं और देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनईपी और इस पर अभी आरटी पे और इवन uh, एनसीएफ पे भी अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे मतलब इस बार का तो डायरेक्ट उन्होंने दिए नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो क्वेश्चन वहां से पूछ लेंगे उसकी मैं ट्रेट बता दूंगी सॉल्व हो जाएगा देखना एक बार अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जी इंद्र सिंह चलिए आते हैं वापस देखिएगा तो टीचर्स को कंपेयर करते रहते हैं भाई कोई किसी को किसी से कोई कम्पेरिजन नहीं कम्परेजन नहीं मस्त खुशी रहा करो मेरा बर्थडे दीक्षित कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे भाई दीक्षित है ना सब टीचर्स आपस में खुश रहते हैं आप लोग बिना मतलब भी आपस में उनको कंपेयर करने में लगे रहते हो देखो एक बार वर्सेस नहीं होता जीवन में सब कुछ बनाम में बनाम की लड़ाई नहीं होती मैं आपको तो कहूँ कि कोलेबोरेट करो कोऑपरेट करो सहयोग करो और मैं खुद कंपटीशन में लगी रहूं। तो फायदा क्या है हैं ये फिर खराब तरीका हो जाएगा ना देखो एक बार अगर हम देखें हायरार्की ऑफ नीड्स यानी हमें बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है सहयोग में ग्रुप में सीखना है ये करना है वो करना है तो वो चीज प्रीच भी करनी है मैस्लो की हायरार्की है नीड्स की ये भी मोटिवेशन की थियरी है अच्छा इसमें दो क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छा एक और जो आज हमने पढ़ा था ना कोहलबक की थियोरी तो कोलबक की में हमें पता है कि जो थर्ड स्तर है जो थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा इस गवर्नमेंट को क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ चला जाता है क्योंकि उसको लगता है इंडिविजुअल राइट्स भी हैं मेरे कुछ ठीक है ना इतनी बात क्लियर है अब हम बात करें मैस्लो की हायर की तो यहां पे पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एक तो क्वेश्चन बना है यहाँ पे आज तक दो ही क्वेश्चन आए तो जरूर नहीं क्वेश्चन आए बट समझ लो ये बड़ी मजेदार थियोरी है नीड से कैसे हमारी मोटिवेशन आती है एक लेवल की नीड पूरी होती है फिर दूसरा लेवल फिर तीसरा लेवल फिर चौथा लेवल तो ये क्या? नहीं सकते हैं ठीक है ना क्लियर है इंग्लिश के लिए सॉल्व करो साइंस के लिए भी प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो अभी तो यही है ओम प्रकाश है ना एक बेसिक बेसिक स्कोर भी अगर करोगे थोड़ा थोड़ा और अभी फोकस करो जितना जहां कमी है उस गैप को फिल करने पे फोकस करो बजाय कि नंबर गिनने के क्योंकि अगर आप अच्छे से अवेयर होकर ये देख लोगे प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कर लोगे जरूरी टॉपिक्स पढ़ लोगे एनालाइज कर लोगे तो वो डायग्नोस करो प्रॉब्लम को नंबर बढ़ जाएंगे अपने आप अब, अब नंबर गिनने का समय नहीं रहेगा तो पेपर इतना पास में है देखिएगा तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो का आवश्यकताओं का अनुक्रम पहला क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकताएं हवा पानी अब ये शारीरिक आवश्यकताओं की ही कमी है ना अगर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पांच सौ है तो रहने लायक जगह तो बची नहीं है बट ठीक है मजबूरी रहेंगे मजबूरी क्या मतलब आदत हो गई है एयर वाटर फूड शेल्टर स्लीप बिना सोए आप सोए नहीं है पांच दिन से पता लगेगा आपको मैं जगी हूं दो तीन दिन तक पता लगता है बहुत बढ़िया है ना क्लोदिंग रोटी कपड़ा मकान रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन वो वाला है जो एनिमल इंस्टिंक्ट वाला सेक्शुअल डिजायर्स है आपकी रिप्रोडक्शन मतलब बिल्कुल एनिमल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है ये लव थर्ड लेवल पे आएगा है ना तो अगर हम देखें यहां पे फिजियोलॉजिकल नीड्स एयर वाटर फूड शेल्टर स्लीप क्लोदिंग रिप्रोडक्शन ये क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है है ना तो ये एक बेसिक सी बात हो गई अगर हम देखें तो ये शारीरिक एक बच्चे ने अपनी माँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था बहुत दिनों से कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी फिजियोलॉजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकता जो मिड डे मील की आपकी स्कीम है 1995 में आ, जो है आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी अभी पीएम पोषण योजना उसको बना दिया गया है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स सारे आवश्यकताएं तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पे ही बेस्ड है मिड डे मील भी के बच्चे अगर उनका वो बोला जाता है ना भूखे भजन ना हो गोपाला ले लो अपनी गंठी वाला भाई पेट में अगर रोटी नहीं होगी ज्ञान की बातें आएंगी नहीं है ना तो मिड डे मील की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिड डे मील 1995 तो उसका भी रीजन फिजियोलॉजिकल नीड्स बच्चे की पूरी रहे कम से कम उसकी शारीरिक आवश्यकताएं तो पूरी रहे अगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है खड़े होने की तो मैं कैसे ज्ञान की बातें कर पाऊंगी तो ये क्या हुआ फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी पूर्ण जी है रोटी कपड़ा मकान शेल्टर का मतलब यहाँ ये नहीं आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए चार बीघे का एक घर होना चाहिए मतलब कोई भी जगह आपको शेल्टर मिल जाए लोग आप दिल्ली में निकलते हैं या किसी भी एक मेट्रो सिटी में आप निकलेंगे या नॉर्मल भी आसपास आप देखेंगे लोग एक चादर में सो रहे होते हैं रात को फ्लाईओवर्स पे फुटपाथ्स पे तो वो उनके लिए वही शेल्टर है उस समय पे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आ, मतलब चाहिए हमको कोई तो जगह चाहिए ना सोने के लिए खाने के लिए पहनने के लिए कुछ तो चाहिए तो ये बेसिक नीड्स है हमारी इनके आधार पर मिड डे मील तभी फूड सर्व किया जाता है स्कूल्स में सेफ्टी नीड्स यार हमें शेर ना खा जाए आके कहीं है ना जंगल में तो नहीं रह रहे हम पर्सनल सिक्योरिटी कोई गोली ना मार दे जैसे हम अमेरिका वगैरह की सुनते हैं कहानी की बहुत गन कल्चर है या उस तरफ तो पर्सनल सिक्योरिटी अब कई लोगों के लिए पर्सनल सिक्योरिटी कई लोग पर्सनल गार्ड्स रख सकते हैं कई लोग सोसाइटीज में रहना पसंद करेंगे सेफ्टी नीड्स की वजह से है ना और सेफ्टी नीड्स क्या है एम्प्लॉयमेंट आपके पास एक नौकरी हो ऐसी जो आपको पता है कि अरे मेरा पेट पलता रहेगा इससे मेरे बच्चे पल जाएंगे ये सब क्या है या फिर आपके पास एक बैंक बैलेंस हो थोड़ा कि सेफ्टी नीड है आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो ताकि आपको पता है कि चीजें इधर उधर हुई तो आपका ध्यान आप रख पाएंगे रिसोर्सेज यानी होने चाहिए आपके पास आप कहते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी भी हो घर भी खुद का हो सेफ सेफ फील करें जिससे आप हेल्थ को लेके प्रॉपर्टी को लेके ये सबकी नीड्स आपकी अच्छा आ, आप अपनी जान से खिलवाड़ नहीं चाहते थ्रेट से बचना चाहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी कोई गोली ना मार दे कोई चाकू ना मार दे मतलब ऐसी जगह पे तो आप नहीं रह रहे कहीं जो सेफ नहीं है अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने उनको पता था कि उनकी जान जा सकती है फिर भी वो लड़ते रहे कौन सी नीड्स को इग्नोर किया तो सेफ्टी नीड्स को अपनी उन्होंने इग्नोर किया हालांकि जो सेफ्टी नीड्स हालांकि जो आपकी हायरार्की है ये कहते हैं कि एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस पे हम जाते हैं एक 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 लेवल पूरा होगा तब हम ऊपर जाएंगे स्किप नहीं कर सकते ठीक लव एंड लॉन्गिंगनेस आ जाता है फिर जब आपका पेट भर जाता है आप सेफ फील करते हैं फिर आपको बाबू सोना की याद आती है एक मुलाकात जरूरी है जिंदा रहने के लिए लव एंड बिलोंगिंगनेस फैमिली से फील हो सकती है इंटीमेट रिलेशनशिप आपके लवर्स के साथ हो सकते हैं फ्रेंडशिप में आप एक वो बिलोंगिंगनेस मैं कहीं उससे बिलोंग बिलोंग करूं कोई मुझ से करे मतलब फील करना है आपको सीरीज सीरीज ऑफ ऑफ अब आपके साथ मेरा एक वो कनेक्शन हो सकता है ठीक तो ये थर्ड हुआ लव एंड बिलोंगिंगनेस ठीक तो अब जिनको फिजिकल नीड्स उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स फुलफिल्ड है उनको पता है पिताजी ने फोन दिया हुआ है वो लॉन्ग रन में नहीं सोच पा रहे हैं बात अलग है बट उनको लगता है यार अब तो मेरे पास बहुत टाइम है प्यार व्यार की बातें करते हैं अब तो ठीक फिर सेल्फ एस्टीम आपको इज्जत चाहिए भाई को चाहिए फुल इज्जत क्योंकि अब आपको पेट भी आपका भर गया सेफ्टी भी है कल के लिए भी खाना है लव एंड बिलोंगिंगनेस अब आपको प्यार मोहब्बत भी आपने सारे चोचले करके देख लिए अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट अब आपको चाहिए अपनी इज्जत स्टेटस चाहिए रिकॉग्नीशन चाहिए स्ट्रेंथ चाहिए फ्रीडम चाहिए है ना ये है एस्टीम नीड्स फिर आता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन हाईएस्ट लेवल दो परसेंट लोग भी पहुंच नहीं पाते यहां तक आत्मसिद्धि की आवश्यकता है है ना डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी जो भी मैं करने के लिए बना हूं इस दुनिया में वो मैं करूं है ना तो एक बुक आपने पढ़ी होगी शायद मेरे को याद नहीं है तो बचपन में पढ़ी थी द मॉन्कू सोल्ड हिज फरारी है ना या लोग अच्छी खासी जॉब से रिजाइन देके कुछ और करने लगते हैं एक एनजीओ खोल लिया क्योंकि उनको लगा कि हु एम आई मैं हू कौन मैं किस लिए आया हूँ मेरा पर्पज क्या है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती है व्यक्ति की आगे बढ़ते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन में रिलेशनशिप कॉग्निशन जो भी काम दिमाग से होता है परसीव करना रिकॉग्नाइज करना करनाइज करना मेमोरी रीजनिंग प्रॉब्लम से तो सृजन करते हैं उसको कॉग्निशन कहते हैं जिसपे ब्रूनर ने भी थियोरी दी है जिसपे प्याजी ने भी थियरी दी है अगर हम देखें कॉग्निशन और इमोशन कॉग्निशन का मतलब है दिमाग संज्ञान और इमोशन का मतलब है संवेग इमोशंस क्या है हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं ऐसा कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव ठीक है अगर इमोशंस नहीं होंगे अगर मुझे अच्छा बुरा कुछ फील ही नहीं होता तो मैं एक रोबोट बन जाऊंगी आप भी तो इमोशंस अच्छी बात है इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें कॉग्निशन यानी आपका ब्रेन यानी थिंकिंग प्रोसेस आपको नॉलेज कितनी है वो सारी चीजें इमोशंस क्या संवेद फीलिंग आस्पेक्ट थिंकिंग आस्पेक्ट और फीलिंग आस्पेक्ट ये दोनों क्या इंटर रिलेटेड है बिल्कुल इंटर रिलेटेड है ये बायडायरेक्शनल होते हैं प्रतीक विश्वकर्मा क्या होते हैं बायडायरेक्शनल यानी कॉग्निशन इमोशन को प्रभावित करता है और इमोशन कॉग्निशन को ठीक है ना मतलब अगर मैं इमोशनली एकदम खुश हूं मैंने सोचा नहीं यार कमिटेड हैं आज तो हम आज हम करके रहेंगे लेके रहेंगे ये वाली आजादी वो वाली नहीं ठीक है ना तो ये क्या होगा ये आपका इमोशंस जो है मेरे कि हाँ मेरे को बताया यार पेपर बास में आ रहा है और हम सबको पढ़ना है किसी भी हालत में हमें पेपर क्रैक करना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं ये इमोशनली मैं चार्ज हूं कॉगनेशन क्या है तो कांगनेशन भी मेरा क्या कहेगा यार हिमांशी आज थकना नहीं आज पूरा सिलेबस कराएंगे और मैं आपको समझा पाऊंगी बेहतर लेकिन अगर मैं बहुत एंशियस हूं बहुत स्ट्रेस्ड हूं तो क्या होगा अगर मेरे नेगेटिव इमोशन है मैं कह रही हूँ नहीं यार अब तो कमर में दर्द हो रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा यार बहुत बहुत इमोशनली इतना खराब फील हो रहा है यार देखो इतने सारे लोग आए थे सारे चले गए लाइव से बताओ कितने दस हजार लोग बचे हैं बस अगर मैं इस तरह के इमोशंस फील कर रही हूँ तो मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा काम नहीं करेगा वो भी आलस से लेकर और सारी चीजें करेगा देखते हैं इस बार तो मुश्किल हो पाएगी भाई साइंस पैडोलॉजी माही चलिए खैर आते हैं फटाफट से तो बेसिकली कुल मिला अगर बच्चा बहुत ज्यादा ये है कि इमोशनली एंगजाइटी महसूस करना नेगेटिव इमोशंस को अगर वो फील करेगा तो उसका दिमाग भी ठीक से ठीक से काम नहीं करेगा फियर हो सकता है फियरफुल है मान लीजिए एंगशियस है तो कॉग्निशन भी अफेक्ट करेगा अगर आपकी पेपर में तैयारी बहुत अच्छी है और आपके इमोशंस आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप फियरफुल हैं बहुत ज्यादा अगर इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो गए तो संज्ञान आपका दिमाग जितना आता था वो भी काम आप ठीक से उतना भी प्रेजेंट नहीं कर पाते और अगर दिमाग ठीक नहीं है कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो गया कुछ हो गया तो इमोशंस अपने आप हिल जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय इनका रिलेशनशिप होता है इंटर रिलेटेड होते हैं बस एक व्यक्ति है जिजोंग जिनके केस में ये इंडिपेंडेंट हैं जो कहते हैं दिमाग और दिल दोनों अलग अलग होते हैं बाकी सारे लोग चाहे वो शैक्टर सिंगर हों चाहे वो आपके कैनन बार्ड हों बट वो थियरीज आपको पढ़नी नहीं है कम समय में इतनी ही बात बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय यानी

एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है इस बार पूछा हुआ था ना क्वेश्चन एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल यानी एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है एबिलिटी टू लर्न तो होती है ना हमारे अंदर तो एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे यार और बढ़िया से देखे आएंगे मेहनत करके यानी इंक्रीज किया जा सकता है एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती फिक्स तो कुछ भी नहीं रखना आपको पेपर में सब कुछ स्टैटिक कुछ नहीं रखना हेरिडिटी को छोड़ के क्या रखना है डायनेमिक रखना है कि चेंजेबल है होप क्या है आशा ये एक अच्छा इमोशन है आप अच्छा करेंगे अगर तो अगर होपफुल होंगे तो तो दिमाग भी आपका अच्छा चलता है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अब आते हैं मेटाकॉग्निशन सेकंड लास्ट ही है मुझे लगता है अब इसके बाद कुछ बचा है नहीं देखना एक बार मेटाकॉग्निशन क्या है परासंज्ञान मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड वो फेसबुक वाले भाई साहब ने मार्क जुकरबर्ग जी ने वो निकाली थी ना मेटा उन्होंने नाम ही शायद कंपनी का चेंज कर दिया मेटावर्स यानी ये वाली दुनिया के परे एक दुनिया बनाएंगे तो ऐसे ही मेटाकॉग्निशन क्या है मेटा का मतलब होता है परे या परासंज्ञान बियॉन्ड जिसको हम कहते हैं मेटा मतलब बियॉन्ड कॉग्निशन क्या है थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग संज्ञान थिंकिंग के बियॉन्ड तो कॉग्निशन में थिंकिंग होती है रीजनिंग होती है तो थिंकिंग बियडिंग पर संज्ञान थिंकिंग अबाउट थिंकिंग फीलिंग अबाउट फीलिंग यू आर अवेयर अबाउट योर ओन थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग आप खुद को ही रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं रिव्यू कर पा रहे हैं प्लान कर पा रहे हैं मैनेज कर पा रहे हैं यानी आप कैसा सोच रहे हैं इस पर भी आप सोच रहे हैं तो ये मेटाकॉग्निशन है मेटा कॉमिशन में क्या क्या आता है भाई एक तो आता है सिंपल आपका प्लान द अप्रोच आप प्लानिंग करते हैं भाई ये पेपर में कैसे क्लियर करूंगा अच्छा पिछली बार ये हुआ था इस बार ये नहीं होना चाहिए आपने क्या किया एक स्ट्रेटजी जो बनाई थी प्लान की थी कि इस बार सीटेट ऐसे ऐसे करना है ये नोट्स पढ़ने है यहाँ से बैच लेना है फिर आपने वो अप्लाई की ठीक अप्लाई की अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यार क्या मैंने ठीक से अप्लाई किया पिछली बार जब ये हुआ था तो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रकाश डाल के देख रहे हैं चिंतनशील है उसके बारे में और बेहतर क्या कर सकता हूँ तो आपने रिफ्लेक्ट किया फिर असेस करेंगे आप कि जो टास्क मैंने किया है कितना अच्छा किया है खुद को ही नंबर दे रहे हैं आप मॉक से पता लग रहा है आपको कि 120 नंबर आ रहे हैं अच्छा चलो अच्छा हो जाएगा फिर फाइनली इवेल्युएट कर रहे हैं आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जिसको स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं है ना मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस ये आपकी आ, जो है इस बार केवीएस में भी पूछा गया था तो मेटा कॉग्निशन बेसिकली थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग अवेयरनेस अबाउट योर ओन अवेयरनेस मैं इसके क्वेश्चन अभी जो आने वाले सेशन होंगे और भी कराऊंगी है ना तो आप जब खुद की अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं थिंकिंग अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग रिव्यूइंग ये सारी चीजें मेटाकॉग्निशन में आती हैं इवन जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना उसमें मेटाकॉग्निशन लगता है समालोचनात्मक चिंतन में मेटाकॉग्निशन लगता है समालोचनात्मक तो मतलब फैक्ट क्या है ओपिनियन क्या है तो आपको सोचना पड़ेगा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा प्लान करना पड़ेगा रिव्यू करना पड़ेगा तो मेटाकॉग्निशन लगेगा और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर कराने की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करती है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर कराने की बात करती है तो क्रिटिकल थिंकिंग में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स अपने आप आ जाएंगे तो मेटाकॉग्निशन क्या है आई एम फीलिंग यानी यू आर थिंकिंग अबाउट वॉट यू आर फीलिंग अच्छा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है अच्छा क्या मैं जलिस महसूस कर रही हूँ अच्छा जलिस क्यों महसूस करती हूँ मेरी स्ट्रेंथ क्या है क्यों करूं भाई मैं महसूस महसूस अच्छा मुझे इस टाइम पे ऐसा जैसे मैंने आपको बताया था कि आई नो अगर मुझे कोई ये कहेगा कि भाई इस समय पे जब मेरा पूरा ध्यान मैराथन पे है मैं अपनी क्लासेस में बिजी हूं एक दिन होता है रात होती है फिर दिन होता है फिर रात होती है काम ही चल रहा होता है और जिंदगी यूं ही कुछ तो है ना एक शेर है है ना जिंदगी यूं ही खाक होती है वट तो वैसा नहीं है मतलब मजा आ रहा है तो मैं लगी हूं पीपीटी बना रही हूँ नेक्स्ट डे की तैयारी चल रही है फिर क्लासेस हो रही है फिर नेक्स्ट डे तैयारी चल रही है तो जब मुझे पता है कि इस समय पे जब मेरा ध्यान कहीं एक जगह पे फोकस्ड होना चाहिए जब एग्जाम है तो मुझे बाहर का डेटा नहीं चाहिए कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है कहाँ क्या हो रहा है मैंने कुछ आ, मेरा कुछ और काम चल रहा है वो सब सेकेंडरी पहले प्रायोरिटी ये तो ये क्या हुआ आई एम फीलिंग मतलब मुझे कैसा महसूस होता है किस बात से मैं अवेयर हूँ अपने इमोशंस को लेकर कोई रिश्तेदार आएगा कोई कहानियां सुनाएगा मतलब मैं इन जनरल बात कर रही हूँ सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रही हूँ वो कुछ कहेंगे फिर आपको पता है फिर आपको बुरा लगेगा है ना फिर फलाने ने फलाने की चुगलियां कर दी ये सब चीजें तो ये सब क्या है आप अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स को लेके कि कौन सी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं मेटाकॉग्नेटिव स्किल है ये एक. तो आप उन चीजों से पहले ही साइड हो जाते हैं थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग अवेयरनेस अबाउट योर ओन फीलिंग्स कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं आई एम थिंकिंग इस पर आपका ध्यान है आई एम फीलिंग इस पर आपका ध्यान है आई एम सींग मैं देख क्या रहा हूं आई एम वंडरिंग आई एम नोटिसिंग यानी प्लान रिव्यू रिफ्लेक्ट ये सारे ऑर्गेनाइजेक्ट इसमें आ जाते हैं मेटाकॉग्निशन में और भी बहुत सारी चीजें आती है इस पर और भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग मेटाकॉग्निशन लगता है ये जरूर याद रखिएगा हेल्प करेगा पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने में इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है कि आप इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों तरह की इंटेलिजेंस आपके अंदर है आप दूसरों को भी समझने के दूसरे के इमोशंस को भी समझने की क्षमता रखते हैं उनके मोटिव्स को उनके डिजायर्स को और आप अपने भी इमोशंस मोटिव्स डिजायर्स को समझने की क्षमता रखते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं है ना तो ये बेसिकली एरिस्टोटल uh, का एक कोट uh, है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री दैट इज इजी बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट अमाउंट इन द राइट डिग्री फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे दैट इज नॉट इजी गुस्सा कोई भी कर सकता है बट सही समय पे सही पर्पस के लिए सही तरीके से सही मात्रा में सही व्यक्ति के साथ गुस्सा करना क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या आप अपने इमोशंस को कहां कैसे यूज करेंगे तो बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको डेवलप करनी है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड एरर्स फिर आपका ये लास्ट टॉपिक आ जाएगा मुश्किल से अब हमें कितनी देर लगेगी छह घंटे हो गए कोई नहीं ऑल्टरनेटिव एरर्स यानी अब इस पर एक क्वेश्चन सौ परसेंट आता है वैकल्पिक अवधारणा ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट क्या होता है भाई ये नहीं तो ये रखते हैं ना कोई लोग ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट क्या है कि मुझे पता है कि अभी माइक की जब दिक्कत हुई वो जो ढोल बज रहा था लोहड़ी वाला तो मुझे पता था मेरे पास ऑल्टरनेट क्या है सर में दर्द तो होगा लेकिन ये माइक आवाज नहीं आने देगा ये माइक काफी मतलब आवाज ब्लॉक कर देता है उस हिसाब से

ये रॉन्ग होते हैं साइंटिफिकली बट आप इनको रॉन्ग नहीं कहते इनको ऑल्टरनेट कहते हैं या फिर मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं या इसका एक नाम है नाइव कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेपन या नाइव नाइव क्या होते हैं भाई यानी बच्चा अभी थोड़ा कम अनुभव है उसको उस चीज में अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है बच्चा अपने अनुभव के आधार पर बात करे तो उसको मौका दो वो अनुभव कहने देने का बेशक वो फैक्चुअली थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो रॉन्ग कंसेप्शन क्या होता है कि बच्चे ने कहा कि आपने पढ़ाया कि बच्चा कि पानी का जो रंग है वो कलरलेस होता है बच्चे ने कहा मैम कलरलेस मैंने तो हरे रंग का पानी देखा था एक तालाब में अब आप उसको डिस्कशन करेंगे इस इसपे चर्चा बहुत जरूरी होती है इनको चैलेंज करना भी जरूरी होता है एट टाइम्स डिस्कस करके डिबेट करके वॉट तो इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों को मारपीट के चैलेंज करते हैं चैलेंज का मतलब है चर्चा करके अपॉर्चुनिटीज देके अवसर देके

तो रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कहकर ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं कि ये भी एक विकल्प है ऐसे भी सोचा जा सकता है अच्छा तुमने बहुत अच्छी कोशिश की ये सोचने की लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये होता है या चर्चा करेंगे आप जानने को मिलेगा बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे उससे तो मिस हो सकते हैं ये नाइव कॉन्सेप्शन कहला सकते हैं ऑल्टनेटिव कॉन्सेप्शन कहला सकते हैं लेकिन रॉन्ग नहीं कहते इनको और इनको डिस्कार्ड नहीं करना होता है इन पर चर्चा करनी होती है ये ठीक है लर्निंग का पार्ट है तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा अब इनको क्लियर कैसे किया जा सकता है एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आप इनको और क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं जो डायरेक्ट उदाहरण है पेपर में पूछा जाता है उदाहरण एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल डायरेक्ट उदाहरण क्या है अभी मैं उस स्टेज पे जा चुकी हूं अब कोई बैक पेन कुछ कुछ भी फील नहीं हो रहा प्यास भूख कुछ नहीं देखिएगा एग्जाम्पल क्या है उदाहरण उदाहरण नॉन एग्जाम्पल क्या है गैर उदाहरण दोनों ही क्या है लर्निंग की प्रोसेस में जरूरी है भाई नॉन एग्जाम्पल्स भी बेटर तरीके से क्लैरिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल तो डायरेक्ट होते ही हैं। मैंने कहा कि कंजर्वेशन uh, का एग्जाम्पल दिया प्याजे के स्टेज में आपको ये आपको बताया एग्जाम्पल चिड़िया ऐसी होती है यानी बर्ड के बारे में बताया ये एग्जाम्पल है लेकिन जब मैंने आपको बताया नॉन एग्जाम्पल के ये एरोप्लेन भी कई बार आसमान में उड़ता दिखता है और वो क्या है वो बर्ड नहीं है वो एरोप्लेन है वो अलग है तो आपको और क्लैरिटी आती है कि बर्ड क्या नहीं है तो नॉन एग्जाम्पल क्लैरिफाई कर देता है इनडायरेक्टली उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट को तो एग्जाम्पल प्लस नॉन एग्जाम्पल दोनों हेल्प करते हैं इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और टीचर को यूज करना चाहिए एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों को ही ये एकदम पॉजिटिव बात है इसको ध्यान में रखिएगा एक नंबर में आता है आजकल ठीक एरर्स को भी एरर्स भी सीखने का हिस्सा है ये सब बात आपको पता है चलिए खैर बच्चा जो भी अपने अनुभव से लेके आए उसको आपको एक्सेप्ट करना है एनईपी e. की बात कर लेते हैं एनईपी e. आपका एक तो एनईपी e. में आपको पता है क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत जोर है समालोचनात्मक चिंतन जिसमें आप फैक्ट्स एविडेंसेस इन सब के आधार पे एक महत्व देते हैं इसमें एविडेंस या फैक्ट की बहुत वैल्यू होती है क्रिटिकल थिंकिंग में है ना तो क्रिटिकल थिंकिंग ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स में आती है इक्कीसवीं शताब्दी के कौशल जिसमें कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल लिटरेसी ये सब आता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी मैटा कॉग्नीशन भी फॉर दैट मैटर अगर हम बात करते हैं तो एनईपी थ्री सिक्सटी डिग्री असेसमेंट की बात कर रही है थ्री सिक्सटी डिग्री असेसमेंट क्या होता है चहुमुखी या होलिस्टिक असेसमेंट सर्वांगीण आकलन कैसे होगा इन्होंने कहा है कि एक तो आप कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर कॉग्निटिव क्या होता है हेड दिमाग बच्चे का वो भी चेक करिए यानी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी दीजिए अफेक्टिव यानी इमोशंस भी उसके की वो किस तरह अच्छा है उसके उसको कैसे चीजें समझ में आती है और हार्ट कहते हैं उसको और साइकोमोटर होता है साइकोमोटर को कोनेटिव भी कह देते हैं ये ब्लूम्स स्ट अलग से देख लेना किसी को फुर्सत मिले तो नहीं तो अवॉइड करना अलग से क्वेश्चन वैसे सीडीपी में नहीं देखने को मिल रहे तो कैप कॉग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही डोमेन में आपको बच्चे का आकलन करना है यानी उसके दिल दिमाग और उसकी फिजिकल एक्टिविटी वो किस क्षेत्र में अच्छा है स्कोलेस्टिक को स्कोलिस्टिक सबको इंक्लूड कर लेना है तो आकलन आपका कॉगनेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर में होना चाहिए इन्होंने एक परख सिस्टम लॉन्च किया था परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू वाला ऑफ नॉलेज एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट करके ये असेसमेंट के लिए था 360 डिग्री असेसमेंट क्या है बच्चे का आकलन पीयर भी पीयर्स भी करें उसके साथी भी कि वो कितने नंबर दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को किसी काम के लिए कितना रैंक करेंगे मतलब रैंक मतलब कितना आउट ऑफ टेन कितना दे रहे हैं किसी काम में किसी टास्क में बच्चा खुद को भी आकलन करे खुद का भी सेल्फ असेसमेंट जिसको हम कहते हैं है ना और अगर मैं बात करूं बच्चा क्या करे टीचर भी बच्चे का आकलन करे टीचर असेसमेंट तो ये 360 डिग्री असेसमेंट हो गया जिसमें कॉग्नेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर भी आ गया और मेजरली क्या है टीचर भी असेस करे बच्चों को पीयर्स भी और सेल्फ असेसमेंट तीनों आस्पेक्ट में आपने बच्चे को जांच लिया क्लियर है बात बहुत बढ़िया यार आपको सैल्यूट है जो लोग मतलब जिनमें उतनी हिम्मत है कि अभी तक भी लगे हुए हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तभी मैं सालों से करा पा रही हूँ लेकिन कर पाना जो है आप खाना तो खा लीजिए तो बहुत ठीक रहेगी अरे कोई नहीं अभी मैं खाऊंगी ना आराम से जाके इतना कुछ नहीं है दिमाग का खेला सारा कोई दिक्कत नहीं <laughs> कल हालांकि मैं आपको रोती मिलूंगी कहूंगी हाय रे यहाँ दर्द वहाँ दर्द कि वही दिक्कत नहीं कल मैं क्लास कोशिश करूंगी ले लूँगा मुझे एक और काम भी है कल बट रहेगी मेरी कि शाम को नौ बजे तो मैं एटलीस्ट क्लास ले लूँ परसों फिर हिंदी का मैराथन करेंगे देखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थ्री सिक्सटी डिग्री असेसमेंट की बात कर ली क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर ली हमने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स की बात कर ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता ही है वो एफ पी एम एस पांच सौ चौंतीस का स्क्वायर ये आपको नोट्स में भी दिया हुआ है ये फंडे हैं निमोनिक है कि नया स्ट्रक्चर क्या है पहले टेन प्लस टू प्लस थ्री होता था अभी क्या है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर इसलिए थ्री का स्क्वायर है ना पांच क्या है फंडामेंटल इसी में आपका जो फंडामेंटल स्टेज है मूलभूत चरण इसी में एफ एल एन जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है तीन से आठ वर्ष के बच्चे के लिए के जिसमें हम रीडिंग राइटिंग अर्थमैटिक ये सब में अच्छा हो बेसिक लिटरेसी उसको आ जाए है ना तो वो फाउंडेशनल लिटरेसी जिसमें जिसमें निपुण भारत मिशन की हम बात कर रहे हैं पर इतना ही जरूरी है अभी बहुत डिटेल में एनपी नहीं आ रही है तो फाउंडेशनल लिटरेसी की अगर हम बात करें मूलभूत चरण की जिसको पढ़ के जाना हो भाई चले जाना मैं अपने तरीके से करा रही हूँ सेशन मैं ले रही हूँ तो उस हिसाब से क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन uh, है उस हिसाब से चल रहे हैं फाउंडेशनल यानी मूलभूत चरण इसी में हम आ, जो तीन साल के बाल तीन साल बाल के हैं और क्लास वन और टू इसी में आ जाते हैं है है ना वो जो वाला पीरियड फाउंडेशनल फिर आता है एफ पी एम एस पी फॉर प्रेपरेटरी स्टेज इसमें कक्षा दो से पांच तक आ गया फिर आता है तीन से तीन साल और आए एम मिडिल स्टेज छह से आठ क्लास सिक्स टू एट्थ आता है चार साल नाइन्थ टू ट्वेल्थ जिसमें कह रहे हैं अलग अलग मत बांटो सब्जेक्ट्स को एनाल ये है सेकेंडरी एफ पी एम एस है ना तो फाउंडेशनल लिटरेसी पांच साल जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बाल बाटिका फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी तीन से आठ वर्ष तक बच्चे आप पारंगत हो जाए पढ़ने में लिखने में अर्थमेटिक में बेसिक कैलकुलेशन में निपुण भारत मिशन ये सब यहाँ है बहुत जरूरी है ये प्रेपरेटरी स्टेज है आपका कक्षा एक और दो भी यहां है तीन से तीसरी चौथी और पांचवी थर्ड टू फिफ्थ आपका यहां आ जाएगा है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे को सेंटर में रखना है इसके साथ साथ एडिशनल संस्कृत uh, को आप या जो आपकी संस्कृत uh, को एक एडिशनल लैंग्वेज के रूप में आप पढ़ सकते हो ठीक है ना जो आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला था जो कहता था मदर टंग इंग्लिश और हिंदी या जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वहां पर उल्टा हो जाएगा कि जो मदर टंग अगर हिंदी नहीं है तो सेकंड पे हिंदी और फिर बाद में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी यानी तीन भाषाओं की बात होती है मदर टंग एक आपकी मातृभाषा जो भी बच्चे की मातृभाषा प्राइमरी लेवल तक आप उसी को फोकस करिए फिर अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश एक एडिशनल सॉरी संस्कृत एक एडिशनल सब्जेक्ट या इस तरह की जो और रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनको एडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा सकता है मदर टंग पहली भाषा होनी चाहिए दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी या है इंग्लिश में से कोई और तीसरी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो बाईस भाषाएं हैं है संविधान में उनमें से बीस भाषाओं में तो आपका सीटेड भी होता है और उन बीस बाईस भाषाओं में इंग्लिश नहीं है ये याद रखिएगा खैर हम हिंदी इंग्लिश की मैराथन में कर लेंगे ये बातें तो मदर टंग थ्री लैंग्वेज हमला तीन भाषाएं आपको लेके चलनी है अच्छा मल्टीलिंग्वलिज्म बहुत जरूरी है बहुभाषावाद मल्टीलिंग्वलिज्म एक क्लास में एक से भाषाएं ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे और इसको आपको एक एसेट एक रिसोर्स की तरह लेकर के चलना है संसाधन है कि बच्चे एक दूसरे से एक दूसरे की भाषाएं सीखेंगे है ना ये एसेट है बच्चा जो भी घर से लेके आए उसकी भाषा हो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सब काम का है सबको एक्सेप्ट करना है ठीक है ना तो ये मल्टीलिंग्वलिज्म है बहुभाषावाद बायोलिंग्वलिज्म क्या होता है इसमें दो भाषा मल्टी में मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकते हैं इसको आपको एक अच्छा अच्छा माना टेक्स्ट टेक्स्ट बुक बुक रट्टाफिकेशन से टेक्स्ट बुक क्या है है वन ऑफ द रिसोर्स किसी भी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आए ध्यान रखेगा पाठ्यपुस्तक बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटीरियल में से एक मटीरियल है बच्चों को एक्सप्लोर करने दो उसको आज की डेट में तो वो इंटरनेट से ढूंढे घर पर डिस्कशन करे दोस्तों से बात करे टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है सब कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक सर्वे सर्वा नहीं है यानी ऑल नहीं है टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है तो यही बेसिक बातें हैं आर की अगर मैं बात करूं आपको पता ही है आर में छः से चौदह वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राइमरी स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए तीन किलोमीटर के दायरे में आपका जो है एलिमेंट्री स्कूल छह से आठ वाला पैंतालीस घंटे एक टीचर को काम करना है हफ्ते में आर के अकॉर्डिंग और नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं सत्तर करना चाहिए सबको यार वो एक अलग बात है तो पैंतालीस घंटे जिसमें प्रेपरेशन लेसन प्लानिंग इंक्लूडेड है और हमारे जैसे लोग देखिए एक बार हमारा जीवन ही काम है देखिए तो अगर हम बात करें पैंतालीस घंटे और आठ सौ घंटे का इंस्ट्रक्शनल टाइम प्राइमरी लेवल पे एक साल में और हजार घंटे आपका जो एलिमेंट्री सिक्स टू एट का लेवल है कक्षा एक से पांच में आपका आठ सौ घंटे ये बेसिक बातें हैं अच्छा इसमें थर्टी रेशो वन का टीचर प्यूपिल टीचर रेशो होना चाहिए यानी तीस बच्चों पे एक टीचर है ना हालांकि कई कई जगह पे तो भाई साहब नब्बे नब्बे बच्चे होते हैं वो गड़बड़ है और सिक्स टू एट क्लास में ये प्राइमरी के लिए सिक्स टू क्लास में पैंतीस बच्चों पे एक टीचर और ये रेशो मोर देन फोर्टी नहीं होना चाहिए, चाहिए, तो चाहिए। स्टूडेंट प्यूपिलीचर रेशो, रेशो बोलते हैं शिक्षक अनुपात ठीक है ना तो ये बेसिक बात है आपको पता है छह से चौदह वर्ष फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं बच्चे को एज वाइज होमोजीनियस होती है आरटीई में क्लास क्योंकि अगर छह वर्ष का बच्चा है तो आप पहली क्लास में एडमिशन लेंगे चौदह वर्ष का आठवीं में लेंगे जब बच्चा आएगा उस समय पे उसकी एज के अनुसार आपको क्लास में एडमिशन कराना है और उसको बाकी क्लासेस लगा के बाकी चीजें कवर करानी है तो अगर मैं देखूं पे तो ये हो गया एज वाइज होमोजीनियस होती है क्लास होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं ये बेसिक बातें हैं बात है। क्या होते हैं एबिलिटी वाले ग्रुप सारे बच्चे एक जैसी एबिलिटी वाले हों वो ग्रुप नहीं अगर ग्रुप बनाने की जरूरत पड़े मिक्सड एबिलिटी वाले ग्रुप अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होने चाहिए अच्छा और क्या है भाई और आपके 6 से अट्ठारह वर्ष है डिसेबल्ड आ, जो लर्नर्स हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सी डब्ल्यू एस एन इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए 6 से चौदह वर्ष और आर टी कह रहा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से अट्ठारह दो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं एनसीएफ आने को 2023 भी आया हुआ है पुराना एन भी है इतनी सारी चीज़ें ही हो गई हैं कि ये वाली यूनिट से अगर आप देखेंगे वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं अगर आपने बच्चों को सेंटर में रखा है बहुभाषावाद आपको पता है बेसिक चीजें आपको पता है आपको ये सब डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना कम समय है उस हिसाब से कॉमन सेंस के क्वेश्चन से आपको बच्चे को सेंटर में रखना है और ये जो बेसिक बातें जो मैंने डिस्कस की हुई है प्रीवियस वीडियोज में भी अभी भी उतने से दिमाग आपका अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे पेपर में क्वेश्चन निकल जाएगा फंसेगा नहीं अंटरनेल्स एक आध क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ये उस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पैटर्न उठा के देखेंगे अभी लास्ट में भी उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर भी लगा लिया है तो अच्छा ये है आपका ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स के बच्चा अडेप्ट कर पाए लीडरशिप क्वालिटी कम्युनिकेशन इंटरनेट स्किल्स आए डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्यूरियोसिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग ये सब आ जाए बच्चे में तो आज के लिए इतना ही भाई होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अभी मैं थोड़ी देर आपसे बातें करूंगी कुछ और डाउट आपका होगा तो बोलूंगी है ना और इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा ये एक सौ कितना 153 का पी का पीडीएफ है पता नहीं कितने एम का सत्तर एम या कुछ का तो ये आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अब आप ये बताइए कि किसी को कोई और दिक्कत है ईटीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में आपके सीटेट में नहीं पूछा जाता है ईटीसी वही ना जो मैं आपको बैचेस में पढ़ाती हूँ एड्यूकेबल ट्रेनेबल और कस्टोडियल रिटार अच्छा कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं उनको भी साथ लेके चलना है वोकेशनल एजुकेशन हम रिटायर्ड बच्चों को देते हैं ठीक है ना मोर देन दैट यू आर नॉट ओनली अ टीचर मोर देन दैट आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक अच्छा धन्यवाद आठ बजे से कंटिन्यू है सौ एक सौ पाँच आ रहा है प्लीज कुछ बताओ मेरा मधुरन आप एक तो अगेन मधुरम अगेन आपको क्या करना है साढ़े सात बजे से चल रहा है अगर हम बात करें आपको क्या करना है आपने घबराना नहीं है 105 आ रहे हैं मजाक कर रहे हैं आपको क्या करना है सिंपली एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो नोट्स हैं आपको पांच बार आप ये रिवाइज कर लो भाई है ना ये मैराथन देख लेना दोबारा ऐसा ही मन करे तो काम की चीजें कराई गई हैं है ना तो कोई दिक्कत नहीं दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए जहां गलती हो रही है उस आस्पेक्ट में थोड़ा सा और मेहनत कर लो उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो कुछ और पूछना है तो पूछ लो जो मेरे दिमाग से निकल गया हो वैसे जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो एक स्पीड में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है इससे कम देर में कराना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अवॉइड भी की है जो बहुत बार नहीं पूछी जा रही है ठीक हाँ, तो है ना इमोशनल डेवलपमेंट विद मॉरल डेवलपमेंट हाँ कह सकते हो कुछ ऐसे तो चारों ही टाइप्स रिलेटेड है ना इंटर रिलेटेड है हरविंद्र चाहे वो फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल ये चलते भी इसी तरह से हैं और ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अगर आपका शरीर बुखार में है तो मन थोड़ी अच्छा हो जाएगा दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है ठीक अच्छा एक और चीज हम कह रहे थे हाँ, वो तो हम कर चुके हैं क्रिएटिविटी वाला टीचिंग मेथड्स नहीं नहीं आते बिल्कुल करने आपको जो मैंने कराया है वो सिलेबस से एक एक पॉइंट आपका उठा के कराया है नहीं करने ठीक है नोट्स पहले का काम कर अरे बिल्कुल कोई पहले का नहीं ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद से आया इसमें मेटाकॉग्निशन से लेकर सारी चीजें डोंट वरी इंटरप्रिटेशन होता है आप चर्चा कर रहे हैं किसी चीज को इंटरप्रेट यानी अपने तरीके से बता रहे हैं वो भी हो सकता है डिपेंड करता है किस तरह से पूछ रहे हो ये वर्ड मीनिंग तो खेलो मत भाई वैसे बताओ मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं बट आपके सिलेबस में सच मुझे लगता कहीं इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है मैम मेच्येशन वाइगॉस्की से भी रिलेटेड है नहीं उन्होंने हेरिडिटी पे फोकस ही नहीं किया उन्होंने एज पे फोकस ही नहीं किया ये उनकी उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस ही नहीं किया ये उनकी वो है क्या कहते हैं उसको आलोचना है ठीक है ना इंडक्टिव डिडक्टिव प्लीज़ यार वो दूसरे सब्जेक्ट में ही काम का है आपको इसमें सी डी पी में तो कभी रेयर ही देखने को मिलेगा इंडक्टिव डिडक्टिव चलो मैं बता देती हूँ फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा तो बता ही देंगे चलिए खैर कल भी मिलेंगे ही हम बी आर ओन कॉन्स्टेंट अपने साथ बने रहिए खुद पे भरोसा रखिए काम करिए जमाना आपके साथ होना हो आप अपने साथ रहिए ये है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण भाषिक बुद्धि गार्डनर की थियोरी में ये मैंने खुद लिखा था 2018 में ऐसी अपनी अपनी तारीफें करती रहनी चाहिए सबको खुश रहना चाहिए देखो इंडक्टिव मैथड सिंपल है एक क्वेश्चन में बताती हूँ आपको समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन आया था दो की बात है कि एक टीचर ने चार राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं या चार ट्राइंगल्स दिए हैं चार शीट दी है बच्चों को अलग अलग टाइप के ट्राइंगल हैं वो आइसो सेल्स और दुनिया भर के होते हैं ना अब मेरे को याद भी नहीं ठीक मैथ्स से नाता ज्यादा बचा नहीं है तो अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल दिए हैं ठीक और बाद में प्रॉपर्टीज बताई हैं उसकी पहले पेपर में प्रिंट करा के राइट एंगल ट्राइंगल दिए शीट्स दी हैं बच्चों ने देखा है ना फिर बाद में बताया उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और फिर रूल बताया कि इनको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं आपने चारों ऑब्जर्व कर लिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है वो होता है है ना वो लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था वो भी निमोनिक का ही उदाहरण है लाल बटे कक्का समझते हो ना लंब जिसको कहते हैं हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग लाल बटे कक्का लंब मतलब लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पे वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता था सी में हिंदी में हम लोग वहाँ यूपी बुलंदशहर में लाल बटे कक्का करते थे है ना तो लॉन्गिट्यूड हो गया बेस आधार को कहते थे हम ठीक है ना कर्ण हम कर्ण किसको कहते हैं यार अंग्रेजी में हाँ। तो वो हो गया ठीक तो ये क्या बेसिकली आपने बच्चे को ट्राइंगल दी उसको ऑब्जर्व करने को कहा यानी एग्जाम्पल से रूल पहले आपने एग्जाम्पल दिखाया उसको उदाहरण और फिर रूल पे लेके गए ये अच्छा तरीका होता है छोटे बच्चों के साथ डील करने का इसको उदाहरण से नियम की ओर स्पेसिफिक टू जनरल सामान्य से विशिष्ट की ओर सॉरी विशिष्ट से सामान्य की ओर ये है इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड मैथड पहले टीचर ने आपको संज्ञा के उदाहरण दिए बाद में संज्ञा की परिभाषा बताई रूल बाद में बताया लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है डिडक्टिव को फॉलो करते हैं हम यानी पहले रूल बताते हैं फिर उदाहरण पे जाते हैं ठीक है यार मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी है मुझे लगता पेपर आपका इससे बाहर जाना चाहिए अगर आप ये रिवाइज कर करें जो चीजें मैंने बोली भी हैं बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं मैंने सारी लिखी होंगी समय बचाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दी है वर्बली जैसे एल्गोदम ह्यूरिस्टिक और ये चीज़ें एनोलॉजी भी हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो पेपर आपका नहीं जाएगा तीस में तीस आ जाएंगे अगर आप मल्टीपल रिवीजन अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच कल मिलेंगे धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मोटिवेशन बना के रखा और अब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं आगे छः घंटे की क्लास ये हो चुकी है छः से ज़्यादा की हो चुकी है बट आगे मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं है कि मैं ये फिर से इतना बड़ा सेशन लूँ मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि मुझे लगता है कि आप नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा रखो कम समय में ज़्यादा बात और दूसरा ग्रेजुअल होती है लर्निंग तो मैं फ़ैन नहीं हूँ इस चीज़ की मुझे मज़ा आता है ऑफ कोर्स अभी छः घंटे और भी चलेगा तो चल जाएगा आज जैसी सिचुएशन में भी लेकिन वो फिर फ्रूटफुल नहीं रह जाती चीज़ें है ना चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच कल मिलेंगे कल इसका टेस्ट या कह सकते हैं कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे कुछ ना कुछ करेंगे धन्यवाद थैंक यू सो मच कोई और डाउट हो तो पूछ लेना भाई कॉमेंट्स में आज के लिए इतना ही रखते हैं